हेलो 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 कैसे हैं आप सब लोग क्या भैया क्या हालचाल गुड आफ्टरनून गुड इवनिंग सभी को गुड आफ्टरनून गुड इवनिंग क्या हालचाल है बच्चों कैसे हैं सब लोग आई हेलो कर दो यार ओके okay. बच्चों आज लाइट लेक्चर लेकर के आए बेटा जी हम रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के अंदर ठीक है गुड इवनिंग गुड इवनिंग सभी को गुड इवनिंग बच्चों क्या हाल चाल है प्रणाम नमस्ते गुड आफ्टरनून गुड इवनिंग और बताओ क्या हाल है सभी के आज तैयार हैं फिर करें करें स्टार्ट आज वन शॉट में खत्म करेंगे बच्चों लाइट को ठीक है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन पूरा चैप्टर नंबर टेन एनसीआर है ना उसको वन में कवर करेंगे और यह चैप्टर बिना न्यूमेरिकल के नहीं हो सकता तो इसलिए मैं आपके लिए न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस भी इसके अंदर लेके आया हूं ठीक है तो आप निश्चिंत हो जाएं हम हर टॉपिक को कवर करेंगे छोटे से छोटी बात को लेकर के बड़े से बड़ी बात तक जितनी भी आपको इंपॉर्टेंट है जितनी एग्जाम में पूछी जा सकती है वो सब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज ठीक है और न्यूमेरिकल के साथ ठीक है और कुछ पूछना हो तो बताओ ठीक है ठीक है ठीक है मैं ट्यूशन मैं ट्यूशन जा रहा हूं ट्यूशन अच्छा ओके बच्चा कह रहा है कि मैंने ट्यूशन छोड़ दी अच्छा ठीक है ठीक है चैट बहुत तेज चल रही है चलो चलो ठीक है स्टार्ट कर रहे हैं ओके कर दे स्टार्ट चलो 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 स्टार्ट करते हैं ठीक है लव यू बेटा लव यू चलो स्टार्ट करते हैं ठीक है ओके okay बच्चों तो ये चैप्टर का नाम है हमारे ठीक है ये हमारा बैच है वॉरियर बैच ठीक है ना तो मेरे वॉरियर्स मेरे वॉरियर्स तैयार हो जंग लड़नी है बेटा जी ओ एक बच्चा पूछ रहा है बच्ची है पूछ रही है हाउ मैनी आर्स ड्यूरेशन पूछ रही है <laughs> बेटा यार आपको एक बात बताता हूं ये जो ड्यूरेशन है ना ये अपने को भी नहीं पता होती ठीक है ना ये हमें भी नहीं पता होता कि कितनी ड्यूरेशन लगेगी इसके अंदर ये तो आपके रिस्पॉन्स है। है आप? जो जो जैसे आ रहे होंगे मुझे चलना पड़ेगा वही मेरी स्पीड होगी ठीक है ना भाई हम तो वो घोड़े हैं जिनकी लगाम तो आपके हाथ में है आपको चलवाना आप बोलोगे सर रिपीट करना है तो रिपीट करना पड़ेगा भाई आप बोलोगे सर समझ में आ गया तो आगे बढ़ जाएंगे ठीक है ना आप बोलोगे सर रुक के हमको नोट करना है तो रुक के नोट करवाना पड़ेगा तो ये तो ये आपके कमेंट के बेसिस पे हमको पता चलेगा कि आगे चलना है कि नहीं चलना ठीक है सर इलेवन आवर्स पढ़ा दो अच्छा ठीक है ठीक है चलो ग्यारह घंटे पढ़ा देंगे ओके और बताओ और बताओ सर जितना टाइम लगेगा वो लगेगा ठीक है ना अगर आपको कहीं जल्दी है आपको कहीं जाना है तो आप निकल के जा सकते हो कोई दिक्कत नहीं कोई भला मानुष कोई हमारे में से कोई अच्छा सा इंसान आप ही में से कोई अच्छा सा इंसान क्या करता है नीचे टाइम स्टाइम डाल देता है लेक्चर खत्म होने के बाद तो आप जाकर के उस वाले पार्ट को सुन सकते हो कोई दिक्कत नहीं है, है ना लेक्चर खत्म होने के एक दो घंटे तीन घंटे के बाद या फिर कल तक टाइम स्टाइम कोई ना कोई अच्छा बच्चा लिख ही देता है जो जिसने पूरा लेक्चर अटेंड किया होता है वो अपने पास नोट कर लेता है और वो कमेंट के अंदर ला करके डाल देता है कैसे इतने घंटे पर ये आपको टॉपिक मिलेगा इस घंटे पर आपको टॉपिक मिलेगा तो आप आकर के वहां पर देख सकते हो कोई दिक्कत नहीं है ठीक है ना ये कमेंट रुक क्यों गए हैं नीचे चलो ना इनको ठीक है भाई तो हमें नहीं पता भैया कितनी देर लगेगी तो देखी जाएगी ये तो देखी जाएगी कितनी देर लगेगी अगर आपको कहीं जल्दी है कहीं जाना है तो आप जा सकते हो भाई नमस्ते ठीक है ठीक है ना कोई जल्दी हो कहीं निकलना हो तो निकल जाओ कोई दिक्कत तो नहीं ठीक है ना कल आके देख लेना परसों आके देख लेना ठीक है और बताओ और बताओ करें स्टार्ट ठीक है कुछ भी नहीं छोड़ूंगा मैं इस चीज हाँ आप इस चीज के लिए निश्चिंत हो जाओ कुछ नहीं छोड़ा जाएगा सब कुछ कंप्लीट होगा बच्चा पूछ रहा है क्या ये कवर होगा वो कवर होगा सब कुछ कवर होगा भैया लेक्चर के अंदर ठीक है हाँ स्पीड अच्छी रहेगी लेकिन लेक्चर की ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा ठीक है अच्छा एक बात और जो बच्चे यहां पर ऐसी खाली हाथ आकर के बैठ गए फिल्म देखने के लिए आए हैं भाई फिल्म मत देखो ठीक है ना तुमने जा करके कुछ खाने का साथ में रख लेना है पहले ही पानी की बोतल और कुछ खाने पीने को आपने साथ में रख लेना है कॉपी रखनी है अपना जोमेट्री रखना है पेन रखना है साथ में ठीक है जी और वो कुछ भी खत्म ना हो शापनर लेने जाना पड़े बार बार ऐसा मत करना आगे निकल जाएगा लेक्चर फिर बोलते रहोगे रिपीट 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 फिर रिपीट नहीं हो पाएगा भैया ठीक है और बोलो कितने स्लाइड है 109 स्लाइड है बेटा टोटल 108 थी मैंने एक बढ़ा दी <laughs> तो 109 हो गई है वो ठीक है और बोलो और बोलो स्लाइड से कुछ फर्क नहीं पड़ता यार स्लाइड से क्या होता है स्लाइड तो आगे आगे बढ़ा देंगे क्या दिक्कत है ठीक है और बोलो ठीक है और यार ये ये ना ये ना कमजोरों वाली बात मत किया करो ये तुम्हारी वीकनेस दिखाती है सर कितनी देर लगेगी लेक्चर में सर ब्रेक कब मिलेगा हमको एक बात बताओ इस बैच का नाम क्या है बोलो जी इस बैच का नाम क्या है हैं इस बैच का नाम क्या है क्या नाम रखा है इस बैच का हमने इस बैच का नाम हमने रखा है वॉरियर है ना इस बैच का नाम ने रखा है वॉरियर क्यों वॉरियर नाम रखा है हमने तो चलो नाम रख दिया क्या आप अपने आप को वॉरियर मानते हो क्या होता है वॉरियर वॉरियर को नहीं पता होता कि जंग कितनी लंबी है वॉरियर को नहीं पता होता कि प्रैक्टिस में कितना पसीना भाएगा और कब खून भयेगा वॉरियर को नहीं पता होता कि उसको खाने को कम मिलेगा पीने को कम मिलेगा आराम करने को कम मिलेगा कि वो घर को लौटेगा भी कि नहीं लौटेगा चलो आपको इतना तो पता है कि आप घर के अंदर और पढ़ाई कर रहे हो आपको लेक्चर सर्वाइव करना है ठीक है लेक्चर को एंजॉय करना है ठीक है तो आप एक वॉरियर की तरह से वॉरियर का मतलब वाकई जंग पे नहीं भेज रहे आपको लेकिन ये आपके लिए जंग से भी कम नहीं है ठीक है ना एक विद्यार्थी का जो जीवन होता है वो जंग ही होती है वो युद्ध होता है है ना तो योद्धा वही है जो और किसी और किसी के बारे में ना सोचे सिर्फ मंजिल के बारे में सोचे कि एट द एंड आपको क्या मिलने वाला है समझ गए ना बात को तो इसलिए वो जो नाम रखा गया है वॉरियर है ना उसको अपने कंधे पे सजाओ जो तुम्हारा नाम वॉरियर रखा गया है ठीक है और तुम हो वॉरियर हम तुमको वॉरियर बुलाते हैं इसलिए बुलाते हैं तो ऐसी कमजोरों वाली बातें मत करा करो ठीक है कि कब खत्म होगा क्या ड्यूरेशन होगी कोई जंग पे जाता है सैनिक उसको पता होता है क्या कि कितने दिन जंग चलेगी है ना ठीक है चलो स्टार्ट करते हैं अब लेक्चर को जल्दी से ठीक है ये बताओ कौन है पहले तो ये तो हम हैं ये हमारा नाम है ये चैप्टर का नाम है ये कौन है जल्दी से <laughs> जल्दी से ये बताओ कौन है <laughs> किसका कार्टून है ये जल्दी से जल्दी से फिर आगे पढूंगा मैं ये आगे नहीं पढूंगा अगर जब तक हम नहीं बताएंगे कौन है जल्दी से ये हमारे हमारे प्यारे पूजनीय ये हमारे प्यारे पूजनीय पूनिया सर हैं ठीक है <laughs> और ये दिखा रहे हैं कि लेटरल इन्वर्जन क्या होता है ठीक है बैग टांगा हुआ लेफ्ट साइड पर है ना लेकिन वहां ऐसा लग रहा है कि राइट साइड पर टांगा हुआ है है ना संयम सर नहीं है बेटा ये अलग सर भी नहीं है भाई ये पूनिया सर है मोहित पूनिया सर ठीक है अभी तक नहीं आया आपको वॉरियर में पढ़ाने के लिए लेकिन जरूर आपको मिलेंगे है ना लो भर दिया बच्चों ने जानते हैं बच्चे पूनिया सर को पूनिया सर ओपी हो जाए पुनिया सर ओपी इन द चैट अलग सर नहीं है बेटा ये अलग सर ही दिखता तुमको सब जगह है अलग सर नहीं है ये ये हमारे प्यारे पूजनीय पूनिया सर है पूनिया जी की दुनिया में आप सभी का स्वागत है चलो बढ़ते हैं आगे हाँ जी हाँ जी तो अब सीरियस बातें ठीक है ना ये ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एक पाई चार्ट आपके लिए लेकर के आया हूं मैं ठीक है और इसके अंदर आप साफ साफ देख सकते हो कि छप्पन परसेंट न्यूमेरिकल है तो मैं इस सेशन को बिना न्यूमेरिकल के ला ही नहीं सकता था मैं इस सेशन को बिना न्यूमेरिकल के कर ही नहीं सकता मुझे इसमें न्यूमेरिकल ऐड करना ही पड़ेंगे आप खुद देख सकते हो छप्पन परसेंट जो है वो न्यूमेरिकल दिख रहे हैं आपको इसके अंदर ठीक है ना छप्पन परसेंट न्यूमेरिकल और उसके बाद बाकी सब चीजें आप देख लो कंसेप्चुअल पार्ट भी आता है अच्छा ऐसा है कि न्यूमेरिकल में भी कभी कभी कंसेप्चुअल मिक्स होकर के आता है ठीक है ना जरूरी नहीं कि आपको न्यूमरल ही दिखे जरूरी नहीं कि हर बार आपको फॉर्मुला ही लगाना पड़े देखेंगे ऐसे क्वेश्चंस भी देखेंगे जब आएंगे तो ठीक है ना कुछ प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं कि भाई यहां कैंडल फ्लेम रख दी गई है यहां लेंस रख दिया गया तो कैसी इमेज बनेगी उसके एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं तो जल्दी ही वॉरियर का पूरा सीरीज सीरीज खत्म खत्म होने होने के 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 बाद बाद जो थ्योरी लेक्चर्स हम लोग एमसीक्यू की को भी लेकर आएंगे उसके अंदर हम और ज्यादा डिस्कस करेंगे इस पाई चार्ट को अपने पास नोट जरूर कर लेना बेटा कि आपको कहां से क्या पढ़ना फैक्ट बेस कुछ कम ही क्वेश्चन आते हैं तो चार परसेंट मैंने वो भी डाल दिए ठीक है एक या दो क्वेश्चन मुझे अब तक दिखे थे तो उसको कुछ ना कुछ परसेंटेज तो रखना था इसलिए मैंने उसको रख दिया ठीक है बढ़ते हैं हम लोग

ठीक है और उसमें से भी हमको कौन सा वाला पार्ट पढ़ना है भैया रे वाला पार्ट पढ़ना है वेव वाला नहीं पढ़ना ठीक है ड्यूअल नेचर के अंदर हम मानते हैं कि लाइट जो होती है वो दो नेचर वाली होती है ठीक है ना लाइट जो है वो दोगली है दो स्वभाव दिखाती है वो तो उसमें से एक स्वभाव होता है रे वाला और एक स्वभाव होता है वेव वाला तो वेव वाला जो स्वभाव है उसको आपने ज्यादा नहीं पढ़ना थोड़ा बहुत पढ़ना है वो भी ह्यूमन आई के अंदर जाकर के जब लैम्डे लुमडे की बातें होंगी है ना वेवलेंथ की बात होगी फ्रीक्वेंसी की बात होगी थोड़ी बहुत बातें तब होंगी आज बहुत ज्यादा बातें नहीं है बहुत ज्यादा नहीं है है ना वेव के बारे में लेकिन रे के बारे में तो सारी बातें है ही है ठीक है ना आपकी जो लाइट है वो रे ऑप्टिक्स पर ही बेस्ड है रे ऑप्टिक्स पर ही बेस्ड ये दो फिनोमिना है जो आपने पढ़ने हैं, जो इस चैप्टर का पूरा नाम है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन

और एक होती है स्फेरिकल मिरर की राइट right? दो तरह के मिरर की होती है एक होती है प्लेन मिरर और एक होते हैं स्फेरिकल मिरर फिर स्फेरिकल मिरर भी आगे से दो टाइप के होते हैं है है ना एक होता कॉनकेव मिरर और एक होता है कॉनवेक्स मिरर ठीक है बढ़िया इसमें क्या क्या पढ़ना है भैया सभी कुछ है इसके अंदर आपने रे डायग्राम पढ़ने हैं ठीक है आपने इसका नेचर निकालना पता करना है कि नेचर कैसे पता करते हैं हर इमेज का नेचर कैसा बनेगा वो पता करना आपको ठीक है इसके बाद आपने न्यूमेरिकल पढ़ने हैं ओके okay, न्यूमेरिकल और उससे पहले कुछ रूल्स हैं उन्हीं के बेसिस पर ये के और को बनाने के लिए जो रूल लगता है उसके लिए और फिर डायग्राम और फिर नेचर और फिर न्यूमेरिकल ये सारी बातें डिस्कस करने वाले हैं। की उसके बाद बातें आती है उसके बाद बातें आती है नंबर तीन रिफ्रेक्शन के बारे में ठीक है तो रिफ्रेक्शन के ऊपर और भी चीजें हैं जैसे आपने ग्लास स्लैब का रिफ्रेक्शन पढ़ना है फिर आपने स्फेरिकल लेंसेज का पढ़ना है ठीक है स्फेरिकल लेंसेस का पढ़ना है अगेन स्फेरिकल लेंसेज दो तरह के होते हैं कॉनकेव और कॉन्वेक्स कॉनकेव और कॉन्वेक्स और उसके अंदर भी आपने यही चारों बातें कवर करनी है यानी कि क्या क्या रूल्स होते हैं इमेज फॉर्मेशन के फिर उनके डायग्राम्स ठीक है फिर उनका नेचर पता करना है आपने और उसके बेसिस पर कुछ न्यूमेरिकल है वो पढ़ने हैं ठीक है एडिशनल दो टॉपिक और बेटा एडिशनली दो टॉपिक और जो आपने पढ़ने में यहां लिख रहा हूं उन दो टॉपिक्स को ठीक है काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो दोनों नंबर एक है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे टफ टॉपिक जो लगता है बच्चे को वो ये लगता है लाइट के अंदर रिफ्रैक्ट refract... लाइट के अंदर नहीं फिजिक्स के अंदर क्लास टेंथ की फिजिक्स के अंदर अगर कुछ समझ में नहीं आता तो ये वो ये वाला टॉपिक है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेकिन ये इतना मुश्किल टॉपिक है नहीं इजी है करेंगे बात इस बारे में कोई दिक्कत नहीं अभी चैट को बेटा जी थोड़ा सा रोक दो ठीक है कॉपी पेन ले आए हो तो निकाल लो खोल लो और नोट करते जाओ सब चीजों को मैं लिखने का भी आपको टाइम दूंगा इसलिए ड्यूरेशन की परवाह मत करना कि ड्यूरेशन क्या हो गई है लेक्चर की ठीक है लिखने का टाइम भी आपको मिलेगा ओके तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक हो गई बात दूसरी बात पावर ऑफ द लेंस पावर ऑफ द लेंस तो ये जो दोनों टॉपिक है बेटा ये रिफ्रैक्शन के ही दोनों टॉपिक्स हैं ठीक है तो ये सारा आपका चैप्टर है जो हमने डिस्कस करना है ठीक है ठीक है जी ये सारी चीजें जो हमने डिस्कस करनी है साथ साथ नोट करते जाओ जल्दी जल्दी ठीक है साथ साथ नोट करते जाओ जल्दी 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 बहुत बहुत जल्दी मिनटी भी आएंगे बेटा टेंशन ना लो आप लोग बहुत जल्दी मिनटी भी आएंगे और यार <laughs> कुछ लोग चैट करे जा रहे हैं दूसरे कह रहे हैं स्टॉप चैट स्टॉप चैट अरे तू चैट बॉक्स बंद कर देना भाई उनको रोकने से अच्छा तुम खुद को रोक लो ना भाई <laughs> दूसरों को रोक रहे हैं अरे अपने आप को रोको भाई दूसरे नहीं रुकते पहले खुद पे कंट्रोल करना सीखो आइए डुअल नेचर ऑफ लाइट को डिस्कस करते हैं बच्चों हम लोग ठीक है डुअल <laughs> नेचर ऑफ लाइट का क्या मतलब है ये लाइट दोगली है तो कैसे दोगली है क्यों दोगली है देखो ऐसा है बहुत सारे साइंटिस्ट आए ठीक है और लगभग सत्रहवीं शताब्दी के अंदर यानी जो 1600 से लेकर के 17 तक का जो टाइम था है ना सत्रहवीं शताब्दी जिसको बोलते हैं है ना उसके अंदर न्यूटन आए हाइगन्स आए और अन्य बहुत सारे साइंटिस्ट आए जिन्होंने बहुत सारी थ्योरीज दी लाइट के बारे में ठीक है कुछ साइंटिस्टों का दूसरे साइंटिस्टों से भिन्न मान्यता थी अलग मान्यता थी कुछ ये मानते थे कि जो लाइट है जो लाइट है वो कॉर्पस्कल से मिलकर के बनी है तो ऐसा न्यूटन का थ्योरी था ऐसी थ्योरी न्यूटन ने दी थी कि लाइट इज मेड अप ऑफ स्मॉल कॉर्पस्कल्स कॉर्पस्कल्स का मतलब होता है छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के लाइट बनी है पता तो नहीं था पता तो नहीं था लेकिन हुआ होगा कुछ ऐसी ऑब्जर्वेशन न्यूटन साहब ने निकाली होगी जिसमें उन्होंने बताया कि भाई लाइट जो है वो तो कॉर्पस्कल्स से मिलकर के बनी है छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बनी है ठीक है भाई कुछ टाइम तक ये थ्योरी चली

जैसी एनर्जी साउंड होती है वैसी एनर्जी क्या है लाइट है खड़ा -खड़ा, वाइब्रेट तो है, खड़े -खड़े करते हैं है, आगे तो नहीं बढ़ते बस वो कह रहा लाइट भी ऐसी है भाई, कोई पार्टिकल वार्टिकल कुछ नहीं है ठीक है ना और लाइट को मीडियम भी नहीं चाहिए फैलने के लिए तो ऐसी वेव है ये तो ऐसी वेव है नाम दिया गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है क्या नाम दिया गया लाइट जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है इसको तो चलने के लिए पार्टिकल भी नहीं चाहिए है ना तो पार्टिकल की भी वाइब्रेशन यहां नहीं होती तो यहां किसकी वाइब्रेशन होती है बोला भैया इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की वाइब्रेशन होती है इलेक्ट्रिक फील्ड जो चार्ज की वजह से फैली होती है और मैग्नेटिक फील्ड जो मूविंग चार्ज की वजह से फैली होती है इसलिए इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक इफेक्ट पहले पढ़ाए जाते हैं लाइट से लेकिन क्या करें है तो, ये तो टर्म, वन है, है ना? टर्म वन का सिलेबसिटी को जबकि इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म उसके बाद लाइट ये एक नेचुरल ऑर्डर है कोई बात नहीं चलो इन बातों पर हम नहीं आते हो गया तो हो गया है ना और मैंने आपको पढ़ा भी दिया इलेक्ट्रिसिटी में कवर करवा चुका हूं पूरा और मैं मैग्नेटिज्म भी पूरा कवर करवा चुका हूँ ठीक है तो मैं लाइट की बात आपके साथ खुले आम कर सकता हूँ

तो इस तरीके से लाइट ये लाइट है है ना वाइब्रेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड्स एंड वाइब्रेटिंग मैग्नेटिक फील्ड्स इस तरीके से लाइट आगे बढ़ती है इन दोनों का कम, इन दोनों का क्या है कॉम्बिनेशन है लाइट ऐसा करके बताया गया बढ़िया है बढ़िया भाई अच्छी बात है है ना और कई सौ सालों तक लगभग ढाई तीन सौ सालों तक इसी थ्योरी को फॉलो किया गया कि लाइट जो है वो तो वेव है वो तो इलेक्ट्रो वेव है ऐसा माना गया चलो भाई ठीक है मान रहे हैं उसके बाद आइंस्टीन साहब आए एल्बर्ट आइंस्टीन नाम आपने सुना है ना आइंस्टीन साहब आए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया नाम था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट उससे पहले कॉम्प्टन इफेक्ट भी हुआ था करके भी एक थ्योरी आई थी उसका भी एक एक्सपेरिमेंट हुआ था फिर आइंस्टीन साहब ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किया और उससे यह पता चला कि नहीं 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 वेव तो हो ही नहीं सकती लाइट अब पता नहीं वेव है कि नहीं है आइंस्टीन ने वेव वाली थ्योरी को भी खारिज नहीं किया लेकिन उन्होंने यह पक्का बोला कि भाई ये तो पार्टिकल है लाइट तो पार्टिकल है है ना और मैक्स प्लांक ने फोटोन थ्योरी दे दी मैक्स प्लांक ने क्या दे दी फोटोन थ्योरी दे दी उन्होंने बोला भाई जो लाइट है वो तो फोटोन से मिलकर के बनी है उसके अंदर तो बहुत सारे पार्टिकल्स हैं जो बात न्यूटन ने 300 साल पहले कही थी उसी बात को रिपीट करके उन्होंने बोला लेकिन नए तरीके से बोला बोला कि भाई ये तो एनर्जी के पैकेट्स हैं लाइट जो है वो तो एनर्जी के पैकेट्स पैकेट एनर्जी के छोटे छोटे मॉड्यूल्स हैं छोटे छोटे डिब्बे हैं है ना जैसे ट्रेन के छोटे छोटे डिब्बे होते हैं इस तरीके से छोटे छोटे डिब्बे हैं जिनके अंदर क्या एनर्जी है उसको कहा गया क्वांटा बहुत सारे होते तो क्वांटा बोला एक होता तो बोला गया क्वांटम वहीं से क्वांटम थ्योरी भी निकल के आई है वो कभी बाद में बात करेंगे उस बारे में ठीक है ना तो डुअल नेचर ऑफ लाइट यहां से स्थापित हुआ कि भैया रे थ्योरी को भी गलत नहीं किया गया और वेव थ्योरी को भी गलत नहीं किया गया दोनों को साथ लेके चला गया ठीक है ना लेकिन लड़ाई बढ़ गई भाई वेव वाले बहुत सारे इकट्ठे हो गए थे और रे वाले भी आ, सपोर्ट करने लग गए नहीं नहीं न्यूटन भी ठीक था ये भी ठीक था वो भी ठीक था देखो भाई लाइट तो रे है ये बोलते नहीं भाई लाइट तो वेव है ठीक है ना तो फिर एक भाई साहब थे जो कि फ्रांस के प्रिंस थे फ्रांस की रॉयल फैमिली का वो हिस्सा थे उनका नाम था लुई डी डिब्रोई डी ब्रोगली कहते हैं उसको कहीं आपको लिखा दिख जाएगा डी ब्रोगली नहीं होता वो डी डिब्रॉई होता है लुई डी डिब्रोई

पेड़ का तना पकड़ लिया पेड़ का जो ट्रंक होता है वो पकड़ लिया ठीक है ना तो उसने आकर के बताया कि भाई जंगल में तो पेड़ का तना था जंगल में तो पेड़ ही पेड़ है फिर एक दूसरा आदमी भेजा जंगल के अंदर वो गया और उसने जा करके बोला कि भाई मैं तो अजगर को अजगर को छू के आया हूं मेरे को तो अजगर दिखा है पेड़ वेड़ कुछ नहीं है अजगर है अंदर तो बहुत सारे जंगल में पेड़ नहीं है जंगल में तो अजगर है तो कह रहे भाई ये तो बोल रहा अजगर है तू बोल रहा भाई पेड़ है तो सच्चाई क्या है तो सच्चाई ये कि भाई ना तो वहां पेड़ था ना वहां अजगर था वहां तो हाथी था हाथी का पैर हाथ में आया तो लगा भाई पेड़ का तना है और हाथी की सूंड हाथ में आई तो लगा भाई अजगर है तो असल में लाइट कुछ और ही चीज है लाइट ना तो रे है ना तो वेवा ये दोनों ही कुछ है ये कोई नई ही खिचड़ी है भाई ठीक है ना ये तो नई ही कोई खिचड़ी है तो इस तरीके से डुअल नेचर की स्थापना करी गई लाइट की क्या भाई लाइट जो है वो रे भी है और वेव भी है ये दोनों चीजें हैं ये कोई नई ही चीज है इसको ना आप रे बोलो नाप वेव बोलो आप बोलो कि इसका डुअल नेचर है ये एक नए ही नेचर की चीज है फिर ऐसा निकल करके आया बाद में डी ब्रॉय जी नहीं दी, लुई डी ब्रॉय नहीं बाद में मे, मैटर को भी ऐसा बता दिया कि वो भी वेव है ठीक है ना चलो ये बातें आपको अब सर के ऊपर से निकल जाएंगी हम लाइट तक ही चीजों को रखते हैं मैटर तक हम चीजों को लेकर के नहीं जाते हम रेडिएशन तक ही बातों को रखते हैं ठीक है ना तो होप आपको थोड़ी सी हिस्ट्री समझ में आई कि लाइट के बारे में किस किसने कैसी कैसी बातें की थी ठीक है आगे बढ़ा जाए चलो देखो यार लाइट के बारे में आपकी किताबों के अंदर क्या लिखा रहता है वो मैं पढ़ रहा हूं है ना किताबों में लिखा रहता है कि इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी बिल्कुल सही बात है भाई एनर्जी तो है ही है वेव होगी तो भी एनर्जी होगी और वो छोटे छोटे फोटोन पार्टिकल्स होंगे तो वो भी एनर्जी होंगे है ना दोनों ही एनर्जी होंगे सही बात है तो इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इनेबल्स अस टू सी अराउंड अस बिल्कुल सही बात है भैया बिल्कुल सही बात है भाई वो ऐसी एनर्जी है जिसकी वजह से हम क्या कर पाते हैं चीजों को सेंस कर पाते हैं आंखों से साउंड कैसी एनर्जी है जिसको हम सेंस कर पाते हैं कानों से हीट कैसी एनर्जी है जिसको हम सेंस कर पाते हैं त्वचा से समझ रहे हो ना बात को भागा? आप हीट को आंखों से देख सकते हो क्या आप हीट को कानों से सुन सकते हो क्या आप साउंड को छू सकते हो क्या ऑब्वियसली है ना अलग अलग हीट का अलग अलग सेंस है अलग अलग एनर्जी का सॉरी अलग अलग क्या है सेंस करने का तरीका है तो हीट को सेंस करने के लिए आपको त्वचा चाहिए लाइट को सेंस करने के लिए आपको आंखें चाहिए

वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है कैन थ्रू थ्रू मीडियम वेल वैक्यूम मतलब उसे फर्क नहीं पड़ता कि कोई मीडियम है या नहीं है लाइट एक ऐसी, है, ऐसी है. बच्चों, आप लोगों ने पढ़ा था वो एक मैकेनिकल वेव थी है ना वो एक मैकेनिकल और लॉन्गिट्यूडनल वेव थी ये एक ट्रांसवर्स जाकर के ट्वेल्थ में पढ़ना इस बात मैकेनिकल वेव है यानी ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ठीक है ना और बहुत सारी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ह्यूमन आई के अंदर हम पूरा स्पेक्ट्रम को पढ़ेंगे पूरा स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे उसके अंदर हम ठीक है ना लगभग मैं आधा पौना घंटा लगाऊंगा उसके अंदर आपको पूरा स्पेक्ट्रम समझाऊंगा कि लाइट के साथ साथ और कितना सारा रेडिएशन हमें जो कि नहीं दिख पाता लेकिन वो है हमारे आसपास हमारे आसपास रेडियो वेवस है हमको नहीं दिखती एक्स रेज होंगी नहीं दिखती ठीक है ना गामा रेज नहीं दिखती अल्फा रेज नहीं दिखती बीटा रेज नहीं दिखती यूवी रेज नहीं दिखती इंफ्रारेड रेज नहीं दिखती बहुत सारी ऐसी रेज है, आप देख सकते हो कि आ, किस तरीके से धूप जो है वो पेड़ों के बीच में चल करके आ रही है तो ऐसा लग रहा है कोई रे का इफेक्ट है, है कुछ रे का इफेक्ट यहां लग रहा है यहाँ रे और वेव दोनों का इफेक्ट देखने में आता है बेटा ये डुअल नेचर है ठीक है और बढ़ते आगे ठीक है भाई यहां कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं पीछे है ना जो कि ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस होते हैं ठीक है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट आप लोगों ने एट क्लास के अंदर और उससे भी छोटी क्लासेस के अंदर पढ़ा होगा मैंने बोला था मैं कुछ नहीं छुड़वाने वाला मैं हर चीज कवर करूंगा जितनी चीजें आज तक आपके मन में लाइट को लेकर के रही है वो सारी बातें मैं क्लियर कर दूंगा जितने आपके लेवल तक हैं मतलब आगे वाले ट्वेल्थ लेवल तक मैं नहीं जा पाऊंगा आई एम सॉरी ठीक है लेकिन जितना हो सकेगा मैं उतना उसको क्लियर करवा दूंगा आज के इस सेशन के अंदर ठीक है वॉरियर्स है ना कमजोरी नहीं लानी दिल पर दिल पर कमजोरी नहीं लानी मजबूत रहना है ठीक है मजबूती के साथ पढ़ो हाँ जी लुमिनस ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं तो लुमिनस ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनका अपना प्रकाश होता है ठीक है जिनकी अपनी रोशनी होती है ठीक है ना जिनकी अपनी रोशनी होती है उनको बोलते हैं लुमिनस ऑब्जेक्ट जैसे सूरज जिसका अपना खुद का प्रकाश है जो अपनी ही किसी एनर्जी को कन्वर्ट करके लाइट में दे रहा है इसके अंदर कौन सी एनर्जी है इसके अंदर न्यूक्लियर एनर्जी है और वो न्यूक्लियर एनर्जी क्या कर रही है लाइट के अंदर कन्वर्ट हो रही है है ना न्यूक्लियर इज कन्वर्टिंग टू हीट एंड लाइट जो है किसमें हो रही है, निकले तो दैट इज इज ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट उसी को क्या बोलते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट बोलते हैं जैसे यहां पर क्या हो रहा है यह मोमबत्ती जल रही है तो यहां केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है लाइट एनर्जी के अंदर है ना भाई कुछ कार्बन का कंटेंट रहा होगा कुछ अलकेन, अलकेन, अलकेन रहे होंगे इस मोमबत्ती के अंदर कार्बन का कंपाउंड होती है मोमबत्ती

आपने इसको हीट दी आ, एनर्जी दी इसको इलेक्ट्रिक एनर्जी दी उसके बाद ये आ, जो बल्ब है जो फिलामेंट है इसका वो हीट अप हुआ है ना और बल्ब के आ, फिलामेंट के हीट अप होने की वजह से ये ग्लो करने लगा यानी अपनी रोशनी को सब दिशाओं में फैलाने लगा समझ गया बात को उसके बाद कुछ आते हैं नॉन लुमिनस नॉन लुमिनस का मतलब भैया जिनका अपना प्रकाश नहीं होता जिनकी खुद की एनर्जी लाइट में कन्वर्ट नहीं होती हो सकता है खुद में कन्वर्ट हो. हो हो. हो हो, नहीं, नहीं होती तो बोले तो वो नॉन लुमिनस है ये टेबल चेयर वगैरह सब क्या है ये सब नॉन लुमिनस है ठीक है ना मैं क्या हूं लुमिनस हूं लुमिनस हूं मैं क्या हूं कुछ उड़ान रिलेटेड वाले बच्चे यहां बैठे हैं लुमिनस तुम लोग लुमिनस नहीं हो तुम लोग नॉन लुमिनस हो मैं लुमिनस हूं मेरे अंदर से ज्ञान का प्रकाश निकल रहा है ठीक है चलो आगे बढ़ते, हैं। आगे बढ़ते हैं देखो यार, अब ऐसा है यार कभी भी पर, किसी पर, अगर लाइट गिरती है ठीक है अगर कभी भी किसी सरफेस पर लाइट गिरती है तो तीन काम होते हैं ठीक है ना अगर किसी भी सरफेस पर लाइट गिरती है तो तीन काम होते हैं अब तीन में से हो सकते हैं कोई दो भी हो सकता है कोई एक भी हो सकता है थोड़ा सा हो सकता है या तीनों बराबर हो, तो हो सकता है ठीक है क्या क्या हो सकता है वो मैं आपको बताता हूं, हूं. मान लो ये कोई सर्फेस है ठीक है ये एनी सर्फेस है कोई भी सर्फेस हो सकता है आर्बिट्ररी कोई भी सर्फेस है ये ठीक इसके ऊपर मैंने लाइट गिराई तो ये रही भाई वो लाइट ये लाइट आती है ये लाइट आती है ठीक है ना इस लाइट को बोलेंगे इंसिडेंट रे है ना जो आने वाली गिरने वाली लाइट होती है उसका नाम होता है इंसिडेंट रे ठीक तो इंसिडेंट रे सरफेस पर आकर के गिरती है ठीक है अब सब कुछ सरफेस के हवाले है अब सर अब सब कुछ जो है वो सरफेस के हाथ में है कि ये क्या करेगा तो ये क्या क्या कर सकता है वो पॉसिबिलिटी मैं आपको बताता हूं ठीक है ये तीन काम कर सकता है ठीक है चलो मैं आपको आपके एग्जांपल से समझाता हूं ठीक है मान लो मान लो मम्मी ने आपके लिए छे रोटियां बना दी है ना तो क्या छह रोटियां खा जाओगे क्या इतनी तो भूख नहीं होती ना भाई तीन रोटी की भूख होती है हमको मैक्सिमम चार खा लेंगे हमारी फेवरेट सब्जी बनी होगी तो तो है कि कि नहीं समझ रहे हो ना भाई तो मान लो छह रोटियां बना दी आपके लिए ठीक है तो जब छह रोटी आपकी प्लेट में आएंगी तो आप छह की छह गप कर जाओगे क्या नहीं आप क्या बोलोगे भाई मम्मी इसमें से ना तीन हटा लो मैं तीन खाऊंगा तीन हटा लो मुझसे तीन ही खाई जाएंगी तो जो वो तीन हटा दी गई दैट इज रिफ्लेक्टेड रे

क्या पेट उसको सौ परसेंट हजम कर लेता है क्या आंसर है नहीं वो उसको सौ परसेंट हजम नहीं कर पाता वो क्या करता है कुछ एब्जॉर्ब करता है कुछ जाता है अपने शरीर में लगता है कुछ जगह पर अपने टिश्यूज ग्रो करते हैं मसल वसल ग्रो करते हैं उसके बाद क्या होता है हम उसको सुबह सुबह जाकर के फ्लश आउट कराते हैं जो बच जाता उसको है उसको क्या करते हैं जाकर के फ्लश आउट कराते हैं है ना तो जो फ्लश आउट कराए जो फ्लश आउट कराए जो आप निकाला है सुबह सुबह जाकर के है ना वो क्या है वो असल में रिफ्रैक्टेड रे है ठीक है जो आर पार हो गई जो सरफेस ने क्या कर दी आर पार करवा दी अपने थ्रू गुजरवा दी अपने थ्रू गुजरवा दी दैट इज रिफ्रैक्टेड रे उसे क्या बोलेंगे उसे बोलेंगे रिफ्रैक्टेड रे ठीक है और जो आपके शरीर में एब्सॉर्ब हो गई जो आपके शरीर में क्या हो गई एब्सॉर्ब हो गई ऐसा ही कुछ ये सरफेस भी करता है बेटा ये पार्ट ऑफ दैट लाइट को क्या करता है अपने अंदर एब्सॉर्ब कर लेता है अपने अंदर एब्सॉर्ब कर लेता है कुछ अमाउंट ऑफ हीट कुछ अमाउंट ऑफ लाइट कुछ अमाउंट ऑफ रेडिएशन क्या होता है वो इस सरफेस के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है कब तक के लिए होगा नहीं पता क्या फॉर्मूला होगा नहीं जानना नीड नहीं है आपको वो सब जानने की ठीक है लेकिन मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं ये गाना गाना नहीं है गाना है है सच्चाई ठीक कि जब भी कभी सरफेस के ऊपर आकर के लाइट पड़ेगी जब भी कभी आपकी थाली में छह रोटियां पड़ेंगी तो छह में से छह में से आप तीन ही खा पाओगे तीन को वापस भेज दोगे तो तीन हो गई रिफ्लेक्ट बैक वो तीन को आप खा गए उसमें से पार्ट ऑफ दैट जो आपने अंदर ग्रहण कर लिया पार्ट ऑफ दैट विल बी एक्सक्रीटेड आउट Tomorrow morning, या तभी भी आ जाती है वो तो तुम्हारे ऊपर भैया तुम्हारा हाजमा कैसा है ना तभी भी आ जाती है तो कल सुबह आती क्या करेगा ग्रो करेगा समझ गए बात को तो ऐसे ही पार्ट ऑफ दैट पार्ट ऑफ दैट इंसिडेंट लाइट जो इंसिडेंट रे आई है पार्ट ऑफ दैट इंसिडेंट लाइट इज रिफ्लेक्टेड बैक इज रिफ्लेक्टेड बैक पार्ट ऑफ दैट इंसिडेंट लाइट इज रिफ्रेक्टेड बैक या रिफ्रेक्टेड थ्रू द मीडियम ऐसा बोल सकते हैं हम है है ना ना इसको हम emission भी बोलते हैं emit होना emit होना बाहर बाहर निकल जाना, emit हो जाना, emit का मतलब बाहर निकल जाना 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 हो का मतलब खाई थी और बाहर निकल गई पीछे से बाहर निकल गया खाना खाया और पीछे से निकल गया है ना तो वो एमिटेड है वो रिफ्रेक्टेड है ठीक है ना और जो आपके शरीर ने एब्सॉर्ब कर लिया इज इस, इस इसने क्या हो गई एब्जॉर्ब हो गई ठीक है तो एब्जॉर्प्शन हो गया एब्जॉर्प्शन हो गया है ना पार्ट ऑफ दैट एनर्जी इज एब्सॉर्टिड पार्ट ऑफ दैट एनर्जी इज इज रिफ्लेक्टेड पार्ट ऑफ दैट एनर्जी रिफ्रैक्टेड ये तीनों काम एक साथ भी हो सकते हैं ये तीनों काम में से कोई दो भी एक साथ हो सकते हैं ये तीनों कामों में से मतलब कुछ कुछ परसेंट तीनों का रहता है जरूरी नहीं कि तैतीस 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 परसेंट ही रहे है ना जो बहुत अच्छे रिफ्लेक्टर्स होंगे अभी बात करेंगे हम उनके बारे में जो बहुत अच्छे रिफ्लेक्टर होंगे वो भैया एब्जॉर्प्शन और रिफ्लेक्शन बिल्कुल नहीं करते जो बहुत अच्छे रिफ्रैक्टर्स होंगे वो भाई रिफ्लेक्शन और एब्जॉर्प्शन बिल्कुल नहीं करते और जो भाई बहुत अच्छे एब्जॉर्प्टर्स होंगे वो भाई रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन बिल्कुल नहीं करते जैसे ब्लैक होल ब्लैक होल क्या करता है सारी लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा रिफ्लेक्ट बैक ना करता भाई है ना और उससे अमिट होकर के भी लाइट कहीं जा पाती क्योंकि वो पता नहीं कितना बड़ा है उसका डायमेंशन क्या है नहीं पता ना भाई तो अंदर लाइट जाती है और एब्जॉर्ब हो जाती है ऐसा ही है ऐसा ही है ठीक है बात समझ में आई आई होप आई होप आपको बात समझ में आई ठीक है देखो जी जब लाइट फॉल करती है किसी भी सरफेस पर ईधर ऑफ दिस फिनोमेना टेक्स प्लेस तीन में से कोई फिनोमेना होता है है ना इधर का मतलब एक दो तीन वन और टू और थ्री या वन टू या टू थ्री या वन थ्री या ऑल थ्री, थ्री, थ्री कुछ भी हो सकता है ठीक है तो पहला क्या एब्जॉप्शन एब्जॉर्प्शन का मतलब सरफेस पर आकर लाइट गिरेगी तो सरफेस उसको एब्जॉर्ब भी कर लेता है उसको रोक लेगा अपने अंदर ही अपने अंदर ही घुमाता रहेगा उसको ऐसा भी होता है ठीक है दूसरी बात यह क्या हो रहा है ये क्या हो रहा है लाइट आई और आर पार निकल गई ठीक है ना लाइट आई और आर पार निकल गई तो ये क्या है कई शब्द हैं इसके लिए है? लाइट आई और किसी कांच में से आप समझते हो कोई ग्लास जैसा होता है तो उसके आर पार दिखता है अपने ट्रांसपेरेंसी होती है तो आर पार दिखता है उसके है ना तो दैट इज ट्रांसपेरेंट जब भी सरफेस होगा तो लाइट आर पार निकल जाएगी आपको आर पार दिखेगा है ना जैसे आपको अपनी कमरे की खिड़की से सामने वाली सड़क दिखती होगी है ना आपको आपके आ, खिड़की से कुछ ना कुछ सामने वाली खिड़की दिखती होगी है ना मेरे सामने वाली खिड़की में कौन रहता है कोई नहीं रहता पढ़ाई करो तीसरा देखो भाई कितनी बढ़िया रिफ्लेक्शन हो रही है देखो कितनी बढ़िया ऊपर बादल नीचे बादल कहां है बादल सब जगह बादल ही बादल है देखो है ना तो ये ऐसा बढ़िया रिफ्लेक्टर होगा ये शीशा है ना जिसने देखो स्काई को कितना अच्छा कॉपी कर लिया है है ना स्काई को कितना अच्छा कॉपी और एक दूसरे में भी रिफ्लेक्शन दिख रही है इस वाले की इसमें रिफ्लेक्शन इस वाले की इसमें रिफ्लेक्शन देख रहे हो ठीक है ना तो बता दिया मैंने आपको कि तीन फिनोमेना होते हैं है ना अब तीन फौ, फिनोमेना तीनों एक साथ हो सकते हैं तीनों थोड़े थोड़े हो सकते हैं दो एक जगह एक एक जगह कैसा भी हो सकता है लेकिन होता है होता है ठीक है यहां मैं लिख देता हूं ये क्या है रिफ्लेक्शन है ठीक है इससे पीछे वाला क्या था ये रिफ्रैक्शन था आर पार जाना आर पार अब की बार किसकी सरकार और ये क्या है 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 ये ठीक है, है ना एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है समा जाना है ना समा जाना और ये हो गया बाउंस बैक कर जाना है ना क्या बोलते हैं दूर फेंक देना मतलब क्या बोलेंगे बाउंस बैक ले ठीक है बाउंस बैक कर जाना ठीक है ना लाइट आना और बाउंस बैक कर जाना ठीक है ना तो ये तीनों काम हो सकते हैं ओके तो आपके सिलेबस में मोटी मोटी बातें जो हैं वो रिफ्लेक्शन के बारे में हैं अभी तक की जो हमने बातें देखी है ना वो सारी कुछ बातें हाई लेवल थी कुछ बातें बिल्कुल लो लेवल थी है ना जो बचपन में आपने कभी सुनी सुनाई होंगी या आपने ऑब्जर्व करी होगी आपको उसका नाम नहीं पता होगा है ना लेकिन अब जो चीजें आने वाली है वो आपके चैप्टर स्पेसिफिक चीजें हैं जो आप किताब खोल के देखोगे आप लाइट लेक्चर चैप्टर नंबर टेन एनसीआर का तो आपको उसके अंदर ये लिखा मिलेगा ठीक है जो अब हम बताने वाले हैं जिसकी हम बात करने वाले हैं ठीक है ना ओके क्या कह रहे हो योगी सरकार चाहिए ठीक है ठीक है।, है भाई योगी जी के सरकार बोल देता मैं हैरान हो गया हूं एक बच्चे ने लिखा है कि सर फ्राइड राइस बहुत खा हैं आया ये, इस ये कौन है भाई ये कौन है ये स्टूडियो का को को जिसको पता है कि भाई आज फ्राइड राइस खाई है मैंने ओ भाई साहब कोई तो है भाई अंदर का है कोई ये कोई अंदर का बंदा है भाई ये पता करो जरा कौन है दया दया पता करो ये कौन है ठीक है स्लोली पढ़ाए स्लोली यार किससे स्लोली पढ़ाएंगे बतेरा है यार स्लो क्या पढ़ाऊं मैं ठीक है चलो ठीक है ठीक है ओके बढ़ रहे हैं आगे भाई बढ़ रहे हैं आगे देखो यार अब बात कर रहे हैं रिफ्लेक्शन की ठीक है सीरियस हो जाओ हंसते रहते हो भाई सो जाओ सो जाओ ठीक है देखो बात क्या है बात यह है कि रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन का मतलब होता क्या की बेसिक डेफिनेशन क्या है कि भाई जिस मीडियम से लाइट आई है ना पटक के मारी उसी मीडियम में वापस भेज दी जहां से लाइट आई थी उधर ही निकल जा ऐसा बोल देता है लाइट को कौन बोलता सरफेस बोलता है किसके हाथ में है ये सरफेस के हाथ में है ठीक है ना दो तरह की रिफ्लेक्शन होती है एक मैं आगे जाके बताऊंगा एक होती है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन और एक होती है रेगुलर रिफ्लेक्शन आगे जाके बात करेंगे क्वेश्चंस के अंदर बात करेंगे उसकी जब मैं न्यूमेरिकल करवाऊंगा न्यूमेरिकल के साथ साथ कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी करेंगे कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन भी करेंगे उसके अंदर यह सारी बातें कवर करेंगे ठीक है इसलिए मैं आपसे पहले ही कह रहा हूं कि भाई कुछ खाने वाने का पीने का अपने साथ रखो है ना लंबा चलेगा मामला थोड़ा मैंने रखे हुआ तीन केले है ना और चिप्स इस मत ला के रखना भाई मिर्ची वाला मत खाया करो मिर्ची मसाले नो मिर्ची मसाला ठीक है सेहत के लिए हानिकारक है सब चीजें अच्छा खाना खाओ ठीक है अच्छा खाना खाओ फ्रूट खाओ है ना दलिया खाओ ऐसी चीजें खाओ है ना ताकत आएगी ताकि आपको ठीक है पावर आएगी बढ़िया है ना चंचल मन इधर देखो इट इज द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज ऑन स्ट्राइकिंग सर्फेस जब किसी सर्फेस के ऊपर लाइट पड़ती है तो वो सर्फेस के हाथ में के भाई वो क्या करेगा वो लाइट के साथ क्या करेगा ये सर्फेस के ऊपर है है ना लाइट तो गिर गई उसके ऊपर अब बाकी सरफेस के हाथ में भाई आर आर पार करना है तो आर पार करवाएगा रिफ्लेक्ट बैक करना है रिफ्लेक्ट बैक करवाएगा एब्जॉर्ब एब्जॉर्ब करवाना है करवाएगा वो सरफेस के हाथ में है तो यहां पर हम किसको पढ़ रहे हैं हम उसको पढ़ रहे हैं कि रिफ्लेक्शन को करवाना है सरफेस ने ठीक है अब ये सर्फेस है भाई ये सर्फेस है लेटर सपोज ये कोई सर्फेस है इस पर आकर के लाइट इस पर आकर के लाइट गिरती है है ना ऐसे मान लो लाइट आकर के गिरती है तो क्या होगा तो क्या होगा तो भाई ये क्या करेगी ये बाउंस बैक करके चली जाएगी ऐसे

आर आर लिखते हैं इसको शॉर्ट में रिफ्लेक्टेड रिफ्लेक्टेड रे रे नाम है इसका, रे, आर आर, है इसका ठीक अभी और भी चीजें होती यहां पर एक नॉर्मल और ड्रॉ करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा कैसे नॉर्मल ड्रॉ होता है एन से डिनोट करते हैं इस नॉर्मल को फिर ये एंगल बनता है वो एंगल आई होता है और ये जो एंगल बनता है ये एंगल आर होता है ये सारी बातें अभी आगे हम करेंगे और ठीक है ना और सुनते हैं और पढ़ते हैं बातों के बारे में तो भाई जब तक मैं आप आपके साथ सरफेस की बातें कर रहा हूं तो आप यह जान लो कि सरफेस भी कितने तरह के है सरफेस है हो तो होते हैं जो आपने पढ़ने हैं तीन तरीके के सर्फेस होते हैं भैया बचपन से जानते हो आप इस बात को है ना ट्रांसपेरेंट सर्फेस ट्रांसलूसेंट सर्फेस और ओपेक सरफेस ट्रांसपेरेंसी उसको कहते हैं कि आर पार दिख जाना ठीक है ना आर पार दिखना यानी कंप्लीट रिफ्लेक्शन और कंप्लीट रिफ्रैक्शन है ना कंप्लीट एमिटेंस कंप्लीट आर पार होना ठीक है ना जरा भी नहीं रोका अगर परफेक्टली परफेक्टली ट्रांसपेरेंट ट्रांसपेरेंट सरफेस सरफेस है है अगर है, तो जरा भी नहीं रोकेगा लाइट को बोलेगा आ जाओ यार आ जाओ आने दो तो आने दो तो भाई नेताजी की गाड़ी आ रही है टोल पे रोकी नहीं जाएगी है ना होता है ना देखा होगा आपने बत्ती वाली गाड़ी पहले आती थी, थी तो टोल पे रोकते नहीं थे चलो भाई चलो पार करने दो इसको तो ऐसी ये भी क्या करती है लाइट को आर पार करवाते हुए फटाफट जाओ

है ना कुछ ऐसे पर्दे लगे रहते हैं हॉस्पिटल के अंदर जिनके आर पर सिर्फ यह दिखता कि हाँ, कोई है कि लेकिन क्या चल रहा है ना तो दैट इज बेसिकली ट्रांसलूसेंसी जिसके आर कंप्लीटली ना दिखे पूरी तरह से ना दिखे कि क्या है, है ना धुंधला सा दिखता है धुंधला पन दिखे दैट इज ट्रांसलूसेंसी और ओपेकनेस क्या होती है ओपेकनेस का मतलब कंप्लीट रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन लाइट पड़ी वापस भेज दी लाइट पड़ी जरा भी पार नहीं होने दी आपकी खिड़की बंद हो चुकी है तो आपको चल रहा, होटल खुला, क्या हुआ, लड़ाई हो रही है जग, जो क्योंकि वहां से लाइट आई वहां से लाइट आई तो दरवाजा बंद है दरवाजा बंद है ओपेकनेस है वहां पर है ना तो लाइट उसके आर पार हो नहीं पाई अटक गई लाइट अटक गई आर पार हो नहीं पाई आई और अटक के वापस रिफ्लेक्ट होकर उसी मीडियम में चली गई तो यह कब होता है ये कब होता है यह तब होता है जब कंप्लीट रिफ्लेक्शन हो है ना यहां पर रिफ्लेक्शन जो है वो डोमिनेंट रहती है डोमिनेंट ट्रेट रिसेसिव ट्रेट पढ़ लिए होंगे तुमने पढ़ लिए नहीं पढ़ लिए भाई हेरिडिटी एवोल्यूशन के अंदर पढ़ लिए होंगे है ना मैम ने पढ़ाए हैं भाग्यश्री मैम ने है ना तो रिफ्लेक्शन जब बहुत ज्यादा रहेगी डोमिनेंट रहेगी जब रिफ्लेक्शन ठीक है तो क्या होगा ओपेकनेस आएगी यहां पर रिफ्रैक्शन डोमिनेंट रहती है

ये कह रहा है कि ये जो सरफेस होता, होता है ये कंप्लीट रिफ्लेक्टर होता है गुड रिफ्लेक्टर होता है बिल्कुल सही बात है भैया ये गुड गुड रिफ्लेक्टर है है ना और ये ये जो पूरा ट्रांसपेरेंट होगा है ना ये गुड रिफ्लेक्टर नहीं होगा ये सबसे बुरा रिफ्लेक्टर यही होगा बिल्कुल सही बात है है ना बढ़ते हैं आगे चलते हैं आगे हाँ जी तो अब तेजस्वी ने बात करी है अगर वेस्ट रिफ्लेक्टर की तो और बातें जोड़ दी जाए इसके अंदर है ना तेजस्वी की ही बातों को और आगे बढ़ाते हुए इट शुड हैव शाइनी सरफेस बिल्कुल सही बात है आप अगर गुड रिफ्लेक्टर देखना चाह रहे हो बेस्ट रिफ्लेक्टर देखना चाह रहे हो गुड रिफ्लेक्टर तो मैं भी हूं मुझ पर भी ये लाइट पड़ रही है जो यहां पर और यहां स्टूडियो में लाइट मुझ पर पड़ रही है है ना और मुझ पर पड़ करके इस कैमरे में जा रही है और तब आप उसको देख पा रहे हो है ना आप जो मुझको देख पा रहे हो वो कैसे देख पा रहे हो मेरे मुंह पर लाइट पड़ रही है है ना मेरी त्वचा पर है <laughs> ना <laughs> मेरी ये बदन पर <laughs> लाइट पड़ रही है और ये लाइट कैमरे में रिकॉर्ड हो रही है कैमरा उसको कैप्चर कर रहा है

हमको मिरर क्यों पढ़ना है लाइट में हम तो लाइट पढ़ने आए हैं मिरर क्यों पढ़ाते हैं हमको क्यों कॉनकेव मिरर पढ़ा रहे हो क्यों कॉन्वेक्स मिरर पढ़ा रहे हो क्यों प्लेन मिरर पढ़ा रहे हैं भाई इसलिए पढ़ा रहे हैं ये मिरर क्योंकि वो बेस्ट रिफ्लेक्टर्स हैं तो वहां तक की बातों को मैं स्टेप बाय स्टेप बढ़ा रहा हूं वहां तक की बातों को मैं स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ा रहा हूं उसका शाइनी सर्फेस होना चाहिए अब आप मिरर को इमेजिन करो जरा आप अब मिरर को इमेजिन करो क्या मिरर का शाइनी सर्फेस होता है बिल्कुल होता है अच्छे से शाइन करता है वो तो

और कैसे अपना मुंह देखोगे उसके अंदर भाई मुंह देखने के लिए उसकी एक साइड को क्या करना पड़ता है पॉलिश करना पड़ता है 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 ना यूजिंग यूजिंग सिल्वर पेंट यूजिंग अल्मुनियम पेंट उसको पॉलिश करना पड़ता है एक साइड से ठीक है दो बात समझ में आ गई तीसरी बात सरफेस स्मूद होना चाहिए हाथ लगाओ तो खुरदुरा ना हो खुरदुरा होगा अगर है ना अगर खुरदुरा होगा तो परफेक्ट रिफ्लेक्शन नहीं होगी रेगुलर रिफ्लेक्शन नहीं होगी डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन होगी उसकी बात हम आगे जाके करेंगे ठीक है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन की बात में आगे जाकर करूंगा तो अच्छी रिफ्लेक्शन अगर चाहते हो तो कैसे सरफेस चाहिए भाई स्मूद चाहिए पीछे से पॉलिश होना चाहिए शाइनी होना चाहिए ये सारी बातें बहुत जरूरी है अच्छा रिफ्लेक्टर होने के लिए ठीक बात ठीक बात और बताओ एक बच्चा पूछ रहा है लाइट स्केलर क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी है अरे मेरी जान एनर्जी है भाई वो एनर्जी स्केलर होती है बड़े आगे, चलो ठीक है हाँ अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की बातें करते हैं ठीक है थोड़ी अच्छी सी बातें करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की देखो यार मान लो मान लो आपके पास कोई सरफेस है ठीक है कोई सरफेस है अच्छा सा कोई सरफेस है आपके पास ठीक है और, और उस पर आ करके कोई लाइट गिरती है ठीक है ना उस पर आ करके कोई लाइट गिरती है ऐसे

उनका काम कमेंट करना ही है करने दो ना का भिड़ते तो एक दूसरे से भाई पढ़ो आओ देखो हर किसी को अपना काम करने दो है ना अल्टीमेटली उसकी ग्रोथ उसी में उसकी खुशी उसी में हमारी खुशी पढ़ाने में तुम्हारी खुशी पढ़ने में होनी चाहिए तुम्हारी खुशी उनसे लड़ने में नहीं होनी चाहिए ठीक है लड़ो बड़ो मत देखो जी देखो जी ये जो मैंने ड्रॉ किया डॉटेड ऐसा ही आपने ड्रॉ करना है ठीक है ना ये जो ड्रॉ किया डॉटेड ऐसा ही आपने ड्रॉ करना है इसको बोलते हैं नॉर्मल बेटा जी क्या बोलते हैं इसको बेटा जी नहीं, बेटा जी जी नहीं मैं बोलता हूं आपको इसको नॉर्मल बोलना है है ठीक ना इसका नाम नॉर्मल N. N से डिनोट किया जाता है नॉर्मल को वहां पर मैं लेवल भी कर दूंगा साइड में चिंता ना करो उधर मैं लेवल भी कर दूंगा साइड में ठीक है ये जो लाइट आई है बेटा जी ये जो लाइट आई है बेटा जी इसका नाम है इंसिडेंट रे आई आर क्या नाम है इसका इंसिडेंट रे आई आर और ये जो एंगल बनाता है वो एंगल सरफेस से नहीं लेना वो एंगल सरफेस से नहीं लेना जिस एंगल को एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं वो सरफेस से नहीं होता मैं लिख के काट रहा हूं और छोड़ रहा हूं मिटा नहीं रहा उसको ताकि आप कभी भूलो नहीं ये एंगल नहीं बनाना मैं देखता हूं बताने के बाद भी उड़ान रिलोडियंस बताने के बाद भी गड़बड़ करते हो बताने के बाद भी ये वाला एंगल लेते हो सुनते नहीं हो सुनते नहीं हो ध्यान से इसलिए मैं छोड़ रहा हूं यहां पर इसको लिख के काट रहा हूं ठीक है लिख के काटना भी एक लर्निंग ही है ये भी एक है ना ये गलती से सीखना ही होता है भी ठीक है तो ये ये वाला एंगल एंगल होगा बेटा दिस विल बी आई नॉर्मल के साथ एंगल लेना होता है ध्यान रखना बड़ा बड़ा दिखा रहा हूं यहां पर नॉर्मल के साथ एंगल लेना होता है दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस ठीक है उसे क्या बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस क्लियर अब क्या होगा अब ये जो लाइट आई है वो रिफ्लेक्ट बैक करेगी है ना तभी तो गुड रिफ्लेक्शन होगी तभी तो बेस्ट रिफ्लेक्शन होगी वो क्या करेगी वो रिफ्लेक्ट बैक करेगी तो रिफ्लेक्ट बैक करने के लिए रिफ्लेक्ट बैक करने के लिए आई से जाएगी लाइट समझे क्या है ना जिस मीडियम में आई 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 है 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 जिस जिस मीडियम 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 में में उसी उसी से से भेज दी ना इसको वापस भेज दिया गया ठीक है और ये जो लाइट हो जाएगी ये कहलाएगी रिफ्लेक्टेड रे आर आर क्या कहलाएगी रिफ्लेक्टेड रे आर आर और इसका भी एंगल नॉर्मल से ही लेना मेरे बच्चों ये वाला एंगल ना लेना ये वाला एंगल ना लेना ये वाला ही एंगल लेना दिस इस एंगल आर। है? दिस इज इज एंगल एंगल ठीक ठीक है है क्लियर हो गई बात है? पक्की बात वहां लेबल कर रहा हूं हर एक चीज को अगर डायग्राम आ जाए बाई चांस बनाने के लिए एमसीक्यू पेपर हो या जो मर्जी पेपर हो तुम मुझे पता तुम बनाने वाले हो नहीं फिर भी मेरा अपना फर्ज है पूरा करना आई आर स्टैंड फॉर इंसिडेंट रे आर आर स्टैंड फॉर रिफ्लेक्टेड रे ठीक है रिफ्लेक्टेड रे एन स्टैंड फॉर नॉर्मल एंगल आई स्टैंड फॉर एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ इंसिडेंस है ना और एंगल स्टैंड एंगल ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ठीक है हाँ वो लॉज वाली बातें अभी करूंगा मैं अभी लॉज वाली बातें करूंगा अभी यहां पर आपको मैं एक सिंपल डायग्राम बना के दिखा रहा हूं बस किस तरीके से आपने रिफ्लेक्शन को दिखाना है ठीक है अभी लॉज की बातें करते हैं ठीक है हाँ, पहले एक बार एक बार रिफ्लेक्शन को कंप्लीट कर देता हूं उसके बाद फिर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की बातें भी करेंगे ठीक है है ना देखो यार ऐसा है कि, कि किसी भी चीज को देखने के लिए है ना किसी भी चीज को देखने के लिए रिफ्लेक्शन होना बहुत जरूरी है जैसे मुझे एक बार बताओ क्या आपको एयर दिखती है क्या सोचो ये जो एयर है हमारे बीच में जो हवा होती है क्या ये हमको दिखती है क्या आंसर है नहीं दिखती है ना एयर हमको नहीं दिखती क्यों नहीं दिखती हमको एयर क्योंकि बेटा दिखेगा वही जो लाइट को रोकेगा नोट कर लो इस बात को नोट कर लो इस बात को ठीक है दिखेगा वही जो लाइट को रोकेगा जिसने लाइट को रोका नहीं वो दिखेगा भी नहीं समझ लेना समझ लेना ठीक है ना जैसे आपको मेरा हाथ दिख रहा है, है ना ये पढ़ने वाली है जोर से कमेंट करना बंद करो ठीक है हाँ <laughs> ठीक है चलो हाँ ये मेरा हाथ आपको दिख रहा है ना क्यों दिख रहा है ये हाथ क्योंकि बेटा ये लाइट को रोक पा रहा है इसलिए दिख रहा है इसके ऊपर लाइट आके गिर रही है और ये रिफ्लेक्ट कर रहा है लाइट को बात को समझने की कोशिश करना अगर रिफ्लेक्ट करने लायक हुआ अगर सरफेस रिफ्लेक्ट करने लायक हुआ तो वो आपको दिखेगा अदरवाइज आपको नहीं दिखेगा जैसे एयर का पार्टिकल बहुत छोटा होता है है ना एयर इज अ होमोजीनियस मिक्सचर जिसके अंदर जो पार्टिकल है वो कैसे हैं बहुत छोटे हैं तो बहुत छोटे पार्टिकल होते हैं लाइट को स्कैटर नहीं कर पाते टिंडल इफेक्ट याद करो नाइन्थ क्लास इज मैट ऑफ प्योर याद करो पढ़ा है आप लोगों ने इस बात को है ना कि टिंडल इफेक्ट होता है टिंडल इफेक्ट होता है ठीक है ना जो पार्टिकल अगर बड़ा होगा जो पार्टिकल अगर बड़ा होगा ठीक है ना तो लाइट को आकर के रोकेगा लाइट उसके ऊपर आके गिरेगी है ना और वो लाइट को क्या कर देगा स्कैटर कर देगा ये सिंपल सी बात है 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 ये सिंपल सी बात है, है ना अगर बड़ा पार्टिकल हुआ तो क्या करेगा रिफ्लेक्ट करेगा है ना मीडियम साइज पार्टिकल होता है तो उसको टिंडाल इफेक्ट बोलते हैं स्कैटरिंग करता है है ना और बहुत ही छोटा अगर हुआ तो भाई दिखेगा ही नहीं आर पार हो जाएगी लाइट उससे आर पार हो जाएगी सीधी सी बात है ठीक है आई होप आपको बात समझ में आई कि कब दिखता है कब नहीं दिखता है ना बढ़िया ठीक है तो यहां पर मान लो ये ऑब्जेक्ट है ओके okay. यहां पर ये यह ऑब्जेक्ट है अब लेट अस सपोज वैसे तो करोड़ों लाइट निकलती हैं किसी भी ऑब्जेक्ट में से करोड़ों रेज निकलती है 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 लेट अस सपोज एक ही रे निकल रही है। ठीक है ना और ये ये लाइट लाइट का है। का सोर्स सोर्स इस लाइट के सोर्स में से एक ही रे निकली एक ही सिंगल रे निकली वो इस ऑब्जेक्ट ने क्या कर दी रिफ्लेक्ट कर दी हो सकता था उसी ये उसी एक रे को रिफ्लेक्ट कर देता हो सकता था उसी ये उसी एक रे को एब्जॉर्ब कर लेता लेकिन भाई नहीं उसने क्या किया उसने उसको रिफ्लेक्ट किया अब जब उसने उसको रिफ्लेक्ट किया तो इस आंख को दिखेगा कि इस आंख को दिखेगा ये दो आंखें हैं ना ये दो अलग अलग लोग हैं मान लो दो अलग अलग ऑब्जर्वर है ये ऑब्जर्वर टू है है ना तो ऑब्जर्वर टू को लाइट दिखेगी वन को दिखेगी ऑब्वियसली टू तो को दिखेगी भाई क्योंकि उसके अंदर रिफ्लेक्ट होकर लाइट घुस रही है जिसकी आंख में लाइट घुसेगी उसी को दिखेगा जिसके जिसकी आंख में लाइट नहीं घुसी उसको नहीं दिखेगा मान लो मैंने आंखें बंद कर ली अब मुझे कुछ दिखेगा क्या नहीं मैंने फाटक की बंद कर लिया मैंने आंखों का शटर बंद कर लिया शटर बंद कर लिया तो लाइट आंखों में घुसेगी क्या नहीं घुसेगी नहीं घुसेगी तो आंखें सेंस कर पाएंगी क्या नहीं कर पाएंगी ठीक है ना आंखें उसको सेंस नहीं कर पाएंगी बात समझ में आ गई लिखता है ठीक है तो किसी भी चीज को देखने के लिए तीन चीजें चाहिए फिर से सुन लो किसी भी चीज को देखने के लिए तीन चीजें चाहिए पहली लाइट दूसरा आंख ठीक है अगर किसी चीज को देखना है तो पहले चाहिए लाइट फिर चाहिए आंख ठीक है फिर चाहिए वो चीज और वो चीज कैसी होनी चाहिए लाइट को रोकने वाली होनी चाहिए लाइट को पार करवाने वाली नहीं होनी चाहिए ये समझ लेना ठीक है ये कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्ट क्या है मतलब ये ये नेचर है ये नेचर है ऐसा ही ऐसा ही वर्क करता है नेचर ठीक है तो किसी भी चीज को देखना हो तो तीन बातें किसी भी चीज को देखना हो तो तीन बातें लाइट आंख और वो ऑब्जेक्ट भी हो और वो ऐसा हो बिग इनफ हो कि वो लाइट को रिफ्लेक्ट कर पाए ऐसा ना हो अब जैसे एयर भी तो है लाइट भी आंख भी है लेकिन एयर फिर भी नहीं दिखती क्यों नहीं दिखती क्योंकि एयर जो है वो रिफ्लेक्ट नहीं कर पाती बात समझ में आ गई तो कब कोई चीज दिखेगी तब कोई चीज दिखेगी ठीक है तब कोई चीज दिखेगी जब लाइट भी होगी आंख भी होगी और वो ऑब्जेक्ट भी होगा और वो कैसा ऑब्जेक्ट होगा लाइट को रोकने वाला ऑब्जेक्ट होना चाहिए ठीक है ना लाइट को रिफ्लेक्ट करने वाला तगड़ा आगे खड़ा हो जाए ऐसे अड़ करके उसके लाइट के आगे इस तरह का ऑब्जेक्ट होना चाहिए तब वो ऑब्जेक्ट दिखेगा आपको अदरवाइज नहीं दिखेगा ठीक है अब बात आती है भाई रंग कैसे दिखते हैं ठीक है ना तो इसकी डिटेल्स जो है बेटा वो आपको मिलेंगी ह्यूमन आई वाले चैप्टर के अंदर ठीक है ना आज वो मौका नहीं है लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूं बात को समझाने की बहुत सारे बच्चे इस बारे में पहले से जानते भी होंगे ठीक है देखो हमको जितने भी ये रंग दिखते हैं ना हमारे आसपास हमें हमारे आसपास जितने भी ये रंग दिखते हैं ना दे आर ऑल बिकॉज ऑफ लाइट जो लाइट सोर्स प्रेजेंट है ठीक है लाइट सोर्स जो नेचुरली प्रेजेंट है वो तो है सन ठीक है ना और जो लाइट सोर्स नेचुरली प्रेजेंट नहीं है यानी जो हमारे कमरे की लाइटें होती हैं जो ट्यूब लाइट होती है सी एफ एल की लाइट होती, होती है एलईडी की लाइट होती है बल्ब की लाइट होती है दैट इज आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट तो ये सारे रंग जो है ना यूसी में से आते हैं ऑब्जेक्टों के अपने रंग नहीं होते आपको ये काली शेड दिख रही होगी आपको ये हरी पत्ती दिख रही होगी आपको ये सारे रंग दिख रहे होंगे ये रेड है ये ऑरेंज है ये येलो है ये ग्रीन है ये ब्लू है ये इंडिगो है ये वायलेट है है ना? ये सारे रंग आपको अलग अलग दिख रहे होंगे लेकिन इनके अपने रंग नहीं होते अपने रंग नहीं होते ये जो पट्टी पीली है ये इसका खुद का रंग नहीं है ये तो पीछे एलईडी में से एलईडी में से जो एनर्जी दी जा रही है उसकी वजह से यहां पर येलो दिख रहा है उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन ऐसे वाइब्रेट कर रहे हैं कि आपको येलो कलर दिख रहा है बेसिकली मैं डिटेल में जाऊं तो ठीक है तो अभी तक इसकी बातें हम नहीं करते नॉर्मल बात करता हूं अगर आपको कोई पत्ती हरी दिख रही है है ना जैसे यहां पर ये पत्ती जो है वो ग्रीन कलर की दिख रही है क्यों ग्रीन दिख रही है पता है क्यों ग्रीन दिख रही है पता है ये ग्रीन कलर इसका अपना नहीं है भाई है ना आप बोलोगे तो भी नहीं दे आप। है ना? अब देखो बात यह कि रंग इसका अपना नहीं होता रंग किसी का अपना नहीं है और रंग अगर इसका अपना होता ना तो रात में भी दिखता रात में हरा दिखता है क्या ये मैं अंधेरा कर दूं अगर ठीक है ना आप किसी पार्क में जाओ और वहां बत्ती ना जल रही हो तो आपको पेड़ पौधे किस रंग के दिखते हैं काले रंग के दिखते हैं अंधेरे में बोलो दिखते हैं कि नहीं दिखते तो काला तो आपको घर भी दिखेगा आप घर में आकर के लाइटें सारी ऑफ ऑफ कर दो शाम के टाइम लाइट ऑफ कर दो आपको क्या दिखेगा अंधेरा दिखेगा सारा तो यानी रंग उनका था क्या नहीं रंग उनका नहीं था रंग तो सोर्स का था जो रंग आ रहे थे वो कहां से आ रहे थे सोर्स से आ रहे थे बेटा ठीक है जो रंग आए वो कहां से आए सोर्स से आए सोर्स बोले तो क्या सोर्स बोले तो सन सोर्स बोले तो ट्यूबलाइट सोर्स बोले तो एलईडी सोर्स बोले तो जितना भी आपके आसपास लाइट के सोर्स होते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनकी कलर होते हैं ये ये रंग उनके हैं ठीक है तो फिर पत्ती हरी क्यों सर पत्ती हरी क्यों तो पत्ती हरी क्यों का आंसर आपको फिजिक्स में मिलेगा पत्ती हरी क्यों का आंसर आपको फिजिक्स में मिलेगा कहां मिलेगा यही मिलेगा कि भाई इस पर आ करके जब लाइट गिरती है ठीक है तो लाइट अपने साथ सारे रंग लेकर के आते हैं यहां सात दिखा रखे हैं मैं कहता हूं बहुत सारे इनविजिबल लाइट्स भी होती हैं है ना जिनका मैंने अभी नाम लिया था आपके सामने एक्स रे ये वो फलाना है एल्फा रे बीटा रे गामा रे रे सारी आती हैं सनलाइट के साथ लेकिन विजिबल लाइट भी आती है कलर्स भी आते हैं साथ में विजिबल लाइट का मतलब कलर ही है है ना तो कलर आते हैं साथ में तो अब ये पत्ती यानी सरफेस पे डिपेंड करेगा कि वो किसको भेजेगी और किसको अपने पास रखेगी मैंने कहा था ना एब्जॉर्प्शन नाम का एक नियम होता है लाइट जो है वो एब्सॉर्ब भी होती है सरफेस के अंदर तो पत्ती ने क्या किया पता है पत्ती ने सारे रंग रख लिए हरा भेज दिया ये होता है में ये होता है एक्चुअली में पत्ती के ऊपर सातों रंग पड़े दोबारा सुनो पत्ती के ऊपर सातों रंग पड़े उसने सारे रख लिए ला... सिर्फ हरा भेज दिया और वो आपकी आंख में चला गया समझ गए ना वो आपकी आंख में चला गया और जो आंख में चला जाता वही रंग दिखता है जो आंख में घुस जाएगा वही रंग दिखेगा आपको पत्ती हरी दिख रही है क्यों क्योंकि पत्ती ने आपकी आंख में हरा रंग छोड़ दिया बाकी रंग खुद रख लिए बाकी रंग खुद रख लिए बाकी रंग एब्जॉर्ब कर लिए सिर्फ हरा आपकी आंख में जाकर के उसने भेज दिया छोड़ दिया समझ गए ना दैट इज वाई दैट इज वाई मैंने आपको कहा था कि सरफेस जो है उस पर डिपेंड करता है अब आगे क्या होगा सन ने तो सबको रोशनी दे दी भाई सन ने तो सबको आशीर्वाद दे दिया टीचर ने तो 40 बच्चों को पढ़ा दिया क्या 40 के 40 बच्चे 100 के 100 नंबर ले आते हैं क्या नहीं लाते ना नहीं लाते ना भाई चालीस के चालीस बच्चों को अगर क्लास के अंदर टीचर ने पढ़ा दिया तो सबके सौ नंबर आते हैं क्या नहीं आते फेल भी होते हैं फेल भी होते हैं कुछ पहले से प्रोग्रेस भी करते हैं कुछ पहले से और कॉन्फिडेंट में आके रिग्रेस भी करते हैं कुछ टॉप करते हैं कुछ चौथे नंबर पर आते हैं मेरे जैसे ठीक <laughs> है ना तो हर तरह का बच्चा मिलता है क्लास के अंदर है कि नहीं ऐसी हर तरह का सरफेस है इस पृथ्वी पर है ना इस संसार में इस पूरी सृष्टि में हर तरह का सरफेस है है ना कुछ कुछ कलर को रखेगा कुछ को भेज देगा कुछ कुछ कलर को रखेगा कुछ को भेज देगा है ना और यूट्यूब का जो सिंबल होता है आइकन होता है वो लाल रंग को आपकी आंख में भेज देता है बाकी सारे रंग अपने पास रख लेता है समझ गए ना भाई आप समझ में आ गई होगी बात पत्ती पर नहीं समझ आ रही थी सर यूट्यूब के सिंबल बात समझ में आ गई क्यों लाल दिख रहा है क्योंकि वो लाल रंग को आपकी आंख में भेज रहा है बाकी सारे अपने पास उसने रख लिए ठीक है ना इसलिए आप जब कुछ भी कपड़े बाय करने जाओ या सब्जी खरीदने जाओ तो आप दिन में जाना शाम के टाइम खरीदी गई सब्जी शाम के टाइम खरीदा गया कपड़ा घर पर आकर के अगले दिन खोल के देखोगे तो कुछ और ही रंग निकलता है उसका फिर लगता है अरे नहीं यार ये रंग तो नहीं पसंद किया था मैंने अरे यार ये दूसरे रंग की चुन्नी थी है। ये तो दूसरे रंग की चुन्नी आ गई अरे भाई वो चुन्नी को तूने दिन में नहीं देखा तूने चुन्नी को नेचुरल लाइट में नहीं देखा मेरी बच्ची ठीक है ना तो नेचुरल लाइट के अंदर देखते सनलाइट के अंदर देखते तो आपको एक्चुअल रंग दिखता उसका कि क्या है ठीक है ना इसलिए लोग फोटोग्राफी करते हैं जो हमारे अरमान साहब फोटोग्राफी करते हैं है ना वो ये बताते हैं कि भाई जो फोटो नेचुरल लाइट से आएगी वो कभी भी फ्लैश लाइट से नहीं आएगी ये तो आप भी समझते हो है ना फ्लैश फोन सभी के पास है वो भी ये सब समझते हैं मेरी बात समझ में आई होगी आई होप ठीक है तो हमको रंग क्यों दिखते हैं भाई आखिरी बार बोल रहा हूं है ना एक लाइन में जो कॉन्सेप्ट नाम है उनका रक्षक सर है ना तो एक लाइन में आपको बता रहा हूं कि रंग भाई वही दिखेगा जो आपकी आंख में जाएगा बाकी सब वो अपने पास रख लेगा अगर चुन्नी पिंक कलर की है तो समझ लो पिंक लाइट पिंक लाइट आपकी आंख में चलेगी बाकी रंग रख लिए उसने पड़े सारे रंग थे उसके ऊपर गिरे उस पर सातों के सातों रंग थे लेकिन उसने पिंक आपकी आंख में देके मार दिया बाकी अपनी अपने पास रख लिया पिंक को उसने रिफ्लेक्ट कर दिया बाकी रंग अपने पास एब्जॉर्ब कर लिए ठीक है हाँ इसमें बच्चा पूछ रहा है कि सर अंधेरे में रंग काला क्यों दिखता है ये सारी बातें ह्यूमन आई के अंदर बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे कि व्हाइट क्या होता है ब्लैक क्या होता है असल में काला कोई रंग ही नहीं है और व्हाइट भी कोई रंग नहीं है ठीक है ना चलो एंजॉय है ना अब अब थोड़ा सा कंफ्यूज भी रखते हैं ना तुमको यार अगली बार कंफ्यूजन क्लियर करेंगे ना मजा आएगा ना काला भी कोई रंग नहीं होता बेटा और व्हाइट भी कोई रंग नहीं होता ठीक है ना जो काला और वाइट रंग बोलते हैं ना उन्हें फिजिक्स नहीं आती ठीक है चलो बढ़ते हैं आगे हाँ जी तो मैंने आपसे कहा था कि भाई मैं दो लॉज को डिस्कस करूंगा आपसे रिफ्लेक्शन के जो दो लॉज हैं इनको नोट भी करना बेटा आपने इस तरह का डायग्राम बनाओ ना बनाओ आपकी मर्जी है सिर्फ समझाने के लिए मैं डायग्राम लेकर के आऊँ कोई नहीं पूछेगा आपसे इस डायग्राम को मेरी गारंटी है ठीक है ना कोई नहीं पूछेगा आपसे डायग्राम को आप इसी डायग्राम को बना के आना अगर आए तो आप इसी डायग्राम को बना के आना अगर आए तो ठीक है यही वाला डायग्राम बना के आना आप ये सिर्फ आपको समझाने के लिए क्योंकि प्लेन प्लेन समझाने पड़ते ना तो दिक्कत होती है आप तो इस बात को है। चलो सुनो सुनो अब क्या है भाई पहले तो मैं स्लाइड को गिराता हूं है 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 ना ये एक प्लेन है, ये एक 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 प्लेन 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 और इसके नीचे रखा हुआ है ऐसे आप समझना कार्डबोर्ड के ऊपर कार्डबोर्ड ऐसे सटा के रखा हुआ है कार्डबोर्ड के ऊपर कार्डबोर्ड ऐसे सटा के रखा हुआ है समझ लो है ना खड़ा करके रखा हुआ ऊपर ऐसे लिटा नहीं रखा ऐसे खड़ा रखा हुआ है ठीक है अब क्या कर रहे हैं पता है अब इसके लॉन्ग लाइट भेज रहे हैं ठीक है ना इसके लॉन्ग लाइट भेज रहे हैं ऐसे तो मैं यहां से लाइट भेज रहा हूं ऐसे ऐसे लाइट भेजी मैंने ठीक है तो ये जो लाइट आई है दैट इज कॉल्ड इंसिडेंट रे ये जो लाइट आई है इसे क्या बोलेंगे इंसिडेंट रे ये इस सरफेस पे पड़ी है रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये है बेटा ये मिरर है आपका समझ लेना समझ लेना ये मिरर है नीचे वाला है ना ये ये वाला जो गत्ता है तो रेफरेंस के लिए बस ये सिर्फ आपको समझाने के लिए जो खड़ा हुआ गत्ता लगाया है ये खाली समझाने के लिए मेन तो ये रिफ्लेक्टर तो नीचे है जिस पर आके लाइट गिर रही है वो तो ये वाला सरफेस है इस सरफेस पे आके लाइट गिर रही है इस सरफेस पे समझ रहे हो आप? है ना इस सरफेस पे आके लाइट गिर रही है अब अब नॉर्मल बनाओ भाई तो नॉर्मल हमेशा बनता है परपेंडिकुलर टू द सर्फेस ठीक है ना तो इसमें से होती हुई लाइट जारी होती हुई लाइन जारी होगी पीछे से है ना इसको मैंने दिखा रहा है ना पीछे से लाइट होती जा रही होगी लाइन होती जा रही होगी और ये नॉर्मल होगा है ना ये नॉर्मल होगा क्लियर बात ये नॉर्मल होगा और आपको अब ये समझना पड़ेगा कि लॉ नंबर वन क्या कहता है ठीक है लॉ नंबर वन लॉ नंबर टू 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 की बात करते हैं law number two क्या कहता है? Law number two ये कहता है? है ये कि जितना एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल आर एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल आर जितना एंगल आई होगा उतना ही एंगल आर होगा यानी लाइट ऐसे चली जाएगी ये होगी रिफ्लेक्टेड रे आर आर ये क्या है? अरे बोल रिफ्लेक्टेड रे क्या है एंगल और मैंने आपको बताया कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमेशा क्या होते हैं इक्वल होते हैं ये रूल नंबर टू है ये लॉ नंबर टू है सेकंड लॉ है, है ना? Law, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर एंगल आई इज इक्वल टू तो एंगल आर ठीक है पहला लॉ क्या है अब पहले लॉ के लिए मैं ऐसे गत्ते वत्ते लेकर के नहीं तो जरूरत नहीं थी इसकी पहले लॉ को समझाने के लिए मैं लेकर के आया हूं देखो इंसिडेंट रे कौन सी है यह वाली है ना? ये वाली। ये वाली है ना वाली 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 इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे जादू देखा था पहले कभी तुमने क्या है ना आज तुमको जादू दिखा जा रहा है है ना यह वाली इंसिडेंट रे है यह वाली रिफ्लेक्टेड रे है और ये वाली नॉर्मल है ये तीनों एक ही प्लेन में लाए करती हैं। ये तीनों एक ही प्लेन में लाए करती हैं। वो प्लेन है जो जो खड़ा खड़ा हुआ हुआ प्लेन है। प्लेन है? है, ये सीधा ठीक है ना? ये ये जो सीधा खड़ा हुआ प्लेन है। इंसिडेंट लॉ कभी प्रूव नहीं होते लॉ हमेशा वेरीफाई होते हैं लॉ कभी प्रूव नहीं होते नोट कर लेना भाई लॉ कभी प्रूव नहीं होते लॉ हमेशा वेरीफाई होते हैं देखा जाता है कि ऐसा होता है कि नहीं होता अगर आप समझा दो कि भाई नहीं होता इसको डिसप्रूव कर दिया जाता तो फिर ये लॉ नहीं रहता लेकिन इसको सौ बार करोगे तो सौ बार यही आएगा कि एंगल आई इक्वल टू एंगल आर होता है सौ बार करोगे तो सौ बार यही आएगा कि एंगल आई इक्वल टू एंगल आर होता है समझ गए आपका नाम मेरा नाम नहीं जानता क्या फिजिक्स वाला यही मेरा नाम है ठीक है ना बार नाम थोड़ी लेके घूमूंगा तख्ती डाल के गले में मेरा नाम ये है ठीक है स्टार्टिंग में सुन लियो भाई नाम क्या है चलो हाँ जी अब ऐसा यार हम लोगों ने बात करनी है कि जो इंसिडेंट रे होती है ना है ना ये जो incident होती है ना ये दो तरह के sources में से निकलती है माने सोर्सिस कितने तरह के माने जाते हैं दो तरह के सोर्सेज माने जाते हैं उसमें से जो पहला सोर्स है वो है पॉइंट सोर्स कैसा सोर्स है पॉइंट सोर्स पॉइंट सोर्स आप सन को भी मान सकते हो आप स्टार को भी मान सकते हो स्टार भी एक पॉइंट सोर्स है है ना बहुत दूर हो जो जो बहुत दूर हो जिसमें से लाइट कैसे निकलती हो रेडियल या आउटवर्ड निकलती हो ऐसे रेडियल या आउटवर्ड सब दिशाओं में निकलती हो ठीक है ना जैसे इसमें से निकल रही है देखो कैसे निकल रही है ऐसे लाइट निकल रही है ठीक है और कहीं बहुत दूर जाके जिसकी स्टडी करी जाएगी ना तो वो पैरल हो जाएगी तो वो पैरल भी हो जाएगी अगर बहुत दूर जाकर के स्टडी करी जाएगी तो वो पैरल भी हो जाएगी ठीक है ना बहुत दूर जाकर के स्टडी करी जाएगी तो ये लाइन और तो ये लाइन ये दोनों पैरल भी हो जाएंगी ठीक है ना जब बहुत बहुत ज्यादा एंगल में फर्क नहीं रहेगा मतलब जब बहुत बड़ा एंगल हो चुका होगा तब ये लगभग दोनों लाइनें क्या हो चुकी होंगी हो चुकी होंगी ठीक है ना तो ऐसे सोर्स को बोलते हैं है, है तो इस तरीके, से, इस तरीके से, लाइट इसमें से बाहर निकल रही है, आउटवर्ड बोलते है इसको। क्या बोलते हैं रेडियली आउटवर्ड लिख रहा हूं यहां पर ठीक है क्या बोलते हैं रेडियली रेडियली आउटवर्ड ठीक है रेडियली का मतलब होता है रेडियस वाइज अगर आप इसको थोड़ा टेक्निकली समझना चाहो तो रेडियली का मतलब होता है रेडियस वाइज बाहर निकलना जैसे ये रेडियस बड़ी होती जा रही है बड़ी होती जा रही है ये गोला छोटा और बड़ा गोला और बड़ा गोला तो ऐसे जब बाहर निकलेगी तो रेडियस बड़ा होता जाएगा सब दिशाओं में ऊपर भी नीचे भी आगे भी पीछे भी सब दिशाओं में ठीक है ना इसको बोलते हैं रेडियली आउटवर्ड निकलना यानी बाहर की तरफ निकलना बाहर की दिशा में निकलना ठीक है एक और सोर्स होता है एक और सोर्स होता है इसको बोलते हैं फाइनाइट सोर्स फाइनाइट सोर्स फाइनाइट सोर्स का मतलब होता है जिसकी कोई ना कोई लेंथ हो अब पॉइंट सोर्स तो छोटा सा है पॉइंट सोर्स तो छोटा सा तारा है है ना? ये बता मैं क्यों बता रहा हूं क्योंकि ह्यूमन आई के अंदर ना बतानी पड़े ठीक है? है, है, है दूर का है ना? उसको बोलते हैं इसलिए आपको समझा रहा हूं अभी से कैसे होते हैं ठीक है, है? तो ये एक है का मतलब आपको उसकी लेंथ नोन होगी उसकी लेंथ बहुत छोटी सी नहीं माननी है आपने उसकी लेंथ आपको पता होगी पहले से कितनी है तीन सेंटीमीटर का रखा गया है ऑब्जेक्ट के पांच सेंटीमीटर का रखा गया ऑब्जेक्ट कि 10 सेंटीमीटर का रखा गया ऑब्जेक्ट ये आपको पहले से पता होगा उसे बोलते हैं फाइनाइट सोर्स जिसकी कुछ ना कुछ गिवन लेंथ हो ये देखो लिखा हुआ है दैट ऑफ सर्टन हाइट तो मैं सारी अंग्रेजी बातें भी लिख के और हिंदी में भी समझा रहा हूं हूं इससे ज्यादा मैं क्या कर सकता अब जैसे कि आप लोगों ने रिफ्लेक्टर जाने के गुड रिफ्लेक्टर क्या होते हैं तो आप यह भी जानो कि जो मिरर यानी गुड रिफ्लेक्टर जिसका नाम मिरर है बेस्ट रिफ्लेक्टर जिसका नाम मिरर है वो दो प्रकार का होता है वो दो तरह का होता है ये जो सामने लगा हुआ है इसका नाम है प्लेन मिरर ये जो सामने लगा हुआ है इसका नाम है प्लेन मिरर दो तरह के मिरर आपके सिलेबस के अंदर हैं एक है सीधा मिरर प्लेन मिरर और एक है दूसरा वाला कौन सा स्पेरिकल मिरर ठीक है ना जो मुड़ा होता है जो गोल घुमा हुआ होता है, है ना उसी पर आकर के हम बातें बढ़ाने वाले हैं उसी पर आकर के बातें थोड़ी सी और बढ़ेंगी तो ये दो मिरर है बेटा जी एक बार शक्ल देख लो इनकी मैं हट जाता हूं आप शक्ल देख लो इनकी ठीक है आराम से देख लो है ना लेफ्ट वाला जो है वो है कॉनकेव और राइट वाला जो है वह दोनों ही रहा होगा फर्क क्या है ठीक है यह वाला, यह वाला, यह अंदर से दबा ना जिस साइड आपको रिफ्लेक्शन करनी है ना जिस साइड आपको चीजें देखनी है उस साइड से दबा होगा अंदर अंदर मुक्का मार के मान लो दबा दिया गया उसको है ना मुक्का मार के अंदर से मोड़ दिया उसको तो ऐसा होगा इस तरह का है ना

और और ये और ये कौन है ये कॉन्वेक्स है ये कौन है ये कॉन्वेक्स है कॉन्वेक्स मतलब जो बाहर से उभरा होता है ये वाला हिस्सा है ना अब चम्मच होता है भैया चम्मच होता है आप चम्मच में जहां से भरते हो चवन प्राश है ना या हनी है? या जो भी तुम खाते हो है मजे से है ना बटर वटर जो भी तुम खाते हो है ना घी जो भी तुम जो चम्मच से जो भी तुम उठाते हो है ना जिधर से उसको भरते हो दैट साइड इज कॉन्केव है ना और जिधर से तुम चाटते चाटते उसकी शक्ल देखते हो दैट दैट साइड इज कॉन्वेक्स ठीक है

बढ़िया बढ़िया समझ में आ रहा है बच्चों को ठीक है अब इमेजेस की बात कर लेते हैं भाई देखो ऑब्जेक्ट आपने सीख लिया दो, दो तरह के पढ़ने हैं ऐसे ही आप इमेज भी दो तरह की सुनो आप इमेज भी दो तरह की सुनो ठीक है इमेज नंबर वन रियल इमेज और इमेज नंबर टू वर्चुअल इमेज ठीक है अब ये इमेज क्या होती है है ना हम शीशे के सामने जाके खड़े होते हैं है ना तो हमें हमारा जुड़वा भाई या जुड़वा बहन दिखता है ना अंदर As it is, हम अंदर एज इट इज दिखता है ना प्रतिबिंब बोलते हैं जिसको है ना उसको हम रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन भी बोलते हैं कि हमारे अंदर दिख रहा है है ना उसको हम टेक्निकल भाषा के अंदर यानी लाइट पढ़ते हुए हम उसको बोलते हैं कि वो हमारी इमेज दिख रही है क्या बोलते हैं उसको हम क्या दिख रही है वो हमारी इमेज दिख रही है आप सिनेमा हॉल में जाते हो सामने आपको ऋतिक रोशन दिखता है तो क्या वाकई वहां होता है क्या नहीं होता ना वो तो अपने घर आराम कर रहा होता है ना तुम्हारा तुम्हारे पैसों से ऐश कर रहा है वो तो तुम तो जाके टिकट टिकट खरीद के उसकी के उसकी फिल्म देख एंजॉय कर रहे हो वो तुम्हारे पैसों पे एंजॉय कर रहा, समझ रहा है समझ 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 रहे 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 हो 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 ना 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 बात को है समझ है ठीक समझ तो वो जो ऋतिक रोशन सामने आ गया है वो सामने असल में थोड़ी ना आया है।, है ना वो तो क्या है वो तो एक इमेज है अब मैं रियल और वर्चुअल की बात नहीं कर रहा वो जो आपको दिख रही है वो रियल इमेज दिख रही है ऑब्जेक्ट तो घर बैठा है अपने वो रिकॉर्ड करके चला गया ठीक <laughs> है ना वो तो घर बैठा है अपने तो जो आपको सामने दिख रहा है जो आपको सामने दिख रहा है दैट इज इमेज दैट इज इमेज ठीक है अब ये इमेज क्या होती है अब ये इमेज क्या होती है और ये कैसे कैसे रियल हो जाती है कैसे वर्चुअल हो जाती है कब समझे सर ये रियल है कब समझे सर ये वर्चुअल है आओ समझाता हूं आपको एक छोटी सी ट्रिक से ट्रिक क्या है ये असल में बतानी चाहिए लेकिन बताते नहीं है ये बताते नहीं है टेंथ क्लास के अंदर लेकिन ये बतानी चाहिए ठीक है इमेज दो तरह की होती है बेटा उड़ान रिलोडेड के अंदर मैंने मैं कर रहा हूं करना चाहिए इसको डिस्कस, हाँ, पिछले वाले उड़ान में है। इसके अंदर को सब कुछ पढ़ाना है, है ना तो हम तो सब कुछ पढ़ाएंगे इसके अंदर ठीक है कैसे आइडेंटिफाई करें कि कोई इमेज रियल है और कैसे आइडेंटिफाई करें कि कोई इमेज वर्चुअल है उसकी बातें मुझे आपसे करनी है ठीक है ठीक ठीक है नंबर दो वर्चुअल इमेज ठीक है कि कब कब इमेज रियल लगेगी और कब इमेज वर्चुअल लगेगी वो बात करनी है मुझे आपसे ठीक है तो समझना और सुनना ध्यान से देखो देखो पहली बात तो इमेज है कौन इमेज है वो इमेज है वो के जहां पर के जहां पर रिफ्लेक्टेड रेज मीट करें इतनी सिंपल सी डेफिनेशन है इमेज की इतनी सिंपल सी डेफिनेशन है इमेज की क्या जहां रिफ्लेक्टेड रेज मीट करें बस उसका नाम इमेज होता है जहां पर भी आकर के क्या मिल जाए रिफ्लेक्टेड रेज आकर के मिल जाए ठीक है दैट इज इमेज तो अब सर ये रियल कब होती है और ये वर्चुअल कब होती है तो भाई रियल तब होती है जब रियली really में रेज आकर के मीट कर रही हो ठीक है ना किसी ऑब्जेक्ट में से रेज निकली और रियल में आकर के मीट करें रियली really में मीट करें जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं वो मिरर से टक्कर मार के आए और एक पॉइंट पर मीट करें दैट प्लेस उस प्लेस पर क्या बनेगी उस इंटरसेक्शन पॉइंट पर क्या बनेगा इमेज बनेगा रिफ्लेक्टेड रेज जहां इंटरसेक्ट करें मीट का मतलब इंटरसेक्ट होता है मिलना है ना तो जहां पर भी रिफ्लेक्टेड रेज आकर मिलती है वहीं पर ही इमेज बनती है वहीं पर ही इमेज बनती है, है पक्की बात है ठीक है अब आओ देखते हैं कब रियल और कब वर्चुअल लेट अस सपोज लेट अस सपोज एक मिरर है ये एक मिरर है ये प्लेन मिरर है है ना ये भी एक प्लेन मिरर है ओके okay, और और कुछ रेज आ रही है भाई मतलब कहीं कहीं से आई थी टकराई इस पर कहीं से आई वो मैं दिखा नहीं रहा कहां से ही फिर मुझे ऑब्जेक्ट भी दिखाना पड़ेगा नहीं तो वो रहने दो कोई दिक्कत नहीं तुम बस इतना समझो तुम बस इतना समझो कि इससे जब टक्कर खाके टक्कर खाके जब रेज आ रही है तो ऐसे आ रही है लेटर सपोज ऐसे आ रही है मतलब इधर से कोई ऑब्जेक्ट आया होगा वहां से रे निकली होगी यहां से कोई ऑब्जेक्ट आया होगा बनवाई देते हो ना तुम भी ये इंसिडेंट हो गई ये भी इंसिडेंट हो गई समझ गए ना बात को चलो अब हटा रहा हूं 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 इसको अब हूं। अब हटा हटा रहा रहा ठीक है तो टक्कर टक्कर खा खा के खा के ये रे भी आ रही है ठीक है और टक्कर खा के ये रे भी आ रही है क्या मैं इस रे को कभी इंसिडेंट रे बोल सकता हूं क्या नहीं बोल सकता अबे टक्कर खा के मिरर से दूर जा रही है ना मिरल से दूर जाती रे को तो रिफ्लेक्टेड ही बोलूंगा ना भाई मिरर से दूर जाती थी तो रिफ्लेक्टेड ही होगी ना तो ये तो क्या ये तो है यह तो रिफ्लेक्टेड है ठीक है ना ये तो क्या ये तो रिफ्लेक्टेड है अच्छा ये रिफ्लेक्टेड है सर हाँ सर ये तो रिफ्लेक्टेड है अच्छा इसकी बात कर ले अब जरा सर क्या ये भी रिफ्लेक्टेड है क्या क्यों नहीं क्यों नहीं ये भी तो मिरर से दूर जा रही है अबे अगर ये मिरर से दूर जा रही है ऐसे करती हुई तो ये भी तो मिरर से दूर जा रही है ऐसे करती हुई मिरर से दूर जाती रे रिफ्लेक्टेड रे मिरर के पास आती उसमें पड़ती रे इंसिडेंट रे इसमें क्या शक है इसमें क्या शक है ये भी रिफ्लेक्टेड रेज है और यह भी रिफ्लेक्टेड रेज है जो मिरर से दूर जाती रेज होती हैं वो रिफ्लेक्टेड रेज होती हैं समझ में आ गया समझ में आ गया है ना जो दूर जाती रेज होंगी वो रिफ्लेक्टेड रेज होंगी सही बात है सर सही बात है सर अच्छा अब एक बात बताओ क्या ये रेज ये रेज कभी मिलने वाली है ये वाली ये वाली ये इधर निकल जाएगी ना ये इधर निकल जाएगी ना और ये इधर निकल जाएगी क्या ये कभी मिलने वाली है क्या ये कभी मिलने वाली है नहीं सर नहीं सर ये रियल में तो मिलने वाली नहीं है ये रियल में तो मिलने वाली नहीं है सर ये मिलने वाली है क्या हां यार ये तो मिल रही है थोड़ा और आगे लेके जाओ है ना थोड़ा और आगे लेके जाते हैं सर मीट कर गई जहां मीट कर जाती है वही क्या बनती है भाई वही बनती है इमेज वही बनती है इमेज तो सर इसकी इमेज कैसे बनेगी ये तो मीट नहीं करती ये तो देखो उधर निकल गई ये इधर निकल गई मीट नहीं कर रही है तो ये मीट कर रही है यह भी मीट करेगी कैसे मीट करेगी पता है आपको एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी एक्स्ट्रा का मतलब होता है एक्स्ट्रा का मतलब होता है एक्सटेंड करना एक्स्ट्रा का मतलब होता है एक्सटेंड करना इसे अगर आप आगे एक्सटेंड करोगे तो कभी नहीं मिलने वाली लेकिन अगर आप इसको पीछे एक्सटेंड करोगे अगर आप इसको पीछे एक्सटेंड करोगे तो ये मिरर के पीछे मिलती हुई लगती है मिलती तो ऑब्वियसली नहीं है और तभी तो इसका नाम रियल नहीं है तभी तो इसका नाम क्या है वर्चुअल है क्योंकि ये रियल में तो मिली नहीं ना ये रियल में तो मिली नहीं ना ये तो अपीयर हो रही है टू बी मीटिंग ऐसा लग रहा है कि हा मिल रही है एक्स्ट्रा पोलेट करना पड़ता है ठीक है ज्योमेट्री सिखा रहा हूं आपको आपको एस्ट्रापोलेशन करके ही पता करना पड़ता है कि जो ये इमेज है ये रियल है या वर्चुअल है अदरवाइज आपको तो इमेज दिखेगी आपको क्या पता चलेगा ये, ये रियल है वर्चुअल है आपको नहीं पता चलेगा आपको एक्स्ट्रापोलेट करके देखना पड़ेगा आपको मीटिंग करवानी पड़ेगी अब यहां जैसे मैंने इनकी मीटिंग करवाई तो पता चला हाँ भाई रियल में रेज मीट कर रही है है ना यहां तो यार रियल में रेज मीट कर रही है रियल में रेज मीट करती है वहां पर जो इमेज बनती है दैट इज रियल इमेज दैट इज रियल इमेज ठीक है और जहां पर एक्स्ट्रापोलेशन से बनती है वहां पर इस इमेज को क्या बोलेंगे वर्चुअल इमेज वहां पर ये इमेज क्या होगी वर्चुअल इमेज होगी तो ये थ्योरी है बेटा ठीक है ये कॉन्सेप्ट है रियल इमेज का और वर्चुअल इमेज का रियल इमेज का मतलब रियल इमेज का मतलब कि आपकी रेज रियल रेस से मिलकर के बने रियल रेस से मिलकर के बने एक्स्ट्रापोलेट करने की जरूरत ना पड़े एक्सटेंड करने की जरूरत ना पड़े खामखा का यहां पर देखो आगे क्षण किया था तो वैसे नहीं मिल रही थी पीछे क्षण किया तो मिरर के पीछे मिल रही है दैट इज वाई ये इमेज का नाम वर्चुअल इमेज जो मिरर के अंदर बनती है वो सारी इमेजेस वर्चुअल है अब आप जाकर के अगर शीशे के सामने खड़े होते हो अगर आप जाकर के शीशे के सामने खड़े होते हो तो आपको आपका प्रतिबिंब जो दिखता है है ना आपको आपका जो रिफ्लेक्शन दिखता है आपको आपका जुड़वा भाई है जुड़वा बहन दिखती है दैट इज एक्चुअली वर्चुअल इमेज दैट इज एक्चुअली वर्चुअली अवेलेबल टू यू जब तक आप खड़े रहोगे तब तक वो खड़ी रहेगी सही बात है कि नहीं ऐसी इमेज को वर्चुअल इमेज बोलते हैं ठीक है और जो रियल में, में मीट कर रही है दैट इज रियल इमेज है ना तो जो ऋतिक रोशन वाली इमेज बनती है ना सिनेमा पर सिनेमा स्क्रीन पर बच्चे आप पूछ रहे हैं कि सर सिनेमा स्क्रीन वाली इमेज को क्या बोलते हैं सिनेमा स्क्रीन वाली जो इमेज होती है वो असल में रियल है क्योंकि तो रियल रेज आकर के उस पर्दे पर गिरती है रियल रेज आकर के उस पर्दे पर ऐसे ऐसे ऐसे, ऐसे मल्टीपल रिफ्लेक्शन हर पॉइंट के लिए अलग 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 रिफ्लेक्शन होती है छोटी 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 रिफ्लेक्शन हर पॉइंट के लिए होती है इसलिए पूरा ऋतिक रोशन आपको दिया ऋतिक रोशन की आंख आंख में ही मल्टीपल रेज आकर के रिफ्लेक्शन पे ऐसे ऐसे, ऐसे पड़ती है तो अब मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा ये आप खुद भी सोच सकते हो ना इसके लिए मुझे हर चीज आपके मुंह में घुसाने की जरूरत नहीं है स्पून फीडिंग करने की जरूरत नहीं आप खुद भी समझ सकते बात को ठीक है ना जी रियल रियल इमेज के बारे में अब थोड़ी सी चर्चा

ऐसा ऑब्जेक्ट अगर तो ऐसी इमेज कर देंगे ठीक है ना और आपके सिलेबस में भी ऐसा ही कुछ है मैं नहीं कह रहा कि आप रट्टा मारो इस चीज का कि सब जब जब रियल आएगा तब तक क्या इन्वर्टेड आएगा क्या जब जब रियल आएगा तब तक इन्वर्टेड आएगा मैं नहीं कह रहा भाई ऐसा रट्टा मारो मैं नहीं चाहता आप ऐसा रट्टा मारो आप ये ये समझ के चलो कि सिलेबस के अंदर इस दसवीं कक्षा के सिलेबस के अंदर जहां रियल है उसके साथ साथ इन्वर्टेड आपको देखने में आता है ऑब्जर्वेबल है वो अब ऑब्जर्व कर रहे हैं तो क्या करें गला थोड़ी पकड़ लेंगे उसका नहीं भाई कैसे कैसे इन्वर्ट कैसे कर दी तूने इमेज भाई अब हो रही है भाई इन्वर्ट अब क्या करें है ना गला नहीं पकड़ना उसका इट इट कैन बी ऑपटेंड ऑन स्क्रीन यस स्क्रीन पर ऑप्टेंड हो सकती है वो जैसे ऋतिक रोशन बड़े पर्दे पर आता है उतरता है वो है ना तो ऑप्टेंड किया जाता है वो स्क्रीन पर ठीक है ऐसी वर्चुअल कोई पढ़ लेते हैं वर्चुअल इमेज इज दैट विच इज फॉर्मड रिफ्लेक्टेड रेज डू नॉट मीट एक्चुअली देखो साफ साफ लिखा है एक्चुअली मीट नहीं करती बट अपियर टू मीट एट अटन पॉइंट बोला ना भाई बोला के नहीं बोला मैंने बोला के नहीं बोला अपियर करती है लगता है कि ऐसा मीट कर लिया एक्स्ट्रा पोलेट करके एक्सटेंड करके पता किया जाता है कि मीट कर रही है ठीक है इट इज ऑलवेज इरेक्ट देखने में आया भैया आप अपने जुड़वा भाई के सामने खड़े होते हो मतलब वही वाला वाला मिरर भाई के सामने खड़े होते हो बहन के सामने खड़े होते हो तो आपको कैसे दिखता है आपको सीधा दिखता है सीधा आपको सीधा खड़ा दिखता है वो सीधा खड़ा दिखने का मतलब होता है कैसा इरेक्ट दिखता है कैसे दिखता है इरेक्ट दिखता है इट कैन बी ऑप्टन इट कैन नॉट बी ऑप्टेन वैसे होना चाहिए था यहां पर इट कैन नॉट भी ऑपटेंड ऑन स्क्रीन है ना ऐसा यहां पर नोट कर लेना कोई बात नहीं है ना यहाँ आया नहीं है, है ना सस्ते नशे करके बनाई गई है PPTA, मैंने नहीं, नहीं बनाई है ठीक <laughs> है ना तो इट कैन नॉट भी ऑपटेंड ऑन स्क्रीन ठीक है स्क्रीन पर ऑपटेन नहीं की जा सकती है ना लेकिन यह कोई हार्ड एंड फास्ट रूल भी नहीं है ऐसे भी ऑब्जर्वेशन देखे गए हैं कि जहां पर रियल इमेज को भी स्क्रीन की जरूरत नहीं पड़ती रियल इमेज भी बिना स्क्रीन के बन जाती है और वर्चुअल इमेज भी स्क्रीन के ऊपर बन जाती है ऐसा भी होता है ठीक है लेकिन आपके सिलेबस में सारी बातें हैं इसलिए मैं आपको नोट करवा एमसी क्यू एमसी एमसीक्यू आए तो भाई लिख देना ठीक है ठीक है बढ़िया ओके प्लेन मिरर की इमेज पढ़ लेते हैं ठीक है उसके बाद लेते हैं ब्रेक है ना प्लेन मिरर की इमेज पढ़ लेते हैं उसके बाद लेते हैं ब्रेक ओके okay. ठीक है प्लेन मिरर के बाद लेते हैं लेते हैं ठीक है चलो सुनो अब भाई इमेज फॉर्मेशन वाई प्लेन मिरर पढ़ना है अगर हमको ठीक है तो 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 एक मिरर चाहिए होगा भाई ये लो ये लो मिरर ये लो मिरर इसको पीछे से करना पड़ेगा अपने को सिल्वरिश ये मैंने इसको पीछे से कर दिया सिल्वर पॉलिश पेंटिंग कर दी मैंने इसकी ठीक है तो ये वाला जो हिस्सा है ये हो गया ये हो गया सिल्वरिश सिल्वर पेंट कर दिया मैंने इस पर सिल्वरिश हो गया और ये वाला जो हिस्सा है ये वाला हो गया रिफ्लेक्टिंग ठीक है ये ये सरफेस हो गया रिफ्लेक्टिंग ओके आपने क्या करना है आपने एक ऑब्जेक्ट रखना है इसके सामने ऐसे ये मैंने इसके सामने एक ऑब्जेक्ट रख दिया ठीक है ओके तो ऑब्जेक्ट को आप एरो से दिखा सकते हो एरो से दिखाने का फायदा ये होता है कि आप हेड को अलग आइडेंटिफाई कर पाओ और टेल को अलग आइडेंटिफाई कर पाओ अगर आपने यहां आप पर एक सीधी डंडी बना दी तो आप पता ही नहीं कर पाओगे कि वो उल्टी भी हुई है कि नहीं हुई है वो इन्वर्टेड हुई भी है कि नहीं हुई है यहां सीधी की सीधी दिख रही है आपको पता ही नहीं चल पाएगा इसलिए एरो से दिखाते हैं यहां पर मुझे इमेजिन कर सकते हो या मोहित पुनिया सर को भी इमेजिन कर सकते हो आपकी मर्जी है ठीक है ये ऊपर वाला हो गया हेड और नीचे वाला हो गया टेल क्लियर है आओ आओ लाइट दे के मारे आओ लाइट दे के मारे तो बच्चों ध्यान रखना पहली लाइट जो आपको निकालनी है आपकी मर्जी है आप एक करोड़ लाइट निकाल सकते हो एक करोड़ दिशाओं में क्या बोला एक करोड़ लाइट निकाल सकते हो एक करोड़ दिशाओं में लेकिन आपने ऐसा नहीं करना आपने करना वो है जिससे जल्दी आंसर आ जाए ठीक है ना तो आपने क्या करना है आपने यहां सर से निकालनी है लाइट पहली और वो भी बिल्कुल सीधी डालनी है ठीक है वो भी कैसी डालनी है बिल्कुल बिल्कुल सीधी ठीक है बिल्कुल सीधी लाइट डालनी है आपने ओके बिल्कुल सीधी डालनी अब मुझे एक बार बताओ अगर बिल्कुल सीधी लाइट पड़ेगी ध्यान से सुनना मेरी बात अगर बिल्कुल सीधी लाइट पड़ेगी तो बच्चे मेरे नॉर्मल भी तो यहीं बनेगा नॉर्मल भी तो ऐसे ही बनेगा यहां ऐसा नॉर्मल तो जब ऐसा नॉर्मल बनेगा जब ऐसा नॉर्मल बनेगा तो एंगल आई एंगल आई भी होगा जीरो आप चेक कर लो ना भाई जो इंसिडेंट रे है वो नॉर्मल पे ही आके गिर रही है है ना जो इंसिडेंट रहे वो नॉर्मल पे आके गिर रही है तो एंगल आई भी होगा जीरो और एंगल आर भी होगा जीरो जो है, जो है मेरे बच्चे वो यहां से उल्टी निकल जाएगी ऐसे ऐसे निकल जाएगी वो लाइट उल्टी समझ गए ना क्योंकि एंगल आर भी क्या है एंगल आर भी जीरो है सही बात है कि नहीं एंगल आई भी जीरो है एंगल आर भी जीरो है तो जैसी ऐसे लाइट आई और ऐसी कैसे निकल गई इसको बोलते हैं नॉर्मल इंसिडेंस होना ठीक है इस कंडीशन को बोलते हैं नॉर्मल इंसिडेंस कंडीशन नोट कर सकते हो चाहो तो मैं नहीं लिख रहा यहां नॉर्मल इंसिडेंस कंडीशन ठीक है अब अब दूसरी लाइट लो भाई दूसरी लाइट लो आप दूसरी लाइट इसके ऊपर डाली आपने कहीं भी डाल दो जहां आपका मन करे ऐसे डाल दी मैंने यहां ठीक है कहीं भी डाल दो आप सर से ही निकालना लेकिन ध्यान रखना बच्चों सर से ही निकालनी है दोनों लाइट है ताकि आपको सर ही मिले सर से लाइट निकालोगे सर ही मिलेगा समझ रहे हो ना भाई बात को तो सर से लाइट निकाली पहली सीधी चली गई दूसरी डाली यहां पर आओ नॉर्मल खींचे और लॉज का ध्यान रखें लॉज का ध्यान रखें यहां मैंने बनाया नॉर्मल ठीक है जी? लाइट गिरी है उतने ही एंगल से लाइट उठेगी है ना जितने पर गिरी है, उतने से उठेगी यानी 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 जानी, ऐसे जाएगी लाइट हा कि ना ऐसे जाएगी लाइट और yes नो यस और नो ठीक है ना जितना एंगल आई जितना एंगल आई उतना एंगल आर है ना जितना एंगल आई उतना एंगल आर ठीक है तो जिस जिस एंगल से लाइट आई है उसी एंगल से जाएगी अब मुझे एक बार बता अब मुझे एक बार बता एक तो रिफ्लेक्टेड रे ये है यहां देखियो एक तो रिफ्लेक्टेड रे ये है और एक रिफ्लेक्टेड रे ये है बच्चे क्या कभी ये मिल पाएंगी क्या कभी ये मिल पाएंगी करूं एक्सटेंड करूं एक्सटेंड ये मिल पाएंगी क्या बोलो ऐसे करने पर क्या कभी मिल पाएंगी ये नहीं मिलेंगी तो फिर सर कैसी इमेज बनेगी अपने आप समझ में आ जाएगा आप कैसी इमेज बनेगी क्योंकि आप जान चुके हो आप जान चुके हो कि जो ऐसे मिलने वाली होती ऐसे मिलने वाली होती तो रियल होती लेकिन ये ऐसे मिलने वाली नहीं है तो फैल रही है ये तो उस तरफ फैल रही है तो पीछे की तरफ एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी है ना पीछे की तरफ एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी तो इधर आपको इसको मिलाना पड़ेगा पीछे की तरफ आपको इसको मिलाना पड़ेगा ठीक है बढ़िया बढ़िया। आंसर दे रहे हैं बच्चे सावास, सावास मेरे सावास, सावास मेरे जोश ठंडा नहीं होना चाहिए का वैसे चुछ चुछ का। पीछे, पीछे मिलवानी है भाई पीछे मिलवाना है तो, तो अपने को चाहिए है ना समझ रहे हो उस जगह पर थोड़ा सा टेढ़ा बन गया कोई बात नहीं नो टेंशन ब्रो नो no टेंशन फिर बना देते हैं हम सही बट सही है सही है सही ओके रिपोर्ट है भाई ओके रिपोर्ट है ओके रिपोर्ट है यहां ज्वाइन हो गई है है ना बना भी रहे हो ना साथ साथ क्या देखी हो फिल्म बनाते भी रहो बच्चों सरिता श्रीवास्तव क्यों हंस रही है इतना बनाती जा बेटी बनाती जा ठीक है हम्म तो तो एक बात बताओ प्यारे बच्चों भोले बच्चों एक बात तो बताओ आपकी रेज सर से निकली थी ना यार अगर आपकी रेज सर से निकली है और सर ही वहां पर जाकर के मिल रहा है यानी वही वाली रेज जो सर से निकली वही जाकर के अगर वहां मिल रही है तो वहां क्या दिखेगा वहां सर दिखेगा मेरा सर दिखेगा नहीं ऑब्जेक्ट <laughs> का सर दिखेगा वहां पर यानी वहां बनेगी? वहां बनेगी इमेज आई सी आई सी इमेज बनेगी वहां समझ गए क्या थोड़ा मोटा बना दिया मैंने इसके मुकाबले लेकिन मोटा वो सेलेक्ट ऐसा हो गया ठीक है ठीक है क्लियर हो गया भाई क्लियर हो गया सर से निकली तो सर ही मिला ऐसे ही अगर आप पैर से निकालोगे मैं निकालने नहीं वाला खाली दिखा रहा हूं ऐसे ही खाली दिखा रहा हूं ऐसे ही निकालूंगा नहीं मैं ऐसे पैर से अगर आप निकालो यहां से ठीक है तो जितने एंगल पर जाएगी उतने एंगल से वापसी ऐसे करके है ना तो पीछे एक्सटेंड अगर इसको कर दिया जाए तो देखो पैर मिल रहा है इधर देख लो जरा अरे कॉपी छोड़ के इधर देख लो है ना समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे बात को ऐसा कुछ है ना समझ गई अरे समझ गई कि नहीं ठीक है ना कुछ ऐसा हो रहा है ना भाई अच्छा देख लो आराम से देख लो आराम से देख लो है ना है ना यार बना लो फटाफट जल्दी जल्दी बना लो तुम्हारे लिए रुका हूं भाई मैं तुम्हारे लिए रुका हूं ठीक है अब इसको हटा देता हूं यहां से इसकी इसकी नीड नहीं है वैसे इसको दिखाने की जरूरत नहीं होती इसको दिखाने की जरूरत नहीं इतना बहुत है अच्छा ये भी ये भी ये भी ये भी हटा देता हूं है ना इतना बहुत होता है इतना बहुत है ठीक है तो ये थी भाई कहानी ये थी भाई कहानी इमेज की ठीक है ये थी भाई कहानी इमेज की इसका नेचर लिख लेते हैं अब ठीक है इसका नेचर बहुत जरूरी होता है आप कभी भी कोई इमेज बनाओ कभी भी कोई रे डायग्राम बनाओ मेरे बच्चों मेरे भोले प्यारे छोटे छोटे बच्चों कभी भी आपको इमेज बनाओ आपको उस इमेज का नेचर लिखना है ठीक है आपको इस इमेज का नेचर लिखना है तो मैं बना रहा हूं यहां पर बच्चों ने बनाना बोलना भी स्टार्ट कर दिया इस चीज को ठीक है नेचर में यहां पर लिख रहा हूं द इमेज नेचर ऑफ द इमेज नेचर नंबर ही पर आपकी इमेज बनती है, ये शत्वती 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 है, सत्य बात ठीक है सौ परसेंट सच है यह जितने डिस्टेंस पर आपका ऑब्जेक्ट होगा मिरर से उतने ही डिस्टेंस पर आपकी इमेज बनती है मिरर से ठीक है तो यहां मैं लिख रहा हूं इस बात को यहां मैं लिख रहा हूं इस बात को ये बनती है सेम डिस्टेंस पर ठीक है सेम डिस्टेंस एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट ठीक है सेम डिस्टेंस एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट ये पहला नेचर है दूसरा 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 ये बेटा कि जितने साइज की जितने हाइट का ऑब्जेक्ट होता है ठीक है उतने ही हाइट की इमेज बनती है ये भी सौ परसेंट सच बात है ठीक है जितना हाइट आपका ऑब्जेक्ट का होगा उतना ही हाइट आपकी इमेज का होगा यानी नंबर दो ये सेम साइज की बनती है साइज में कोई अंतर नहीं होता सेम साइज एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट इसको मैं और भी समझाऊंगा अभी रुक जाओ और भी समझाऊंगा इसको ठीक है दो बातें हो गई तीसरी बात तीसरी बात अच्छा बेटा रियल रेस तो नहीं मिली ना यहां या तो वर्चुअली मिली है ना बेटा ये तो इसलिए जो ये इमेज बनेगी ना ये वर्चुअल बनेगी बेटा इस इमेज को क्या बोलोगे कैसी इमेज है ये ये वर्चुअल इमेज है बेटा वर्चुअल इमेज है बेटा तीसरी बात हो गई बात नंबर चार वर्चुअल के साथ इरेक्ट फ्री मिलता है ये लाइन नोट कर लेना आपके सिलेबस के लिए ये वर्चुअल के साथ इरेक्ट फ्री सयम बिल्कुल ठीक कह रहा है सयम सैफ नाम था उसका मोहम्मद मोहम्मद सयम सयम सैफ आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग इट करेक्टली ठीक है तो वर्चुअल के साथ इरेक्ट फ्री

मिरर के अंदर तो जितने डिस्टेंस पर तुम खड़े रहते हो मिरर से जितने डिस्टेंस पर तुम मिरर से खड़े रहते हो उतने ही डिस्टेंस पर तुम्हारा जुड़वा भाई या जुड़वा बहन अंदर खड़ा होता है ठीक है ना उतने ही डिस्टेंस पर तुम्हारा जुड़वा भाई या जुड़वा बहन अंदर खड़ा होता है जितना तुम बाहर खड़े होगे उतना ही वो अंदर खड़ा होगा ठीक है ना तुम पास आओगे वो भी पास आएगा तुम और पास आओगे वो और भी पास आएगा तुम उंगली लगा दोगे वो भी उंगली लगा देगा ऐसा होता है कि नहीं होता तुम शीशे पे उंगली मारते हो तुम्हारा जुड़ा भाई उंगली मारता है कि नहीं मारता उस पर मारता है ना सबने करके देखा है झूठ बात बोलना सबने करके देखा है शीशे पर उंगली टच करते हो है ना वो तुम्हारा जुड़वा भाई या बहन भी अगर तुम उंगली टच करती है, है कि नहीं तो जितना पास शीशे के आओगे उतना ही पास उतना ही पास तुम्हारा जुड़वा भाई जुड़वा बहन भी शीशे के आएगा एक नंबर बात हो गई दूसरी बात दूसरी बात जितनी साइज के तुम हो ये मत समझना कि शीशे के सामने खली बन जाएंगे हम तो बहुत ताकत आ जाएगा बाहुबली खली बली कुछ नहीं होने वाला अलाउद्दीन खिलजी ना बनने के तुम। जितनी हाइट तुम्हारी है उतनी हाइट दिखेगी पांच फुटिया हो तो पांच फुटिया दिखोगे अंदर भी समझ गए <laughs> सेम सेम साइज साइज रहेगा तुम्हारा एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट ठीक है ये मत समझना है कि हम कुछ और दिखने लगेंगे तगड़े दिखने लगेंगे ऐसा कुछ नहीं होगा ठीक है ना ना बोने दिखोगे ना तगड़े दिखोगे बराबर दिखोगे हट्टे कट्टे जितने हो उतने दिखोगे समझ गए तीसरी बात आ गई वर्चुअल इमेज वर्चुअल का मतलब आपको समझा दिया एक्स्ट्रा पोलेट करके बनाई गई है इमेज है ना आप इसको गले नहीं लगा सकते यू कैन नॉट हग जुड़ो भाई जुड़ो बहन इन साइड द <laughs> समझ गए ना <laughs> और इरेक्ट का मतलब क्या है इरेक्ट का मतलब यह है बेटा कि आप शीशे के सामने खड़े होते हो तो आपके मुंह के सामने क्या आपको आपके चरण दिखते हैं क्या क्या आपको जूते दिखते हैं क्या

समझ लेना कि वो कैसी इमेज है इनवर्टेड इमेज है ठीक है और पांचवा और लास्ट में यहां पर लिख रहा हूं समझाऊंगा अभी अगली स्लाइड में उसके बाद ब्रेक लेंगे ठीक है फिफ्थ है लेट्रली इनवर्टेड लेट्रली इनवर्टेड ठीक है लेट्रली इनवर्टेड का मतलब होता है कि राइट हैंड खड़ा करूंगा तो अंदर वाला लेफ्ट हैंड खड़ा करेगा आपका जुड़वा भाई लेफ्ट हैंड खड़ा करता है है ना लेफ्ट वाला खड़ा करेंगे तो जुड़वा भाई राइट हैंड खड़ा करता है इसको बोलते हैं मिररिंग होना ये तो आपको अच्छे जानते हो भाई सेल्फी लेके मिरर कर देंगे ऐसे सेल्फी ली उल्टा दिख रहा है मिरर कर देंगे उसको तो ये वर्जन तो आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है है ना मैं तो मानता हूं कि आपको आता हूँ एम्बुलेंस, एम्बुलेंस के तो पुराने हो सर, सेल्फी वाला एग्जाम्पल डालो एनसीआर के अंदर क्यों सही बात है ना भाई तो लेट्रेन लिवर्टेड का मतलब राइट हैंड खड़ा करें तो लेफ्ट हो जाएगा उसका और लेफ्ट खड़ा करेंगे तो राइट हो जाएगा उसका उल्टा दिखता है ऐसे एंबुलेंस के अक्षर भी क्या होते हैं उल्टे दिखे होते हैं ना आर्यन कह रहा है कि मैं अभी शीजे के सामने खड़ा हूं नहीं बेटा वापस आ जाओ शीशे के सामने मत खड़े हो वापस आ जाओ पढ़ रहे हैं अभी अभी फिर खड़े होना बाद में जाकर के शीशे के सामने ठीक है बढ़ता हूं आगे करेक्टर सिक्स आ गए इमेज के यही वाले जो मैंने आपको बताए अभी अभी वर्चुअल दिखती है इरेक्ट दिखती है दोनों एक साथ लिखे हुए वर्चुअल इरेक्ट सेम साइज दिखती है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑफ इमेज के बराबर होता है बिल्कुल और लेट्रली इन्वर्टेड लेटरलीवर्टेड का मतलब राइट का लेफ्ट होना और लेफ्ट का राइट होना उसी को कहते हैं लेट्रल इन्वर्जन ठीक है कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं लेटर इनवर्जन के ये रहे ये रहे

समझ गए समझ गए ऐसे ये वाला भी देख सकते हो आप एग्जाम्पल जो हम लेकर के आए हैं जे वाला जे वाला है ना देखो ऐसे कर रखा है इसने राइट वाला हैंड आगे और मिरर के अंदर लगा रहा है कि लेफ्ट वाला कर रखा है ठीक है ना दोनों हाथ इसी तरफ ही है तो ऐसे से ऐसे नहीं हो रहा ऐसे से ऐसे नहीं हो रहा है ना लेकिन बनेगी एक तरफ ही बनेगी उसी साइड पर ही लेकिन लेड होगी यानी राइट का लेफ्ट लेफ्ट का राइट लगेगा ऐसे एंबुलेंस के अंदर देखो दोनों तरीके से एंबुलेंस लिखा रहता है ये अंग्रेजी है थोड़ी सी ना भार वाली है ये अंग्रेजी का मतलब अंग्रेजों वाली एंबुलेंस है हमारी वाली एंबुलेंस नहीं हमारी वाली में तो एक लिखा उल्टा वही बहुत है है ना बार वाले में दोनों लिखा रहता है एंबुलेंस सीधा भी करके उल्टा भी करके है ना कि दूर से सीधा दिखे तो सीधा पढ़ ले उल्टा दिखे तो उल्टा पढ़ ले आवाज ना आ रही हो चांस मान लो आगे वाले ड्राइवर को ठीक है ना तो ये वन मार्क का वन मार्क का क्वेश्चन आ जाता है ठीक है यहाँ से एक बच्चा पूछ रहा है नीट के लिए कैसे प्रिपेयर करू क्लास नाइन्थ से बेटा पहले क्लास नाइन्थ पढ़ लो ठीक है फाउंडेशन लेवल हम लोग पढ़ा रहे हैं नीव के अंदर अगर आप नीवियन हो तो आप समझ जाओगे कि आपकी तैयारी शुरू हो, हो चुकी है नीट की ठीक है सही है भाई तो पढ़ लेते हैं एक बार इट इज द आता है सिंगुलर फिनोमिना होता है प्लुरल फिनोम में नन इज सिंगर वेन एल एच एस बिकम लेफ्ट राइट हैंड साइड एंड वाइस वर्सा वाइस वर्सा का मतलब होता है कि राइट right बन जाएगा लेफ्ट लेफ्ट बन जाएगा राइट right.

हेलो 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 आवाज़ आ रही है क्या जल्दी बताओ जल्दी बता दो बच्चों आवाज़ आ रही है क्या जल्दी से बता दो जल्दी से आवाज़ आ रही है क्या वैक्शक सर ओपी मतलब मैं दिख रहा हूँ ठीक है अच्छी बात है अब बताओ आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही सर कोटा जाऊं या नहीं अरे कोटा आके बैठ गया है हमारे यहां यार कोटा एक्सप्रेस ले आया पूरी ट्रेन चला के ले आए कोटा से यार भर भर के आ रहे हैं और भी आने वाले हैं ऐसे सरप्राइजेस आपके लिए कहा जा रहे हो कोटा जय की तैयारी करने कोटा जा रहा हूं ठीक है वॉइस क्लियर है ओके ठीक है स्टार्ट कर रहे हैं भाई स्टार्ट कर रहे हैं ठीक है सबसे जरूरी टॉपिक रिफ्लेक्शन वाले पार्ट का सबसे जरूरी टॉपिक अब स्टार्ट होने जा रहा है रिफ्लेक्शन थ्रू स्फेरिकल स्फेरिकल मिरर्स मिरर्स ये क्या होते हैं आपने देखे दो तरह के मिरर होते हैं है ना भी आपने देख ली कॉनकेव और convex, ठीक है भी आपने देख ली है ना उनका डायग्राम जो है वो इस तरह का दिखता है ठीक है ना जो डायग्राम होते हैं वो इस तरह के दिखते हैं उनके ठीक है तो दो स्फेरिकल मिरर हैं है ना जिनको हमने डिस्कस कर लिया है पहले से है ना एक का नाम है कॉनकेव और एक का नाम है कॉन्वेक्स ठीक है असल में पता होता क्या इसका नाम स्फेरिकल क्यों है है ना इसका नाम स्फेरिकल इसलिए बेटा इसका नाम स्फेरिकल इसलिए बेटा क्योंकि ये एक ना स्फेर का पार्ट होते हैं ध्यान से समझना स्फेरिकल नाम इसलिए क्योंकि ये एक इमेजिनरी स्फेयर का पार्ट होते हैं आप ऐसा सोचो है ना एक इमेजिनरी कांच का गोला है जस्ट इमेजिन एक कांच का गोला एक बॉल है जो ग्लास की है कांच की एक बॉल है ठीक है उस कांच की बॉल को

ठीक है जब उसका आउटर साइड जो था उस कांच का काटने के बाद काट के तो वो फेंक दिया जो बचा हुआ छोटा सा थर्टी परसेंट जो पार्ट था उसका जो था, आउटर जो था, जब उसको सिल्वरिश किया गया तो अंदर वाला साइड बन गया रिफ्लेक्टिंग है ना अंदर वाला साइड बन गया रिफ्लेक्टिंग है कि नहीं और उल्टा सोचो अब अब उल्टा सोचो है ना एक कांच का गोला है जिसके अंदर हवा है होलो ग्लास स्पेरिकल है ग्ला, ग्लास स्पेयर है 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 ना स्फेयर उसको काटा सेवेंटी परसेंट हटा दिया अपने अपने पास रख लिया, 30 अपने पास रख रख लिया लिया अब उस 30 में पहले बाहर वाले पार्ट को रंगा गया था अब अंदर वाले पार्ट को रंगा जाएगा माने अंदर वाले पार्ट को सिल्वर किया जाएगा तो जब अंदर वाला पार्ट सिल्वर किया तो जो बल्ज पार्ट है जो बाहर का पार्ट है दैट बिकम्स मिरर वो मिरर बन जाएगा ठीक है ना तो जब अंदर वाले पार्ट को किया गया सिल्वरिश जब अंदर वाले पार्ट को किया गया सिल्वरिश तो ये बाहर वाला जो बल्सड पार्ट है जो बाहरी पार्ट है है ना वो क्या बन जाएगा वो बन जाएगा रिफ्लेक्टिंग है ना वो बन जाएगा रिफ्लेक्टिंग बड़ी बात तो नहीं बोली है ना ये तो बात आप सब समझते हो है ना तो कांच का अंदर वाला पार्ट अगर पॉलिश कर दिया गया तो बाहर वाला क्या हो जाएगा रिफ्लेक्टिंग हो जाएगा दिस इज दिस इज कॉनवेक्स मिरर इसी को कहते हैं कॉनवेक्स मिरर और इस वाले मिरर को कहते हैं कॉनकेव मिरर इसी का नाम है कॉनकेव देखो केव से याद रखना इसका केव वाला पार्ट जो है वो रिफ्लेक्टिंग है माने अगर शकल देखनी हो तो मैं यहां आके खड़ा ऐसे ऐसे खड़ा खड़ाऊंगा तो मुझे शकल दिखेगी इसमें से है ना और यहां पर ऐसे खड़ा होना पड़ेगा तो शकल, शकल नहीं दिखेगी ऐसे खड़ा खड़ाऊंगा तो मुझे पेंट दिखेगा आप समझ रहे हो ऐसे खड़ा खड़ाऊंगा तो मुझे पेंट दिखेगा ये वाला ये वाला सारा पेंट 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 वाला पार्ट दिखेगा मुझको ठीक है ना पेंट वाला पार्ट दिखेगा मुझको ऐसी यहां पर आगे खड़ा नहीं हो सकता इसमें अपनी शक्ल देखने के लिए है ना ऐसा के खड़ा हुआ मुझे यहां पर पेंट दिखेगा तो मुझे शक्ल देखनी है अगर माने अगर मैं एक ऑब्जेक्ट हूं वो तो मैं हूं है ना फिजिक्स में हम सब ऑब्जेक्ट है, है अगर हैं है ना तो मुझे यहां खड़ा होना पड़ेगा इस मिरर में अपने आप को देखने के लिए ऐसे यहां खड़ा होना पड़ेगा इस मिरर में अपने आप को देखने के लिए यानी शीशे के सामने शीशे के सामने समझ में आगे बात अब इनका नेचर डिस्कस करने की बात आती है ठीक है नेचर डिस्कस करने से पहले मैं आपको थोड़ी सी जोमेट्री समझाता हूं कि इसमें क्या क्या जोमेट्री इन्वॉल्व है ठीक है स्पेरिकल मिरर के अंदर क्या क्या जोमेट्री आप लोगों ने पढ़नी है ठीक है पहली पहली देखो बच्चों जो इस स्पेयर का सेंटर है क्या बोला जो इस स्पेयर का सेंटर है ये इसे बोलते हैं सी सी फॉर सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां मैं लिख रहा हूं सी स्टैंड फॉर सेंटर ऑफ कर्वेचर ठीक है इस सेंटर ऑफ करवेचर से आपने एक लाइन ये जो डाली है ना ये जो लाइन डाली है ना ये मिरर को कहीं पे काटेगी समझना ध्यान से सेंटर ऑफ करवेचर से जो लाइन आपने डाली है ना ये वाली ये मिरर को कहीं ना कहीं काटेगी ये मेरे को कहीं ना कहीं काटेगी ये मिरर का मिड पॉइंट होता है ये मिरर का मिड पॉइंट होता है इसको बोलते हैं पी पी मतलब पोल पी मतलब पोल नोट करते जाओ साथ, साथ। साथ साथ नोट करते जाओ मैं इतना स्लो पढ़ा रहा हूं इसलिए ताकि आप नोट भी साथ साथ करते रहो अलग से मुझे टाइम ना देना पड़े कि मैं हट जाऊं हाँ भाई ले नोट कर ले अब। साथ, साथ करते जाओ नोट भी ठीक है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो सीधी लाइन डाली है जो पोल को क्रॉस करके आगे निकल गई है इस पूरी लाइन का नाम होता है प्रिंसिपल एक्सिस पी एक्सिस बोलते हैं इसको है ना पी स्टैंड फॉर प्रिंसिपल प्रिंसिपल का मतलब प्रधान मतलब बड़ी सबसे बड़ी सबसे तगड़ी ठीक है तो सबसे बड़ी एक्सिस जो है वो ये है प्रिंसिपल एक्सिस नाम है इसका पी एक्सिस ठीक है ठीक है अब जो C और P का जो मिड पॉइंट है यानी ये इसे बोलते हैं फोकस प्रिंसिपल फोकस नाम है इसका पूरा ऐसे इसको फोकस ही बोल देते हैं तो एफ स्टैंड प्रिंसिपल फोकस पूरा नाम है इसका तो पूरा ही लिख रहा हूं यहां पर मैं आप भी पूरा ही लिखो ठीक है प्रधान फोकस प्रिंसिपल फोकस ठीक है तो C है F है और P है और ये प्रिंसिपल एक्सिस है ठीक है सर क्या सर और भी कुछ है इसके अंदर हां बेटा आपको दो तीन लेंथ भी जाननी है अभी और ठीक है ना दो तीन लेंथ भी जाननी है अभी और कौन कौन सी दो तीन लेंथ है मैं समझा देता हूं देखते जाओ मेरे वॉरियर्स है ना दो तीन लेंथ भी है देखो बेटा एक तो आप यह समझो कि सेंटर से लेकर के और पोल तक का जो ये डिस्टेंस होगा जिसको यूज करके सर्कल बन रहा है दोबारा से सुनो सेंटर से लेकर के पोल तक का जो डिस्टेंस है जिसको यूज करके सर्कल बन रहा होगा दैट इज एक्चुअली में रेडियस दैट इज एक्चुअली में रेडियस यस और नो यस और नो है ना जिसको यूज करके जिसको यूज़ करके ये सर्कल बन रहा होगा है ना ये क्या है ये रेडियस है तो यहां से लेके यहां तक के डिस्टेंस को बोलते हैं आर. आर लेंथ। पॉइंट नहीं है आर लेंथ है इतना जोर दे के इसलिए बोलना पड़ रहा है क्योंकि कई बार समझाने के बाद भी बच्चा लेंथ में और पॉइंट में इंटीग्रेट डिफरेंशिएट नहीं कर पाता इंटीग्रेट बोल दिया दिख... डिफरेंशिएट नहीं कर पाता ठीक है ना कि लाइन किसे कहते हैं और पॉइंट किसे कहते हैं तो ये पॉइंट नहीं है ये लेंथ है R, है ना फॉर रेडियस रेडियस ऑफ ये ही तो है ना बेटा ये इस सर्कल की रेडियस ही तो है ना इसे बोलते हैं रेडियस ऑफ करवेचर ठीक है रेडियस ऑफ करवेचर और आप समझते हो इस बात को इतनी सेंस आपके अंदर जेमेट्री की है मैं मानता हूं इतनी सेंस आपके अंदर जेमेट्री की है कि अगर ये मिड पॉइंट है पी और सी का ये मिड पॉइंट है तो यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस होगा ये वाला डिस्टेंस ये डिस्टेंस है ना यह इसका आधा होगा यह जो डिस्टेंस होगा यह इस आर का आधा होगा है ना? या वन फोर्थ है ना ना यानी ऑफ ऑफ द द डायमीटर या वन हाँ रेडियस और इस ऑफ हाँ द रेडियस को बोलते हैं फोकल लेंथ सब बच्चों ने यहां फॉर्मूला लिखना स्टार्ट कर दिया है बहुत बढ़िया वही मैं समझाने वाला था अभी यहां पर है ना तो इसको बोलते हैं स्मॉल एफ ठीक है फोकस ओ सॉरी फोकल लेंथ क्या बोलते हैं इसको फोकल लेंथ फोकस अलग है फोकल लेंथ अलग है डिनोशन भी अलग अलग है चेक कर लो आप कैपिटल एफ से फोकस को डिनोट करते हैं ये स्मॉल एफ से फोकल लेंथ को डिनोट करते हैं ध्यान से सुनना ठीक है तो यहां पर ये स्मॉल एफ जो है दैट इज फोकल लेंथ फोकल लेंथ है ना और बच्चों ने जो यहां लिख दिया है तो उनका सम्मान करते हुए मैं यहां भी लिख देता हूं कि भाई ये जो एफ होता है ये होता है आर बाय इसमें कोई शक वाली बात नहीं होनी चाहिए किसी को भी है ना अब मैथमेटिक्स पर आ गया हूं मैं है ना तो मैथमेटिक अपनी बहुत तगड़ी है भाई बहुत तगड़ी है पढ़ाता है नहीं लेकिन बहुत तगड़ी है आर जो है आर जो है वो एफ का डबल है टू एफ इज इक्वल टू आर टू टाइम एफ इज इक्वल टू आर इसमें कोई कोई बड़ी बात नहीं है ना कोई रॉकेट साइंस नहीं है यहाँ पर आप समझ रहे हो इस बात को ठीक है ऐसे ही मैं ये सारी डिनोशन वहां भी दिखा देता हूं आपको ठीक है ना ये सारी डिनोशन में वहां भी दिखा देता हूं आपको जैसे के जैसे कि ये है अपना सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां पर यहां मिरर के पीछे होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर एक बात को ध्यान से सुनना जो मैं बोल रहा हूं मिरर के सामने होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर मिरर के सामने होता है फोकस मिरर के पीछे होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर मिरर के पीछे होता है फोकस ठीक है ये फर्क है बेसिक फर्क है ये ठीक है ये सब्जेक्टिव फर्क है दोनों मिरर्स के अंदर कि एक का फोकस मिरर से आगे है और एक का फोकस मिरर के पीछे है ठीक है एक का फोकस मिरर के पीछे है तो यहां इसका एफ होता है और यहां इसका पी है यह पोल है यह पोल है और इस एक्सिस का नाम है पी एक्सिस ठीक है प्रिंसिपल एक्सिस इसी का नाम है ना लाइन का नाम प्रिंसिपल एक्सिस है कितनी लंबी हो सकती है कितनी भी हो सकती है एक्सिस तो तक होती है जीरो से लेकर तक होती है ठीक है अच्छा और एक लेंथ लेंथ और रह गई एक गुरु, बच्चे बड़ा रोचक होकर पूछते हैं मुझसे कह सर बड़ी हमें रुचि है इसमें और इसका मतलब बताओ क्या होता है है ना और वो लाइन है वो लाइन है कोई बता सकता है क्या कोई बता सकता है क्या रह गया है इसके अंदर डिस्कस करना जिसमें बड़ा इंटरेस्ट होता है बच्चों को सर ये तो बताओ ये तो हम जानेंगे शाबाश नितिन नितिन शिवा सिंह छा गए छा गए आयुष राज छा गए सही है सही है है अरे अरे सबको सभी को रुचि उसके अंदर नाम है अपरचर नाम है अपरचर ठीक है आप समझो अपरचर क्या चीज होती है अपरचर असल में अपरचर असल में इसकी चौड़ाई है इस मिरर की चौड़ाई है ठीक है ना यहां से लेके यहां तक जितना भी ये चौड़ा है है ना जितना भी ये चौड़ा है अभी और चौड़ा हो गया और चौड़ा हो गया और चौड़ा और चौड़ा और चौड़ा और चौड़ा है ना तो ये हो गया बड़ा अपर्चर दिस इज लार्ज अपर्चर सब बच्चे जानते हैं ना अपर्चर ठीक है सब बच्चे समझ गए सही बात है, है ना और ऐसे इसको छोटा करता जाऊंगा तो अपर्चर छोटा हो रहा है छोटा हो रहा छोटा हो रहा छोटा हो रहा छोटा हो रहा बात समझ में आई ना जब छेद छोटा होता जाएगा है ना जहां पर लाइट पड़ने की लाइट पड़ने का अनुमान है जहां पर जिस इलाके पर लाइट पड़ सकती है वही जगह छोटी होती चली जाए तो बोलेंगे अपर्चर छोटा हो रहा है ठीक है ना उसे बोलेंगे अपर्चर छोटा हो रहा है तो यहां से लेकर यहां तक के डिस्टेंस को बेटा जी अपर्चर कह देते हैं ठीक है सर्कुलर अपर्चर भी बोला जाता है कभी कभी इसको यहां पर ये यह लीनियर अपर्चर की बात हो रही है बाद में जाकर के अगर आप ऑप्टिक्स के अंदर कुछ करते हो है ना जैसे ऑप्टिकल साइंस के अंदर कुछ लोग बीएससी करते हैं एमएससी करते हैं या या ऑप्टिकल इंजीनियरिंग के अंदर भी कुछ आ, अपना परस्यू करते हैं अपनी डिग्री को तो बहुत अलग अलग तरीके के अपर्चर भी पढ़ाए जाते हैं वहां पर सर्कुलर अपर्चर पढ़ाया जाता है डायमेट्रिक अपर्चर पढ़ाया जाता है ठीक है स्पेरिकल अपर्चर भी पढ़ाया जाता है बहुत तरह के थ्री डी भी पढ़ाए जाते हैं लेकिन आपके लिए अभी तक यही अपर्चर है ठीक है यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको अपर्चर कहते हैं ठीक है ऐसे यहाँ से लेकर यहाँ तक ये यह अपर्चर होगा है ना कितनी चौड़ाई है मिरर की है ना मिरर कितना बड़ा और कितना चौड़ा यह ज्यादा अपर्चर ये कम अपर्चर है समझ रहे हो आप बात को ठीक बढ़िया बात बढ़िया बात तो ये क्या है ये परचर है है ना इसकी कोई एज सच न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंस नहीं है आपके सिलेबस के अंदर तो चिंता वाली कोई बात नहीं है बस ऐसी जान जान लो इसको आप ठीक है बाकी कोई टेंशन वेंशन लेने वाली कोई बात है नहीं ठीक है हाँ इन दिस वी विल बी ड्रॉइंग शोन इन द फिगर ठीक है इसके लिए एक नेचर वाला और हो आया होगा ठीक है तो ये नेचर वाला ही है ठीक है नेचर ऑफ मिरर्स, ठीक है तो दोनों मिरर का मैं आपको आप नेचर समझा देता हूं ठीक है ये जो मिरर है ये जो मिरर है दैट कॉनकेव मिरर, ठीक है? ये कॉनकेव मिरर है और ये वाला मिरर है कॉन्वेक्स मिरर, है ना इसमें कोई शक नहीं है आपको पता चल चुका है, है ना ये जो है ये है, है पोल मोटा कर ले इसको है ना ये जो है ये फोकस है रहने ये फोकस है है ना और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है ऐसी पोल फोकस है और सेंटर ऑफ कर्वेचर है ना पी एफ सी ऐसे ही है ना ठीक है तो अब होता क्या है बेटा होता यह है कि आप अगर इस मिरर पर पैरल लाइट डालोगे कैसी लाइट डालोगे पैरल लाइट ये सबसे इन, इजी और सबसे सिंपल तरीका है इस मिरर के नेचर को समझने का अदरवाइज और भी तरीके से आप समझ सकते हो बच्चा पूछता है क्यों सर मैं पैरल ही क्यों डालू सर मैं तो ऐसे आड़ी तेड़ी डालूंगा पोल और फोकस के बीच में से डालूंगा मैं भाई तू डाल ले कोई दिक्कत नहीं कोई नहीं मना कर रहा ठीक है लेकिन नेचर को स्टडी करने का कुछ तो आसान तरीका होगा ना जो हमारे पूर्वजों ने हमारे सम्माननीय साइंटिस्टों ने कुछ बनाया होगा लेखककारों ने लिख लिखे हैं किताबों के अंदर तो उन्होंने कुछ सोच समझ के लिखा होगा बाकी तेरी मर्जी तूने जैसा करना है कर है ना यू आर अ फ्री सोल है ना यू आर अ फ्री बर्ड आप कुछ भी कर सकते हो ठीक है ना करने को तो जो मर्जी करो भाई ठीक है तो हम क्या करते हैं पैरल लाइट डालते हैं ऐसे और ये पैरल टू प्रिंसिपल एक्सिस होती है है ना ये प्रिंसिपल एक्सिस है और इसके पैरल लाइट डलती है ऐसे 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 और ऐसे ठीक है डल गई डल गई तो अब क्या अब क्या अब पता क्या होता है अब होता यह है अब होता यह है कि ये जो लाइट है ना बेटा ये जो लाइट है ना बेटा जी इस लाइट को ये वाला मिरर इस लाइट को ये वाला मिरर ला करके फोकस पर इकट्ठा कर देता है ला करके फोकस पे सबको क्या कर देता है कन्वर्ज कर देता है ठीक है ना मतलब इन्फिनिटी से आती लाइट इन्फिनिटी बोल देते हैं देखो इन्फिनिटी का मतलब मैथ्स में कुछ और फिजिक्स में कुछ और होता है मतलब दोनों में ही वैसे तो नॉट डिफाइंड है नहीं पता है ना लेकिन का मतलब ये भी होता है कि बहुत दूर से बहुत दूर से है ना मतलब मेजर नहीं करना चाहते उसको कर सकते हो बेशक से मेजर करना नहीं चाहते ठीक है ऐसे डिस्टेंस से लाइट आ रही है समझ रहे हो जैसे सन से लाइट आ रही है अब ये तो नहीं कि भाई सन सन और हमारे यहां का हमको डिस्टेंस नहीं पता कितना है हाँ इस मिरर के मुकाबले बहुत दूर है तो रिलेटिवली रिलेटिवलींफिनिटी बोलते हैं ठीक है ना रिलेटिवली इनफाइनाइट है जैसे जैसे के के सामने चीटी के सामने मैं इंफिनिटी हूं बात समझ में आ गई ना चीटी के सामने मैं इंफिनिटी हूं और सोलर सिस्टम के सामने मैं चीटी हूं तो सोलर सिस्टम मेरे मुकाबले क्या हो गया इन्फिनिटी हो गया इंफिनिटी इज अ रिलेटिव टर्म इन फिजिक्स ठीक है ना और मैथ्स में इसका मतलब होता है नॉट डिफाइंड मैथ्स में इसका मतलब होता है नॉट डिफाइंड ठीक है ना तो फर्क समझने की कोशिश करना इन्फिनिटी का मतलब यह मत समझ लिया करो इन्फिनिटी तो होता ही नहीं सर इन्फिनिटी इज नॉट डिफाइंड सर अब हम क्या करें सर अब कहां से ढूंढे सर इन्फिनिटी को जाकर क्या इन्फिनिटी मतलब बहुत दूर बहुत दूर है ना रिलेटिवली बहुत दूर ठीक है बढ़िया तो लाइट आ रही है रिलेटिवली बहुत दूर से है ना इन शॉर्ट इन्फिनिटी से ठीक है लाइट आ रही है तो आके क्या करेगी तो इस मिरर की प्रॉपर्टी है बेटा इस मिरर की ये प्रॉपर्टी है कि ला करके उसको कन्वर्ज कर देता है ला करके उसको कन्वर्ज कर देता है कहां पे कन्वर्ज कर देता है फोकस पे कहां कन्वर्ज कर देता है फोकस पे ला करके कन्वर्ज कर देता है यानी यानी ये लाइट आएगी यहां मिलेगी लाइट आएगी यहां मिलेगी लाइट आएगी यहां मिलेगी लाइट आएगी यहां मिलेगी, मिलेगी। समझ गए कहां लाके कन्वर्ज कर दिया फोकस पे ला के कन्वर्ज कर दिया इकट्ठा कर दिया ना यार तो इस मिरर का नेचर ही यही है इस मिरर की औकात ही यही है समझ लो ये मिरर इसके अलावा कुछ नहीं करता क्या करता भाई इकट्ठा करता है प्लेन मिरर इकट्ठा नहीं करता प्लेन मिरर जैसी आती वैसी भेज देता नॉर्मल इंसिडेंट होती है तो सीधी भेज देता है उसको है ना ना कन्वर्ज करने की कोशिश करता है ना डाइवर्ज करने की कोशिश करता जैसी आती वैसी कर देता है लेकिन इस मिरर की कुछ खासियत है इस मिरर की कुछ खासियत है क्या करता है ये सीधी लाइट को आकर के कहा मार देगा फोकस में मार देगा ये बात मैं अब लास्ट टाइम बोल रहा हूं आगे बढ़ते हैं ठीक है थीके? देखो इसने क्या किया इसने क्या किया कन्वर्ज कर दिया यानी इस मिरर का एक और नाम रख दिया जाता है कन्वर्जिंग मिरर क्या नाम रख दिया जाता है इस मिरर का कन्वर्जिंग मिरर आगे से कभी न्यूमेरिकल के अंदर नोट कर लेना इस बात को ये जो मैंने लिखा है सब आपको नोट करना पड़ेगा अपने नोट्स में नोट्स बनाना सीखो अभी से नहीं सीखोगे नौवीं दसवीं में तो ग्यारह जाकर नोट्स बनाने नहीं आ पाएंगे तुमको वहां रोगे जाकर के जब इतना सारा कोर्स होगा तो आज से नोट्स बनाने सीखो अभी तक नहीं बनाए थे नौवीं में सीखे जाते हैं वैसे नोट्स बनाने नौवीं से आने चाहिए नाइन्थ क्लास से आना चाहिए नोट्स बनाने लेकिन नहीं सीखे तो आज सीख आज बनाने शुरू कर नोट्स तेरे साथ रहेंगे वो पेपर के टाइम पे कुछ होगा तेरे पास देखने पढ़ने लिखने के लिए रिवाइज करने के लिए रिपीट करने के लिए नोट्स बनाने सीख बेटा मेरे वॉरियर ठीक है तो कौन के माने कन्वर्जिंग बोले तो इकट्ठा करना लाइट को इकट्ठा करना इस पर पड़ती है तो क्या होता है आओ आओ देखो इस पर लाइट अगर पैरल पड़ेगी बोले तो इन्फिनिटी से आएगी ठीक है इस पर अगर लाइट आकर के इन्फिनिटी से पड़ेगी ऐसे ऐसे ठीक है तो ये क्या करता है ये क्या करता है अब ऐसा है यार इसका नेचर इसके नेचर से टोटली ऑपोजिट है क्या बोला इसका नेचर इसके नेचर से टोटली ऑपोजिट है यानी ये इकट्ठा करता है ना तो ये फैलाता है ये क्या करता है फैलाता है तो अब एक बात बताओ अगर लाइट आके इस पे पड़ी है तो क्या अपने मनमर्जी से कहीं भी फैला देगा क्या लाइट को सोचो जरा क्या ये अपने मन की चलाएगा क्या मन की कोई चलाने वाला नहीं है भाई ना ही उसका मन है वो तो नॉन लिविंग थिंग है लिविंग थिंग्स का तो मन होता है लेकिन उस मनोस्थिति की बातें अपन फिजिक्स में तो करते नहीं भाई यहां तो लॉज की बातें होती हैं है ना यहां तो लॉ ऑफ नेचर को पढ़ा जाता है तो नेचर का लॉ ये कहता है नेचर का लॉ ये कहता है कि लाइट जो पैरेलल आएगी ना वो फोकस से जरूर बात करेगी किससे बात करेगी फोकस से जरूर बात करेगी जैसे यहां पर आकर के फोकस को फोन लगाया हां जी मैं आ गई हूं आ जा आ जा घर आ जा घर आ जा ऐसे हुआ है यहां क्या होगा पता ये वाला जो फोकस है ना थोड़ा सा ऐसा सही है मतलब कड़वा सा थोड़ा फोकस है तो आती है ना लाइट तो पूछती है हाँ मैं आ गई हूं मैं आ गई हूं ये बोलता है चल निकल यहां से आउट तो क्या करता है इसको ऐसे ऐसे फैला देगा अपना यूज करवा के और भेज देता लाइट को पीछे ठीक है और इसको आपको डॉटेड दिखाना ही पड़ता है इसको आप डॉटेड दिखाते हो ठीक है ये तरीका है भाई इसको आपको डॉटेड दिखाना है ठीक है इसको आपको डॉटेड दिखाना है ओके तो ऐसी हर लाइट आकर के फोकस को फोन लगाती है आ गई भाई आ गई हूं मैं आ गई हूं स्टेशन पे आ गई हूं अरे चल निकल यहां से नहीं बुला रहे हम तेरे को है ना तो नहीं बुलाता फोकस भगा देता उसको भगा देगा उसको ऐसी ये वाली लाइट पहुंचेगी पहुंचेगी हाँ भाई पहुंच गई हूं मैं अरे चल निकल यहां से भाग जा भाग जा निकल यहां से तो डाइवर्च कर देता है बेटा ठीक है ना मोटी बात बताऊं तो ये डाइवर्ज करता है फैला देता है ठीक है क्या करता है फैला फैला देता देता है 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 ये ये करता 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 इकट्ठी क्या ना तो और देखते हैं ये वाली पहुंची फिर फोन किया हाँ जी मैं आ गई स्टेशन पे आ गई चल लिए यहां से भग जा है ना तो इस तरीके से क्या करता है फैला देगा भगा देगा लाइट को चल निकल लिए यहां से डाइवर्ज कर देगा डाइवर्ज कर देगा ठीक है ना और, और इसको आपको डॉटेड दिखाना पड़ेगा ऐसे 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 ठीक है ये डॉटेड दिखाओ क्योंकि आप समझ रहे हो डॉटेड क्यों दिखाना पड़ रहा है आप जरा वर्चुअल इमेज वाले कॉन्सेप्ट से याद करो जो बच्चों ने अभी अभी सुना वर्चुअल मैं यहां पर देख रहा हूं कुछ नए बच्चे भी जुड़े हैं बाद में आकर के नमस्ते नमस्ते कर रहे हैं नमस्ते जी सभी को ठीक है हाँ जो बाद में आए हैं कोई बात नहीं वर्चुअल इमेज और रियल इमेज वाले कॉन्सेप्ट के अंदर मैंने चीज बताई थी आपको कि जब रिफ्लेक्टेड रेज जा रही हो जब रिफ्लेक्टेड रेज जा रही हो है ना तो मिलती नहीं है ना मतलब ऐसे जब जा रही है तो मिल नहीं रही ना अब मिल नहीं रही तो क्या करना पड़ेगा आपको एक्स्ट्रा करना पड़ेगा यानी पीछे उसको एक्सटेंड करना पड़ेगा एक्सटेंड किया तो पता चला यार ये तो फोकस से बात करती आई है ये तो फोकस से पूछती आई है रास्ता बात समझे ना ऐसे यहां पर देखो क्या हुआ यहां पर लाइट आई ये रिफ्लेक्टेड है ये रिफ्लेक्टेड है के एक जगह पर मीट कर गई यहां पर मीट करी है ना यहां बनेगी रियल इमेज और यहां पर मीट नहीं करी यहां तो फैल गई एक्स्ट्रा करके बनी है एक्स्ट्रा का मतलब होता है एक्सटेंड करके बनाना पीछे की तरफ एक्सटेंड करना इसको बोलेंगे वर्चुअल इमेज तो यहां जो बन रही है वो क्या है वर्चुअल इमेज है और यहां जो बन रही है वो क्या है वो रियल इमेज है समझ में आया नोट करो जल्दी नोट करो जल्दी न्यूमेरिकल बनाइए सर पढ़ा दें पहले बना देंगे न्यूमेरिकल भी लाए न्यूमेरिकल बहुत सारे ठीक है कई सारे न्यूमेरिकल हैं नेचर रखा जाएगा इसका नेचर लिखा जाएगा इसका डाइवर्जिंग ठीक है कभी न्यूमेरिकल के अंदर अगर आपको दिख जाए कि जाएंग मिरर कौन सा है तो घबराह मत जाना हाथ पैर फूल जाए जाएंगे डायवर्जिंग फैलाना डायवर्जिंग का मतलब फैलाना और कन्वर्जिंग का मतलब इकट्ठा मतलब करना ठीक है यहां लिख रहा हूं ठीक है इकट्ठा करना ठीक है लाइट को इकट्ठा करना दैट मीनस कन्वर्ज करना फैलाना दैट मीन्स डाइवर्ज करना ओके चलो बढ़ते हैं आगे हाँ जी ये लो डेफिनेशन आ गई मतलब जो जो सब सब हाँ से जो आपसे पूछ सकता है वो सब कुछ है आज का सेशन फुल्ड है भाई न्यूमेरिकल भी है और पूरा हैंड्स ऑन प्रैक्टिस भी आप लोगों की बस आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है मेरे साथ साथ ठीक है ना ये आप सोच करके बैठो आज के लेक्चर में ठीक है ना

रेडियस ऑफ कर्वेचर, डिस्टेंस बिटवीन सी एंड पी सेंटर ऑफ और पोल के बीच का डिस्टेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर है इट इज द्वाइंट वेयर पी प्रिपल एक्सिस मिर आगे गिरती है, है ना? उसी को पोल बोलते हैं फोकस के इटंट रिफ्लेक्टेड मीट और अपियर टू मीट देखो कितना अच्छा कितना अच्छा डेफिनेशन है फोकस की फोकस की बहुत अच्छी डेफिनेशन है कि जहां पर आकर के पैरल लाइट मिले या अपियर होके मिल रही है अपियर कहां होती है कॉन्वेक्स में और एक्चुअली में कहा मिलती है कॉनकेव मिरर में ठीक है आओ रूल्स पढ़ते हैं बेटा ठीक है चार रूल्स हैं जिनको यूज करके हम लोग आगे इमेज बनाने वाले हैं ठीक है इमेज फॉर्मेशन करने वाले हैं उन, उनके लिए अपने पास कितने रूल हैं चार रूल हैं ठीक है तो चार रूल को एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे ठीक है ये आपका मिरर है यह कौन सा मिरर है यह कौन सा मिरर बनाया मैंने वो देख ऊपर लिखा है कॉनकेव मिरर है ये, ठीक है ना ये कौन सा मिरर है कॉनकेव मिरर है ठीक है कॉनकेव मिरर की पीछे वाली साइड आप जानते हो सिल्वरिश होती है अंदर वाली साइड जो होती है वो रिफ्लेक्टिंग होती है ठीक है ना बहुत बढ़िया अब अब क्या जी अब जी कि हमने ये ले ली प्रिंसिपल एक्सिस ठीक है ये पोल है यह फोकस है और यह सेंटर ऑफ कर्वेचर है ठीक है तो पहला रूल कहता है कि अगर आपने इंसिडेंट रे को पैरेलल डाला है प्रिंसिपल एक्सिस से तो रिफ्लेक्शन के बाद वो फोकस से पास होगी अब ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं अब ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं रूल नंबर वन ये कहता है कि अगर आपने पैरेलल डाली है लाइट ऐसे ठीक है अगर आपने पैरेलल लाइट डाली है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट डाली है तो टक्कर खाके फोकस से जाएगी दिस इज रूल नंबर वन नोट करो जल्दी से नोट करो जल्दी से बहुत जल्दी से नोट कर लो इस बात को ये रूल नंबर वन है ये रूल नंबर वन है ठीक है टक्कर खा के जाएगी फोकस से टक्कर खा के जाएगी फोकस से ठीक है टक्कर खा के जाएगी फोकस से अगर लाइट पैरेलल है ठीक है अगर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है ठीक है तो टक्कर के फोकस से जाती है नोट कर लो नोट कर लो सेकंड पे चल रहे हैं केंड में चलने बेटा ठीक है दूसरा दूसरा जल्दी जल्दी बनाना भाई ये तो ये तो रूल्स हैं, सिंपल सिंपल रूल्स ऐसा रही है ठीक है जल्दी जल्दी बनाना दूसरा रूल ये रहा मिरर, ये पोल है ये फोकस है ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है ठीक है आओ जी रूल नंबर टू द इंसिडेंट रे कमिंग फ्रॉम फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हर चीज डिटेल में लिखी हुई है भाई भाई डिटेल 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 में में डि, तो हो सकता उतनी तो तो लिखी है है ठीक पहले पहला रूल क्या था पहला रूल था कि सीधी आई है तो फोकस से जाएगी सीधी आई है तो फोकस से जाएगी अगला रूल क्या है कि भाई फोकस से आई है अगर फोकस से आई है अगर ठीक है ना तो टक्कर मार के पैरेलल हो जाएगी ठीक है यार टक्कर मार के पैरल हो जाएगी दिस इज रूल नंबर दिस इज रूल नंबर टू दिस इज रूल नंबर टू ठीक है ये पहले वाले रूल का कन्वर्स रूल का है है बेटा असल में ना जो पिछला रूल था उसका कन्वर्स है पिछले वाले में क्या था पैरल आ रही थी, रही थी थी फोकस जा यहां क्या हो रहा है फोकस से आ रही है पैरल जा रही है ठीक है तो यहां लिख रहा हूं कि फोकस से आ रही है ठीक है तो पैरल टू प्रिंसिपल एक्सिस निकल के जा रही है नोट कर लो जल्दी नोट कर लो जल्दी नोट कर लो जल्दी नोट कर लो जल्दी ठीक है फोकस से आइए तो पैरेलल पैरेलल से तो फोकस से फोकस से ठीक है ना फोकस से आइए तो पैरेलल पैरेलल से तो फोकस से उल्टे हैं कन्वर्स रूल है दोनों ठीक है बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं आगे रूल नंबर तीन रूल नंबर तीन जल्दी जल्दी कर रहा हूं मैं थोड़ा है ना आप भी तेज तेज हाथ चलाओ जैसे पबजी में खेलते हो जैसे रील वील बनाते हो तुम लोग है ना धड़ाधड़ रील बनाते हो धड़ाधड़ अरे वाह क्या स्ट्रेट लाइन बनी है स्ट्रेट लाइन से भी कितनी अच्छी स्ट्रेट लाइन बनी है देख रहे हो तुम स्ट्रेट लाइन इज ऑल्सो वेरी स्ट्रेट ठीक <laughs> है देखो ये पॉइंट जो है ये फॉर 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 पोल फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर ठीक है और रूल नंबर बड़ा ही आसान है बच्चे लिखना भी चालू होगा यहां पर रूल नंबर तीन बड़ा आसान है और रूल नंबर तीन कहता है कि बेटा जी अगर आपने सी से डाली है रे अगर आपने सी से डाली है रे ठीक है तो जितने नो सॉरी अगर आपने सी से डाली है रे तो जहां टकराएगी ना वहीं से उल्टी वापस हो जाएगी ऐसे ठीक है जहां से आई है जहां से आई है वही पहुंचा दी जाएगी ठीक है ना जिधर से आई है उधर से वापस हो जाएगी ठीक है ना यानी सी से आई है तो सी से ही पास करके निकल जाएगी सी से आई टकराई सी से पास करके निकल गई ऐसा क्यों हुआ मैं बता सकता हूं आपको अगर आप जानना चाहो तो मैं बता सकता हूं ऐसा इसलिए हुआ बेटा ऐसा इसलिए हुआ बेटा क्योंकि ये असल में नॉर्मल इंसिडेंट हुई है ठीक है ना देखो मिरर शेप ऐसी है यहां पर मिरर शेप ऐसी है और ये नॉर्मल है ये नॉर्मल है है ना तो ये आ करके गिरी है जीरो डिग्री पर एंगल आई जीरो ऐसे निकल गई है रिफ्लेक्शन के लॉज सब जगह फॉलो होते हैं हर रूल में रिफ्लेक्शन के लॉज फॉलो हो रहे हैं मैं यहां दिखा नहीं रहा हूं नॉर्मल बना बना के का मतलब ये नहीं है कि वायलेट हो गया रूल वायलेट हो गया लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हटा दो सर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को किताब में से ऐसा नहीं है सब जगह अप्लाई हो रहा है वो ठीक है लेकिन दिखाना जरूरी नहीं है समझ जाना जरूरी है बस ठीक है ना समझ जाया करो समझ जाना जरूरी है रूल नंबर तीन ठीक है ना ये तीसरी थी गई और आई है तो तीसरी गई और तीसरी आई है ठीक है तो तीसरा क्या रूल है कि अगर सी से गई है सी से गई है तो बैक ट्रेस करेगी खुद को ठीक है ना सी से गई है तो बैक ट्रेस करेगी अपने आप को ठीक है जिस रस्ते गई है उसी रस्ते वापस आएगी बैक ट्रेस करती है खुद को ये ठीक है बैक ट्रेस लिखा हुआ ऊपर कि सी से गई है तो रिट्रेस करती है अपने पाथ को है ना रूल नंबर चार रूल नंबर चार चार नंबर रूल पढ़ते हैं बेटा चार नंबर रूल पढ़ते हैं ये आपका मिरर है? है ना स्ट्रेट लाइन इज वेरी स्ट्रेट ये पोल है ये फोकस है ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है ठीक है अब क्या कर रहे हैं कि अब हम लाइट को डालेंगे पोल पे ठीक है कहां डालेंगे लाइट को

क्या है रूल नंबर चार अगर पोल पर गिरती है पोल पर गिरती है तो एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर होता है अब ये सिर्फ याद करने के लिए लिख रहा हूं मैं यहां पर सिर्फ याद करने के लिए लिख रहा हूं मैं यहां पर कि पोल पर गिरी है तो एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर होगा ये मत समझना कि यहां के सब जगह पर एंगल आई एंगल आर के बराबर नहीं हो रहा हो रहा है सब जगह पर यहां पर विजिबल है जरा बस ठीक है ना यहां जस्ट विजिबल है बहुत अच्छा ठीक है इसीलिए एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर खाली याद करने के लिए बोल देते हैं समझने के लिए बोल देते हैं ठीक है हो सब जगह रहिए ठीक है थीके? तो ये चार रूल थे बेटा ये चार रूल थे कॉनकेव के अब दो रूल आएंगे कॉन्वेक्स के वो भी जरूरी है वो भी जरूरी है लो जी कॉन्वेक्स मिरर के रूल ये नोट कर लिया गया ये नोट कर लिया गया लिख रहे हैं बच्चे गोपाल गोपाल लिख रहा है कि सर जी मोटे हो गए हैं अरे मोटे नहीं शर्ट टाइट है वाली है दूसरी वाली पहन के हैं शर्ट टाइट है मोटे वोटे कहां से हो 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 गए इतना तो काम करवाते हो तुम ईटे वीटे उठवाते लेक्चर बनवाते हो। ठीक है सर फ्रॉम वेयर टू गेट द क्लास नोट्स बेटा जैसे ही लेक्चर खत्म होगा ना ये आपको मिल जाएगा ऐप पर ठीक है ना ऐप पर आप सब्सक्राइब हो गए ना वॉरियर बैच के अंदर तो वहां आपको ये मिल जाएगा सेक्शन के नीचे ठीक है ओके सब्सक्राइब टू डब्ल्यू ऐप डाउनलोड पीडब्ल्यू एप फ्रॉम प्ले स्टोर ठीक है चलो चलो बढ़िया ठीक है आओ आओ कॉन्वेक्स मिरर की बात करते हैं बेटा ठीक है कॉन्वेक्स मिरर के लिए रूल यह है कॉन्वेक्स मिरर के लिए रूल यह है पहले तो कॉन्वेक्स मिनर ड्रॉ कर लेता हूं ऐसा होता है ना कॉन्वेक्स मिरर यह वाली साइड उसकी होती है पॉलिश्ड मतलब सिल्वरिश है ना और, और यह रही आपकी प्रिंसिपल एक्सिस ये रही प्रिंसिपल एक्सिस ठीक है जिसका कि ये है पोल ये है फोकस और ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर ठीक है ना पोल फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर है ना कोई दिक्कत नहीं ठीक है अब अब देख बेटा रूल नंबर वन रूल नंबर वन क्या कहता है कह रहा था इंसिडेंट रे कमिंग पैरल टू पी एक्सिस डाइवर्ज बट अपियर्स टू पास थ्रू फोकस बिल्कुल वही बात जो मैंने आपको बताई है कि भाई ये आई है लाइट ठीक है ना ये आई है लाइट ओके और ये क्या करेगी ये इस फोकस को यूज करके फैलेगी ऐसे बताया था ना मैंने आएगी फोन लगाएगी वो बोलेगा नहीं 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 निकल यहां से एंट्री नहीं हमारे घर में कोई चलो 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 निकलो जाओ आंटी जी से ठीक है ना तो ऐसे लाइट आई फोकस को यूज करके फैलती है ठीक है ठीक ऐसा समझ सकते हो आप आई लाइट और फोकस को यूज करके फैली आपको ये डॉटेड दिखाना है आपको ये डॉटेड दिखाना है ठीक है क्योंकि फोकस को यूज करके फैली है ठीक है ना फोकस को यूज करके ये डाइवर्ज हुई है तो दिस इज रूल नंबर वन ये किसका रूल नंबर वन है कन्वेक्स का रूल नंबर वन है ठीक है कि अगर अगर पैरल टू पी एक्सेस आई है ठीक है तो टक्कर मार के टक्कर मार के फोकस को यूज करके निकल जाएगी यानी यानी यूजिंग एफ यूजिंग एफ इट डाइवर्जिज यूजिंग एफ इट डायवर्जिज फोकस की जमेट्री को यूज करके फैल जाती है ये रूल नंबर वन है नोट करो फटाफट से नोट करो फटाफट से नेक्स्ट लेक्चर उलान लड़का आएगा भाई 6 सितंबर को आएगा टीचर्स डे के बाद ठीक है तो मुझे तुम वही करना फिर ठीक है ना टीचर्स डे वाला विश मुझे तुम 6 सितंबर को देना पांच को मत देना ठीक है एक और रूल देखो भाई एक और रूल देखो ये आपका कॉनकेव मिरर ये कॉनकेव मिरर ये प्रिंसिपल एक्सिस पोल ये फोकस ये सेंटर ऑफ़ उस तरफ होते हैं ना सारे भाई क्योंकि गोला इस तरफ घूमता है इसका गोला इस तरफ घूमता है है ना तो फिर सारी चीजें है, है अब लाइट आती है कहां से लाइट को भेज रहा है भाई अगर आपको ऐसा लगे कि सी की तरफ लाइट आ रही है सी की तरफ लाइट आ रही है ठीक है सी की तरफ लाइट आने का मतलब है ये होना ये ऐसा लगे कि भाई ये सी से टकराने वाली है ठीक है ना ये जो लाइट है ये जो लाइट है ये कहां टकराने वाली है सी सेट सी के टूवर्ड्स जा रही है ये सी के टूवर्ड्स जा रही है तो क्या करेगी पता है उल्टी हो लेगी बिल्कुल जैसे आई है ना वैसे ही उल्टी हो जाएगी ऐसे ऐसे नोट करते जाना ठीक है नोट करते जाना ये सारे रूल नोट करने हैं आपको ऐसे चली जाएगी रे है ना सी वाला वहां पर भी ऐसा ही हुआ था ना कॉनकेव मिरर भी ऐसा ही हुआ था ना कॉन्वेक्स मिरर में भी ऐसा ही होगा ठीक है ना जितने एंगल पे आई है उतने एंगल पे निकल जाएगी ठीक है तो ये रूल नंबर टू ये रूल नंबर टू ठीक है कि अगर C पर आकर के पढ़ती है एट C आकर के पढ़ती है पढ़ने की कोशिश करती है मतलब पड़ेगी तो नहीं पड़ेगी तो अंदर थोड़ी घुस जाएगी अबे रिफ्लेक्टर है ना अंदर थोड़ी घुसा देगा लाइट को आर पर तो नहीं करवा देगा लाइट को वापस ही तो भेजेगा तो एट सी है, है ना तो रिबाउंड कर जाएगी ठीक है ना रिबाउंड वापस चली जाएगी बाउंस बैक कर जाएगी ठीक है ठीक है कर लेंगे नोट कर लेंगे नोट अच्छा इसी के अंदर एक रूल और सिखा देता हूं वो भी काम आता है है ना अलग से उसकी स्लाइड नहीं है नहीं है ना हाँ अलग से उसकी स्लाइड नहीं है तो मैं इसी में आपको वो तीसरा रूल भी सिखा देता हूं इंपॉर्टेंट रूल है वो वाला भी देखो देखो जी अगर अगर आपकी लाइट फोकस की तरफ जा रही हो जैसे यहां पर ये मुंह किस तरफ कर रही थी सी की तरफ जरा यहां देख लो जरा यहां देख लो है ना बोर्ड पे देखो जरा अगर ये सी की तरफ जा रही थी तो तो वापस चली गई सोचो अगर इसको फोकस की तरफ डालते तो क्या होता ऐसे 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 फोकस की तरफ डालते तो क्या होता फोकस की तरफ डालते ऐसे करके तो क्या होता तो क्या होता अगर फोकस की तरफ डालते तो क्या होता तो पैरल हो जाती बेटा ठीक है ना अगर हमने सी की तरफ डाली थी तो आपसी निकल गई फोकस की तरफ डालते तो क्या हो जाती बेटा ये पैरल हो जाती ठीक है बिल्कुल वैसा ही कन्वर्स रूल हमने पढ़ा था पहले भी ऐसे निकल जाएगी होकर के ठीक ठीक है 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 ये 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 ऐसे निकल जाएगी पैरल हो करके। ठीक है? तो ये है, ये है, रूल नंबर थ्री कह लो इसको चाहे आप इसको टू कह लो उसको थ्री कह लो जो मर्जी कह लो कोई दिक्कत नहीं है ठीक है तो रूल नंबर थ्री ये है ठीक है ये रूल नंबर टू हो गया ठीक है और ये रूल नंबर थ्री हो गया क्या हो गया रूल नंबर थ्री भाई अगर टू फोकस गई है, है ना अगर आपने टूवर्ड्स फोकस मारिया लाइट ठीक है टूवर्ड्स फोकस मारिया लाइट तो पैरल हो जाएगी टू द है ना तो इट विल बिकम पैरल टू पी एक्सिस है ना नोट कर लो जल्दी से जल्दी से जल्दी से नोट कर लो इसको फिर आगे बढ़ रहे हैं अब ये सारे रूल यूज करेंगे भैया अब ये सारे रूल यूज करेंगे धीरे धीरे पोल पे डाले तो ले यार तू मानेगा नहीं ले पोल पे भी डाल लेते हैं खुश रहे ले भाई पोल पे डाली तो जितने एंगल पे डालेगी उतने एंगल से वापसी खुश ठीक है क्या नाम था खुशप्रीत नाम था बच्चे का तो खुशप्रीत को खुश कर दिया हमने है ना एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर रूल नंबर चार है ना एक ही में बता दिया रूल मैंने है ना खुशप्रीत बेटा खुश खुशप्रीत खुश। खुश ही नाम था शायद ठीक है जो भी नाम था पोल पे डालेंगे तो क्या होगा तो पोल पे डालेंगे अगर ठीक है एट पी करेंगे अगर एट पी करेंगे एंगल तो अगेन एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर होगा ठीक है नोट करते जाओ नोट करते जाओ बढ़ रहे हैं आगे बढ़ रहे हैं आगे बहुत हो गया मजाक बस कोई मजाक नहीं करेगा बढ़ रहे हैं आगे ये सारे रूल ये सारे रूल ठीक है दो मिनट के अंदर अंदर रिवाइज करने वाले हैं उसके बाद सीधा हम रेडाग्राम पर चलेंगे ठीक है ना दो मिनट के अंदर अंदर ये सब रूल रिवाइज, ठीक है ये देखो जल्दी से क्या रूल थे भाई ये मिरर आ गया पोल फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर ठीक है रूल नंबर वन रूल नंबर वन रूल नंबर वन कहता है कि अगर पैरेलल होगी लाइट ठीक है तो फोकस से जाएगी ये रूल नंबर वन है ठीक है रूल नंबर टू फोकस पे डालोगे लाइट तो पैरेलल हो जाएगी ये सबसे ज्यादा यूज होने वाले रूल है इसलिए इन्हीं का रिविजन करवा रहा हूं बस ठीक है बाकी सब आप नोट करके रखना अपने पास कभी ना कभी काम आ जाते हैं वो ये सबसे इंपॉर्टेंट रूल है उन्हीं का रिविजन करवा रहा हूं बस ठीक है तो फोकस से फोकस से तो पैरल सी से तो कलर दूसरा लेते हैं सी से तो सी से तो तो जितने नहीं सी से तो बैक ट्रैक करती है ना रिट्रेस करेगी खुद को ठीक है ना जैसे आई है वैसी उल्टी हो जाएगी ठीक है जैसी आई है वैसे उल्टी हो जाएगी यह रूल नंबर तीन है रूल नंबर चार रूल नंबर चार रूल नंबर चार रूल नंबर चार।, चार।, चार ये के पोल पे गिरी अगर पोल पे गिरी अगर तो एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर रूल नंबर चार एंगल आई इज इक्वल टू एंगल इक्वल टू एंगल है एक साथ लिख रहा हूं चारों रूल को ठीक है रिवाइज करने के लिए खाली रूल नंबर वन है कि अगर पैरल टू पी एक्स इज आई है तो फोकस से जाएगी फोकस पे गिरी है तो पैरल टू प्री पी एक्सिस यानी प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी रूल नंबर थ्री है कि सी पे गिरी है तो रिट्रेस करेगी खुद को बैक ट्रैक करेगी बैक ट्रेस करेगी कुछ भी कह लो पोल पे गिरी है तो एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर ठीक है ये हो गया रिवाइज है ना ये हो गया रिविजन फिर बोल रही है बोल रही बोल रहा है के अलावा कहीं और डालेंगे तो कैसे ड्रॉ करेंगे अरे भैया कहा तो बताया था मैंने थोड़ी देर पहले आपको यार के हिसाब से रूल बनाए जाते हैं जो इनकनवीनियंट हो जो दर्द दे जो दुख दे वो काम क्यों करना है भाई कर ले डाल ले कहीं और जा मन करे डाल ले हाँ जी, अब कर रहे हैं रे डायग्राम्स ठीक है और रे डायग्राम्स आते हैं धड़ल्ले से ठीक है दबा के आते रे रे डायग्राम डायग्राम और आपको रे अगर याद नहीं है अगर रे डायग्राम आपको याद नहीं होते ठीक है तो गड़बड़ हो जाएगी तो आप न्यूमेरिकल नहीं कर पाओगे न्यूमेरिकल करने में असमर्थ हो जाओगे अगर आपको रे डायग्राम की प्रैक्टिस नहीं है तो हर एक रे डायग्राम आपको अच्छे से प्रैक्टिस होना चाहिए नेचर के साथ ठीक है नेचर के साथ आपको सारे रे डायग्राम प्रैक्टिस करने हैं बात को गांठ मार लेना बांध के और फिर पढ़ना इस चीज को ठीक है बढ़िया तो जी सबसे पहले हम छे केस करेंगे कनकेव के ठीक है उसके बाद हम दो केस करेंगे कन्वेक्स के ठीक है छो केस, के, केस कन्वेक्स के टोटल आठ केस हैं मिरर वाले वो डिस्कस करेंगे ठीक है शुरू करते हैं फिर हम साथ साथ हम नेचर लिखते जाएंगे ठीक है चलो ये मैंने ऑब्जेक्ट ले लिया भाई थोड़ा मोटा सा ले ले चलो अच्छा ऑब्जेक्ट तो इन्फिनिटी पे है तो कहीं दूर लेते हैं ऑब्जेक्ट को ऐसे कहीं ठीक है लाल रंग का ऑब्जेक्ट ले रहा हूं कहीं दूर लाल दिख रहा है क्या आपको लाल दिखने में कोई दिक्कत है क्या जल्दी से बता दो रेड दिख रहा है यस और नो रेड कलर दिख रहा है यस और नो ये तो हटा दूंगा मैं इसको रेड देखने में कोई दिक्कत है यस और नो अरे विनोद रेड देखने में रेड दिख रहा है नहीं दिख रहा है बता पहले विनोद कहीं का रेड दिख रहा है नहीं दिख रहा है, है बताओ माय फेवरेट बाद में कर लियो भाई प्यार मुझे रेड दिख रहा है हटा दूं यस भी बोल रहे हैं नो ही बोल रहे हैं चलो हटा ही देते दूसरा रंग ले लेते हैं <laughs> ये, कैसा यस नो चलता है तुम्हारा भाई ग्रीन लेते हैं ग्रीन ठीक है ग्रीन लेते हैं तो ये कहीं दूर ऑब्जेक्ट दिखा दो या ना दिखाओ कोई फर्क नहीं पड़ता इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट है अगर इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट है तो कहीं दिखाओ ना दिखाओ कोई फर्क नहीं पड़ता ठीक है ना ही दिखाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं मैं दिखा रहा हूं आपको खाली कि भाई इस तरीके से ऑब्जेक्ट आपका कहीं मान लो दूर कोई बिल्डिंग कोई बुर्ज खलीफा कोई टीवी टावर कोई लंबी बड़ी बिल्डिंग है ना कोई नोएडा सेक्टर 62 की बड़ी है ना कोई आम्रपाली <laughs> बिल्डर्स की बिल्डिंग है बड़ी बड़ी दिख रही हो तो वो है ठीक है ना अब अब लाइट आ रही है जी अब लाइट आ रही है जी ठीक है अब यह लाइट आती है पैरल लाइट आती है पैरल लाइट आती है पैरल लाइट आती है पैरल ठीक है तो ये सारी पैरल लाइट आगे क्या करेगी फोकस पे मिलेगी आप जानते हो इस बात को है ना यहां रूल नंबर वन अप्लाई हो रहा है अगर मेरी बात आपको समझ में आ रही है तो अरे हाँ ना तो बोलो अरे हाँ ना तो बोलो रूल नंबर वन अप्लाई हो रहा है हा या ना तो बोलो तो आपको वो जो हरा हरा ऑब्जेक्ट है ना वो यहां दिखेगा कहां दिखेगा फोकस पे दिखेगा कहां दिखेगा फोकस पे ये पोल है ये पोल है ये फोकस है और ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर ठीक बात है कि नहीं तो आपको सारी की सारी लाइट आके कहां दिखेगी फोकस पे दिखेगी बोलो सही बात है कि नहीं बोलो सही बात है कि नहीं ये इतने सारे दिल क्यों बना रहा है ओ नांदल। नांदल। क्यों दिल दिल बना रहा है दिल दिया है इतने दिया जहां भी देंगे वतन वतन तेरे लिए वतन की बात करो ठीक है है ना फोकस पे चलो नेचर नेचर लिखते हैं गुस्सा मत हुआ करो यार तुम तुम्हें तो पता है गुस्से में मैं इधर उधर निकल जाता हूं फिर दिल विल मत बना करो इतने बहुत दिल बनाते हो तुम एक दो तीन चार ठीक है चार नेचर लिखने आपको हर रे डायग्राम से जुड़े हुए ठीक है चार नेचर लिखने आपको हर रे डायग्राम से जुड़े हुए मानो दिल बनाए जा रहे हैं पढ़ ले नेचर ऑफ इमेज ठीक है अच्छा एक बार बताओ सबसे पहले पोजीशन लिखनी चाहिए नेचर में ठीक है ना सबसे पहले क्या लिखनी चाहिए पोजीशन लिखनी चाहिए तो पोजीशन क्या है इमेज की तो पोजीशन है एट एफ ठीक है और अब ये लिखते जाओ ना तो साथ साथ आपको याद भी होते जाना चाहिए इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट था तो इमेज का बन रही थी फोकस बन रही थी साथ साथ याद भी करता जा तो ही फायदा है बेटा साथ साथ याद भी करते जाओ इतना तगड़ा कर लो अपना नहीं हो क्या होता है तो भारी भरकम वर्ड ना यूज करा करो सर <laughs> कॉम्प्रीहेंशन इतना तगड़ा होना चाहिए कि आपको समझ में आता जाए फटाफट के क्या चल रहा है ठीक है ना इतनी जल्दी कॉम्प्रिहेंड कर पाओ आप उस चीज को ठीक है नो इश्यूज कोई बात नहीं टाइम के साथ और फोकस के साथ ये काम हो जाएगा तो कहां बन रही है एट फोकस बन रही है फोकस पे फोकस करो ठीक है ओके okay. <coughs> जिस काम के लिए मना करो वही करना है नेचर ऑफ इमेज ठीक है कहा बन रहा है फोकस पे बन रही है इमेज ठीक है ना तो एट फोकस पे इमेज आपको मिल रही है है ना छोटा सा छोटी सी इमेज मिलेगी आपको बड़ा सा बुर्ज खलीफा आपको छोटा सा दिखेगा ठीक है बड़ा सा बुर्ज खलीफा आपको क्या दिखेगा छोटा सा दिखेगा है ना इतना सा दिखेगा आपको क्लियर बात तो इसीलिए बन तो फोकस पे रही है साइज कैसा है साइज है वेरी वेरी स्मॉल ठीक है तो बोलेंगे हाईली डिमिनिश्ड ठीक है क्या बोलेंगे हाईली ये क्या लिखे जा रहे हैं यार अरे कोई है इनको मॉनिटर करने वाला क्या अरे शादीशुदा लोगों के बारे में ऐसी बात नहीं लिखते भाई एड फोकस ठीक है फोकस पर कलश को फोन करियो ठीक है फोकस पर क्या कर रहे हैं कन्वर्स कर रहे हैं बेटा नंबर एक गई बात नंबर दो नंबर दो है ना साइज में कैसा बहुत छोटा है साइज में बहुत छोटा है तो लिखोगे हाईली डिमिनिश्ड ठीक है नेचर लिखा जाएगा पहले आपने पोजिशन लिखी फिर आपने साइज लिखा पहले आपने पोजिशन लिखी फिर आपने साइज लिखा ठीक है एट फोकस उसके बाद हाईली डिमिनिश्ड ठीक है उसके बाद हाईली डिमिनिश्ड ठीक है साइज में कैसी है बहुत छोटी तो हाईली डिमिनिड लिखा जाएगा दो बातें समझ में आ गई तीसरी बात देखो बच्चों ये जो रे आके मीट कर रही है ये एक्चुअल में मीट कर रही है राइट पीछे के लिए एक्स्ट्रा पोलेट नहीं करी गई ना ये तो जब पीछे की तरफ एक्स्ट्रा पोलेट नहीं करेगी तो फिर समस्या क्या है कोई समस्या ही नहीं है यानी ये सारी के सारी आकर के फोकस पर मीट कर रही है यानी ये बोली जाएंगी रियल इमेज ठीक है ना ये बोली जाएगी रियल इमेज ठीक है और रियल के साथ आपको फ्री मिल रहा है जैसे वर्चुअल के साथ इरेक्ट फ्री मिलता है वैसे रियल के साथ फ्री मिलता है लिख सकते हो आप ठीक है आपके सिलेबस में यहां यहां तक की आपको छूट है इतनी आपको छूट दे रखी है ठीक है तो ये भी पहला था दूसरा बना लेता हूं फिर इकट्ठे आप नोट कर लेना ठीक है एक मिनट का टाइम आपको दे दूंगा आप नोट कर लेना ठीक है दूसरे पे चलते हैं दूसरे पर चलते हैं अब देखो यहां क्या हो रहा है यहां पर ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है सी से पहले सी तो दिखा <laughs> पहले सी तो बना दू ये पोल है ये फोकस है ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है ठीक है ना पोल फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर और आपका जो ऑब्जेक्ट है वो सी से पीछे है बोले तो यहां है।, है ना सी से पीछे है बोले तो यहां है ठीक है यहां से सर से रे निकालनी है ध्यान रखना बेटा मैंने हमेशा आपको बोला है हमेशा बोला बोला सर से रे निकालो और दो रे निकालो ठीक है सर से रे निकालो और दो रे निकालो दो से आधा की रे की अपने को कभी जरूरत नहीं पड़ेगी दो रे जहां इंटरसेक्ट कर रही हो वहीं आपको आपका इसका सर दिख जाएगा इसका सर दिख जाएगा आपको ठीक है ना तो रे पहले सीधी निकली रे पहले सीधी निकली टक्कर खा के रिफ्लेक्ट होकर के फोकस से गई राइट रिफ्लेक्ट होकर के फोकस से गई है ना यह हो गया रूल नंबर वन आप जानते हो ना रूल नंबर वन है अगर सीधी जाएगी तो टक्कर खा के कहां से जाएगी फोकस से अगर पैरल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगी टक्कर खा के कहा जाएगी फोकस से ये हो गया रूल नंबर वन रूल नंबर टू फोकस पे डालो फोकस पे डालो ये रूल नंबर टू है तो फोकस पे डाला तो क्या होगा कन्वर्स रूल क्या था कन्वर्स रूल क्या था है ना ये सेम संयम सैफ बिल्कुल ठीक लिख रहा है बच्चा बहुत अच्छे ठीक है अगर सीधी जा रही है तो फोकस से फोकस जा रही है तो क्या होगा सीधी हो जाएगी ऐसे सीधी हो जाएगी ऐसे ठीक है ना और ये सीधी अगर हो गई है सीधी अगर हो गई है तो वहीं पर आपको सर दिखेगा आप मुझे एक बार बताओ सर से दोरे दौरे निकलिए ना यार अगर सर से दौरे निकलिए तो नीचे भी क्या मिलेगा आपको सर ही मिलेगा है ना जहां मीट करेगा वहां क्या मिलेगा सर ही तो मिलेगा तो तो यहां पर आपको सर मिल रहा है नीचे आई से। तो ये बनेगा आपका इमेज ठीक है यह बनेगी आपकी इमेज बात क्लियर बात क्लियर आओ नेचर लिखे इसका फटाफट से आओ जल्दी से नेचर लिखे फिर आप इसको नोट करना ठीक है ना तो नेचर यह है इसका नेचर नंबर वन नेचर नंबर वन बन कहां रही है पोजीशन बताओ पोजीशन है सी और एफ के बीच में है ना बिटवीन सी एंड एफ इसको बोलेंगे ये F, between, ये इमेज की पोजीशन है 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 ठीक ठीक बिटवीन 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 सी सी एंड एंड एफ एफ बी डब्ल्यू मतलब आप पूरा लिखना भाई मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं पूरा लिखना बिटवीन सी एंड एफ नंबर दो नंबर दो अच्छा बताओ साइज में कैसी है साइज में कैसी अरे ऑब्जेक्ट का साइज तो बड़ा है और इमेज का साइज कैसा है छोटा है तो क्या बोलेंगे डिमिनिश्ड है क्या बोलेंगे

जो रेस इफेक्टोरी थी वही एक्चुअली में मीट कर रही है तो एक्चुअल मीटिंग हो रहा है है ना तो एक्चुअल मीटिंग अगर होगा तो रियल इमेज होगी बेटा है कि नहीं यानी एक ऐसी इमेज होगी ये रियल इमेज होगी और रियल के साथ आपको इनवर्टेड फ्री मिल रहा है और दिख भी रहा है देखो इनवर्टेड है आपका ऑब्जेक्ट ऐसा है लेकिन आपकी इमेज ऐसी है आपका ऑब्जेक्ट ऐसा है लेकिन आपकी इमेज ऐसी है राइट तो यानी रियल के साथ क्या मिल रहा है बेटा तो तो नंबर तो चार इनवर्टेड भी मिल रहा है इनवर्टेड भी मिल रहा है नोट करो जल्दी बढ़ रहे हैं आगे बढ़ रहे हैं आगे बोलो हां बड़े आगे बोलो हां बोलो हां डन हो गया हो गया सर हो गया बढ़िया 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 आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। साथ साथ करते ना भैया ठीक है किसी के भरोसे मत रहना, तुम मेरे भरोसे मैं तुम्हारे भरोसे बस बाकी दुनिया गई बाढ़ में ठीक है ऑब्जेक्ट एट सी ऑब्जेक्ट डेट सी ये है पोल ये है फोकस ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर ठीक है और, और आपका जो ऑब्जेक्ट है बेटा वो इस बार सी पर है ठीक है सी पर ऑब्जेक्ट है तो अगर सी पर ऑब्जेक्ट है, मेरे बच्चों, मेरे बच्चों, तो है, है अब किसी बच्चे का यहां मन करता नहीं, नहीं मैं तो यहां बीच में से निकालूंगा तो तेरे को रूल ही नहीं पता निकाल ले तेरे को रूल ही नहीं पता बेटा इसका क्या होगा रूल उसका जो कन्वीनियंट पॉइंट भैया उसी रूल बनाए गए हैं नहीं तो ढूंढते रहो क्या रूल लगेगा यहाँ पे लगा लगा के देखते रहो ठीक है तो इसलिए पहला रूल ये इसके बाद क्या होगा फोकस से जाएगी चली गई भाई चली गई भाई ये रूल नंबर पूरा हो गया है ना इजी रूल नंबर टू कहां से निकालू मेरा मन करता है, मैं फोकस से निकाल देता हूं इसको ठीक है ना आप चाहो तो पोल से निकाल सकते हो बच्चे बहुत करते हैं पोल पे डालते हैं पोल पे डालते हैं एंगल आई बराबर एंगल आर करते हैं बहुत कुछ करते हैं बच्चे है ना करते रहते हैं कोई दिक्कत नहीं है मेरा मन करता मैं फोकस से निकालू इसको ठीक है ना तो फोकस से निकाल दिया मैंने कसा निकाल दिया अब यहां जाके गिरी यहां जाके गिरी और उसके बाद उसके बाद ठीक है हाँ तो ये आप जब इसको पेंसिल स्केल से बनाओगे तो ये एग्जैक्ट सी पर आकर के बनती है ठीक है ना एग्जैक्ट सी पर आकर के बनती है मैं काम करता हूं इसको इसको अपन बना लेते हैं हाथ से ना? हाथ है ना हमारे हाथ क्या टूट गए हैं मजदूर का हाथ है <laughs> ये ले ठीक है ना बन गई है ना कभी कभी वो काम जोमेट्री नहीं कर पाती मतलब जोमेट्री बॉक्स नहीं कर पाता जो हमारे हाथ कर देते हैं ठीक है तो तो ठीक है थोड़ा टेढ़ा बना नो नो इश्यूज नो इश्यूज है ना लेकिन आप यहां पे एरो जरूर दिखाओ बेटा सब जगह पर एरो जरूर दिखाओ ठीक है और फिर आपको आपको आपकी आपकी इमेज मिल जाएगी इधर सी पे ठीक है एग्जैक्ट सी पर इमेज बनती है ये बात का ध्यान रखना ठीक है एग्जैक्ट सी पर इमेज बनती है ध्यान रखना ठीक <laughs> है बढ़िया मजा आ गया ना <laughs> कितना देखो अगर 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 जोमेट्री बॉक्स से ना हो रहा वो काम तो उसको हाथ से कर लो ठीक है ना सर का जुगाड़ तो बच्चे तो करेंगे ही है ना चेलो करोगे तुम तो है ना आओ 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 बच्चो आओ नेचर लिखें आओ नेचर लिखें नंबर एक नंबर एक बनी कहां बनी कहां अरे बोल अरे बोल सी पे कहाँ बनी सी पे है ना सी पर रखी ऑब्जेक्ट और सी पर ही बनी इमेज देख रहा है आपको जोमेट्री है भाई मैं क्या करूं बच्चा पूछता क्यों बनी सर सी पे अब दिखना तेरे को बनी है ऑब्जर्वेबल है ये है ना नेचर इज ऑब्जर्वेबल नेचर को ऑब्जर्व करके हम लोगों ने देखा ठीक है और गौरव मिश्रा जी बिल्कुल सही लिख रहे हैं नेचर पूरा है ना एट सी बन रही है सबसे पहले अपन ने पोजिशन बताई है फिर उसके बाद हम साइज बताएंगे तो बेटा इसका साइज जो बनता है वो सेम साइज़ 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 बनता है, है? जितने जितने का का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, उतने उतने ही की image, object, उतने ही की की इमेज, ठीक क्योंकि रियल रेज आकर मीट कर रही है जो इमेज बन रही है वो रियल इमेज बन रही है है ना मैं हर बार बताता हूं आपको एक ही बात रिपीट कर करके कर करके -कर 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 ताकि दिमाग में बैठ जाए आप किसी को समझा पाओ आप किसी को समझा पाओ इसलिए मैं बोल पाता हूं ताकि आपके दिमाग में बात बैठ जाए सर एक बार मेरा नाम ले लो क्यों ले लें भाई क्यों ले लें अमित शाह आप क्या किया आपने क्या किया जिंदगी में यहां कमेंट करने के अलावा कौन सा महान काम किया तूने कितना नाम ले लू मैं नाम ले लो और मेरे नाम लेने का टिकट मिल जाएगी ए? चुनाव लड़ेगा नाम ले लो एट सी सेम साइज रियल और इनवर्टेड सर नीचे है सर नीचे है इनवर्टेड ठीक है सर तो सर का तो सर यही है सर में दर्द है <laughs> ठीक है लेकिन ऑब्जेक्ट का जो सर है वो नीचे आ चुका है ना ऑब्जेक्ट ऐसे था और पलट के नीचे आ चुका है तो रियल और इनवर्टेड लिखना पड़ेगा ठीक है नेक्स्ट पे चलते हैं बहुत ज्यादा मजाक करते हो तुम लोग यार पढ़ान देते बिल्कुल भी अब पढ़ान दो मेरे को तो ये है ये है पोल ये है फोकस यह है सेंटर ऑफ कर्वेचर ठीक है ऑब्जेक्ट कहां रखा गया चौथे नंबर पर सी और एफ के बीच में मतलब यहां ऑब्जेक्ट को टिकाया जाएगा यहां ऑब्जेक्ट को टिकाया जाएगा बीच में ये टिका दिया गया ऑब्जेक्ट है ना यह ऑब्जेक्ट रख दिया गया सर सरसेरे निकालेंगे भैया पहली सीधी साथ साथ बनाते जाना पहली सीधी निकल गई टक्कर खा के जाएगी एफ से रूल नंबर वन हो गया पूरा रूल नंबर वन हो गया पूरा ठीक है दूसरी रे निकालता हूं फोकस से ठीक है दूसरी रे निकालता हूं फोकस से ये निकली ये निकली दूसरी रे क्या रूल है भाई दूसरी के लिए दूसरी के लिए क्या रूल है तो दूसरी के लिए ये रूल है कि जो फोकस से निकलती है है ना वो क्या हो जाती है वो पैरल हो जाती है ये थोड़ी सी ऐसे हुई है सेट नहीं हो रही यार कोई नहीं चलो समझ गए ना यार फोकस से निकलेगी फोकस से निकलेगी तो टक्कर खा के क्या होनी चाहिए ये टक्कर के होनी चाहिए पैरल ठीक है ना तो टक्कर खा के ये ऐसे पैरल हो जाती है ऐसे पैरल हो जाती है समझ में आ गई बात ठीक है ना टक्कर खा के टक्कर खा के ठीक है ये हो जाती है पैरल ओके टक्कर खा के हो जाती है पैरल तो जहां पर भी ये मीट कर जाएगी बेटा वही बन जाएगी आपकी इमेज है ना जहां ये मीट कर जाएगी वही बन जाएगी आपकी इमेज आओ जी इमेज बना लें आओ जी बना ले सर सर मिला ना तो नीचे सर ही मिलेगा आपको यहां कहीं ठीक है तो ये सी से पीछे बन रही है आप चेक कर सकते हो है ना सी से पीछे बन रही है ये ठीक है सी से पीछे बन रही है नेचर लिख लिया नेचर लिख लिया लिया जाए जाए नेचर नेचर बच्चे लिखना भी स्टार्ट हो गए शायद बहुत तेज बना रहे हैं हमसे भाई पढ़ाना नहीं पड़ रहा ना बेटा बोलना नहीं पड़ रहा ना इसीलिए नंबर एक नंबर एक सी से पीछे बन रही है है ना तो क्या बोलेंगे कहां बनी है बियॉन्ड सी बनी है ठीक है क्या बोलेंगे कहां बनी है बियॉन्ड सी बनिए है ना तो नंबर एक है नंबर एक है बियॉन्ड सी नंबर दो है कि साइज में बड़ी है साइज में एनलार्ज है ये कैसी है है बड़ी बन रही है. भी बोल सकते हो भी बोल सकते हो जो मन करे बोल सकते हो आप लेकिन सेम साइज तो ना है भाई वो तो दिख रहा है अपने को है ना सेम साइज तो ये नहीं है है ना बड़ी बन रही है तो एनलार्ज एन ठीक है नंबर तीन नंबर तीन रियल रेज आकर के मीट कर रही है तो रियल इमेज और इन्वर्टेड आपको दिख रहा है तो इन्वर्टेड भी है ठीक है रियल इन्वर्टेड साथ साथ है ठीक है बच्चे बहुत सारे सही लिख रहे हैं यहां पर ठीक है रियल और इनवर्टेड साथ साथ है रियल और इनवर्टेड साथ साथ है ठीक है तो ये हो गए चार केस चार और बच्चे हैं अभी कर रहे हैं ब्रेक नहीं दे रहा अभी अभी दूंगा इसके बाद ब्रेक दूंगा ठीक है ना हां जी ये नोट हो गया क्या पहले बताओ ये नोट हो गया क्या अब मैं प्रेसिडेंट बन के आपसे मिलने आऊंगा कहाँ का <laughs> घर का <laughs> मुखिया <laughs> घर का मुखिया बन बनके और <laughs> बच्चे उसको रोक रहे कह रहे यार स्टॉप स्पैमिंग स्टॉप स्वैमिंग अरे क्या जरूरत है करने वो एंजॉय कर रहा है वो हम भी एंजॉय कर रहे हैं वो भी एंजॉय कर रहा है कोई नहीं ठीक है नोट हो गया बढ़ रहे हैं आगे भाई नोट हो गया बढ़ रहे हैं आगे अच्छा भैया प्रेजिडेंट बन किसी अच्छी सी कंट्री का वन है ना मतलब जो कंट्री डूब रही है मतलब उसका इंडिया का तो ओके है प्रेजिडेंट कोई दिक्कत रामनाथ कोविंद है ना बढ़िया एकदम कोई दिक्कत नहीं है ना तो कुछ ऐसी कंट्री का वेनेजुएला का बन जो डूब रही है है ना या जिम्बाब्वे ऐसी कंट्री का बन जा करके प्रेसिडेंट ठीक है भाई चलो बढ़िया एफ पर रखेंगे ऑब्जेक्ट को तो यह पोल है अरे अफगानिस्तान का बन जा हो, 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 प्रेसिडेंट बढ़िया रहेगा अफगानिस्तान का बन जा ठीक है बोर्ड पर छिपकिली कहा भाई मिल लेते हैं हम भी अच्छा बेटा मजे ले रहा है बोर्ड पे पर चिपकली है वो बोलते नहीं आपका टायर घूम रहा है भैया आपका टायर घूम रहा है साइकिल पे कोई जा रहा है बोलते बेटा आपका टायर घूम रहा है सही है बेटा सही मजे ले रहा है पोल फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर बेटा इस चीज से ना मैडमों को डराइयो <laughs> मैं नहीं डरता छिपकली से काट के खा जाऊंगा ठीक <laughs> है पोल फोकस और कर्वेचर ऑब्जेक्ट रखेंगे फोकस पे ऑब्जेक्ट रखेंगे फोकस पे ये रख दिया ये रख दिया इस बार ऑब्जेक्ट फोकस पे बनाते जाओ भाई साथ साथ मेरे हाँ भाई किधर ध्यान है फोकस पे रखो ऑब्जेक्ट को तो फोकस पे आपने ऑब्जेक्ट को रखा पहली रे गई सीधी पहली रे गई सीधी और सीधी के लिए अपने को रूल पता है है कि फोकस से ही जाएगी वो है ना सीधी के लिए अपने को रूल पता है कि वो कहां से जाएगी फोकस से ही जाएगी फोकस से पास हो गई ठीक है फोकस से जाएगी फोकस से ही पास हो गई ठीक है दूसरी वाली को पोल पर डालते हैं हम पोल पे डालते हैं है ना पोल के लिए क्या रूल होता है भाई पोल के लिए रूल होता है कि जितने एंगल पर पड़ी है उतने ही एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाएगी यानी जितने एंगल पर पड़ी है उतने से इसको रिफ्लेक्ट कर दूंगा मैं इससे रिफ्लेक्ट हो जाएगी है ना है ना तो तो क्या जी तो क्या जी क्या ये कभी पीछे मिलने वाली है ना जी क्या ये कभी आगे मिलने वाली है ना जी तो बोलेंगे इन्फिनिटी में मिल रही है क्या बोलेंगे कहां मिल रही है इनफिनिटी पे मिल रही है ऐसा बोलते हैं ठीक है ना मतलब इन्फिनिटी पर जाकर के देखो तो आपको मिल जाएगी आपकी इमेज ठीक है इनफिनिटी पे जाके ढूंढ लो मतलब बहुत दूर जाके यानी इमेज नहीं ही मिलेगी सीधा सा आंसर इसका ये है, है ना कि इमेज नहीं ही मिलेगी ठीक है ये बात पक्की है ओके इमेज नहीं ही मिलेगी डिफरेंस बिटवीन इरेक्ट एंड इन्वर्टेड बेटा इरेक्ट का मतलब अनुज नामदेव बस बस इतना मत रो बहुत रो रहा है भाई इतना इरेक्ट मत का मतलब सीधा खड़ा ऐसे ऐसे जैसे मैं भी खड़ा हूं तो मैं इरेक्ट हूं इस टाइम पर ठीक है ना सोच मेरा सर नीचे चला गया और पैर ऊपर आ गए तो इनवर्टेड हो जाऊंगा है ना जैसे ये 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 अभी इरेक्ट इरेक्ट है है दिख रहा ना आपको है, ऐसे कर दिया तो इनवर्ट हो गया ये होता है इनवर्टेड ठीक है ये ये इरेक्ट और ये आओ नेचर लिखे। अब अब हाथ जोड़ना बंद कर रोए जा रहा है हां नेचर लिखते हैं भाई नेचर लिखते वही चार नेचर वही चार नेचर एक एक करके समझाता हूं ध्यान से सुनना बच्चे लिखना भी स्टार्ट हो गए अच्छी बात है है ना मैं समझाता हूं फिर भी सुनते जाओ पहला है भाई पहला है कि इन्फिनिटी पर जाके आपको इमेज मिलेगी ठीक है ना तो कहां बनेगी एट इन्फिनिटी पोजिशन बता दी गई है इन्फिनिटी पर होगी ठीक है पोजिशन बता दी गई है इन्फिनिटी पर होगी नंबर एक नंबर दो नंबर दो नंबर दो ये है कि साइज बहुत बड़ा होगा इमेज का क्योंकि सर जो है ना बहुत नीचे जा रहा है उसका है ना तो अगर आपको जाकर के इमेज मिलती है इन्फिनिटी पर तो वो बहुत बड़ी होगी

अच्छा रियल रेज मीट कर रही है इन्फिनिटी पर? रियल रे उधर वाली रेज आ रही है तो रियल रे मीट करके इन्फिनिटी पर बना रही है दैट्स मीन दैट रियल इमेज है है ना और सर नीचे मिल रहा है तो रियल के साथ इनवर्टेड है, है रियल के साथ इनवर्टेड फ्री रियल के साथ फ्री ठीक है ये हो गए पांच केस ठीक है अब छठे केस पर चलते हैं छठा केस जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट केस है उसके बाद मैं एक मिनट का टाइम दूंगा आपको आप नोट करना फिर हम कॉन्वेक्स पर चलेंगे ठीक है बिटवीन एफ एंड पी की बात कर लेते हैं छठा केस है काफी इंपॉर्टेंट केस है बेटा ये ये पोल है ये फोकस है ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है और आपका ऑब्जेक्ट आपका ऑब्जेक्ट एफ और पी के बीच में है बोले तो यहां है ठीक है छोटा बनाता हूं थोड़ा सा ठीक है एफ और पी के बीच में है ठीक है ऑब्जेक्ट कहां है एफ और पी के बीच में है ठीक है अब पहली रे निकलेगी सीधी इससे

टेंशन ना लेना कोई भी रूल यूज करके आप बना सकते हो कोई भी दो रूल यूज करके वैलिड होने चाहिए बस वो रूल वो, यू, वो रूल यूज करके आप इमेज को फॉर्म कर सकते हो मेरे वाले बनाने मेरे वाले बना लो NCRT वाले जो है वो NCRT वाले बना लो ठीक है ना NCRT वाला चैनल की बात नहीं कर रहा रिलेटेबल है पोल पे डालते हैं पोल पे डालते हैं है ना पोल के लिए रूल क्या है कि जितने एंगल पर पड़ेगी उतने एंगल से फैलेगी सही बात है कि नहीं अब यहां पर बड़े एंगल पे पड़ी है तो बड़े एंगल से फैली हा कि ना बड़े एंगल पे पड़ी तो बड़े एंगल से फैली तो अगर अगर देखो ये दो लाइट तो मिलने वाली नहीं है ये दो रे तो मिलने वाली नहीं है लेकिन अगर हम इसको एक्स्ट्रा पोलेट करें तो पीछे मिलेगी है। यानी यहां पर एकमात्र ऐसा केस है छह में से जिसमें वर्चुअल इमेज बन रही है ठीक है ना और इरेक्ट बन रही है वर्चुअल इरेक्ट तो बनती है वर्चुअल बन रही है इरेक्ट बन रही है और एनलार्ज बन रही है वर्चुअल भी है इरेक्ट भी है एनलार्ज भी है ये तीनों केस देखने में नहीं आते एक साथ सिर्फ यहां आते हैं देखने में है ना ये अपने आप में बड़ा यूनिक है अपने आप में बड़ा यूनिक है ठीक है पीछे खींचते हैं इसको जरा है ना एक्स्ट्रा करना पड़ेगा ना पीछे करा ऐसी इसको भी यहां किया मैंने यहां किया मैंने ठीक है तो ये वहां ज्वाइन हो रही है वहां ज्वाइन हो रही है और जहां ये ज्वाइन हो रही है बेटा वहीं पर आपको मिलेगी आपकी इमेज सही बात है कि नहीं भाई सही बात है कि नहीं अरे बोल ये मैंने प्रिंसिपल एक्सेस एक्सटेंड कर दिया ताकि ऐसे हवा में ना लटके इमेज को है ना कहीं ना कहीं रखा दि, रखा दिखाया जा सके वो है ना रखा हुआ दिखाया जा सके आओ नेचर लिखते हैं फटाफट से उसके बाद आप इसको नोट करना ठीक है समझा तो दिया है मैंने है ना एक दो तीन और चार ठीक है नेचर नंबर वन ये बन कहां रही है बच्चे लिख रहे हैं वाह भाई बच्चा क्या बात है बच्चे लिख रहे हैं है ना कि कहां बन रही है पीछे बन रही है ये नंबर एक है ना कहा बन रही है पीछे की तरफ बन रही है तो पीछे बन रही है तो क्या बोलेंगे भाई बिहाइंड द मिरर बोलेंगे है ना बिहाइंड द मिरर इसका नेचर ही बड़ा इंपॉर्टेंट है याद रखना पड़ेगा आपको ठीक है नेचर बड़ा इंपॉर्टेंट है याद रखना पड़ेगा आपको ठीक है पीछे बन रही है बिहाइंड द मिरर नंबर एक हो गया नंबर दो नंबर दो ये साइज में कैसी है साइज में एनलार्ज है साइज में एनलार्ज है दिख रहा है आपको हाईली नहीं बोलना बेटा इन्फिनिटी वाले केस में ही हाईली बोलते हैं इन्फिनिटी वाले केस में ही highly बोलते हैं highly नहीं बोलना यहां हाईली इधर बोलना हाईली इधर नहीं बोलना ठीक है इधर नहीं बोलना हाईली तो एनलार्ज है ठीक है नंबर दो हो गया नंबर तीन नंबर तीन ये कि भाई ये जो रेत तो फैल गई ये जो रे तो नहीं मिलने वाली आपको है ना ये तो एक्सट्रा पोलेट करके पीछे बनाई गई है है ना तो ये जो पीछे बनाई गई है रे है ना जो पीछे एक्सापोलेट करी गई है दैट्स इसको क्या बोलेंगे इसको बोलेंगे वर्चुअल इमेज ठीक है ना और वर्चुअल आपको दिख रहा है कि इरेक्ट है जैसा जैसा ऑब्जेक्ट है वैसी वैसी इमेज है सीधा खड़ा ऑब्जेक्ट है सीधी खड़ी इमेज है तो बोलेंगे कैसी है इरेक्ट है ठीक है ना नोट करो जल्दी से बढ़ रहे हैं आगे भाई नोट हो गया नोट हो गया तो आगे बढ़ रहे हैं नोट हो गया तो आगे बढ़ रहे हैं चले आगे ठीक है बढ़िया आगे बढ़ रहे हैं भाई चलो देखो अब आते हैं कन्वेक्स मिरर के दो केस जो बच गए हैं है ना आठ केस में से हमने छह केस पढ़ लिए हैं दो बच गए हैं उन दो को अब डिस्कस करने वाले हैं ठीक है चलिए 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 देखो यार ये है पोल ठीक है ये है फोकस और ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये कॉन्वेक्स मिरर के केस है बेटा दो ठीक है ना ये कॉन्वेक्स मिरर के दो केस है और इनके अंदर फोकस और कर्वेचर जो होगा वो राइट साइड पर होगा ठीक है ना यहां पर भी ऐसा ही है यहां पर भी ऐसा ही है ये पोल है ये फोकस है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है ठीक है ना राइट right साइड पर आपको चीजें मिलती है यहां कोई टेंशन नहीं ठीक है अब देखो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है अगर अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो यहां का पीछे दिखाना पड़ेगा ऐसे करके ठीक है ना यार यहां कहीं पीछे दिखाना पड़ेगा आपको ऐसे और यहां कहीं फाइनाइट डिस्टेंस पर है बस यही दो केस बनते हैं इसके ठीक है ना एक बनता है इन्फिनिटी और एक बनता है फाइनाइट एक बनता है इन्फिनिटी और एक बनता है फाइनाइट तो फाइनाइट क्या होगा फाइनाइट वो होगा जो यहां पर रखा जाएगा यहां पर जब ऑब्जेक्ट रखा जाएगा तो दैट विल बी अ फाइनाइट केस जब आपको नोन डिस्टेंस हो फाइनाइट डिस्टेंस का मतलब होता है जब डिस्टेंस आपको पता हो कितना है ठीक है यहां तो इन्फिनिटी डिस्टेंस है मतलब बहुत लार्ज डिस्टेंस है समझ गए ना ऑलमोस्ट इंफिनिटी ही लेंगे उस डिस्टेंस को लेकिन यहां पर जो डिस्टेंस है वो अपने को नोन नोन हो हो पता दैट फाइनाइट फाइनाइट डिस्टेंस 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 ठीक ठीक है known distance is finite distance, ठीक है इज समझ गए बात को अब अब देखो जी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो रेस जाएंगी पैरल ऑब्जेक्ट पर है तो रेज जाएंगी पैरल रेज जाएंगी पैरल रेज जाएंगी पैरल ये सारी पैरल रेस गई है ठीक है ना ये सारी पैर रेस गई हैं और जो पैर रेस गई हैं उनका रूल आप जानते हो पहले से देखो रूल मैंने पढ़ाया हुआ इसका आपको ये देखो ये रूल याद आ रहा होगा बेटा जी ये रूल चेक करो जरा क्या रूल था अगर पैरल रे गई है है ना तो फोकस को यूज करके क्या करेगी फैल जाएगी है कि नहीं रह गई है तो फोकस यूज क्या करेगी पहले जाएगी ना डाइवर्ज हो जाएगी ना तो यही आपने यहां पर यूज करना है बेटा ठीक है यही वाला आपने यहां पर पर इस जगह यूज यूज करना है कि फोकस को करके इसको आपने फैला देना है ऐसे ऐसे फैला देना है ठीक है ऐसे यहां पर फैलेगी ठीक है ऐसे यहां पर फैलेगी ठीक है और ऐसे यहां पर फैलेगी देखो बात समझ में आई या नहीं आई बात समझ में आई या नहीं आई फैल गई क्लियर है बात है ना और डॉटेड दिखानी बहुत जरूरी है तो भैया डॉटेड भी दिखाना पड़ेगा आपको यहां पे ये डॉटेड 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 ठीक है क्योंकि वो करके बनी होगी ना पीछे बेटा इसीलिए इसको आपको डॉटेड दिखाना पड़ेगा ठीक है तो ये सीन है भाई ये सीन है आओ नेचर लिख लें आओ नेचर लिख लें फटाफट पड़ से नेचर नंबर वन उसके बाद आपको नोट करने का टाइम दूंगा मैं चिंता ना करना नोट करने का टाइम मिलेगा यार बराबर मिलेगा टेंशन ना लो ठीक है अच्छा तो पहले तो यह बताओ भाई जो इतनी बड़ी इतना बड़ा जो ऑब्जेक्ट था उसकी जो इमेज बनेगी वो छोटी सी बनेगी और वो भी आपको कहां दिखेगी फोकस पर दिखेगी ठीक है ना तो यहां फोकस पर मैं ग्रीन ग्रीन कर रहा हूं खाली दिखाने के लिए आपको कि भाई यहां पर क्या बनने वाली है इमेज बनने वाली है ठीक है ना यहां पर क्या बनने वाली है इमेज बनने वाली है उसका नेचर कैसा रहेगा उसका नेचर कैसा रहेगा तो देखो भाई नंबर वन एक तो बनी कहां तो बनी फोकस पर एट एफ ठीक है ना बनी कहां फोकस पर नंबर दो नंबर दो एक तो ये फोकस पर बनी दूसरा ये साइज में बहुत छोटी बनी है है ना बच्चे ने लिखना भी स्टार्ट कर दिया यहां पर कि अगर ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा है और फोकस पर इमेज बनती है तो बहुत छोटी बनती है है ना बहुत छोटी इमेज बनती है तो दैट मींस हाईली हाईली डिमिनिश्ड ठीक है क्या बोलेंगे हाईली डिमिनिश्ड ठीक है ना हाईली शब्द आपने इंफिनिटी वाले केसेस के लिए ही यूज करना है बच्चों ध्यान रखना ठीक है जब जब केसेस इन्फिनिटी के हैं वहीं वही आपने हाईली शब्द का प्रयोग करना है ठीक है ये हो गई दूसरी बात बात नंबर तीन बात नंबर तीन ठीक है एक तो ये वर्चुअल बनी है है ना क्योंकि रियल रेस तो चली गई देखो रियल रेस तो चली गई है ना एक्स्ट्रा पुलेट करके जो रेस बनी है एक्सटेंड करके जो रेस बनी है उन्हीं की वजह से फोकस पर उन्हीं की वजह से फोकस पर आपको ये दिखा है ये जो इमेज है बना है कि नहीं तो इसीलिए आप इसको क्या बोलोगे कैसा है ये वर्चुअल है बेटा है ना बेटा ये क्या है ये वर्चुअल है और नंबर चार अगर वर्चुअल आ गया तो इरेक्ट फ्री है उसके साथ है ना लिख रहे हैं बच्चे यहां पर सही है वर्चुअल के साथ क्या मिलेगा आपको इरेक्ट फ्री मिलेगा ठीक है तो ये हो गए चार केस बढ़िया इसको देखते हैं इसको देखते हैं भाई अब यहां पर फाइनाइट डिस्टेंस पर रखा हुआ है सर से दोरे निकालनी है भाई है ना यही रूल है दो रूल फॉलो करने हैं आपने पहला सर से निकाल के सीधी निकालनी है ठीक है और दूसरा पोल पर डाल लेते हैं ठीक है ये दो रूल लगा लेते हैं तो पहला रूल पहला रूल सीधा पहला रूल सीधा फोकस को यूज करके रे फैल गई हा कि ना यही रूल है ना भाई पहला सीधा तो फोकस को यूज करके रे फैल गई इसको डॉटेड बना लो इसको डॉटेड दिखा दो दिखा दिया ठीक है उसके बाद दूसरी रे जो दिखानी है बेटा दूसरी जो दिखानी है वो डालनी है पोल पर आपने ये डली पोल पर और जितने एंगल पर पड़ी है है ना उतने ही एंगल से क्या करती है वापसी आ जाती है ऐसे ही होता है कि नहीं होता है ना यही रूल हमने आपको अलग से बताया था कि जितने एंगल पर डालोगे उतने एंगल से वापसी हो जाएगी है ना तो आपने क्या करना करना पड़ेगा पड़ेगा इसको पीछे एक्सटेंड ठीक है इसको पीछे ऐसे एक्सटेंड करना पड़ेगा आपको ऐसे ऐसे पीछे एक्सटेंड होगी और जहां पे एक्सटेंड होकर के मीट करेगी जो इसका मीटिंग पॉइंट होगा वहीं पर क्या बनेगा वहीं पर बनेगी इमेज ये बन गई इमेज सही है बेटा तो इस तरीके से आपने इसकी इमेज को बनाना है आप देख सकते हो कि आपका ऑब्जेक्ट बड़ा है लेकिन इमेज छोटी है दिख रहा है कि नहीं दिख रहा ऑब्जेक्ट बड़ा है लेकिन इमेज छोटी है तो नेचर में जब लिखेंगे तो डिमिनिश मेंशन करेंगे वहां पे हम लोग ठीक है ना हम डिमिनिश मेंशन करेंगे वहां पर देखो आओ जी आओ जी नेचर लिखें नंबर एक नंबर एक हां हां न्यूमेरिकल की ही बारी है भाई अब न्यूमेरिकल ही करेंगे इसके बाद ठीक है ना लो टेंशन न्यूमेरिकल ही करेंगे ठीक है नेचर ऑफ इमेज नंबर एक कहां बनी है बिटवीन बिटवीन पी पी एंड एंड एफ एफ बनी बनी है है पोलर फोकस के बीच में बनी है इमेज नंबर वन नंबर टू साइज में कैसी है साइज में भाई ऑब्जेक्ट से तो छोटी है साइज में ऑब्जेक्ट से तो छोटी है तो यानी यानी ऑब्जेक्ट से अगर छोटी है तो क्या बोलेंगे डिमिनिश बोलेंगे हाईली शब्द का प्रयोग नहीं करते डिमिनिश्ड बोलेंगे ठीक है ना नंबर दो नंबर तीन नंबर तीन आप ये चेक करो कि रियल रेस तो चली गई है ना ये वाली रियल थी चली गई ये वाली, वाली भी रियल थी चली गई लेकिन पीछे एक्स्ट्रापुलेट करके यानी एक्सटेंड करके बनाई गई है तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे इसको बोलेंगे वर्चुअल इमेज ठीक है क्या बोलेंगे वर्चुअल वर्चुअल इमेज है ना और वर्चुअल के साथ आपको इरेक्ट फ्री मिलता है आपको दिख भी रहा है यहां इरेक्ट है आपको दिख भी रहा है कि इरेक्ट है इरेक्ट ही ऑब्जेक्ट है और इरेक्ट इमेज है है ना बात आ गई समझ में है ना नोट करो जल्दी से जल्दी से नोट करो ठीक है बड़े आगे बड़े आगे बढ़े ठीक है हो गया हो गया हो गया हो गया ठीक है ठीक है समझ गया समझ गया नोट हो गया बढ़िया 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 ठीक है ठीक है एक बार ये रिवीजन स्लाइड भी ले लो भाई है ना मैं ले आया ऐसी डाल दी मैंने ये है ना ताकि आप एक बार रिवाइज कर लो सब कुछ है ना कुछ बच्चे क्या करते हैं पता है इस नोट्स का फोटो कॉपी निकालते हैं है ना तो इसीलिए उनके लिए मैं ये लेकर के आया हूं कि भाई हाँ आप अगर रिविजन करना चाहो तो एक ही स्लाइड पर सारी चीजें आपको ऑप्टेन हो जाए है ना उसके लिए सारे केस वाला है वो भी और कॉन्वेक्स के भी दो केस तो आठ के आठ केस एक ही शीट पर है आप चाहो तो नोट कर सकते हो चाहो तो आप डाउनलोड करके इसका काम चला सकते हो ठीक है और ये रही वो टेबल मशहूर टेबल ठीक है बच्चे पता नहीं इसको कैसे रट लेते हैं भाई मुझे तो आज तक रट्टी नहीं गई है मैं तो समझ के कर पाया हूं ठीक है तो फिर भी मैं ले आया क्योंकि नोट्स के अंदर सारी चीजें होनी चाहिए तो आप जब नोट्स डाउनलोड करोगे तो आपको यह भी मिल जाएगा ठीक है ना सब कुछ दिखा हुआ ऑब्जेक्ट की पोजिशन क्या है इमेज की पोजिशन क्या है साइज कैसा होगा और नेचर कैसा होगा सारी बातें लिखी हुई है ठीक है ना पोजिशन साइज और नेचर ठीक है सारी चीजें एक जगह पर आपको मिल रही है ओके ये है कॉनकेव मिरर के यूजेस वन मार्क के अंदर जो कि आपका एमसीक्यू होने ही वाला है है ना तो उसके अंदर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है यूजेस पूछे जा सकते हैं ठीक है यूजेस पूछे जा सकते हैं तो ये यूज होता है टॉर्च में कौन कॉनकेव मिरर कैसे यूज होता है टॉर्च में देख लो जरा देख लो जरा भाई ये आपकी टॉर्च है लेटर्स सपोज इस तरह की कोई टॉर्च है, है ना ऐसा ऐसा मिरर सा होता है टॉर्च के अंदर तो यह कॉनकेव होता है यह कॉनकेव होता है और जो बल्ब होता है ना उसके अंदर एक उसके अंदर एक छेद सा होता है ऐसे करके है ना उसमें जो बल्ब होता है वो यहां होता है इस जगह पर इस जगह पर वो बल्ब होता है है ना जो ये जल रहा होता है इस जगह पर फिलामेंट वाला बल्ब होता है तो असल में ये जो बल्ब की टिप होती है ना ये जो बल्ब का मोस्ट ऑफ द पार्ट होता है ना वो फोकस के नजदीक होता है आप समझना इस बात को जो बल्ब की टिप होगी या बल्ब का जो मोस्ट ऑफ द पार्ट होगा वो फोकस के नजदीक होगा तो सर फोकस के नजदीक होने से क्या होता है फोकस के नजदीक होने से ये होता है कि लाइट निकलेगी और ऐसे चलेगी ऐसे 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 समझ गए तो ये एक बीम बनती है ये एक बीम बनती है है ना जैसे किसी मिरर पर जैसे किसी कॉनकेव मिरर पर लाइट आ करके फोकस पर मीट करती है है ना फोकस पर मीट करती है तो ऐसी फोकस तो इस प्रिंसिपल पर ये वर्क करता है समझ गए ना तो इस हिसाब से इट एज इट प्रोड्यूस लाइट रेज दैट कन्वर्ज इन्फिनिटी जो कि इन्फिनिटी पर जाकर ऐसा लगता है कि मिल रही है बेसिकली ऐसा बोलेंगे ठीक है तो ये एक

ऐसे ऐसे आके पड़ती है और एक पॉइंट पर सारी की सारी क्या करती है कन्वर्ज करती है इस तरीके से आ करके एक पॉइंट पर क्या करती है इट कन्वर्जिज ठीक है ना वो आकर के मिलती है ठीक है तो सारी की सारी लाइट आकर पॉइंट पर मिलती है तो एक तरह का कंसंट्रेशन हो रहा है लाइट का है ना लाइट क्या हो रही है इकट्ठी हो रही है इट ऑल द रे सो व्हेन सोलर रेज कन्वर्ज इंक्रीज द देश मतलब जहां पर वो पड़ेगी ना वहां पर हीट और लाइट की वजह से एनर्जी कंसंट्रेट हो रही है एनर्जी इकट्ठी होने की वजह से वहां का टेम्परेचर बढ़ जाता है तो टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए बेसिकली ये इस डिवाइस का यूज होता है है ना सोलर कंसेंट्रेटर बोलते हैं वैसे इसको ठीक है ऐसी एक और आ गया शेविंग मिरर का ठीक है शेविंग मिरर के अंदर अगर आप अपना फेस मोस्टली ऐसा ही किया जाता है है ना डेंटिस्ट के मिरर में भी और शेविंग मिरर के अंदर भी है ना और जो मेकअप मिरर होता है उसमें भी ठीक है क्या करते हैं क्या करते हैं कि मान लो ये आपका आपका ये मिरर है कॉनकेव मिरर ठीक है ये पोल है ये फोकस है तो क्या करेंगे क्या करेंगे ऑब्जेक्ट ला करके रखेंगे बिटवीन एफ एंड पी ऑब्जेक्ट लाके कहां रखेंगे बिटवीन फोकस एंड पोल है ना और फोकस और पोल के बीच में अगर ऑब्जेक्ट होगा तो आप रूल जानते हो भाई क्या होता है ना पहली रे सीधी निकलती है पहली रे सीधी निकलती है तो फोकस से जाती है और दूसरी रे पोल पे डलती है और ऐसे फैलती है तो पीछे जाके इकट्ठी नहीं होगी तो क्या होगा भाई इतना बड़ा मुंह दिखता है आपको आपका आप चेक करना कभी कनकेव मिरर के अंदर मेकअप मिरर के अंदर ब्यूटी पार्लर जाओ कभी अपना ठीक <laughs> है सुंदरता पाने के लिए ठीक है तो वहां देखना वहां पर ऐसे मेकअप मिरर रखे होते हैं है ना सलून में जाओ तो शेविंग मिरर होते हैं वहां पे अलग से ऐसे करके ना इतना बड़ा सा कोने में रखा होता है कभी अच्छे अच्छे होटलों में जाओ तो वहां पर पड़ा होता है है ना अच्छे अच्छे होटल्स के अंदर मान लो आप स्टे करने के लिए जा रहे हो तो वहां पर भी ये आपके रूम के अंदर रखा रहेगा कॉनकेव अंदर अपना आप चेहरा देखना आपका चेहरा बहुत ब्रॉड दिखेगा बहुत बड़ा दिखेगा है ना यूजुअल साइज से काफी बड़ा दिखता आपका चेहरा. तो why, आपकी इतनी बड़ी दिखती है तो ये एक और, है ये एक और है किसकी मिरर की ठीक है शेविंग मिरर या मेकअप मिरर दोनों के अंदर बुटीक वगैरह के अंदर जाओगे आपको मिल जाएगा ऐसा मिरर ठीक है और देखते हैं है ना अब ये डेंटिस्ट वाला आ गया डेंटिस्ट का भी सेम है वो क्या करता है आपके दांत को ना

कॉन्वेक्स मिरर जो होगा ना देखा होगा आपने जरूर उसके ऊपर लिखा होता है ऑब्जेक्ट्स आर क्लोजर देन दे एक्चुअली अपीयर ऐसा लिखा रहता है उस मिरर के ऊपर अगर आप आग ध्यान से देखो तो है ना तो कभी कभी नहीं भी लिखा रहता जो ज्यादातर हमने देखा है, लिखा होता है ना तो इस तरह का मिरर होता है इस तरह का मिरर होता है है ना तो आप मान लो मान लो कि सड़क का ये कोई गाड़ी है ये कोई ट्री है ये कोई बिल्डिंग है तो ये क्या करता है पता है ये सभी को ना छोटा सा करके बना देता है सभी को उस छोटी सी जगह पे दिखा देगा तो आपको इतनी सी जगह में पूरी सड़क दी जाएगी बात को समझना इतना सा मिरर होगा वो उसमें पूरी सड़क दिख रही होगी पीछे ट्रक आ रहा रहा दिख होगा ट्रेन आ रही है दिख रही होगी आंटी आ रही है दिख रही होगी है ना और रिक्शा आ रहा दिख रहा होगा आपको सब कुछ उसके अंदर पूरी सड़क दिख रही होगी बिल्डिंगे तक दिख रही होंगी पेड़ तक दिख रहे होंगे उसी छोटे से मिरर के अंदर है ना वो कैसे हो पा रहा है वो ऐसे हो पा रहा है कि ये बड़ी से बड़ी इमेज को भी एक जगह पर ऐसे कन्वर्ज करके पीछे की तरफ छोटा सा बना के दिखा देता है ना देखो हमने बनाया भी है हमने बनाया भी था अभी कि भाई ऐसे आया यहां मान लो फोकस है इसका यूज करके ऐसे फैल गई दूसरा पोल पर पड़ी और ऐसे चली गई तो कहां मीट कर रही है भाई यहां मीट कर रही है यहां मीट कर रही है तो देखो ये देखो ये गाड़ी थी छोटी सी गाड़ी दिख रही है ऐसे ये पेड़ है तो छोटा सा पेड़ दिखेगा ये बिल्डिंग है तो छोटी सी बिल्डिंग दिखेगी सारी चीजें आपको पास पास दिखेंगी तो ऑब्जेक्ट आर क्लोजर देन दे एक्चुअली अपियर का मतलब यही है ठीक है ना कि ऑब्जेक्ट जो है वो आपको क्लोजर अपियर हो रहे हैं क्लोजर लग रहे हैं है ना जैसे वो एक्चुअली हैं में आ गई ना तो इसलिए ये मिरर जो है वो यूज किया जाता ताकि आप पूरी सड़क का एक बार व्यू ले लो है ना आप डरो नहीं घबराओ नहीं कि भाई पीछे से कुछ ऐसा वैसा तो नहीं आ रहा तो आपको पहले ही पता चल जाए है ना तो एक तरह का वो हजार्ड है हजार्ड समझते हो ना हजार्ड कॉशन जो होता है बेसिकली वो उसके लिए है ठीक है एक और यूज है इसका एक और यूज है इसका वो मैं आपको बता देता हूं है ना उसके बाद न्यूमेरिकल की बारी ठीक है एक और यूज है इसका वो यूज क्या है वो यूज ये है कि ये पार्किंग लॉट्स के अंदर पार्किंग लॉट्स शार्प के कोनों पर लगा रहता है है ना शॉपिंग मॉल्स रेलवे में लगा रहता है ये कारण क्या है क्यों लगा रहता है ये इसलिए लगा रहता है ये इसलिए लगा रहता है, है क्योंकि क्योंकि ये आपका मिरर है ये आपका मिरर है है ना आप मान लो यहां खड़े हैं आप मान लो इधर कहीं खड़े हो या आपकी आंख है या आपकी आंख आंखर कहीं खड़े हो तो इधर से आने वाला कोई खतरा या इधर से आने वाली कोई गाड़ी इधर से आने वाला कोई हजार भी आपको दिखे इधर से आने वाला भी कोई हजार आपको दिखे इधर से आने वाला भी कुछ दिखे इधर से आने वाला भी इधर से भी इधर से भी यानी एक वाइड एरिया ऑफ व्यू लेता है कौन कौन कॉनवेक्स कौन एक वाइड एरिया ऑफ व्यू के लिए भी यूज किया जाता है कॉनवेक्स मिरर को ठीक है तो पार्किंग लॉट्स के अंदर आपको पता चल जाए यहां से आप गाड़ी लेके आ रहे हो तो उधर से भी कोई गाड़ी आ रही है नहीं आ रही समझ बात को तो पहले ही पता चल जाए अपने को कि भाई हाँ एक वाइड एरिया अपने को मिल अपने को मिल मिल जाए जाए एक वाइड व्यू अपने कि पूरे पार्किंग लॉट में चल क्या रहा है पूरे पार्किंग लॉट में गड़बड़ क्या हो रही है कहां से कोई गाड़ी तेज निकाल रहा है कोई लड़ाई झगड़ा हो रहा है कुछ हो रहा है कुछ नहीं हो रहा है? तो वो भी एक हजार एक कौशन के तरीके से आप उसको यूज कर सकते हो ठीक है ना तो इसलिए सचेत करने के लिए ऐसे मिरर का यूज किया जाता है ठीक है तो यहां मैं लिख रहा हूं किस लिए वाइड एरिया ऑफ व्यू के लिए वाइड एरिया ऑफ व्यू के लिए भी ऐसे मिरर का इस्तेमाल किया जाता है ठीक है अब आ गए हैं न्यूमेरिकल ठीक है अब बारी है न्यूमेरिकल की तो बताओ ब्रेक चाहिए क्या न्यूमेरिकल करने जल्दी से श्री श्री सदानंद गौड़ा महाराज की जय चेतन जी ठीक है चेतन भाई सही कह रहे हो ब्रेक चाहिए या न्यूमेरिकल ब्रेक के न्यूमेरिकल ब्रेक के न्यूमेरिकल ब्रेक के न्यूमेरिकल जल्दी 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 बता दो ब्रेक के न्यूमेरिकल ब्रेक के न्यूमेरिकल आज ब्रेक नहीं लेंगे कुछ कह रहे हैं कुछ कह रहे हैं ब्रेक लेंगे चलो दे देते हैं ठीक है ब्रेक का करोगे क्या ब्रेक का करोगे क्या खाना है खाना है पीना है क्या करना है ब्रेक का करोगे क्या साइन कन्वर्सेशन नहीं है बेटा साइन कन्वेंशन है आ जाएगा साइन कन्वेंशन के बाद ही अपन स्टार्ट कर पाएंगे न्यूमेरिकल को उससे पहले न्यूमेरिकल स्टार्ट नहीं हो पाएंगे बार एक ब्रेक ब्रेक की स्पेलिंग सही लिखो पहले तो फिर ब्रेक दूंगा मैं नहीं तो नहीं ब्रेक की स्पेलिंग ठीक लिखो वो वाली ब्रेक नहीं वो वाली ब्रेक का मतलब तो परमानेंट ब्रेक हो गई फिर तो बी आर ई ए के वाला ब्रेक बोलो चलो ठीक है दस मिनट का दे देते हैं खुश 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 रहो रहो खुश रहो भाई ठीक है मिनट का लेकिन भाई दस मिनट के अंदर दस मिनट के अंदर पानी पियाओ कुछ खाने वाने को रख लो अपने पास ठीक है अच्छा सा कुछ खा पी लो है ना दस मिनट का ब्रेक दे रहा हूं है ना खाना वाना खाना है क्या खाना खा लंच टाइम हो गया साढ़े सात बजे अभी तो कहां लंच अभी कहा लंच नौ बजे करेंगे लंच आराम से तुम भी मैं भी दोनों साथ में करेंगे लंच ठीक है ना नौ बजे लंच करेंगे डेढ़ घंटे के बाद फिर ब्रेक दे दूंगा आपको थोड़ा लंबा दे दूंगा अभी दस मिनट का दे रहा हूँ सर ठीक है अभी दस मिनट का खा लेना ठीक है इसीलिए दे रहा हूं कुछ खा लेना बहुत देर से बैठे हो हेलो 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 आवाज आ रही है क्या हेलो 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 ओपी आवाज ओपी बता दो एक बार आवाज़ ओपी आवाज ओपी या नो ओपी जल्दी से जल्दी से बता दो भाई आवाज़ ओपी के नो ओपी नहीं लेट ओपी नहीं है यार अभी तो यहीं तो हूँ यार मैं तो बंद है घड़ी यार पीछे आवाज़ ओपी अर्ली ओपी हो गया ना हाँ ये ये सही बोल रहा बच्चा गुप्ता सही सही बोल रहा है है अर्ली ओपी यस चलो आवाज आ रही है सभी को बढ़िया 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 हाँ भाई तो स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यूमेरिकल रिफ्लेक्शन के देखो अभी तक का जो पार्ट था वो थोड़ा सा बल्की था क्योंकि सब चीजें नई नई पहली पहली बार सिखानी पड़ती है अब साइन कन्वेंशन को भी जल्दी से निपटा देंगे जब हम लेंसेस की बात करेंगे डायग्राम भी जल्दी से निपटेंगे जब की बात करेंगे क्योंकि वो सारे सिमिलर रूल्स है वो वहां पर भी यूज होंगे तो अब स्पीड को बढ़ा भी दूं अगर मैं लेक्चर की तो भी कोई टेंशन नहीं है ठीक है ना तो भी जल्दी से चीजें निपट जाएंगे तो अब आने वाला जो बाकी का पार्ट बचेगा वो जल्दी हो जाएगा ठीक है अभी तक बेसिक्स करवाने थे बताना था ऑब्जेक्ट क्या होता है इमेज क्या होती है वर्चुअल क्या होता है रियल क्या होता है मिरर कैसा दिखता है वो सारी बातें बताने के चक्कर में टाइम थोड़ा ज्यादा लगा है ठीक है ना इसीलिए अब जो है वो चीजों को जल्दी जल्दी निपटाने की कोशिश करेंगे है ना और हर किसी चीज हर किसी टॉपिक को हम जरूर टच करेंगे हर टॉपिक को पूरा करेंगे ठीक है चलो स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल करने के लिए दो चीजें चाहिए भाई दो चीजें चाहिए वो दोनों ऊपर लिखी हुई हैं जो दो चीजें चाहिए वो दोनों ऊपर लिखी हुई हैं कौन कौन सी आपको साइन कन्वेंशन सीखना पड़ेगा क्या होता है और फॉर्मूला सीखना पड़ेगा कौन सा है ठीक है फॉर्मूले की डेरिवेशन की आवश्यकता कोई नहीं है की डेरिवेशन में नहीं करवाने वाला सीधा फॉर्मुला आपको रटना पड़ेगा मैं सीधा बोल रहा हूं रटना पड़ेगा यस रटना पड़ेगा याद करना पड़ेगा उसको ठीक है उसकी डेरिवेशन ट्वेल्थ क्लास के अंदर जाके है फिलहाल नहीं है हाल फिलहाल नहीं पढ़ना आपने उस फॉर्मुले की डेरिवेशन को ठीक है अब साइन कन्वेंशन को और फॉर्मुले को हम लोग समझ लेते हैं ठीक है चलो चलो जी साइन कन्वेंशन क्या होता है ठीक है देखो साइन कन्वेंशन अगर आपको समझना है ठीक है साइन कन्वेंशन अगर आपको समझना है तो इसका मतलब यह होता है इसका मतलब ये होता है कि हम लोग कुछ मान लेते हैं है ना कुछ मान्यताएं होती हैं उनको हम फॉलो करते हैं है ना चैट रोक दो अगर अच्छे से समझना है तो चैट रोक दो ठीक है हम कुछ मान्यताएं फॉलो करते हैं यहां पर है ना कुछ सर्टेन चीजें हैं जो हम फॉलो करते हैं उसी को हम साइन कन्वेंशन कहते हैं ठीक है हम ये मानते हैं कि लाइट हमेशा लेफ्ट साइड से आएगी यानी नेगेटिव साइड से आएगी और राइट right साइड पर जाएगी यानी हमेशा पॉजिटिव साइड पर जाएगी ये बात आप गांठ बांध लो ठीक है साइन कन्वेंशन का पहला काम यही है कि लेफ्ट साइड से राइट right, लाइट आए, आएगी लेकिन कुछ मान करके ही हम लोग आगे बढ़ते हैं प्लेन तो इमेजिन करते हैं क्या इमेजिन करते हैं कार्टीसियन प्लेन इमेजिन करते हैं जो कि टू होता है एक्स और वाई एक्सिस वाला होता है ना ये आप जानते हो कार्टिसन प्लेन बोलते हैं आपको पता है ठीक तो है तो एक्स वाई प्लेन है एक्स वाई प्लेन है यानी एक एक एक्सिस एक्सिस है है। है, और एक y है, जितना भी इधर का मामला है, मतलब जितनी भी लेंथ राइट साइड को नापी जाएंगी ओरिजिन से इसको ओरिजिन बोलते हैं ना ये जीरो कॉमा जीरो होता है ना ओरिजिन इससे राइट right में जितनी चीजें नापी जाएंगी दैट ऑल विल बी पॉजिटिव जितनी लेफ्ट साइड नापी जाएंगी वो सब की सब नेगेटिव में नापी जाएंगी माइनस में नापी जाएंगे ऊपर जाएंगी वो सब पॉजिटिव और जितनी चीजें इस लाइन से नीचे जाएंगी वो सब की सब नेगेटिव इतना बहुत सिंपल है जितने नाप जितने नाप जितनी लेंस लेफ्ट साइड पर नापी जाएंगी ओरिजिन से वो सब नेगेटिव जितनी राइट साइड में नापी जाएंगी वो सब पॉजिटिव ठीक है ना तो पॉजिटिव एक्स नेगेटिव एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव इसी इसी को फॉलो करने को ही बोलते हैं साइन कन्वेंशन फॉलो करना आओ दिखाता हूं आपको मिरर की बात कर रहे हैं ये देखो यार ये मिरर है ये मिरर है ये आपका पोल है अब आप इस पोल को ओरिजिन इमेजिन करो अब आप इस पोल को ओरिजिन इमेजिन करो ठीक है कर लिया ओरिजिन इमेजिन कर लिया तो अब ये ओरिजिन है इससे लेफ्ट जितनी चीजें वो सब नेगेटिव इससे राइट जितनी चीजें वो सब पॉजिटिव इससे ऊपर जितनी चीजें वो सब पॉजिटिव इससे नीचे जितनी चीजें वो सब नेगेटिव तो सर क्या क्या चीजें ऊपर नीचे हो सकती हैं क्या क्या चीजें हो सकती है ऊपर नीचे तो भाई बहुत सारी लेंथ है बहुत सारी है जो हम ऊपर नापते हैं नीचे नापते हैं राइट नापते हैं लेफ्ट नापते हैं उन लेंथ के बारे में आपको बताता हूं देखो भाई वो जो लेंथ है वो जो लेंथ है वो सारी एक तो एफ और सी ये पॉइंट तो आप पहले से परिचित हो ये पॉइंट्स को आप जानते हो ठीक है ना तो एफ से लेकर के जो पी का डिस्टेंस होता है इसको फोकल लेंथ कहते हैं अरे याद कर अरे याद कर और सी से लेके पी तक का जो डिस्टेंस होता है उसको आर कहते हैं अरे बेटा याद कर रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं उसको यस और नो तो ये जो फोकस है मुझे एक बात बताओ लेफ्ट साइड नापा जा रहा है कि राइट साइड नापा जा रहा है बोलो बोलो ये लेफ्ट की साइड है कि राइट की साइड आंसर है लेफ्ट की साइड है तो इसलिए फोकल लेंथ को क्या लिया जाएगा बेटा एक कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ को नेगेटिव लिया जाता है क्या बोला एक कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ को नेगेटिव लिया जाता है ठीक है एक कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ को एक कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ को नेगेटिव लिया जाता है ठीक है है ना एक कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ को नेगेटिव लिया जाता है और रेडियस ऑफ कर्वेचर को भी क्या लिया जाएगा नेगेटिव लिया जाएगा ठीक है ना रेडियस ऑफ कर्वेचर को भी क्या लिया जाएगा नेगेटिव लिया जाएगा ठीक है दोनों को नेगेटिव ले जाएगा क्योंकि दोनों किस तरफ है बेटा लेफ्ट साइड पर है और और क्या क्या नेगेटिव हो सकता है और क्या क्या पॉजिटिव हो सकता है तो भैया ऐसा है मान लो मैंने कोई ऑब्जेक्ट रखा है ना लेट अस सपोज मैंने यहां कोई ऑब्जेक्ट रखा इधर कोई ऑब्जेक्ट रखा ठीक है ना तो उसकी इमेज कहीं यहां बन रही है ऐसे ही होता है ना बिटवीन सी एंड एफ रखते हैं अगर ऑब्जेक्ट को तो बियॉन्ड सी बनती है इमेज ये आपको याद होना चाहिए भाई मैंने आपसे कहा था अगर आपको न्यूमेरिकल करने आपको नेचर आना चाहिए आपको रे डायग्राम से परिचित होने चाहिए आप सी और एफ के बीच में जब भी ऑब्जेक्ट होगा सी से बियॉन्ड इमेज बनती है सी और एफ के बीच में जब भी ऑब्जेक्ट होगा सी से बियॉन्ड इमेज बनते ये मैं आपको रटवाने वाला नहीं हूं ये आपको खुद ही करना पड़ेगा भाई प्रैक्टिस से आएगा ये है ना कुछ मेरा कुछ तुम्हारा मिलकर सौ नंबर प्राप्त करेंगे ठीक है ना भाई तो ये आपका ऑब्जेक्ट है ये आपकी इमेज है तो प्यारे बच्चे तो प्यारे बच्चे यहां से लेके यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है ये वाला डिस्टेंस रंग कुछ और लेते हैं रंग कुछ और लेते हैं ठीक है यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है ठीक है ना इधर से लेके पोल से लेके ठीक है पोल से लेके यहां तक का ये जो पूरा डिस्टेंस है ठीक है इसको बोलते हैं V ठीक है V बोले तो इमेज डिस्टेंस V स्टैंड फॉर इमेज डिस्टेंस इमेज कहां इमेज बन रही है पोल से नापा जाएगा कहां इमेज बन रही है पोल से नापा जाएगा ऑब्जेक्ट कहां रखा गया है पोल से पोल से ही सारे रस्ते नापे जाते हैं ध्यान रखना पोल से ही सारे रस्ते नापे जाते हैं एफ भी पोल से नापा जाएगा आर भी पोल से नापा जाएगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी पोल से नापा जाएगा इमेज डिस्टेंस भी पोल से नापा जाएगा ये सब पोल से नापे जाते हैं सब के सब डिस्टेंसस कहां से नापे जाते हैं पोल से गांठ बांध लो इस बात को पड़ गई गांठ पड़ गई आगे सुनो अब आगे सुनो अब ऑब्जेक्ट जो आपने रखा हुआ है पोल से इस डिस्टेंस को बोलेंगे u u स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जहां इमेज बन रही है उसको बोलेंगे v v मतलब इमेज डिस्टेंस ठीक है और जहां पर फोकल लेंथ यहां पर फोकस है उसको बोलेंगे फोकल लेंथ

इमेज कहां बनेगी वो अपने हाथ में नहीं है वो तो कुदरत के हाथ में वो तो परमात्मा के हाथ में वो तो नेचर के लॉज है वो वो तो फिजिक्स के लॉज हैं है है ना वो बताएंगे कि इमेज कहां बनेगी अपने क्या है? अपने हाथ हाथ में में क्या तीन बातें होती है। यो ये जो ये मैं आपको बता रहा हूं इसको आप नोट कर सकते हो हमारे हाथ में तीन बातें होती है क्वेश्चन में तीन चीजें गिवन होती है मोस्टली पिचानवे परसेंट क्वेश्चन के अंदर तीन बातें गिवन होती है कौन कौन सी एफ गिवन होगा वो कलन गिवन होगी यू गिवन होगा ऑब्जेक्ट का रखना तो मेरे हाथ में हो सकता है ना भाई कि मिरर से कितना दूर रखूंगा मैं आप खुद को या किसी ऑब्जेक्ट को ये तो मेरे हाथ में हो सकता है ना भाई तो यू भी अपने हाथ में होता है ठीक है तो तो एफ अपने हाथ में है यू अपने हाथ में है और एक और चीज जो अपने हाथ में है वो है हाइट वो है हाइट कितनी हाइट का अपने ऑब्जेक्ट रखना है इमेज का तो अपने आप निकल के आएगा भाई इमेज का हम कैसे बता सकते हैं वो तो अपना नेचर बताएगा वो तो कैसा बनेगा वो तो बाद में देखेंगे फॉर्मुला वर्मला लगा करके देखेंगे क्या इसकी हाइट बनती है लेकिन ये हाइट ऑब्जेक्ट की तो हमारे हाथ में रहेगी ना भाई ठीक है तो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट यानी एच ओ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को क्या बोलता हूं मैं एच ओ बोलता हूं ठीक है तो एच ओ भी क्या रहेगा अपने हाथ में रहेगा कि इसकी हाइट कितनी से लेके इसका कितना ठीक है अब आप मुझे एक बार बताओ एफ कॉनकेव मिरर में नेगेटिव है या नहीं है एफ कॉनकेव मिरर में नेगेटिव है या नहीं है एफ कॉनकेव मिरर में नेगेटिव है? है या नहीं है बिल्कुल है भाई बिल्कुल है f जो है वो नेगेटिव है कॉनकेव मिरर के अंदर है ना क्योंकि इस तरफ फोकस है इस तरफ फोकस है एक ऐसा मिरर भी है जिसका इस तरफ फोकस है उसकी बात कर लेंगे अभी उसकी भी बात कर लेंगे अभी अच्छा u u मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये बताओ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है वो लेफ्ट में पड़ा है कि राइट में पड़ा है तो भाई ऑब्जेक्ट तो हमेशा लेफ्ट में रहेगा आपने आठ केस देखे हैं आपने आठ केस देखे हैं। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया आंसर कर रहे हैं बच्चे सब बढ़िया 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 एकदम मस्त मस्त, 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 मस्त रखा है, की ना? आपने हर बार को है की ना? आपका यू भी हमेशा क्या रहेगा माइनस में रहेगा और ये तो हमेशा अखंड सत्य है ये तो हमेशा ही हमेशा ही क्या रहेगा ये तो माइनस में रहेगा लेकिन एफ का कोई भरोसा नहीं है एफ डिपेंड करता है मिरर पे डिपेंड करता है मिरर मिरर पे mirror कौन सा है अगर मिरर कॉनकेव होगा तो F इस तरफ वाला अगर कॉन्वेक्स होगा तो एफ इस तरफ वाला करते हैं कि नीचे की तरफ नापी जाएगी इस एक्सिस से इस एक्सिस से ऊपर की तरफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट नापोगे नीचे की तरफ नापोगे अरे बोलो ऊपर की तरफ नापोगे भाई यानी पॉजिटिव डायरेक्शन चेक कर लो कौन सी डायरेक्शन पॉजिटिव डायरेक्शन में लेना पड़ेगा साइन कन्वेंशन कहां लेना पड़ेगा है मैं क्या नहीं होना है ना उसके बाद जज करो क्या होना क्या नहीं होना एक और देखते हैं एक और देखते हैं ये तो था कॉनकेव अब बात करता हूं कॉन्वेक्स की ये कॉन्वेक्स है ये कॉन्वेक्स है ठीक है ये रहा आपका प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक सेंटर ऑफ करवेचर फोकस पोल है ना अबे ऑब्जेक्ट तो मेरे बच्चे यही रखेगा ना अभी भी ऑब्जेक्ट तो लेफ्ट में रखेगा ना यार तो जो पोल से रास्ता नापेगा जो पोल से बेटा जी आप ये रास्ता नापोगे ये तो यू नेगेटिव ही रहेगा ना अभी भी ऑब्जेक्ट तो लेफ्ट में रखते हैं हमेशा कोई सा मिरर हो कोई सा लेंस हो लेंस में भी ये चलता है U हमेशा नेगेटिव यू हमेशा नेगेटिव सदा ही नेगेटिव रहेगा यू ठीक है लेकिन फोकल लेंथ लेकिन फोकल फोकल लेंथ यहां है यहां है लेफ्ट की तरफ और यहां है राइट की तरफ है ना फोकल लेंथ यहां है राइट की तरफ यानी इधर फोकस है बेटा इधर फोकस है तो फोकल लेंथ कहा नापी जाएगी राइट की तरफ नापी जाएगी यानी फोकल लेंथ जाएगी पॉजिटिव में फोकल लेंथ नापी जाएगी पॉजिटिव में तो मैं अगर इधर लिखूं सारी बातें कौन कौन सी सारी बातें भाई तीन बातें हैं यू हमारे हाथ में

इतना ही है साइन कन्वेंशन वी तो निकल के आएगा अपने आप में डालेंगे वी निकालेंगे फॉर्मूला निकालेंगे वी डालेंगे ठीक है निकल जाएगा अपने आप ओके ओके सही है साइन कन्वेंशन समझ में आएगा तो ही न्यूमेरिकल कल समझ में आएंगे ठीक है साइन कन्वेंशन समझ में आएगा तभी न्यूमेरिकल समझ में आएंगे ठीक है तो आई होप आपको साइन कन्वेंशन समझ में आ गया होगा ठीक है नोट कर लिया होगा आप लोगों ने या कर रहे हो जल्दी से करो जल्दी से करो नोट करने वाली बातें सिर्फ इतनी ही है नोट करने वाली बातें सिर्फ इतनी ही है कि जब कभी भी कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स मिरर रहेगा कॉन्वेक्स मिरर रहेगा तो फोकल लेंथ रहेगी पॉजिटिव और जब कभी भी कॉनकेव मिरर रहेगा ठीक है कॉनकेव मिरर रहेगा तो फोकल लेंथ रहेगी नेगेटिव इतना ही नोट करने वाला है बाकी एचओ तो देख लो दोनों में पॉजिटिव है यू देख लो दोनों में नेगेटिव है एचओ देख लो दोनों में पॉजिटिव है यू देख लो दोनों में नेगेटिव है तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है टेंशन किस चीज की है टेंशन किस चीज की लेनी है फोकल लेंथ की लेनी है बस और किसी चीज की टेंशन लेनी ठीक है ना बस ये जज करना है आपको फोकल लेंथ किस तरफ है लेफ्ट के राइट खत्म इतना ही देखना है आपने बस ठीक है बढ़ रहा हूं आगे क्वेश्चन आने से पहले फॉर्मूला डिस्कस कर लिया जाए जरा तो साइन कन्वेंशन हमने डिस्कस कर लिया फॉर्मूला डिस्कस कर लेते हैं ठीक so, है तो फॉर्मूले जो यूज होते हैं फॉर्मूले जो यूज होते हैं उसमें सबसे पहला यूज होता है मिरर फॉर्मूला सबसे पहला जो यूज होता है वो होता है मिरर फॉर्मूला मिरर फॉर्मूला क्या है मिरर फॉर्मूला है वन बाई एफ इज इक्वल टू वन वी प्लस वन यू तो ये फॉर्मूला है भाई ये फॉर्मूला है पहला, है पहला. इसका नाम है मिरर फॉर्मुला ठीक है इसका नाम है मिरर फॉर्मूला है तो F को आप जानते हो है हो है फोकल लेंथ सेंटीमीटर में कैलकुलेट होगी क्या इमेज डिस्टेंस है सेंटीमीटर में कैलकुलेट होगी U क्या है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है सेंटीमीटर में कैलकुलेट होगी और जब भी कभी आपने फॉर्मुले में रखनी है साइन के साथ रखनी है तभी साइन कन्वेंशन सिखाई गई है तभी साइन कन्वेंशन सिखाई गई है आपको कि आपने इसको नेगेटिव में या पॉजिटिव में रखना है ठीक है इमेज डिस्टेंस हो गया है ना v और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया u ठीक है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया u तो ये है एक मिरर फॉर्मूला इसके अलावा एक और फॉर्मूला है उसको बोलते हैं मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला ठीक है तो दूसरा फॉर्मूला है नंबर टू फॉर्मूला नंबर टू है मैग्निफिकेशन वाला फॉर्मूला याद करने पड़ते हैं आपको चारा कोई नहीं है भाई मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला याद करना पड़ेगा ठीक है तो पहला है मिरर फॉर्मूला वन बाय फिजिकल टू वन बाई वी प्लस वन बाय दूसरा है

डबल है कि ट्रिपल है कि कितने गुना जो इमेज बनी है वो बड़ी बनी है या कितने गुना छोटी बनी है तो पता तो चल पाए जज तो हो पाए उससे ठीक है ना तो M मतलब हो गया, M हो गया HI एच ओ ओ माने ऑब्जेक्ट और आई माने इमेज ठीक है तो ये है भैया ये है भैया फॉर्मूला नंबर दो ये है भैया फॉर्मूला नंबर दो ठीक है मैग्निफिकेशन होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दोनों ही सेंटीमीटर में फॉर्मुला भी है और वो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वो है डिराइव्ड फॉर्मूला उसको डिराइव किया जाता है उस फॉर्मुले को है ना तो वो आपको डेरिवेशन करनी नहीं है इसलिए आपको स्ट्रेट फॉर्मुला लिख के दे रहा हूं ठीक है वो फॉर्मुला है एम इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू वी क्या है v क्या है अरे v तो इमेज डिस्टेंस है u क्या है u तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। सर ये minus क्यों लगा हुआ है माइनस ठीक है ये ना ये मत समझना तब करूंगा तब मुझे ऑब्जेक्ट है, है तब जाकर मैं माइनस या प्लस लगा पाऊंगा यह फॉर्मुला ही ऐसा है आपने इस फॉर्मुले को ऐसे ही याद करना है ठीक है ना याद करना है ठीक है बढ़िया बढ़िया समझ में आ रहा है ठीक है तो ये एक फॉर्मुला हो रहा है ये डिराइव्ड फॉर्मुला है ये बाय डेफिनेशन से आया हुआ फॉर्मुला है दिस दिस इज इज अ डिराइव्ड बाय डेफिनेशन से आया हुआ अपॉन ठीक है तो ये तीन फॉर्मुले हैं है ना आपके काम के अच्छा इसके अलावा मैं सभी को मैंशन कर देता हूं एम स्टैंड फॉर वहां कर देता हूं चलो यहां कर देता हूं ठीक है एम स्टैंड फॉर मैग्निफिकेशन ठीक है मैग्नीफिकेशन एच आई का मतलब हो गया हाइट ऑफ इमेज ठीक है हाइट ऑफ इमेज और एच ओ का मतलब हो गया हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ठीक है कुछ नहीं छोड़ा सब लिख दिया मैंने सेंटीमीटर सेंटीमीटर नो no यूनिट कोई यूनिट नहीं होती भाई वोकल लेंथ ये सब सेंटीमीटर के अंदर सबका सब सेंटीमीटर के अंदर नापा जाता है ठीक है तो ये बातें हैं जल्दी से नोट कर ली जाए तो अच्छा रहेगा ये बातें हैं जल्दी से नोट कर ली जाए तो अच्छा रहेगा डन हो गया नोट हो गया बढ़िया बहुत बढ़िया डन हो गया नोट हो गया बहुत सही अच्छा ये करने के बाद आपको मैं टूल्स दे रहा हूं कुछ बच्चा यहां लिख रहा है टूल्स चाहिए है ना तो मैं उसको टूल्स दे रहा हूं कुछ टूल्स पता है क्या है ये बड़े इंपॉर्टेंट टूल है नेचर को लिखने के बड़े इंपॉर्टेंट टूल है ठीक है ना हर किसी को नहीं मिलता ये <laughs> सिर्फ वॉरियर्स के लिए एक्सक्लूसिवली फॉर वॉरियर्स ठीक है टूल्स टूल्स क्या है सुनो टूल्स ये है भाई कि कभी भी कभी भी अगर एम की वैल्यू एम बोले तो कौन मैग्निफिकेशन ना एम बोले तो कौन मैग्निफिकेशन ना मैग्निफिकेशन की वैल्यू अगर कभी भी वन और जीरो के बीच में लाई करती हो यानी जीरो पॉइंट वन जीरो पॉइंट टू जीरो देखो जीरो नहीं कर सकती कभी भी जीरो का मतलब इमेज है ही नहीं जीरो का मतलब इमेज तो बनी नहीं है ना तो जीरो नहीं हो सकती वैल्यू जीरो या वन से बीच में जीरो या वन के बीच में ठीक है ना Like करती हो हो यानी 0.1 0.2 0.89 0.35 0.68 ये सारी चीजें ठीक है अगर हो, अगर ऐसी वैल्यू हो तो इसका मतलब होता है कि जो आपकी इमेज बनी है दैट इज डिमिनिश्ड दैट इज डिमिनिश्ड बड़ी जरूरी बात है ये. ये बड़ी जरूरी बात है आपके नेचर को सुधार देगी है. आपका नेचर नहीं मतलब जो इमेज का नेचर होता है, है ना उसको लिखने की कला को सुधार देगी करो बीच में छप जोड़ लिया करो फिजिक्स वाले काम काम की बात करते हैं बस है ना इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक की बात करते हैं हम लोग तो जीरो एम और वन के बीच में अगर लाइक करें तो ऐसा ऐसा ठीक है अगर एम इक्वल टू वन के हो जाए अगर एम बराबर हो जाए वन के ठीक है ना तो सेम साइज तो साइज सेम होता है आप खुद सोचो एम वन के बराबर कब होगा एम है क्या एम है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ये दोनों जब इक्वल हो जाएंगे यानी एच ओ जाकर यहां से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये बन जाएगा एच आई इक्वल टू एच ओ यानी दोनों की हाइट क्या हो गई बराबर हो गई दोनों की हाइट बराबर हो गई यानी सेम साइज हो गए ये बातें मैंने आपको ऐसी बता दी समझ में आई तो ठीक नहीं आई तो भी कोई बात नहीं आपको बस याद रखना है कि एम की वैल्यू वन होगी तो सेम होगा ठीक है एम की वैल्यू वन होगी तो सेम होगा सेम साइज सेम साइज की बनेगी सेम साइज की बनेगी इमेज ठीक है और अगर एम वन से बड़ा होता है और अगर एम वन से बड़ा होता है बेटा ठीक है तो साइज बनेगा बड़ा एन ठीक है एन एनलार्ज इसके अलावा तो कोई केस नहीं बनेगा इक्वल होगा या जीरो से वन के बीच में होगा नेगेटिव में हो नहीं सकता नेगेटिव में होने का वैसे कुछ और मतलब होता है है ना आ, जीरो से वन है ना या फिर वन या फिर वन से बड़ा ये तीन ही केस बन सकते हैं अब वन से बड़ा कितना भी चला जाए कोई टेंशन नहीं अपने को ठीक है ना एक तो हो गया ये टूल एक तो हो गया ये जरूरी टूल एक और जरूरी टूल सुन एक और जरूरी टूल सुन एक और जरूरी टूल पता क्या है एक और जरूरी टूल पता क्या है अगर एम की वैल्यू पॉजिटिव हो अगर अगर एम की वैल्यू पॉजिटिव में हो मतलब बाय चांस मान लो एम की फाइनल वैल्यू निकल के जो मर्जी आए वो पॉजिटिव में निकल के आ रही है ठीक है दैट मींस इरेक्ट है और इरेक्ट के साथ वर्चुअल फ्री मिलता है सच बताना हा या ना सच बताना हा या ना इतने केस कर लिए भैया अब अब सच बोलना जरा इरेक्ट के साथ वर्चुअल क्या मिलता है फ्री मिलता है yes or no? और अगर M आता है, at the end कट फट के जैसा निकल के, जैसा निकल आपका आंसर फाइनली आ रहा है में, M की में की आ रही है ठीक है दैट मींस दैट मींस रियल एंड इनवर्टेड है ठीक है इनवर्टेड ऊपर लिखता हूं क्योंकि इरेक्ट का उल्टा इनवर्टेड होता है ना

बच्चे कह रहे हैं उड़ान रिलोडेड में नहीं बताया कि आपने उड़ान रिलोड में पढ़ाया कहाँ भी पढ़ाने दो, दो अभी जाएगा 6 तारीख को लेक्चर उसमें है ये पढ़ाया हुआ तुम्हें तो नहीं पढ़ाएंगे यार कैसी बातें कर रहे हो तो तुमसे तो, तो खास प्यार है उड़ान रिलोडेड रिलोडियंस कबूतरों चलो बढ़ते हैं आगे आओ आइए न्यूमेरिकल करें आइए ये दे हम ये रे हम न्यूमेरिकल करने आ गए हैं करें चलो न्यूमेरिकल है फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर देखो मिरर दे रखा है मेरे साथ साथ करना ये नहीं आंसर लिखने लगे जाओ दाड़, 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 चैटिंग, चैटिंग 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 चल रही है पहले सीख तो लो क्या करना है कन्वेक्स मिरर अगर है कन्वेक्स मिरर अगर है आप जानते हो आपके माइंड में चलना चाहिए जो मैं यहां कर रहा हूं बोर्ड पर वो बोर्ड पर नहीं करना पेपर पे नहीं करना माइंड में करना है क्या करना है आपने बनाना है यहां आपने बनाना है यहां क्या क्या माइंड में माइंड में क्या बनाना है कॉन्वेक्स मिरर बनाना है बना लिया कॉन्वेक्स मिरर का आपको पता भाई सेंटर यहां होगा तो फोकस यहां होगा ठीक है और यहां से लेके यहां तक यहां से लेके यहां तक बनेगा आर और यहां से तक यहां तक यहां बनेगा ठीक है तो आप जानते हो कि रेडियस ऑफ कर्वेचर जो इसका आएगा वो पॉजिटिव साइड पर है साइन कन्वेंशन का ध्यान रखो लिखना शुरू कर दिया अच्छी बात है अच्छी बात है लेकिन कुछ गलत भी लिख रहे हैं क्योंकि उन्होंने सुना नहीं पूरी बात को नेगेटिव सिक्सटीन लिख रहे हैं सुना ही नहीं क्योंकि पूरी बात को सबर ही नहीं है से सुनो भाई बात को राइट साइड में है आर अगर राइट साइड में है तो ये बत्तीस जो लिखूंगा प्लस में लिखूंगा भाई ठीक है और जो होती होती है, वो होती है वो बटा दो, तो बटा होगा, तो 16. 16 को शबाशी दे दो और जिन्होंने लिखा मुझे शबाशी दे दो इतना मत मारना भाई ठीक है लग जाएगी मेरे को ठीक है नोट कर लिया जाए नोट कर लिया जाए पांच चार तीन दो एक बढ़ते हैं अगले सवाल पे ठीक है मैं ही कर रहा हूं इसको भी मैं ही करूंगा अपन करेगा एक कॉनकेव मिरर है माइंड में बनाओ जरा कॉनकेव मिरर कैसे बनता है अप्रोच देखो अब एक न्यूमेरिकल कितने कर लोगे भाई कितने ही ले आऊंगा न्यूमेरिकल कितने ही तुम कर लोगे लेकिन जब तक तुम अप्रोच नहीं सीखोगे न्यूमेरिकल को करने की तब तक तुम सौ क्वेश्चन नहीं कर पाओगे सौ क्वेश्चन तो मैं ला के दे नहीं सकता आपको समझ रहे हो ना अभी बात को सौ क्वेश्चन तो नहीं मिलने वाले आपको लेकिन आप अप्रोच देखो उससे आप सौ क्या हजार क्वेश्चन बना ले जाओगे हजार अलग अलग तरह के क्वेश्चन आ जाए उनको भी आप कर ले जाओगे तो क्या हम हैं तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो ये सुना वाला डायलॉग बॉर्डर का है बॉर्डर बॉर्डर देखिए बॉर्डर बॉर्डर देखिए सनी वाली हा पढ़ाएंगे उड़ान रोड में पढ़ाएंगे है ना चलो चलो आंसर कर रहा हूं ठीक है देखते हैं कह रहे भैया कॉनकेव मिरर दिखता कैसा है यार कॉनकेव कॉनकेव मिरर मिरर तो तो ऐसा ऐसा दिखता दिखता है 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 ना उसका 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 सेंटर होता होता यहां यहां फोकस पोल होता है यहां ठीक है और फोकल लेंथ को क्या लिया जाता है पॉजिटिव लिया जाता है क्या नेगेटिव लिया जाता है पॉजिटिव लिया जाता है कि नेगेटिव लिया जाता है ऑब्वियसली उसको नेगेटिव लिया जाता है नेगेटिव साइड पर होता है फोकस है ना तो इसलिए नेगेटिव लिया जाता है ना अब आगे कह रहा है प्रोड्यूस थ्री टाइम्स मैग्निफाइड रियल इमेज हो भाई साहब क्या क्या बोल दिया कह रहा है तीन गुना बड़ी बनी है रियल बनी है और रियल के साथ इनवर्टेड फ्री होता है नहीं होता भाई बताओ जल्दी से रियल के साथ आपको इनवर्टेड फ्री मिलता है नहीं मिलता बिल्कुल मिलता है और मैंने अभी अभी आपको टूल क्या सिखाया है मैंने अभी अभी आपको टूल क्या सिखाया मैंने आपसे बोला कि एम की वैल्यू अगर नेगेटिव हो तो इसका मतलब रियल और इनवर्टेड है है ना एम की वैल्यू अगर नेगेटिव हो तो रियल एन इनवर्टेड है और साथ में लिखा है कि थ्री टाइम्स बड़ी बन रही है का मतलब क्या हुआ आपको एम की वैल्यू लेनी पड़ेगी माइनस थ्री जिस जिसने एम की वैल्यू प्लस थ्री लिया फंस जाओगे जिस जिसने मानिक बढ़िया जिस जिसने एम की वैल्यू प्लस लिया फंस जाओगे आपने शुरुआत ही ऐसे करनी है क्वेश्चन की एम की वैल्यू आपने माइनस थ्री ही लेनी है

फॉर्मूला लगाया जाएगा कौन सा भाई कौन सा लगेगा भाई फॉर्मूला एम इज इक्वल टू माइनस वी बाईट फॉर्मूला फॉर मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर्स मिरर्स के अंदर जो मैग्निफिक वो यही है ठीक है तो एम की वैल्यू मैंने पुट करी माइनस थ्री माइनस तो यहां माइनस ही था वी को वी छोड़ दिया और यू है नेगेटिव ऑफ टेन

यानी ऐसे यानी ऐसे रे जाएगी और ऐसे रे जाएगी और ऐसे ठीक है ना तो आप खुद देख लो आपका वी किधर है आपका वी नेगेटिव साइड पर है आपका वी जो है वो नेगेटिव है ना? ये इमेज है ना इमेज आपकी नेगेटिव साइड पर है तो वो नेगेटिव में आना ही चाहिए था ठीक है इमेज जो है वो नेगेटिव थर्टी लिखनी है और फिर आप अगर पॉजिटिव में लिखना चाहते हो तो आप इंग्लिश में लिख दो इस लाइन को एंड में अगर सब्जेक्टिव पेपर आपका आता है नंदनी कह रही है एनडीए पढ़ाओ सरप्राइज है बताएंगे नहीं पहुंच जाएंगे सीधा ठीक है <laughs> तो हाँ वी जो है बेटा वो नेगेटिव थर्टी है तो आपने अंग्रेजी में लाइन लिखनी है नीचे क्या कि जो इमेज बनी है वो थर्टी सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द लेंस ऐसा लिख सकते हो इन फ्रंट ऑफ द मिरर ऐसा लिख सकते हो आप ठीक है ना तो तब आप पॉजिटिव थर्टी में आपका एक्सेप्ट कर लूंगा अभी नहीं करूंगा लेकिन अभी नहीं करूंगा भाई ठीक है बढ़ते आगे एक कह रहा मेरा टोन हरियाणवी है एक कह रहा मेरा टोन पंजाबी है भाई ये चलता है सब मिक्स चलता है ये सारे यार दोस्त हैं अपने है ना करो जी इसको करो जी इसको अब तो करो रूपम आ गया और रूपम पढ़ाई कर ले ओपी ओपी रख कर जा रहा है चलो यार मैं कर रहा हूं मैं कर रहा हूं एक ऑब्जेक्ट है सात सेंटीमीटर लंबा क्या मतलब है इस बात का सात सेंटीमीटर लेंथ का क्या मतलब है बेटा उसकी हाइट सात सेंटीमीटर एच ओ सेवन सेंटीमीटर है पॉजिटिव ले, लेते हैं हमेशा एच है ओ इसमें कोई शक नहीं है एक कन्वर्जिंग मिरर से अवे रखा हुआ है यानी दूर रखा हुआ ठीक बात है एट अ डिस्टेंस ऑफ सत्ताईस सेंटीमीटर तो 27 सेंटीमीटर पर रखा हुआ है नेगेटिव में ही लेंगे U इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए किसी को भी U इज ऑलवेज नेगेटिव लड़ाई जो बनेगी वो F पे बनेगी लड़ाई जो करनी है वो F पे करनी है ठीक है अब एक कह रहा है थ्योरी पढ़ाओ पहले थ्योरी पढ़ा न्यूमेरिकल पढ़ाओ न्यूमेरिकल पे आगे थ्योरी पढ़ाओ <laughs> भाई तुम्हें कोई खुश नहीं रख सकता भाई दुखी हो तुम डिस्टेंस ऑफ सत्ताइस सेंटीमीटर ले लिया फोकल लेंथ है फोकल लेंथ है अठारह

बहुत बच्चे हैं जो न्यूबी हैं न्यूमेरिकल के अंदर अभी नूब है नए नए हैं नूबड़े हैं ठीक है थीके? तो तो उनके लिए बताना पड़ता है इस बात को ठीक है ना बहुत सारे बच्चों को समझ में आ जाता है ठीक है फाइंड द साइज एंड नेचर मतलब सब कुछ ही आपको निकालना है इसके अंदर तो बेसिकली आपको वी फाइंड करना है एम फाइंड करना है और एच आई हाइट ऑफ इमेज फाइंड करना है तीनों बातें फाइंड करनी है फिर आपने नेचर भी नेचर भी लिखना है इसका लास्ट में नेचर भी लिखना है आपने इसका तो करते हैं इसको फटाफट से देखो U, F और V, ठीक है ना तो वन बाय इज इक्वल टू वन बाय वी प्लस वन बाई यू ये फॉर्मूला है इसके अंदर हम पुट करते जाएंगे चीजों को ठीक है 1 by F कितना है? माइनस का अठारह नहीं पता आपने को निकालना है और यू जो है वो है माइनस का 27, ठीक है तो ये जो माइनस का 27 है उधर जाके प्लस का सत्ताईस बन जाएगा ये हो जाएगा प्लस वन बाय सत्ताइस माइनस वन बाय अठारह इज इक्वल टू वन बाई वी ठीक है तो ये मेरे ख्याल चौवन है इसका एलसीएम फिफ्टी फोर है, है ना ट्वेंटी सेवन टू साफ्टी फोर और एटीन थ्री फिफ्टी फोर तो ट्वेंटी सेवन जा और एटीन थ्री और ये हो गया by v. दो में से तीन गए एक है ना माइनस एक मतलब माइनस एक बटा चौवन इज इक्वल टू आ गया by v, और यहां से वी निकल के आ गया नेगेटिव ऑफ चौवन मतलब मैं इंग्लिश हिंदी मिक्स कर देता हूं ऐसे ही माइनस फिफ्टी फोर सेंटीमीटर ठीक है नेगेटिव चौवन सेंटीमीटर ये आपका वी आ गया ये भी निकल के आ गया एम की तरफ बढ़ते हैं एम निकालते हैं तो यार कलर दूसरा ले लेता ले ले हूं भाई

नेचर लिखना कैसे सीखना है नेचर लिखना कैसे सीखना है ध्यान से सुनो अगर एम की वैल्यू नेगेटिव में आ रही है तो बेटा इसका मतलब तो रियल और इनवर्टेड होता ही है है ना तो अगर अगर आपको एम की वैल्यू नेगेटिव मिल रही है तो इसका मतलब नेचर है रियल प्लस इन्वर्टेड रियल प्लस इनवर्टेड ठीक बात है कि नहीं नेचर क्या है रियल प्लस इनवर्टेड और और M की वैल्यू और M की वैल्यू देखो वन से बड़ी है और आप बोलोगे नहीं सर ये वन से छोटी होगी नेगेटिव में है। आपको जब भी बड़ा छोटा देखना है ना M की वैल्यू मैग्नीट्यूड जब भी देखना है आपको साइन छुपा लेना है आपको यहां साइन नहीं मानना ठीक है ना आपको यहां साइन छुपा लेना है पूरा ही मिट गया आपने <laughs> साइन को छुपा लेना है ठीक है इस साइन को छुपा करके देखो क्या वैल्यू आ रही है साइन को छुपा करके जो वैल्यू बन रही है दो ये वन से बड़ी है ध्यान से समझना क्या बोल रहा हूं आप जब साइन देखो तो वैल्यू मत देखो और जब वैल्यू देखो तो साइन मत देखो तो आप अभी वैल्यू देख रहे हो साइन को दो मिनट के लिए भूल जाओ साइन नेगेटिव था ना नेगेटिव वाली बातें हम पहली कर चुके हैं अब मुझे एक बार बताओ ये जो एम की वैल्यू ये वन से बड़ी है कि वन से छोटी है यस यस बच्चे लिख रहे हैं ये वन से बड़ी है, है ना और ये वन से बड़ी है तो ये वन से बड़ी है तो एनलार्ज बोला जाएगा क्या बोला जाएगा तो ठीक है वो इनवर्टेड है, तो तो, नेचर, 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 नेचर है, है, है एनलार्ज है तीन नेचर निकल के आ गए तो नेचर पता चल गया एम पता चल गया वी पता चल गया एच हाँ आई रह गया हमारा हाइट ऑफ इमेज रह गई हमारी हाइट ऑफ इमेज भी निकाल लेते हैं जल्दी से ठीक है तो एम होता है एचआईवर एच ओ एम कितना है माइनस का टू एच आई हमको नहीं पता एचओ हमारा सात है तो सात जाकर के सात जाकर के मल्टीप्लाई होगा माइनस टू से तो हाइट ऑफ इमेज आ जाएगी माइनस चौदह सेंटीमीटर हाइट ऑफ इमेज आ जाएगी माइनस चौदह सेंटीमीटर सब चीजें फाइंड कर ली हमने एम फाइंड कर लिया एच आई फाइंड कर लिया वी फाइंड कर लिया नेचर फाइंड कर लिया क्या रह गया आप बताओ कुछ नहीं रह गया नोट कर लिया जाए नोट कर लिया जाए बस इसको अब दिमाग उड़ाने वाला न्यूमेरिकल बिल्कुल बिल्कुल लाना पड़ेगा ऐसा माइंड थ्रेशिंग एक होता माइंड ब्लोइंग माइंड का उड़ जाना है ब्लो कर ये है माइंड थ्रेशिंग <laughs> समझ रहे थ्रेशिंग समझते ना क्या होता है माइंड थ्रेशिंग था ये ठीक है करो कद्दू का सो गया ना सर समोसा खाएंगे इसको कैसे पता मैंने अभी अभी समोसा खाया है <laughs> सही है नेक्स्ट पे चलते हैं नेक्स्ट पे चलते हैं अच्छा एक और बार बता दूं ठीक है एक 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 लास्ट बार और देख लेते हैं इसको बेटा देख एक ऑब्जेक्ट था जो सेवन सेंटीमीटर लेंथ का था हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो था वो सेवन सेंटीमीटर था कन्वर्जिंग मिरर बोले तो कॉनकेव कॉनकेव मिरर ठीक है मिरर और कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ आपको नेगेटिव में रखना ही पड़ता है तो नेगेटिव में फोकल लेंथ कितनी दे रखी है आपको अठारह सेंटीमीटर दे रखी है मैंने नेगेटिव अठारह ले ली ऑब्जेक्ट डिस्टेंस सत्ताईस सेंटीमीटर दिया हुआ है इसकी हिंदी करोगे आप तो पता चलेगा कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है वो माइनस का लेना पड़ता है आपको है ना और वो सत्ताइस सेंटीमीटर है उसके बाद आपसे पूछ लिया क्या क्या स्क्रीन कहां रखू बोले तो वी साइज बोले तो एच आई और नेचर मतलब एम एम से नेचर मिलता है आप जानते हो इस बात को है ना टूल मैंने आपको दिया है टूल मैंने आपको दिया टूल से ही काम करना चुटकियों में आंसर निकलेंगे चुटकियों में प्रैक्टिस चाहिए बस थोड़ी सी आपको वो भी मैथमेटिकल प्रैक्टिस अदरवाइज तो कुछ नहीं है हलवे न्यूमेरिकल है सारे सारे हलवे एकदम मीठे मीठे ठीक है उसके बाद वी एम और एच आई फाइंड करना था आपने फॉर्मुला लगा दिया पुट कर दिया और सोल्व कर दिया v negative of minus, uh, negative of 54 आ गया, M के में पुट किया टू स्टैंड मोर देन वन ग्रेटर देन वन ग्रेटर देन वन है तो भाई एनलार्ज uh, लिखा जाएगा है ना एनलार्ज लिखा जाएगा लार्ज तो भी लिख दिया रियलेटेड लिख दिया यानी नेचर कंप्लीट हो गया और एच आई हाँ निकाल दिया हमने ये वाला फॉर्म लगा के एम इज इक्वल टू एच आई एच ओ ठीक है चलो बढ़िया हाँ जी एक सिंपल सा क्वेश्चन है ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है हर हर क्वेश्चन न्यूमेरिकल भी नहीं दूंगा भाई हर स्वाद देंगे आपको छप्पन बुक खिलाएंगे आपको ठीक है ना ठीक <laughs> है हाँ <laughs> मुझे पता है आशीम सर यही है ठीक <laughs> है तो मैग्निफिकेशन और फोकल लेंथ मैग्निफिकेशन और फोकल लेंथ ठीक है ना ये दो बातें पूछी हुई है प्लेन मिरर की पूछी हुई है मैग्निफिकेशन मैग्निफिकेशन और फोकल लेंथ ठीक है तो ऐसा है भैया आप जानते हो कि प्लेन मिरर तो बिल्कुल सीधा है बिल्कुल सीधा है है ना और जितने डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट रखा होता है उतने ही डिस्टेंस पर उसकी क्या बनती है इमेज बनती है ये भी आप जानते हो तो जब मैं, मैं का लगाता ना दोनों सेम है सेम साइज की बनती है जितने साइज का ऑब्जेक्ट होता है उतना ही साइज की इमेज होती है एम वन तो है? है तो मैग्निफिकेशन को क्या बोला जाएगा मैग्निफिकेशन को बोला जाएगा पॉजिटिव ये मैग्निफिकेशन है फोकल लेंथ क्या होगी तो मैं आपको बता देता हूं भाई फोकल लेंथ जो होती है प्लेन मिरर की वो होती है इन्फिनिटी ठीक है वो इन्फिनिटी होती है क्यों क्यों जी क्यों जी इन्फिनिटी क्यों होती है क्योंकि इसका सेंटर आप इमेजिन करो कि ये सीधा है ये बिल्कुल सीधा है है ना तो इसका कभी भी कर्वेचर जो है वो मिल पाएगा इसका जो कर्वेचर है यानी देखो अगर अगर ये होता मिरर लेट अस सपोज ये मिरर होता तो इसका कर्वेचर मिल जाता ये इसका कर्वेचर कंप्लीट हुआ यहां आपको सेंटर मिल गया यहां आपको फोकस मिल गया यस और नो नो यस और और सोचो ये और थोड़ा बड़ा होता ये और थोड़ा फैला होता ऐसे करके है ना ऐसे करके थोड़ा सा और फैला होता ये और थोड़ा सा फैला होता ऐसे करके तो इसका गोला थोड़ा और बड़ा बनता गोला और बड़ा बनता तो फोकस थोड़ा सा और दूर जाता यहां फोकस जाता है इसका सोचो ये थोड़ा सा और बड़ा होता तो और मतलब फैला होता तो सोचो ऐसा होता तो ये ऐसा होता तो ये तो इतना बड़ा गोला बनता है ना बोर्ड से भी बड़ा गोला बनता तो फोकस थोड़ा सा और क्योंकि सेंटर थोड़ा सा आगे मिलता तो फोकस और थोड़ा दूर मिलता तो ऐसे करते करते ये मिरर जो है वो बिल्कुल ही सीधा है वो बिल्कुल ही सीधा है तो इसका गोला कभी आपको मिलेगा क्या है ना ये कभी गोला हो पाएगा क्या गोलाकार बन पाएगा क्या कभी नहीं इन्फिनिटी पे जाकर के गोला बनेगा तो इसका जो फोकल पॉइंट है ना वो भी कहां खिसक जाएगा वो भी इन्फिनिटी खिसक जाएगा ठीक है तो फोकल लेंथ फोकल लेंथ ऑफ अ प्लेन मिरर इज इंफिनिटी ठीक है फोकल लेंथ ठीक सही है है ना फोकल लेंथ ऑफ द प्लेन मिरर इज इंफिनिटी समझ में आ गई ठीक है ना तो ये इसका गोला कभी नहीं मिलने वाला ये ऊपर जाने वाला नीचे जाने वाला तो इसका सेंटर भी कहां मिलेगा इंफिनिटी में मिलेगा है ना धीरे 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 करते 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 फैलाते फैलाते सीधा ले आए इसको पहले ऐसे था तो यहां सेंटर था और थोड़ा किया यहां सेंटर आ गया और थोड़ा किया यहां सेंटर आ गया और बड़ा किया यहां सेंटर आ गया और सीधा कर दिया तो सेंटर इन्फिनिटी भाग जाएगा इसका ऐसा है आई होप मैं समझा पाया आपको ये बात नेम द मिरर इन हेडलाइट ऑफ अ कार एंड सोलर फर्नेस एक और फैक्चुअल फैक्चुअल क्वेश्चन मैंने कहा था आपको कॉन्सेप्चुअल भी factual भी numerical भी न्यूमेरिकल हर टाइप का आज आपको स्वाद देना है भाई नेम द मिरर इन हेडलाइट ऑफ अ कार तो भाई कॉनकेव होता है कॉनकेव मिरर होता है और सोलर फर्नेस के अंदर भी कॉनकेव ही होता है भाई ठीक है कॉनकेव ही होता है दोनों के अंदर हेडलाइट में भी कॉनकेव होता है ऐसे करके लगा होता है यहां बल्ब लगा होता है तभी बीम निकल के ऐसे ऐसे जाती है तभी म निकल के ऐसे ऐसे जाती है इसमें से पैराबोलिक पैराबोलिक मिरर लगे होते हैं ये पैराबोलिक कॉन्केव मिरर होते हैं ये ठीक है और सोलर फर्नेस के अंदर मैंने आपको बता ही दिया सोलर कंसेंट्रेटर होता है ये है रेगुलर और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन जो कि आप तब से मेरे से पूछे जा रहे हो कि सर डिफ्यूज हो क्या होगी डिफ्यूज क्या होगी ये री डिफ्यूज ये री डिफ्यूज डिफ्यूज रिफ्लेक्शन है ये ठीक है एक स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन है या फिर सिंपल रिफ्लेक्शन भी बोलते हैं इसको या फिर इसको रेगुलर

ठीक है ना सौ परसेंट रिफ्लेक्शन नहीं दिखेगी उसके अंदर आपको तो इसलिए कागज रंगों वाला रिफ्लेक्शन तो कर पाता है लेकिन कंप्लीट रिफ्लेक्शन वो भी नहीं कर पाता व्हाइट व्हाइट पेपर की में बात कर रहा हूं ठीक है तो इसीलिए यहां आपको दिख रहा है ये एक, ये एक, एक स्पेक्युलर या एक सिंपल रिफ्लेक्शन का पार्ट है कि भाई जैसा पहाड़ है वैसा का वैसा आपको नीचे दिख रहा है है ना जैसा पहाड़ है वैसा का वैसा आपको ही नीचे दिख रहा है लेकिन यहां पर देखो जरा ये ये अयोध्या नगरी है ना नई नई सजी है ये है ना और इसमें हो रहा डिफ्यूज रिफ्लेक्शन कैसे पानी के अंदर आप देखो मंदिरों की जो छवि है वो बिल्कुल सही नहीं बन रही है ना बिल्कुल एकदम वैसी की वैसी रिफ्लेक्शन नहीं है जैसी सेम टू सेम रिफ्लेक्शन यहां पर बन रही है पहाड़ की ठीक है तो यहां पर जो एग्जाम्पल लेके आया हूं मैं वो स्पेक्यूलर का है और यहां पर जो लेके आया हूं, वो का है ठीक है ना उबड़ खाबड़ अगर सरफेस होगा तो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होगी कहीं, कहीं 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 निकल जाएगी लाइट पर यह मत समझना कि यहां पर लॉ फॉलो नहीं हो रहे लॉ दोनों जगह फॉलो हो रहे हैं वहां का सरफेस ही ऐसा उबर खाबड़ है है ना इसलिए कभी रिफ्लेक्टेड ऐसे चली जाती है कभी ऐसे चली जाती है कभी ऐसे चली जाती है ये होता है है ना समझ गए होगे बात आप बढ़ते हैं आगे ओके लिखा है इफ यू स्टैंड एक और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भैया इफ यू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर अगर आप एक प्लेन मिरर के सामने खड़े हो एक कॉनकेव मिरर के सामने खड़े हो और एक कॉन्वेक्स मिरर के सामने खड़े हो तो हाउ आवर इमेज विल अपियर हमारी इमेज कैसी दिखेगी तो भाई प्लेन मिरर के अंदर आपको नेचर लिखना पड़े अगर है ना नेचर लिखना पड़े तो ऑब्वियसली आप समझ रहे हो मेरी बात को के साइज़ वर्चुअल है ना इरेक्ट ऐसी दिखती है आपको ऐसी दिखती है आपको कॉन्केव के अंदर मोस्टली मोस्टली मैं उस स्पेशल केस की बात नहीं कर रहा मोस्टली पांचों केसेस की अगर आप बात करो एवरेजली बात करो अगर आप तो आपको दिखती है आपको दिखती है रियल है ना आपको दिखती है इनवर्टेड नो yes no, है ना और बड़ी छोटी दोनों दिख सकती है ठीक है तो मैं यहां पर वो नहीं लिख रहा कि भाई कब होगी डिमिनिश कब होगी वो आप अपनी सूझबूझ से समझ सकते हो इस बात को, है ना लेकिन हमेशा ही डिमिनिश बनाती, बनाती है लिख रहा हूं यहां पर ठीक है ना हमेशा ही डिमिनिश्ड हाईली हो जाएगी कभी कभी सिर्फ डिमिनिश होगी ठीक है ना वर्चुअल पीछे बनती है और इरेक्ट और इरेक्ट ठीक है तो ये बातें थी इनके बारे में है ना तो तो रिफ्लेक्शन हो गया कंप्लीट अब हम बात करेंगे रिफ्रैक्शन के बारे में है ना और अब जो स्पीड रहेगी वो थोड़ी सी तेज रहेगी क्योंकि हमने काफी मोटा मोटा पार्ट जो है वो डिस्कस कर लिया है है ना ये अपने आप में वैसे दो चैप्टर होने चाहिए रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन ये अपने आप में दो चैप्टर होने चाहिए इनकी जो टोटल लेंथ है वो यही है आठ से नौ घंटे की लेंथ रहती है इनकी दोनों चैप्टरों की मिलाकर के लेकिन आई होप उतनी लंबी लेंथ नहीं जाएगी क्योंकि हमने रिफ्रैक्शन रिफ्लेक्शन को बहुत डिटेल में पढ़ा है छोटी से छोटी बात भी हमने डिस्कस करी है तो इसमें हम थोड़ी सी स्पीड को पकड़ सकते हैं और इसमें दो एडिशनल टॉपिक भी है आपको बता दूं <laughs> एक रिफ्रेक्टिव इंडेक्स और एक पावर ऑफ द लेंस ठीक है ना तो उसको भी हम लोग करेंगे ठीक है ब्रेक की मेरे ख्याल नीड नहीं है अभी है ना तो खाना वाना खाना हो तो मैं आपको न, ब्रेक दे सकता हूं अभी नहीं लेकिन आपको ब्रेक देते हैं हम स्लैब कराने के बाद ठीक है चलो तो स्लैब से पहले दे दूंगा आपको स्लैब से पहले ठीक है ना स्लैब से पहले ब्रेक लेना फिर खाना वाना खा लेना फिर खाने के बाद फिर मिलते हैं ठीक है ना अभी इसको पढ़ा रहा हूं आपको रिफ्रेक्शन को ठीक सब है सबसे पहले रिफ्रेक्शन के बारे में छोटी है कि उसने लाइट को वापस भेजा ही नहीं ठीक है चैट रोक दो बेटा सरफेस ही कुछ ऐसा है कि उसने लाइट को भेजा ही नहीं उसने लाइट को अपने अंदर घुसा लिया है ना अपने अंदर ही रख लिया उसने लाइट को है ना और फिर उसको एमिट कर दिया लाइट आई उसको एमिट कर दिया अपने थ्रू गुजार दिया उस लाइट को, है ना? That is what is all about. Refraction का मतलब लाइट का बेंड होना जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में वो जाएगी तो क्या सर हमेशा जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो बेंड होगी क्या देखते हैं देखते हैं बात करेंगे इस बारे में कि हर बार ही क्या रिफ्रेक्शन होती है क्या नहीं ऐसा नहीं है ऐसे दो केस हैं जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जाएगी तो भी रिफ्रैक्ट नहीं करेगी ठीक है उड़ान रिलोडेड के अंदर काफी डिटेल में बात करी गई इस बारे में जब लेक्चर आपको मिलेगा तो आपको पता चलेगा ठीक है तो चलिए भाई शुरू करते हैं और समझते हैं कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है क्या देखो यार देखो यार जब कभी वेन एवर लाइट मूव इन इन वन सेम मीडियम इट फॉलो स्ट्रेट लाइन पाथ बिल्कुल सही बात है भाई जब तक लाइट एक मीडियम को पकड़ के चलती रहेगी तब तक वो सीधी सीधी लाइन में चलती रहेगी ठीक है, जब तक वो एक लाइन एक सेम मीडियम में चलती रहेगी तब तक वो सीधी सी चलती रहेगी जैसे ही मीडियम बदला जैसे ही मीडियम बदला लाइट अपना मार्ग बदल लेती है लाइट अपना रास्ता चेंज कर लेती है किसी और पाथ पे बेंड होकर के कोई और एंगल पे निकलती है ऐसा होता है ये अब देखा गया है भाई होता है है ना ये अब ऑब्जर्वेबल फिनोमिना है कि भाई होता है ऐसा ठीक है जैसे यहां हो रहा है भाई

ठीक है ना एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जब लाइट जाती है तो बेंड हो जाती है ऐसा क्यों होता है बताता हूं वेलोसिटी बदल जाती है लाइट की सर वेलोसिटी जो लाइट की है वो तो फिक्स रहनी चाहिए है ना और वेलोसिटी ऑफ लाइट जो होती है वो रे थ्योरी के हिसाब से ये होती है थ्री इंटू टेन की पावर एट मीटर पर सेकेंड अच्छा बेटा सही बात है सही बात है बेटा

एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने से लाइट की स्पीड कुछ कम हो जाती है अगर वो वाला मीडियम हो तो अब क्या होता? अभी बात करेंगे एयर में, में, तो में और वैक्यूम में कहा रहती है एयर में और वैक्यूम में ठीक है तो ये जो स्पीड है ये जो स्पीड है ये, ये एयर के लिए और वकूम के लिए वकूम ठीक है ठीक है भाई एयर के लिए और वैक्यूम के लिए है यह स्पीड थ्री इंटू टेन की पावर एट ठीक है एयर के लिए और वहूम ठीक है के लिए स्पीड स्पीड रहती है अदरवाइज क्या होगी कम हो जाएगी माने अगर कांच में घुसी स्पीड कम वाटर में घुसी स्पीड कम आंख में घुसी स्पीड कम तेल में घुसी स्पीड कम पेट्रोल में घुसी स्पीड कम डीजल में घुसी स्पीड कम डायमंड में घुसी स्पीड कम, कम जितने भी ट्रांसपेरेंट मीडियम है इस पूरे संसार के अंदर एयर और वैक्यूम को छोड़ करके उनमें घुस करके स्पीड घटती ही घटती है लाइट की

दोनों बार लाइट क्या करेगी मुड़ेगी एक बार यहां मुड़ी और फिर एक बार यहां मुड़ी दोनों बार मुड़ेगी ठीक है ट्रांसपेरेंट मीडिया की बात कर रहे हैं ठीक है? है? है. है जो ट्रांसपेरेंट मीडिया होते हैं कुछ कुछ मैं एग्जाम्पल यहां पर लिख रहा हूं ट्रांसपेरेंट मीडिया के आप सुनते जाना ठीक है जैसे एयर एक ट्रांसपेरेंट मीडिया है मीडियम है वैक्यूम एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है कांच एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है जल एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है केरोसिन मिट्टी का तेल एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है तारपीन का तेल टर्पेंटाइन ऑयल इंग्लिश में कहते हैं टर्पेंटाइन ऑयल हिंदी में बोलते हैं तारपीन का तेल एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है आप लोग घर में खाना पकाने के लिए वेजिटेबल ऑयल यूज करते हो एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है कई सारे ऑयल्स हैं जो ट्रांसपेरेंट मीडियम होते हैं इसमें पेट्रोल डीजल वगैरह सब आते हैं वो सब भी ऑयल्स ही हैं ठीक है और डियामोड माने हीरा वो भी एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है इसके अलावा एटसेट्रा भी एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है क्योंकि मैं इतने सारे लिख सकता बतेरे लिख दिए भाई ठीक है तो कई सारे ट्रांसपेरेंट मीडियम है है ना अब होता क्या है कि जो ट्रांसपेरेंट मीडियम होते हैं उनमें से उनमें से चैट रोक दो भाई चैट रोक दो चैट पर ध्यान रहेगा उनको समझाने के चक्कर में जो दूसरी पार्टी वाले आए हुए हैं उनको समझाने के चक्कर में आप क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो अपना आप पढ़ने पर ध्यान दो छोड़ो छोड़ो वो अपना काम कर रहे हैं अपना काम करेंगे यस राइट राइट चलो हाँ तो दो मीडियम के ना कंपैरिजन में क्या बोला दो मीडियम के कंपैरिजन में एक रेरर निकलता है एक डेंसर निकलता है एक रेरर निकलता है एक डेंसर निकलता है है ना जैसे दो फेसेस कभी सेम नहीं होते है ना एक थोड़ा सा ज्यादा काला होगा एक थोड़ा ज्यादा गोरा होगा लोगों की बात करूं है ना एक थोड़ा लंबा होगा एक थोड़ा छोटा होगा एक थोड़ा मोटा होगा थोड़ा पतला होगा है ना कुछ ना कुछ दो में अंतर रहता है तो इसी तरीके से दो मीडियम में भी आपस में कंपेयर करें इन दोनों में इन 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 दोनों 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 में के इन दोनों में में दोनों में जितने मर्जी मर्जीजन आप कर लो आपको एक रेरर और एक डाय एक रेरर और एक डेंसर मिलेगा मिलेगा एक रेरर मिलेगा उसके मुकाबले दूसरा क्या मिलेगा डेंसर मिलेगा ऐसा होता है तो अब रेरर मीडियम कहते हैं किसको है सुन लेते हैं रेरर मीडियम जो होता है वो होता है विच एज लेस डेंसिटी जिसकी डेंसिटी कम हो रेरर का मतलब यही हो गया ना जो रेरिटी ज्यादा है रेरिटी का मतलब क्या है गैप्स ज्यादा है ऑप्टिकल गैप्स हैं बेटा ये ध्यान रखना ये ये रो इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम नहीं है कृपया समझें ये मास डेंसिटी नहीं है ये ऑप्टिकल डेंसिटी है दिस इज समथिंग एल्स ये कुछ और है <laughs> ये वो रो नहीं है ये मास अपॉन वॉल्यूम नहीं है बेटा ठीक है ये मास डेंसिटी नहीं है कई आस समझो कभी सबसे ज्यादा डेंसिटी इस चीज की तो वो ज्यादा डेंसर होगा ऐसा नहीं है ठीक है ये मास डेंसिटी नहीं है ये ऑप्टिकल डेंसिटी जिसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं आगे जाके पढ़ेंगे उसको हम ठीक है तो लेस डेंसिटी एंड स्पीड ऑफ लाइट इज मोर इन इट जिसमें डेंसिटी कम होती है है ना उसमें स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होती है ऐसा सम्झो, ऐसा समझो समझो जो कम डेंस है ना वो छोटा मोटा आदमी है छुटवैया है वो है ना तो उसमें से तो लाइट ऐसे चीर के निकल जाती है उसको लाइट को रोक नहीं पाता उखाड़ नहीं पाता बिगाड़ नहीं पाता कुछ लाइट का वो समझ गए रेरर मीडियम जो है वो लाइट का कुछ बिगाड़ नहीं पाता लाइट उसमें से आर पार होकर निकल जाती है अपनी तरफ ज्यादा मोड़ लेता है ज्यादा रिफ्रेक्शन कर देता है ज्यादा स्पीड घटा देता है लाइट की ठीक है तो लाइट की जो स्पीड है वो क्या होती है ज्यादा घट जाती है कम हो जाती है लाइट की स्पीड ठीक है ना एंड स्पीड ऑफ लाइट इज लेसर इन इट ठीक है स्पीड ऑफ लाइट जो होती है वो कम हो जाती है रिफ्रेक्टिव एंगल भी इसका कम हो जाता है कसके पकड़ लेता है उसको अभी आगे दिखाऊंगा मैं आपको कैसे रिफ्रेक्शन होती है ठीक है बढ़ते हैं आगे ये देखो भाई ये कुछ फिनोमिना है जो देखने में आते हैं रिफ्रेक्शन के आप एक पेंसिल को डालो है ना ग्लास के अंदर है ना तो आपको वो टूटी हुई दिखती है ऐसा लगता है कि दो टुकड़े हो हुए आगे पीछे आगे पीछे टुकड़े हो गए हैं उसके ठीक है ना इस तरह से लगता है ऐसे यहां पर भी देखो जरा

बोर्ड पे ध्यान स्क्रीन पे ध्यान ओनली फुल स्क्रीन करके देखा करो इसलिए चैट चैट में में मत लगा करो ज्यादा। नहीं लगना, ठीक है? ये जो है ये ही substance जो है, वो अलग अलग डेंसिटी वाले हैं एक रेरर है और एक डेंसर है ठीक है ना एक रेरर है और एक डेंसर कौन रेरर कौन डेंसर है बाद में देखेंगे उसको ठीक है ना लेकिन लाइट आई ये इंसिडेंट रे देखो लाइट आई 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 यहां टकराई यहां टकराई है ना ये क्या है ये क्या है इसको बोलते हैं इंटरफेस जो ये बाउंड्री लिखा है ना इस बाउंड्री का टेक्निकल नेम होता है इंटरफेस है ना ये इंटरफेस ऑफ टू मीडियम है उन दोनों के बीच का बाउंड्री उन दोनों के बीच का बॉर्डर तो ये बॉर्डर है बॉर्डर ठीक है ना बीच का बॉर्डर है और ये आपने खींचा नॉर्मल नॉर्मल खींचना पड़ता है क्योंकि उसी से एंगल नापने पड़ते हैं उसी से एंगल नापने पड़ते हैं तो इसलिए इसको खींचना पड़ता है ठीक है तो ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्रेक्शन अब क्या होगा ये लाइट ऐसे आ रही है ना तो ऐसे जानी चाहिए थी कि नहीं जानी चाहिए थी बताओ भाई जिस रस्ते आ रही है उस रस्ते, चली जाए जिस रस्ते आ रही है उस रस्ते, निकल जाए लेकिन ऐसा नहीं होता ऐसा नहीं होता जब मीडियम बदलेगा ना तो लाइट अपना रुख बदल लेती है लाइट अपनी दिशा बदल लेती है लाइट की दिशा पहले ये थी ये वाली थी है ना ऐसी दिशा थी लाइट की लेकिन क्या हुआ ऐसे जाने की बजाय ये इस तरफ को मुड़ गई ऐसे जाने की बजाय ऐसे हो गई ऐसे जाने की बजाय ऐसे हो गई है ना ये मुड़ गई ये मुड़ गई क्यों मुड़ गई बता तो रहा हूं स्पीड कम हो जाती है इसलिए स्पीड कम हो जाती है तो वो दूसरा पाथ ले लेती है तेज निकलने के लिए ऐसी एक थ्योरी दी जाती है कोई पूछे मुड़ती क्यों है तो स्पीड कम होने की वजह से वो पाथ को जल्दी ट्रेवल करने के चक्कर में मुड़ जाती है ऐसा कहते हैं डेंसर मीडियम में वो ज्यादा टिकना नहीं चाहती डरती है ना बोला ना डेंसर मीडियम डरती है तो जल्दी जल्दी पार करना चाहती है उसको तो ऐसी एक थ्योरी मार्केट में चलती है पूरी तरह से प्रूवन नहीं है अलग अलग साइंटिस्ट अलग अलग बातें बोलते हैं इसके लिए आप एथसी वर्मा सर को सुनोगे कुछ और बताते हैं वो है ना और मिचियो काकू को सुनोगे अलग बताता है भाई कुछ वो ऐसी बहुत सारे और भी है नॉर्वे के साइंटिस्ट ने कुछ और बताते हैं तो भाई कुछ प्रूवन नहीं है ये बात कि भाई मुड़ती है तो क्यों मुड़ती है बोला स्पीड कम हो जाती है ठीक है तो फिर क्या होगा स्पीड कम हो जाती है तो बोलते हैं कि भाई स्पीड कम हो जाती है ना तो वो जल्दी से निकलना चाहती है इसलिए अपने पाथ को छोटा कर लेती है शॉर्टर पाथ लेती है वो ऐसी एक थ्योरी है मार्केट में ठीक है तो यह कहानी है भाई यह सब इंपॉर्टेंट टर्म्स है इंसिडेंट रे किसको कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इसको बोलते हैं ये वाला जो पॉइंट है इसको पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं ठीक है रिफ्रैक्टेड रे किसको बोलते हैं ये आपकी रिफ्रैक्टेड रे है जो ऐसा निकल गई नीचे की तरफ ये नहीं है भाई ये नहीं है ये नहीं है ये तो होती मैं कह रहा था यह तो होती ये है नहीं ये वाली है नहीं ये वाली है नहीं कुछ नहीं है वहां पे, ठीक है ना ये रिफ्रेक्टेड रे है और नॉर्मल क्या है नॉर्मल रे नहीं होती भाई किसने लिखा है, है ये सस्ते नशे ओपी नॉर्मल कोई रे नहीं है भाई नॉर्मल तो बस एक नॉर्मल तो बस एक लाइन है ना जिसको सरफेस से नॉर्मली खींचते नाइनटी डिग्री पर सरफेस से खींचते हैं कुछ नहीं है वो द परपेंडिकुलर ड्रॉन टू द इंसिडेंट पॉइंट ठीक है ना एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्रेक्शन ये रहा नॉर्मल के साथ नापा जाता है हमेशा ये एंगल ऑफ इंसिडेंस ओहो 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 ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये एंगल ऑफ रिफ्रेक्शन है ना नॉर्मल के साथ आ रहा ये है ये नॉर्मल है ये नॉर्मल है नॉर्मल के साथ आता है ये ठीक है ना ये आप जानते हो ये आप समझते हो ठीक है अक्षिता पूछ रही है वेवलेंथ भी चेंज होती है क्या या 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 लॉज बढ़ते हैं रिफ्रैक्शन के ठीक है जैसे रिफ्लेक्शन के दो लॉज थे वैसे ही रिफ्रैक्शन के भी दो लॉज हैं बेटा उसमें से एक लॉ बहुत सिंपल है और सेम है जैसा रिफ्लेक्शन वाला था तो मैं उसको एक्सप्लेन नहीं करने वाला आगे बढ़ते हैं है ना पहला लॉ है वैसे भी इंसिडेंट रे नॉर्मल नॉर्मल सस्ते नशे एंड एंड रिफ्रैक्टेड रे ऑल लाइ ऑन द सेम प्लेन पेपर ठीक है ना सब एक ही प्लेन पर लाई करती है ऐसे आएगी ऐसे आएगी इंसिडेंस तो ऐसे जाएगी रिफ्रैक्शन ऐसा नहीं होगा देख ऐसा नहीं होगा देख ऐसे इंसिडेंट आई है ऐसे नॉर्मल बनाया है ऐसे नॉर्मल बनेगा ना ऐसे इंसिडेंस आएगी ऐसे नॉर्मल बनेगा तो रिफ्रैक्टेड जो है वो ऐसे निकल गई वो प्लेन से बाहर आ गई ऐसा नहीं होगा या प्लेन के अंदर घुस गई ऐसा भी नहीं होगा उसी प्लेन में रहेगी ठीक है ना उसी प्लेन में रहेगी ऐसे इंसिडेंट और ऐसे रिफ्रैक्टेड ऐसे इंसिडेंट

ट्रिग्नोमेट्री तो हमने पढ़ी ही नहीं है सर क्या साइन कॉस टेन की बातें कर रहे हो हमारे आगे आप बता रहा हूं भाई बता रहा हूं चिंता ना कर बता रहा हूं बताऊंगा है ना ट्रिगनोमेट्री नहीं बताऊंगा इसका मतलब बताऊंगा जरूर ट्रिग्नोमेट्री नहीं है आपके सिलेबस में मतलब मैंने पढ़ा नहीं है आपको है ना लेकिन मैं मतलब जरूर बताऊंगा इसका आपको लॉ ये कह रहा है कि रेशियो ऑफ साइन ऑफ रेशियो का मतलब डिवाइड हो गया साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस का मतलब हो गया ये देखो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी साइन आई है ना टू टू मतलब उसके साथ लेते हैं जब तो टू लिखते हैं बीच में है ना साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यानी साइन आई बाई साइन आर का रेशियो हमेशा कांस्टेंट मतलब का रहता है इसका क्या मतलब है इसका मतलब यह है कि किसी पर्टिकुलर आई के लिए कोई पर्टिकुलर आर फिक्स है किसी पर्टिकुलर आई के लिए कोई पर्टिकुलर आर फिक्स है 30 डिग्री पर डालूंगा तो पंद्रह पे ही निकलेगा तीस डिग्री पर डालूंगा तो पंद्रह पे ही निकलेगा तीस डिग्री पर डालूंगा तो पंद्रह पे ही निकलेगा अच्छा इकतीस कर दिया तो सर कुछ और होगा फिर फिर सोलह होगा तो आर कॉन्सेंट नहीं है लेकिन आई बाई आर का रेशियो कॉन्सेंट है किसी आई के लिए कोई आर फिक्स है हमेशा ठीक है ये इसका मतलब है किसी आई के लिए कोई आर फिक्स है तीस पे डालूंगा पंद्रह पे निकलेगा तीस पे डालूंगा पंद्रह पे निकलेगी लाइट ठीक है ना अगर आई इंसिडेंट एंगल थर्टी है तो रिफ्रैक्टिव एंगल पंद्रह होगा ये फिक्स है लेकिन ये कब तक फिक्स है क्या ये यूनिवर्सल लॉ है क्या यूनिवर्सल लॉ है इस लॉ का नाम है स्नेल्स लॉ मैं आपको बता देता हूं इस लॉ का जो नाम है वो है स्नेल्स लॉ स्नेल्स लॉ तो क्या सर क्या सर ये लॉ यूनिवर्सल लॉ है क्या ये यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है नहीं बेटा नहीं ये कंडीशनल लॉ है ये कंडीशनल लॉ है क्या कंडीशन है सर कंडीशन ये है बेटा जी कंडीशन ये है बेटा जी आपका पेयर ऑफ मीडिया कॉन्स्टेंट रहना चाहिए क्या मतलब हुआ इस बात का, का? पेयर ऑफ मीडिया कॉन्स्टेंट रहने का क्या मतलब है सर पेयर ऑफ मीडिया कॉन्स्टेंट रहने का मतलब होता है कि आपने एयर फिक्स कर रखा था और वाटर फिक्स कर रखा था वैसे ही रखो बदलो मत अगर लाइट एयर से आ रही है तो वाटर में ही भेजो अगर लाइट एयर से आ रही है तो वाटर में ही भेजो अगर लाइट एयर से आ रही है तो वाटर में भेजो तब आपका आई और आर फिक्स रहेगा आई आपका तीस रहेगा आर आपका पंद्रह मैं ऐसी बता रहा हूं आपको पंद्रह तीस कुछ भी हो सकता है, है ना कुछ भी रेशियो हो सकता है मैं ऐसी बता रहा हूं बस आपको एग्जाम्पल के लिए ठीक है ना तो आपने एयर और वॉटर चेंज नहीं करना वॉटर एयर नहीं कर देना एयर वॉटर ही करना एयर से आए वॉटर में जाए एयर से आए वाटर में जाए यही करना है आपने अगर आपने वाटर हटा करके ग्लास लगा दिया बोले तो बोले तो एयर से आए ग्लास में जाए एयर से आए ग्लास में जाए एयर से आए ग्लास में जाए तो तू तीस पे डाल पंद्रह पे नहीं निकलेगा बीस पे, पे, पे निकलेगा अठारह पे निकलेगा किसी और एंगल पे निकलेगा इसका कॉन्सटेंट चेंज हो जाएगा ये कोई नया कॉन्सेंट के बराबर हो जाएगा ये मतलब है इस बात का अगर आपने पेयर ऑफ मीडिया चेंज किया तो साइन आई बाई साइन आर कॉन्सेंट नहीं रहेगा कुछ और नया कॉन्सेंट हो जाएगा तब तो इसके चेंज करते ही यह बात है इसकी यह मतलब है इस बात का ठीक है फिर से समझा रहा हूं एक बार फिर से सुनो एयर से आ रही है वाटर में जा रही है एयर से आ रही है वाटर में जा रही है एयर से, से आ रही है वाटर में जा रही है तीस पे डालो पंद्रह पे निकलेगी तीस डालो पंद्रह पे निकलेगी तीस पे डालो पंद्रह पे निकलेगी लेकिन एयर से आ रही है वाटर में नहीं जा रही कांच में जा रही है ग्लास में जा रही है तब पंद्रह पे डालोगे

गी, गी तो को चेंज करने का मतलब होता है रंग चेंज करना लाइट का रंग चेंज करना अगर लाइट आपने नीले रंग की डाली लटर सपोज लटर सपोज नीले रंग की लाइट डाली तीस पे पंद्रह पे निकल गई नीले रंग की लाइट डाली तीस पे पंद्रह पे निकल गई नीले रंग की लाइट डाली तीस पे पंद्रह पे निकल गई लाल रंग की लाइट डालो तीस पे पंद्रह पे नहीं निकलेगी कोई और एंगल पे निकलेगी लाल रंग की लाइट डालो तीस पे पंद्रह पे नहीं निकलेगी कोई और एंगल पे निकलेगी लाल रंग की लाइट डालो तीस पे पंद्रह पे नहीं निकलेगी कोई और एंगल पे निकलेगी ये कहता है स्नेल्स लॉ ये कहता है स्नेल्स लॉ स्नेल्स लॉ यानी साइनाई बाई साइन आर तभी तक के लिए कॉन्स्टेंट है जब तक आप पेयर ऑफ मीडिया ना चेंज करो और रंग ना चेंज करो लाइट का माने वेवलेंथ ना चेंज करो ठीक है तो पेयर ऑफ मीडिया चेंज नहीं होना चाहिए और वेवलेंथ चेंज नहीं होनी चाहिए तब तक साइन आई बाई साइनार का रेशियो कॉन्सटेंट बना रहेगा नहीं तो कॉन्सटेंट नहीं रहेगा चेंज हो जाएगा दैट इज स्नेल्स लॉ ठीक है रिफ्रैक्शन वेन लाइट पासिस फ्रॉम डेंसर टू रेयर अब ये अब यह कुछ रूल आ रहे हैं ये रूल आपको नोट करने हैं नोट करने का टाइम मैं आपको दूंगा ठीक है ये रूल आपको नोट करने हैं ये रूल नंबर वन है ठीक है ये रूल नंबर वन है रिफ्रैक्शन का कि जब लाइट किसी डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम में जाए तो क्या हो किसी डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम में जाए तो क्या हो तो लेटस सपोज लेटस सपोज ये आपका सरफेस है है ना टेढ़ा बन गया क्या ले भाई ले भाई गुस्सा ना हो भाई गुस्सा ना हो यह आपका सरफेस है ठीक है यह आपका सरफेस है ठीक है ऊपर वाला जो मीडियम है वो एयर है कहां से डेंसर रह से एयर जा रही है क्या चलो ठीक है ऊपर ग्लास है ऊपर कांच है और नीचे एयर है ठीक है एयर इज रेरर मीडियम एज कंपेयर टू ग्लास एयर इज अ रेरर मीडियम एज कंपेयर टू ग्लास जो कि डेंसर है ठीक है तो लाइट कहां से आ रही है ग्लास से जा रही है एयर में ये लो जी ठीक <todans> है तो ये लाइट आई और इतनी मोटी क्यों आ रही है भाई ये ये लाइट आई ये लाइट आई ठीक है यहां आपने नॉर्मल खींचा अब सीखते जाना कैसे कैसे करना है साथ 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 करने का साथ साथ करने का साथ साथ करने का, साथ -साथ करने का। ये आपने नॉर्मल खींचा ठीक है ये आपने नॉर्मल खींचा यहाँ पे है ना जिधर गिरती हो है उधर नॉर्मल खींचते हैं तो ये नॉर्मल आपने खींच लिया ठीक है ये आपका नॉर्मल है ये जो आपका बनेगा ये बनेगा एंगल आई ठीक है ये बनेगा एंगल आई ओके अब रूल क्या कहता है रूल ये कहता है कि जब लाइट पास करती है डेंसर से रेरर में ठीक है जब डेंसर से जाएगी रेरर में तो नॉर्मल से दूर जाती है अवे फ्रॉम नॉर्मल जाती है नॉर्मल की तरफ नहीं आएगी तो नॉर्मल की तरफ नहीं उड़ेगी अवे जाएगी भाई रिफ्रैक्शन होना तो पक्का है ना मुड़ेगी तो पक्का ना मीडियम चेंज हुआ है नहीं हुआ अरे ग्लास से एयर में जा रही है नहीं जा रही मीडियम चेंज हुआ है ना अगर मीडियम चेंज हुआ है तो भाई एंगल तो चेंज होगा लाइट सीधी नहीं निकल सकती यह बात श्योर है पक्की है श्योर बात है नहीं हो सकती सीधी नहीं जा सकती है यह तो मुड़ेगी मुड़ेगी तो मुड़ेगी तो कैसे मुड़ेगी भाई मुड़ेगी तो कैसे मुड़ेगी भाई ये अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगी ऐसे ऐसे जाएगी समझ गए यानी ये वाला जो एंगल है ये वाला जो एंगल है एंगल आर यह बहुत बड़ा रहता है ठीक है ये बहुत बड़ा रहता है ये काफी बड़ा रहेगा किस साइड का रेरर रे साइड का अगर डेंसर से रेरर में लाइट आ रही है तो ठीक है तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है यहां मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं इसको कि अगर डेंसर से रेरर में लाइट जा रही है तो बेंड्स बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल ठीक है नोट कर लियो इस बात को भाई अगर डेंसर से रेरर में जा रही है अगर डेंसर से रेरर में जा रही है तो बेंड करेगी अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड करेगी अवे फ्रॉम नॉर्मल नोट करो जल्दी से बताओ बताओ नोट हो गया नहीं हो गया ओपी ओपी बाद में करना भाई चैट में चैट को चैट की तरह यूज करो भाई अरे मेरी हेल्थ की छोड़ ये बताओ बना लिया नहीं बना लिया जल्दी से नोट हो गया नोट हो गया ठीक है क्लियर है डन है ओके यस सर डन रेडबुल नहीं है भैया हम खुद ही रेडबुल यहां रूल नंबर टू रूल नंबर टू ठीक है जी रूल नंबर टू सुने अब क्या है रूल नंबर टू ये है कि अगर अगर रेरर से रेरर से डेंसर में लाइट जा रही है तो क्या होगा यानी उल्टा उल्टा पिछली बार क्या था पिछली बार क्या था डेंसर से रेरर था इस बार क्या है रेयर से डेंसर है तो यह बेंड करती है टूवर्ड्स नॉर्मल नोट करते ना साथ साथ ठीक है थोड़ा सा तेज चल रहे हैं नोट करते है ना साथ साथ ठीक है रेयर सेडेंसर तो बेंड बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल ठीक है नॉर्मल की तरफ मुड़ेगी ये बना के दिखा रहा हूं आपको ये आपका सरफेस है बोले तो इंटरफेस है ये है ना दोनों दोनों मीडियम के बीच का ये इंटरफेस है तो इस बार रेयर से डेंसर तो ऊपर एयर लेते हैं ऊपर एयर लेते हैं और नीचे वाटर लेते हैं डेंसर मीडियम को ही ठीक है तो दिस इज डेंसर ठीक है दिस इज डेंसर एंड दिस इज रेरर ठीक है ये रेरर है ओके अब रेरर डेंसर में जा रही है तो क्या किया जाए भाई ये देखो यार ये लाइट आई ठीक है जहां भी गिरी है नॉर्मल बना दो भाई जिधर भी गिरी है टेंशन कोई नहीं है नॉर्मल बना दो यहां ये नॉर्मल बन गया ये नॉर्मल बन गया ये एंगल जो आया वो आया एंगल आई है ना ये इंसिडेंट रे है ये इंसिडेंट रे है ये नॉर्मल है तो इनके बीच का एंगल जो होता है वो होता है एंगल आई है ना और ये बेंड करेगी टूवर्ड्स नॉर्मल यानी नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगी बहुत बच्चे बिल्कुल सही लिख रहे हैं और बनाते भी जाएं बेटा साथ साथ प्रैक्टिस भी करते जाओ टाइम मिल रहा है आपको मैं हल्का सा स्लो पढ़ा रहा हूं तो आप करते भी जाओ इस चीज को नोट ठीक है आइडियल स्लो ही है तो मैं लग रहा होगा तेजा आइडियली स्लो ही है भाई ये ठीक है तो ऐसे निकलेगी बेटा ये ऐसे निकलेगी ठीक है थीके? और ये वाला जो एंगल होगा ये होगा एंगल आर ठीक है ना क्योंकि ड्रॉ करना पड़ता है तो वो सफाई से ही करना पड़ता है अब इसको आप स्लो बोलो तेज बोलो बोलो तेज जो मर्जी बोलो। तो सफाई से करनी पड़ती है भाई ठीक है नोट करते जाना भाई ठीक है ये होगा एंगल आर तो यहां आप देख सकते हो कि एंगल आर जो है एंगल आई से छोटा है वहां पर एंगल आर जो था एंगल आई से बड़ा था यहां पर छोटा बन रहा है ठीक है नोट कर लियो भाई जल्दी से बोलो जल्दी नोट हो गया क्या नोट हो गया क्या जल्दी से नोट हो गया क्या पॉइंट नोटेड सर अच्छा रॉजर दैट रॉजर दैट ठीक है ब्रेक दे रहा हूं भाई ब्रेक दे रहा हूं खाने का ले लो ब्रेक फूड ब्रेक यू नीड फूड ब्रेक आई नीड नो ब्रेक ब्रेक दे रहा हूं भाई कितनी देर का तू जल्दी बोलो पंद्रह मिनट में खा लोगे खाना पंद्रह मिनट में खा लोगे पंद्रह पंद्रह मिनट पंद्रह पंद्रह मिनट जल्दी से हाँ ब्रेक दे रहे हैं पहले ब्रेक की स्पेलिंग ठीक लिखा करो यार बीस मिनट तो ज्यादा है नहीं बीस मिनट ज्यादा है ना ना बीस ज्यादा है बीस ज्यादा है पंद्रह देता हूँ पंद्रह चलो ना तुम्हारी ना मेरी पंद्रह ठीक है कुछ दस लिख रहे हैं कुछ बीस लिख रहे हैं तो हम एवरेज दे रहे हैं पंद्रह ठीक है खाना पहले बनवा लो ना जल्दी से है ना ठूसाओ फटाफट जा करके फटाफट जाके ठूसाओ खाने को ठीक है मिलते हैं मिलते हैं फिफ्टीन मिनट्स में फिफ्टीन मिनट्स में मिलेंगे ठीक है पंद्रह मिनट ले भाई ले इससे ऊपर टाइम नहीं मिलेगा ठीक है नहीं बीस नहीं पंद्रह पंद्रह में ठूसा हो गया यार कोई दिक्कत नहीं है मस्त खा लेना पंद्रह में हेलो 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 आवाज आ रही है क्या जल्दी से बता दो भाई जल्दी से बता दो आवाज आ रही है कि नहीं आवाज आ रही है कि नहीं बोलो भाई बोलो जल्दी बोलो भाई आवाज आ रही है कि नहीं आ रही आवाज ओपी आवाज ओपी ए, जल्दी बताओ ठीक है ठीक है आवाज ओपी है चलो यार पढ़ाई शुरू करें पढ़ाई शुरू करें हाँ ऐसा भाई ग्लास सब इंपॉर्टेंट है ग्लास स्लैब इंपॉर्टेंट है चाहे एमसीक्यू आए चाहे सब्जेक्टिव आए आपके स्कूल में जैसा मर्जी पेपर आए भाई ग्लास स्लैब आपको करके जाना ही जाना है डेफिनेटली करके जाना है आओ बनाता हूं। आओ बनाए भाई आप ऐसा कुछ इमेजिन कर लो के 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 नहीं, नहीं, के 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 क्या सेटिंग्स फिल कलर ठीक है कुछ ऐसा इमेजिन कर लो भाई कुछ ऐसा इमेजिन कर लो ठीक है ब्लू का, कलर, कलर, कलर मान लो जो मर्जी कलर मान लो ड मैटर बस वो दिखे मैंने इसलिए ऐसा लिया ताकि आपको जो लाइट आने वाली है उसका रंग आपको पूरा दिखे ठीक है क्या आवाज कम आ रही है लो वॉइस एक मिनट एक मिनट एक मिनट जाओ मिनटाओ जाओ रुक जाओ भाई रुक जाओ एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड hello 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 हाँ जी आवाज़ ठीक है अब आवाज़ ठीक है आवाज़ ठीक है एकदम ओके है। माइक चेक साउंड चेक ऑल ओके ऑल गुड देखो भाई हाँ जी देखो भाई देखो फटाफट जल्दी से आप पता है पता है, वॉइस क्लियर है भाई क्लियर है ओके।, ओके 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 रिपोर्ट है हाँ हाँ ओके रिपोर्ट है कोई दिक्कत नहीं ठीक है ना चलो देखो अब ऐसा भैया जिनको जिनको वॉइस लो लग रही है वॉइस वॉल्यूम तेज कर ले अपने पीसी कंप्यूटर वगैरह जो जहां भी देख रहे हो आप मेरे को ठीक है ना रिफ्रेक्शन थ्रू ग्लास स्लैब पढ़ने जा रहे हैं एक ग्लास स्लैब क्या होता है भाई स्लैब का मतलब होता है क्यूबॉइडल सरफेस ठीक है ना एक क्यूबॉइडल सरफेस है जो की कांच का बना हुआ है ऐसा समझो ठीक है एक क्यूबॉयडल सरफेस जो की कांच का बना हुआ है आप ऐसा समझिए ठीक है तो वो जो कांच का सरफेस है उसको ऐसे रख दिया टेबल पर समझ लो उसको हॉरिजॉन्टल रख दिया लेटा दिया उसको ठीक है ना उसको लेटा दिया टेबल पर राइट अब क्या कर रहे हैं अब ये कर रहे हैं कि भाई एक लाइट रे लिया है ना एक लाइट रे लिया और उसको एक इंटरफेस पर मारा दे करके है ना एक बाउंड्री पर उसको दे के मारा जो ये लाइट है इसको बोलेंगे इंसिडेंट रे है ना जो ये लाइट आई है इसे बोलेंगे इंसिडेंट रे सही बात है है ना और यहां पर इस जगह पर मैं ड्रॉ करूंगा नॉर्मल को ठीक है यहां ड्रॉ किया जाएगा नॉर्मल ठीक है रंग इसका बदल दिया जाए ठीक है रंग इसका चेंज कर दिया जाए इसको छोटा ले लेते हैं इसको छोटा लेते हैं ठीक है ना यह नॉर्मल है भाई यह नॉर्मल है और रंग है इसका हरा ठीक है हरे रंग का नॉर्मल बना लिया मैंने है ना जहां भी यह लाइट गिरी है वहां पर नॉर्मल बना लिया ठीक है और ये वाला जो एंगल है भाई साहब ये ले लिया एंगल आई ठीक है ना ये वाला जो एंगल है वो ले लिया एंगल आई ठीक है अब क्या होगा अब आप ये देखो कि एयर में एयर में से कांच में है ना ग्लास के उस क्यूबर्डल सरफेस के अंदर क्या कर रही है लाइट जा रही है ठीक है तो जब एक सरफेस से दूसरे एक से दूसरे मीडियम में लाइट जाएगी तो क्या करेगी बेंड करेगी हाँ कि ना ठीक है ना लाइट क्या करेगी बेंड करेगी और जब लाइट बेंड करेगी ठीक है जब लाइट बेंड करेगी तो किस तरफ बेंड करेगी क्योंकि यह जा रही है रेरर से डेंसर है ना ये जा रही है रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम ठीक है तो जब रेरर से डेंसर जाती है तो टुवर्ड्स नॉर्मल या अवे फ्रॉम नॉर्मल बताओ जी सही बात है सही बात है लिख रहे हैं बच्चे टुवर्ड्स टुवर्ड्स नॉर्मल नॉर्मल सही सही बात है, सही बात है 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 बढ़िया 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 है ना किस तरफ जाएगी भाई ये नॉर्मल की तरफ जाएगी यानी जो लाइट रे है वो ऐसे जाने की बजाय देखो ये जाने को ऐसे जा सकती थी ना ये जाने को ऐसे जा सकती थी ना सीधी, सीधी 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 निकल जाती लेकिन ऐसा नहीं होगा ये नॉर्मल की तरफ बेंड करती है ऐसे ठीक है जी ये नॉर्मल की तरफ बेंड करती है ऐसे इस तरफ को बेंड कर जाएगी तो यहां पर यहां पर ये जो ये जो एंगल होगा है ना ये एंगल होगा एंगल आर ठीक है ये जो एंगल होगा वो होगा एंगल आर ठीक है ओके ये जो होगा ये होगा एंगल आर और और ये वाली जो रे है ये रे होगी रिफ्रैक्टेड रे क्या बोलेंगे इस रे को रिफ्रैक्टेड रे ठीक है ध्यान देना है ना रे का नाम क्या है रिफ्रैक्टेड रे तो रिफ्रैक्टेड रे होगी ठीक है थीके?

रे, रे, रेर से डेंसर में गई थी तो टूवर्ड्स नॉर्मल बैंड हुई है अब डेंसर में जा रही है तो अवे फ्रॉम नॉर्मल लिख रहे हैं बच्चे बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया लिख रहे हैं अवे फ्रॉम नॉर्मल बैंड होगी ठीक है ना तो तो इस तरीके से बैंड होगी क्या माइक ऊपर कर लें कहा ले? अच्छा ऐसे ठीक है 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 ओके रिपोर्ट कर लिया ऊपर भाई अब आ रही आवाज सही अभी भी दिक्कत आ रही है क्या आवाज में अब तो उसने चेक भी किया यार अब बताओ अब बताओ हाँ नहीं कंफर्टेबल एकदम को, कोई कोई ऐसी बात नहीं है यार कंफर्टेबल एकदम अब बताओ अब बताओ एक बच्चा पूछ रहा है कैसे पता चले हम्म ठीक है ठीक है ओके ओके डन 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 ओके ठीक है अब बच्चा पूछ रहा है कैसे पता चले सर कि कौन सा रेरर है कौन सा डenser है तो बेटा ये एक टेबल बनी रहती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की ठीक है ना एक टेबल बनी रहती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की उससे पता चलता है कि कौन सा मीडियम रेरर है कौन सा डenser है ठीक है ना आयुष का था ये क्वेश्चन मैंने आंसर कर दिया ठीक है

इधर बनाएंगे अपन फिर से एक नो है ना इधर एक और नॉर्मल बनेगा क्यों क्योंकि मीडियम फिर चेंज होने वाला है जब जब मीडियम चेंज होगा तब तब नॉर्मल ड्रॉ करना जैसा जैसा मैं कर रहा हूं वैसा वैसा करते जाओ चैटे ना करो बस करो चैटे थैंक यू चैटे ओके हो गई चैटे सारी ठीक है चैटे ना करा करो ज्यादा बहुत चैटे करते हो तुम ठीक है तो अब देखो क्या हुआ पहले पहले जब लाइट आ रही थी तो रेरर से डेंसर टूवर्ड नॉर्मल मुड़ी है अब डेंसर से रेरर जाएगी तो अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगी बिल्कुल सही है है ना कहा जाएगी अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगी तो भाई तो भाई एक बार डेंसर एक बार नॉर्मल की तरफ आई है तो अब की बार नॉर्मल से अवे निकलेगी ऐसे ठीक है अवे निकलेगी ऐसे और मैं आपको बता दू कि जोमेट्रिकली ये वाला एंगल यानी एंगल ई और ये वाला एंगल एंगल आई दोनों एं� इक्वल निकल के आते हैं ठीक है इस रे का नाम भी इमरजेंट रे है बेटा ई आर क्योंकि ये इमर्ज आउट होकर बाहर निकल रही है स्लैब में से इसलिए इसको एक special नाम दिया जाता है इमरजेंट रे ठीक है क्या नाम दिया जाता है इसको special? Emergent ray. ठीक है ठीक है एक स्पेशल नाम दिया जाता है इमरजेंट रे ओके ध्यान रखना अब मैं यहां पर कुछ कुछ जिस जिस तरीके से ये हुई है जिस जिस तरीके से बेंड हुई है, है ना उसकी मैं आपको असली प्रैक्टिकल स्टडी बताता हूं क्या रही होगी इसके पीछे देखो अगर आप अगर आप स्कूल जाते होते स्कूल खुले होते स्कूल में प्रवेश रहा होता आपका तो लैब में भी जाते और फिजिक्स लैब में अगर आप होते तो आपको ये एक्सपेरिमेंट जरूर करवाती आपकी स्कूल वाली मैडम वो स्कूल वाली मैडम आपको ये करवाती कि यहां पर ना दो कील लगवाती वो आपसे ठीक है ना छोटे छोटे नेल लगवाती आयरन नेल एक यहां एक यहां ठीक है दो छोटे छोटे नेल लगवाती कील ठुकवा देती है ना हल्के हल्के किल छुवा देती है यहां ऐसे पिन अप करवा देती है उसको पिन होती है छोटी छोटी उसको पिन करवाती दो जगह पर पिन करवा देती वो ठीक है फिर कहती मैडम आपकी स्कूल वाली कि भाई इस स्लैब में से देखो इस स्लैब में से उन कीलों को देखो ठीक है ना इस स्लैब में से इस स्लैब के थ्रू इन कीलों को देखो तो आपको पता है अगर आप इन कीलों के सीध में इनको देखोगे ना अगर आपने अपनी आंख यहां टिकाई अगर आपने अपनी आंख यहां टिकाई अब मैं जो बता रहा हूं ध्यान से देखो छोड़ दो इसको चैट को यहां देखो अगर आपने अपनी आंख यहां टिकाई और उन कीलों को देखने का प्रयास करा तो आपको वो कील नहीं दिखेंगी गायब नहीं होंगी वो कील वहां क्यों नहीं होंगी क्योंकि बेटा जो वहां से लाइट टिकली है वो बेंड हुई है एक बार फिर बेंड हुई है दूसरी बार तो आपको अपनी आंख यहां नहीं रखनी पड़ेगी आपको अपनी आंख यहां रखनी पड़ेगी इसके सिदाई में यहां इधर आपको अपनी आंख लेके आनी पड़ेगी तब आपको वो कीले दिखेंगी ठीक है ना फिर मैडम पता क्या कहती है कहती इन किलो को देखते देखते इन किलो को इसके थ्रू देखो ऐसे करके ऐसे करके इन कीलों को देखो नहीं दिख रही नहीं दिख रही आगे देखो अब दिख रही है हाँ मैडम है? हाँ मैडम दिख दिख रही रही है है अब हमको है। तो क्या बोलेगी पता है कहेगी सिदाई में कील लगाओ दोर, तो दोर कील आपसे ठुकवाएगी यहां दो पिंस लगवाएगी यहां पर एक इधर लगवाएगी इधर लगवाएगी दो पिंस समझे बात को ऐसे लगवाएगी ऐसे इसके थ्रू ठीक है ना कहेगी इसके थ्रू देखो और दो पिन और लगाओ तो आपको चार पिन लाइन में दिखेंगी कितनी हैरान करने वाली बात है सोचो कितनी हैरानी वाला फिनोमेन ना ये रिफ्रैक्शन है ना कि दो लाइन दो पिन यहां है उनकी सिदाई में कुछ नहीं है और फिर दो पिन यहां उनकी सिदाई में कुछ नहीं है लेकिन आपको चारों सीधी दिखेंगी कब जब आप स्लैब में से देखोगे तब देख रहे हो है ना ये इसलिए हो पा रहा है क्योंकि इनसे चलती हुई जो लाइट है इनसे चल के आई जो लाइट है ना वो यहां पहुंची नहीं तो वो पहुंची वो वो यहां है वो इधर है ठीक है ना तो इनकी सिदाई में, में दिखेंगे आपको, एक सीध में दिखेंगे आपको एक ये सिस्टम है भाई ठीक है क्लियर बात अब कुछ बातें जो जरूरी है, है ना वो मैं यहां मेंशन कर रहा हूं ठीक है वो मैं यहां में रहा हूं इसका नाम नॉर्मल वन है इसका नाम नॉर्मल टू है और एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट डिस्टेंस है जो मैंने आपको बताना है ठीक है एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट डिस्टेंस है जो मैंने आपको बताना है वो डिस्टेंस है बेटा इस लेंथ के और इस लेंथ के बीच में यानी ये जो एक्सटेंडेड इंसिडेंट रे है और ये जो इमरजेंट रे है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस होता है स्मॉल डी और इस स्मॉल डी को बोलते हैं लेट्रल डिस्प्लेसमेंट क्या बोलते हैं लेट्रल डिस्प्लेसमेंट बढ़िया बढ़िया बहुत बढ़िया आता है बच्चों को सही है ना बढ़िया ठीक है ना इस डिस्टेंस को बोलते हैं है, लेटरल कर रहा हूं ठीक है हाँ बिल्कुल ये दोनो, ये दोनों दोनों पैरल है बेटा ये दोनों तभी तो एंगल इक्वल होंगे यार अभी तो बताया था दोनों जोमेट्रिकली इक्वल होते हैं एंगल आई एंगल ई और वो हो ही तभी सकते हैं जब ये दोनों लाइन क्या होंगी पैरल होंगी ठीक है एक्सटेंडेड इंसिडेंट रे एंड दिस इमरजेंट रे आर पैरल ठीक है हा इसी को लेटरल शिफ्ट कहते हैं इसी को ऑप्टिकल शिफ्ट कहते हैं इसी को ऑप्टिकल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं इसी को लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं क्रिटिकल एंगल कुछ और होता है शिकाराओ छोड़ दे हाँ, आई ए आर ए आर ए आर ई आर एंगल आई एंगल आर ई, डी एन वन और एन टू ये सारे ये सारे इंपॉर्टेंट हैं इन सब की फुल फॉर्म आपको आनी चाहिए एन वन का मतलब ये तो नॉर्मल्स है दोनों है ना नॉर्मल्स एब नॉर्मल्स इंसिडेंट रे है ये इंसिडेंट रे ठीक है रिफ्रैक्टेड रे इमरजेंट रे एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ इमर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन लिखते जाना साथ साथ मेरी स्पीड धीरे लिखने की आपकी तेज होगी मुझसे और ये है एंगल ऑफ इमरजेंस इमरजेंसी लिखते हो ना बस वैसा ही इमरजेंस लिख देना वाई मन लगाना ठीक है और डी है भैया डी है भैया लेट्रल डिस्प्लेसमेंट लेट्रल डिस्प्लेसमेंट इस पर कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट पर कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं करेंगे बात कोई बात नहीं ये रही ये रही स्पेशल बात ये रही स्पेशल बात ठीक है डेविएशन नहीं है यहां पर डेविएशन प्रिज्म में आता है एंगल ऑफ डेविएशन भटकन का एंगल इज इन प्रिज्म प्रिज्म पे बात करेंगे जब ह्यूमन आई पढ़ेंगे तब बात करेंगे उसकी ठीक है आओ लेटरल डिस्प्लेसमेंट यानी स्मॉल डी की बात समझते हैं क्या है ये देखो लिखा हुआ इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस

कि कैसे कैसे डिपेंड करती है, ये पूछ लेता आपसे. है ना? तो चार बातों पर हूं कुछ, समझ में कुछ नहीं आएगी कुछ याद कर लेना ठीक है कुछ समझ में आएगी कुछ नहीं आएगी कुछ आपको याद करनी पड़ेगी क्योंकि आपने अभी वो पढ़ा नहीं है आगे जाकर के हम उसकी बात करने वाले हैं ठीक है ना तो चार चीजें जिन पर लेटरल डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू डिपेंड करती है उसमें नंबर वन है उसमें नंबर वन है कि भाई इस पर तो सब कुछ डिपेंड करेगा कि नहीं करेगा कि तुमने डाली कितने एंगल पर है लाइट ये तो पता चले अरे एंगल आई कितना है उस पर डिपेंड करता लेटरल डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी जी हां ठीक है तो एंगल आई ये सबसे बड़ा फैक्टर है डी को देखने का एक हो गया दूसरा पॉइंट दूसरा पॉइंट ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ मीडियम ऑप्टिकल डेंसिटी Glass. Glass की जो ऑप्टिकल डेंसिटी है, 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 है भाई अलग अलग तरह के ग्लास होते हैं दो ग्लास का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स होता है।, ठीक है ना तो ऑप्टिकल डेंसिटी ग्लास की कितनी है एन जो है मतलब ग्लास का वो कितना है कितना डेंसर है ज्यादा डेंसर है तो फिर कुछ और होगा डी कुछ और लेटर होगा और कम होगा तो कुछ और होगा ठीक है ना तो ये इस पर भी डिपेंड करता है तीसरी बात ये डिपेंड करता है कौन से रंग की लाइट डाली गई है यानी वेवलेंथ ऑफ लाइट पर भी डिपेंड करता है बहुत बढ़िया स्नेहा हजारिका फ्रॉम आसाम है ना भूपेन हजारिका भूपेन्द्र से देना इसलिए ठीक तो तीसरा वाला जो है बेटा वो क्या है लेमड़ा यानी वेवलेंथ ऑफ लाइट ठीक है लाइट की वेवलेंथ कितनी है लेमडा कितना लेमडा ठीक है तो लेमडा पे भी डिपेंड करता है कलर कलर बोलते हैं ना लाइट का रंग कौन सा डाला आपने नीले रंग की लाइट डाली है पीले रंग की लाइट डाली है हरे रंग की लाइट डाली है कि लाल रंग की लाइट डाली है उस पर भी डिपेंड करेगा कि डी क्या रहेगा तीन बातें हो गई चौथी बात चौथी है बच्चा वहां लिख भी रहा था थिकनेस थिकनेस ऑफ स्लैब स्लैब मोटा कितना है स्लैब चौड़ा कितना है बेसिकली टी बोलते हैं इसको इसका फॉर्मुला आपको ट्वेल्थ में जाकर मिलेगा फाउंडेशन के अंदर बता देते हैं और कभी कभी नहीं भी बताते इसको टी बोलते हैं यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस इस टी इसको टी बोलते हैं ठीक है ना तो टी थिकनेस ऑफ स्लैब तो ये चार बातें हैं जिन पर डिपेंड करता है नोट करते जाना भाई ना इंटेंसिटी इंटेंसिटी कुछ नहीं है प्रणाम प्रणाम जी प्रणाम लेट आयो बड़े आधा चैप्टर के आधा से भी ज्यादा हो चुका है पैंसठ परसेंट हो चुका चैप्टर तब आयो प्रणाम करने के लिए चलो रिवर्सिबिलिटी ऑफ पाथ ऑफ लाइट ये एक प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी बोलते हैं इसको एक नंबर का क्वेश्चन आया हुआ कई बार बोर्ड में सोलह का पेपर उठा के देख लो आया हुआ है चौदह में भी आया हुआ है ठीक है ना दो हजार चौदह सोलह तो आगे भी आ सकता है है ना पूरे पूरे चांस है भैया रिवर्सिबिलिटी ठीक है रिवर्सिबिलिटी क्या होती है रिवर्सिबिलिटी होती है भैया मान लो मान लो एक लाइट रे है एक लाइट रहे है कुछ मीडियम से चेंज होती है ऐसे करके है ना और फिर और कुछ मीडियम आ जाता है तो ऐसे चेंज हो जाती है है ना और फिर कुछ मान लो हमने बता रहा हूं मिरर सेट कर दिया ऐसा कोई ऐसा मिरर लगा दिया ठीक है तो क्या होगा तो क्या होगा लाइट भैया ऐसे निकल जाएगी ऐसे आई है ना तो ऐसे चली जाएगी लाइट लगा दिया यहां पर ऐसा कोई मिरर लगा दिया यहां पर है ना तो लाइट क्या होगा भाई लाइट क्या होगा भाई लाइट ऐसे चली जाएगी फिर यस yes नो no? है ना तो ये ऐसे 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 करती हुई लाइट क्या कर रही है अपना पाथ चेंज कर रही है ना पाथ चेंज कर रही है ना अब मान लो मान लो इसके पाथ में हमने मिरर को ऐसे खड़ा कर दिया ला करके हमने मिरर को ऐसे खड़ा कर दिया नब्बे डिग्री पर जिसको नॉर्मल इंसिडेंस बोलते हैं यस और नो बताया मैंने आपको ये है ना जिसको क्या बोलते हैं नॉर्मल इंसिडेंस बोलते हैं और मैंने ला करके इसको ऐसे खड़ा कर दिया यानी ये किस पे गिर रही है नब्बे पे गिर रही है ये नब्बे पे गिर रही है अब जब ये नब्बे पे गिर रही है बेटा है ना जब ये नब्बे तो आना चाहिए आना आना ऐसे तो टकराएगी और टकरा के यहां से फिर टकराएगी वापसी यहां से फिर टकराएगी वापस 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 जिधर से गई थी उधर से वापस चली जाएगी ऐसा होता है ऐसा होता है ठीक है

ठीक है, बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ लिख लिया इसको क्या रिपीट करूं यार इसमें तो है ही कुछ नहीं भाई इसको क्या रिपीट करना है भाई लाइट कहीं से चली हे भगवान थक वक्त तो नहीं गए तुम लोग लाइट कहीं से चली ठीक है मीडियम कुछ चेंज हुआ तो बेंड हो गई

हाँ, ये कुछ रिफ्रैक्शन के मैं चाहता था कि आपको देखा ये, है ना? दो पेंसिल डाली हुई है क्या बोलते हैं कलर्ड पेंसिल डाली हुई लो तो चौड़ी भी लगती है और टूटी टूटी लगती है टूट है सी गई है, वो, है ना टूट सी गई है अलग सी हो गई है ऐसा लगता है वो है ना तो ये एक कॉन्सिक्वेंस है, का मतलब, होता है का मतलब होता है कि देखने में क्या आ रहा है मतलब एट दी एंड क्या मिल रहा है अपने पहली बार मैंने टेंथ में सुना था उससे पहले हमको नहीं पता था कॉन्सिक्वेंसिस क्या होते <laughs> हैं ये कौन सी कौन सी बातें हैं वाली है 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 ना ना तो ये कॉन्सिक्वेंस कॉन्सिक्वेंस दूसरी भी देख लो भाई हाँ। जो जो किसी बर्तन का बॉटम होता है ना, वो पानी के अंदर जब देखा जाता तो थोड़ा उभरा हुआ सा लगता है वो ठीक है ना थोड़ा सा उभरा हुआ लगता है ऐसी मछलियां मछलियां जो होती है ना मछली पकड़ने वाले मछुआरे को यह बात पता होती है कि मछली जो है जहां दिख रही है वहां नहीं है उससे नीचे है वो वो धोखा है वो इमेज है असल में देखो ग्राउंड से जब लाइट निकलती है देखो लाइट निकल रही है ये देखो लाइट निकली है ना ये जो लाइट निकल रही है ना यहां तक तो चलेगी सीधी जब तक मीडियम सीधा है तब तक तो सीधी चलेगी सीधी 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 सीधी, सीधी ऐसे चलेगी है ना लेकिन जैसे ही मीडियम बदला वाटर से किस में गया एयर में बेंड टूवर्ड्स बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल क्योंकि रेर से कहा जा रही डेंसर रेर से कहा जा रही डेंसर रेर से कहा जा रही डेंसर बेंड अवे यहां से भी क्या होगा बेंड अवे होगा दोनों तरफ से बेंड अवे होगा और बेंड अवे होने की वजह से बंड हुए होने की वजह से ये जो लाइट है ये इस तरह से बॉटम दिखेगा. है, है दिखेगा वो आपको ऊपर दिखेगा ड्यू टू दिस रिफ्रैक्शन तो ये भी एक कॉन्सिक्वेंस है ये भी एक कॉन्सिक्वेंस है ठीक है कि वॉटर लेवल जो होता है वो कहां दिखता है आपको थोड़ा सा ऊपर दिखता है आगे बढ़ते हैं ठीक है अब आती है बात रिफ्रेक्टिव इंडेक्स की जो कि सबसे टफ टॉपिक लगता है किसी भी एक फिजिक्स के स्टूडेंट को अगर वो क्लास के अंदर पढ़ता है तो तो मैं आपको गारंटी तो नहीं दे रहा लेकिन आप अगर ध्यान से सुनोगे तो आपको पक्का समझ में आएगा और पूरा समझ में आएगा कि रिफ्रेक्टिव इंडेक्स क्या होता है ठीक है रिफ्रेक्टिव इंडेक्स की व्याख्या शुरू करते हैं ठीक है रिफ्रेक्टिव इंडेक्स होता है ऑप्टिकल डेंसिटी ठीक है ये एक इंडेक्स है मतलब ये एक ऐसा फिगर है जो आपको यह बता देगा कि यह पर्टिकुलर जो सब्सटेंस है यह जो पर्टिकुलर मीडियम है यह एयर के मुकाबले कितना डेंसर है भाई एयर सबसे ज्यादा रेरर है वैक्यूम सबसे ज्यादा रेरर है उसके अंदर लाइट सबसे तेज चलती है यह बात आपको समझ में आ गई ना यह बात आपको समझ में आनी चाहिए है ना कि एयर जो है वो रेरर है वैक्यूम जो है वो और भी रेरर है है ना तो जितना रेरर होगा उतनी तेज लाइट उसके अंदर चलेगी ये बात हम कर चुके हैं है ना जब रेरर डेंसर मीडियम मैंने मैंने आपको आपको बताया था तो ये चीज बताई थी कि जितना ज्यादा रेरर मीडियम होगा उतनी लाइट तेज ट्रेवल करेगी और जितना ज्यादा डेंसर मीडियम होगा लाइट उसमें धीरे ट्रेवल करेगी तो पता कैसे चलेगा कि कौन रेरर है कौन डेंसर है तो भाई उसके रिफ्रेक्टिव इंडेक्स से पता चलेगा हर ट्रांसपेरेंट मीडिया का अपना एक रिफ्रेक्टिव इंडेक्स होता है हर ट्रांसपेरेंट मीडिया का अपना एक रिफ्रेक्टिव इंडेक्स होता है ठीक है अगर ट्रांसपेरेंट मीडिया डेंसर 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 तो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ज्यादा 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 तो लाइट की स्पीड उतनी ही कम 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 मैंने आपको बताया डेंसर से लाइट डरती है डेंसर लाइट डरती है पकड़ लेता उसको कसके तो कोशिश करती है जल्दी से निकलू स्पीड हो जाती है कम तो पास कर लेती है छोटा

समझ में आई होगी बात है ना तो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा यही लिख रहा हूं मैं इन बातों को ठीक है रिफ्रेक्टिव इंडेक्सिव इंडेक्स को एन से डिनोट किया जाता है ठीक ठीक है 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 से से बड़ी क्लासेस के अंदर जाओगे म्यू से म्यू 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 डिनोट होता इस सिंबल को बोलते हैं इसको म्यू बोलते हैं और यह एन है। क्लास के अंदर एन से करते हैं हम लोग ठीक है ना तो एन जितना ज्यादा होगा ठीक है लाइट की स्पीड स्पीड ऑफ लाइट या वेलोसिटी ऑफ लाइट कहीं कहीं लिखा होगा एक ही बात है एक ही बात है उतना ही कम उतना ही कम एन जितना ज्यादा स्पीड ऑफ लाइट उतना ही कम उतना ही ज्यादा मीडियम डेंसर उतना ही ज्यादा मीडियम डेंसर है ना समझ रहे हो डेंसर से लाइट डरती है स्पीड कम कर लेती है तो जितना ज्यादा इफेक्टिव इंडेक्स उतना डेंसिटी उतनी कम स्पीड और और क्या बताऊं हां एंगल आर उतना ही छोटा कसके पकड़ लेगी ना ज्यादा मोड़ लेगी ज्यादा मोड़ लेगी तो नॉर्मल की तरफ ज्यादा बैंड कर लेगी नॉर्मल की तरफ ज्यादा बैंड कर लेगी तो एंगल आर छोटा हो जाएगा आई होप आप मेरी बात समझ गए है ना ज्यादा मोड़ लेगी जैसे समझो समझो ये ये दो मीडियम है ये दो मीडियम है ये ए मीडियम ये बी मीडियम यहां से लाइट आई यहां से लाइट आई ऐसे मुड़ी और यहां से लाइट आई ऐसे मुड़ी ज्यादा कहां मुड़ी ज्यादा कहां मुड़ी ज्यादा कहां मुड़ी ज्यादा कहा मुड़ी बी में ज्यादा मुड़ी है है ना बी पे ज्यादा मुड़ी है आप चेक करो आप चेक करो आप चेक करो कहां ज्यादा मुड़ी है बी पे ज्यादा मुड़ी है ना ये वाला एंगल जब बड़ा है ये वाला जो एंगल है छोटा है है ना बी में ज्यादा मुड़ी है यानी बी ज्यादा डेंसर है ए से ए में कम मुड़ी है बी में ज्यादा मुड़ी है नितिन भाई बहुत बढ़िया हिमांशु भाई बहुत बढ़िया आयुष आनंद बहुत बढ़िया उत्तराखंड से बहुत बढ़िया उत्तराखंड से हो मोहम्मद जईन खान बहुत बढ़िया संजू दत्त संजय दत्त होता है संजू दत्त बहुत बढ़िया अक्षिता बहुत बढ़िया सारे बहुत ओपी ओपी हो गया भाई अब नहीं पढ़ पा रहा मैं अब नहीं पढ़ पा रहा ठीक है ना हां तो समझ गए बात को बी ज्यादा डेंसर है ए कम डेंसर है है ना? एंड बी, बी, बी विल बी, बी, बी ज्यादा ही मोड़ ली ज्यादा ही मोड़ ली तो एंगल आर क्या हो जाएगा कम डेंसिटी ज्यादा स्पीड ऑफ लाइट कम रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ज्यादा बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है भाई बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है सुनेंगे बहुत हाँ, अच्छे बहुत अच्छे ठीक है तो एक मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जब भी जाएगी यह खेल होता ही होता है और हर ट्रांसपेरेंट मीडियम का अपना एक रिफ्रेक्टिव इंडेक्स होता ही होता है सुनते जाओ कहानी को और समझ में आता जाएगा ठीक है यह है स्पीड ऑफ ये है रिफ्रेक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला यह है रिफ्रेक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या फॉर्मूला है असल में रिफ्रेक्टिव इंडेक्स एक रेशियो है एक रेशियो है कि स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में कितनी है ठीक है अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट मीडियम में कितने जो गिवन मीडियम है जैसे यहां पर गिवन मीडियम क्या था यहां गिवन मीडियम था ए और यहां गिवन मीडियम था बी है ना यहां गिवन मीडियम क्या था ए था क्या था B था यहां क्या बी ऊपर वाला मीडियम अपन एयर ले लेते हैं लेट अस सपोज ऊपर वाला एयर ही है है ना लेट अस सपोज सर बोलेंगे बोलोगे भाई इसी पे ही बताना शुरू कर दिया सर अलग पेज ले, ले लेते हैं ऐसी ना पागलपन सा है थोड़ा सा इसको समझाने का थोड़ा सा पागलपन ज्यादा है मेरे अंदर ठीक है ना ऊपर वाला एयर है ऊपर वाला एयर है ठीक है है ना ऊपर वाला एयर तो एयर के मुकाबले तो ए भी एसर है एयर के मुकाबले तो बी भी, भी है देखो दोनों ही मोड़ रहे हैं दोनों ही मोड़ रहे हैं लाइट को तो ए और बी एयर के मुकाबले तो डेंसर ही है। लेकिन ए बी में में आपस कंपेयर करें तो बी ज्यादा डेंसर है बात को समझने की कोशिश करना ए बी का आपस में भी कंपेरिजन हो सकता है ए का एयर के साथ भी हो सकता है बी का एयर के साथ भी हो सकता है उसमें क्या है उसमें क्या है तो बी वाला ए से ज्यादा डेंसर है ऐसा बोल सकते हैं है ना आगे सुनो आगे सुनो तो स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में कितनी होती है वो मैंने आपको बताई थी अभी थोड़ी देर पहले लिखी थी भूल गए होगे होगे गजनी तो हो तुम लोग भूल गए सी सी बोलते है उसको, बोलते हैं हैं उसको नहीं हो नहीं हो गजनी नहीं हो भाई 3 10 की पावर एट मीटर पर सेकेंड है ना बताया था ना मैंने तीस लाख किलोमीटर पर सेकेंड है ना तो उसको आप ये बोल सकते हो थ्री इंटू टेन की पावर एट मीटर पर सेकेंड ठीक है तो ये तो हो गई स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम है ना या स्पीड ऑफ लाइट इन एयर है ना और अपॉन में

यह देखो एन अपॉन सी अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन गिवन मीडियम यानी यहां क्या लिखूंगा वी है ना क्योंकि कुछ कम हो जाती है सी तो नहीं रहेगी ना किसी मीडियम में घुस के कम तो हो जाएगी ना तो इसको मैं वी एम लिख सकता हूं बेटा उस मीडियम की अगर बात करूं ना तो वी एम लिख लेते हैं ऐसे यहां पर एन को क्या लिखते हैं पता है एन लिख देते हैं एन एम रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम ऐसे लिखा जाता है इस फॉर्मुले को ऐसे लिखा जाता है इस को, ठीक है, है है ना? एक बार इसको इसको मैं ढंग से लिख देता हूं। तो n n n क्या बन जाता है? c by v. आप ऐसे याद कर सकते हो। स्पीड uh, की लाइट मीडियम में, में, में कोई भी मीडियम हो सकता है वो अब मान लो मुझे इसी के लिए लिखना हो इसी के लिए लिखना हो मुझे अगर इसी के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखना हो कैसे लिखूंगा देख, A, लिखा जाएगा ना एन एज इक्वल टू सी अपॉन वी ए तरीका है लिखने का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स को ए के लिए और रिफ्रेक्टिव इंडेक्स बी के लिए कैसे लिखा जाएगा सी अपॉन वीबी बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया सी अपॉन वीबी है ना जैसे इसको लिख रहे हैं सी अपॉन वी ए वैसे लिखेंगे सी अपॉन ठीक है तो यहां क्या लिखूंगा एन बी इज इक्वल टू सी अपॉन बीबी यह तरीका है लिखने का आपको लिखना आना चाहिए अगर आपको लिखना नहीं आता ओपी ओपी ठीक है बेटा अगर लिखना नहीं आता मेरे बच्चे तेरे को क्वेश्चन नहीं कर पाएगी अभी तू ओपी ओपी लिख ले सीख भी ले लेकिन ओपी भी लिख दो सीख भी लो कोई दिक्कत नहीं ठीक है तो आपको अगर मीडियम का रिफेक्टिव इंडेक्स लिखना नहीं आता बच्चे क्वेश्चन नहीं कर पाएगा तू फिर मेरी गर्दन पकड़ेगा एट दी एंड अभी तू चैट कर ले अभी अच्छा। हमें तो पता ही नहीं था एंड हैज नो यूनिट्स ये हमको बाकी नहीं पता था ना। आप पता चल गया लेकिन देखो भाई ऊपर भी वेलोसिटी है नीचे भी वेलोसिटी है ऊपर भी मीटर पर सेकंड है नीचे भी मीटर पर सेकंड है मीटर पर सेकंड से मीटर पर सेकंड कट जाएगा हाँ की ना अरे मीटर पर सेकंड ऊपर भी है मीटर पर सेकंड नीचे भी है यूनिट 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 से से जाएंगे इंडेक्स इस लस, लस, है ना जैसा एम था वैसे ये एन एम एन दोनों एक जैसे है, है ना? तो दोनों के ही क्या है दोनों के ही क्या है यूनिट्स नहीं है ठीक है एक बात और रह गई है प्लीज डेफिनेशन बता दीजिए रिफ्रेटिव इंडेक्स की बेटा डेफिनेशन इसी में से निकाल इसी में से निकाल रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ 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 अ मीडियम इज डिफाइंड एज द रेशियो स्पीड लाइट द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम बस ये डेफिनेशन है ये डेफिनेशन है पानी पी लूंगा मैं कोई नहीं चिंता ना कर मेरे पानी ये पानी पड़ा है देखो भरा हुआ पड़ा पानी पी लेंगे कोई टेंशन नहीं कोई टेंशन नहीं तुम सीखो बस तुम्हारे लिए खड़े हैं भाई तुम सीखो बस ठीक है अच्छा एक बात और बतानी है ठीक है वो बात आपको ना थोड़ा सा थोड़ा सा टाइम और लेगी आपका है ना इसी इसी टॉपिक में थोड़ा टाइम और लेगी असल में रिफ्रेक्टिव इंडेक्स दो तरह का है बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दो प्रकार के होते हैं दो प्रकार के होते हैं पहला एब्सोलूट दूसरा रिश्तेदारी 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 रिलेटिव ठीक है दो तरह के रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होते हैं बेटा हाँ वही बता रहा हूं दो तरह के इंडेक्स होते हैं ठीक है ना एक एप्सुलूट और एक रिलेटिव ठीक है दोनों पे धड़ल्ले से क्वेश्चन बनता है और बच्चे का दिमाग खराब हो जाता है सोच करके सर ये क्या है समझ नहीं आ रहा है ना फिर हो जाता है माइंड थ्रेशिंग उसके थ्रेश हो जाता है माइंड पूरा समझ रहे हो थ्रेशर से थ्रेश कर दिया जाता है उसका माइंड समझ नहीं आता क्वेश्चन कैसे बनेंगे और तीन नंबर गवा बैठता है वो नंबर में से एक मिल पाएगा दो कट जाएंगे ऐसा हाल होता है उसका और जब आठ नंबरों में से तुम दो नंबर कटवा रहे हो तो फिर क्यों ही पढ़ रहे हो भाई क्या ही पढ़ाई कर रहे हो पढ़ो तो अच्छे से पढ़ो ना भाई है ना नंबर कटवाना और नंबर लेने के लिए ना पढ़ो नंबर कटवाना नंबर लेने के लिए ना पढ़ो आप कॉन्सेप्ट समझो कि क्या है हर कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ो है ना मैं कोशिश करता हूं आपके अंदर इंटरेस्ट को जगाने की है ना तो होप आपके अंदर इंटरेस्ट होगा चीजों को जानने का ठीक है तो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स बच्चों दो प्रकार के होते हैं एक होता, और एक होता है रिलेटिव है? आपको फर्क बताता हूं बड़ा पड़ेगा आपको चैट रोकनी पड़ेगी, तो पड़ेगी आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा। बड़ा ही बारीक बाल जितना फर्क है बताऊं क्या फर्क है बताऊं क्या फर्क है ए है ना ट्रिक बता रहा हूं ट्रिक बता रहा हूं ये क्या लिखा है बस इतना ही फर्क है इतना ही फर्क है इतना ही फर्क है ए फॉर एयर बस क्या मतलब हुआ सर इस बात का इस बात का मतलब यह हुआ कि एप्सोलूट के अंदर पहला मीडियम जो आपने लेना है वो एयर लेना है पहला मीडियम जो आपने लेना है एयर लेना है दूसरा क्या लेना सर जो मर्जी ले बेटा जो तेरा मन करे वो ले मुझे लेटा दे बेशक कोई दिक्कत नहीं है मैं खुश हूं लेकिन तू सीख दूसरा मीडियम जो मर्जी लो ग्लास लो वॉटर लो डायमंड लो कैरोसिन लो ऑयल लो नारियल का तेल लो जो मर्जी लो जो आपका मन करे वो लो मेरा दिमाग लो चाहे है ना कुछ भी लो लेकिन आपने पहला मीडियम एयर लेना है दैट दैट इज इज इंडेक्स इंडेक्स ठीक है ओके समझ गए बात को ए फॉर एयर ए फॉर एयर सर रिलेटिव क्या होता है फिर बेटा ये कोई भी खिचड़ी है रिलेटिव में कुछ भी चलता है बस पहला एयर नहीं होना चाहिए और यहां पर क्या यहां पर पहला एयर होना चाहिए बस यहां पर पहला एयर होना चाहिए बस यहां पर क्या चलेगा सर यहां पर कुछ भी चलेगा वॉटर से जाए ग्लास में ग्लास जाए वॉटर में ग्लास जाए कैरोसिन में, में जाए डायमंड में डायमंड जाए किधर से किधर भी जाए ए से बी एक्स एक्स से X से वाई जेड से क्यू जो मर्जी जाए पहला मीडियम एयर नहीं होना चाहिए पहला मीडियम एयर नहीं होना चाहिए पहला मीडियम एयर नहीं होना चाहिए, चाहिए रिलेटिव में बाकी कोई भी खिचड़ी चलेगी यहां पर यहां पर लेकिन पहला मीडियम एयर ही लेना है दूसरा जो मर्जी ले दूसरा जो मर्जी ले एयर से आएगी वाटर में जाएगी एयर से आएगी ग्लास में जाएगी एयर से आएगी कैरोसिन में जाएगी एयर से आएगी डायमंड में जाएगी एयर से आएगी पेट्रोल में जाएगी डीजल जहां जा मर्जी भेजो आप जहां मर्जी भेजो आप ठीक है ना लेकिन कहां से कहां से एयर से लानी है ये बात ध्यान रखना ठीक है बोलो समझ में आ गई वाली बात छोटी सी बात बोली है मैंने बस। मैंने बस एक छोटी सी बात बोली है हाँ एयर या वैक्यूम बेटा एक ही बात है एयर वैक्यूम एक ही चीज होती है कार्तिक का यादव समझ में आई या नहीं आई नही बात जल्दी से बता दो तो समझ में आई या नहीं आई नही। फिर आगे बढ़ रहा हूं फिर आगे आपको लिखना और निकालना सिखाऊंगा चमक गया चमक गया यस 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 ओके ओके हां हां डन 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 ओके भाई चल गई चल गई भाई चैट चल गई ठीक है ठीक है समझ गया समझ गया समझ गया ठीक है ना तो भाई पहला मीडियम आपने क्या लेना है एयर ही लेना है एयर ही लेना है ठीक है रेरर जो की होगा या फिर वैक्यूम भी कुछ भी कह लो यार वैक्यूम एयर एक ही बात है लाइट के लिए एक सी बातें हैं दोनों वैसे एयर थोड़ी सी ज्यादा डेंसर होती है वैक्यूम से इसमें कोई शक वाली बात नहीं है इसमें कोई शक वाली बात नहीं है ठीक है लेकिन पहला मीडियम आपने एयर ही लेना है दूसरा जो मर्जी ले भाई मुझे ले लो वैसे यहां पर है ना मुझे ले लो वे कोई दिक्कत नहीं है ठीक है जो मर्जी लो यहां पर लेकिन आप ठीक है ना लेटर सपोज मैं यहां पर ग्लास लेता हूं है ना आप सीख रहे हैं अब चैट को रोक देना अब चैट को रोक देना आप सीख रहे हैं ठीक है आप सीख रहे हैं कैसे लिखना है आपने ये इंटरफेस है बोले तो ये बाउंड्री है ये बाउंड्री है लाइट आती है लाइट आती है ये नॉर्मल खींचा जाता है है ना और ये टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड कर जाती है क्यों क्योंकि एयर तो भाई रेर है एयर तो भाई रह उसके मुकाबले जो भी बैठा होगा वो तो डेंसर ही होगा जो भी बैठा होगा वो तो डेंसर ही होगा सही बात है सर सही बात है सर बिल्कुल है ना तो अब लिखना कैसे है ध्यान से सुनना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसी का निकलता है जिसमें लाइट घुसती है क्या बोला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसी का निकलता है जिसमें लाइट घुसती है तो लाइट घुसती किसमें है यहां पे लाइट घुस रही है ग्लास में हां सर बिल्कुल सही बात है लाइट किस में घुस रही है ग्लास में घुस रही है ठीक है भाई ठीक है भाई अगर लाइट ग्लास में घुस रही है तो लिखा जाएगा एन ग्लास यानी इंडेक्स ऑफ ग्लास इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइड बाई स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास यानी सी बाय इस तरीके से इसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स लिखा जाएगा जो वैल्यू शैल्यू आएंगी वो सब बाद में देखेंगे अभी लिखना सीखो अभी फॉर्मूला लिखना सीख एन ग्लास सी अपॉन वी ग्लास बोला था ना जो न्यूमरेटर में वो ऊपर जो ऊपर वो न्यूमरेटर में जो नीचे वो डिनोमिनेटर में ये तो सिंपल बात है ये तो सिंपल बात है है ठीक ना ये तो सिंपल बात है ईशांत आप ठीक कह रहे हो ठीक है आप ठीक ठीक कह रहे हो है ना एन ग्लास जो है वो सी है ठीक है सर यहां क्या या कुछ भी ले लो भाई या कुछ भी ले लो यहां आप मान लो ऊपर ग्लास ले लिया आपने ठीक है नीचे वाटर ले लो नीचे वाटर ले लो यहां से लाइट आई यहां से लाइट आई लेटर सपोज डेंसर एरर मुझे नहीं पता मैंने ऐसे निकाल दी होता होगा डेंसर होता होगा मैंने ऐसे निकाल दी मुझे रिफ्रेक्टिव इंडेक्स लिखना है बस मुझे इसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स लिखना सीखना है in, है आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन कितना इंडिविजुअल कितना है मुझे रिलेटिव रिफ्रेक्टिव इंडेक्स लिखना है इनका तो कैसे लिखूंगा मैंने आपको बताया रिफ्रेक्टिव इंडेक्स उसी का निकलता है जिसमें लाइट घुसती है घुस किस में रही है वॉटर में ठीक है घुस किस में रही है वॉटर में तो ऐसे लिखा जाएगा देखो ऐसे लिखा जाएगा एन वॉटर एन वॉटर लेकिन सर एन वॉटर लिख दिया तो तो ऐसा लगेगा जैसे एप्सुलूट है तो इसीलिए यह बनाया गया कि यहां पर लिखा जाएगा एन वॉटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास तो जब भी विद रिस्पेक्ट की बात करें इज्जत बेस्ती की बात आ जाए तो भाई रिश्तेदारों की करनी पड़ती है यार चाहे कैसे भी रिश्तेदार हो इज्जत तो करनी पड़ती है ना भाई तो विद रिस्पेक्ट टू जोड़ देना है आपने क्या करना है विद रिस्पेक्ट टू जोड़ देना है आपने ठीक है बात समझ में आ गई में आ गई बात समझ में आ गई तो आपने लिखना है एन वॉटर कॉमा ग्लास ठीक है एन वॉटर कॉमा ग्लास और जब ये एन वॉटर कॉमा ग्लास आप लिखोगे तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर तो वैसे ही रहेगा जैसे आ रही है और जहां जा रही है यानी यानी ऐसा देखो एन वॉटर कॉमा ग्लास इज इक्वल टू ऊपर ऊपर वाला नीचे नीचे वाला ऊपर कौन है ग्लास है तो ऊपर लिखा जाएगा वी ग्लास ऊपर लिखा जाएगा वी ग्लास नीचे लिखा जाएगा वी वॉटर नीचे लिखा जाएगा बी वॉटर यह फॉर्मूला लिखा जाएगा रिफ्रेक्टिव इंडेक्स का यह लिखा जाएगा फॉर्मूला सी क्यों लिया सी ऐसी लेते हैं बस सी बस ऐसी डिनोशन है एयर के लिए डिनोशन सी होती है एयर के लिए स्पीड की डिनोशन सी होती है ठीक है ठीक है जी आ गया समझ में कि नहीं आया जल्दी बताओ जल्दी बताओ समझ में आया कि नहीं आया ठीक है बढ़िया 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 सही है सही है सही है देखो हाँ क्लियर है भाई ठीक है समझ गया मैं समझ गया ठीक है ठीक है बढ़िया देखो एक बार एक बार फिर से एक बार फिर से एप्सोलूट कब है जब पहला मीडियम एयर है और नीचे कोई भी मीडियम चलेगा ठीक है तो लिखा कैसे जाएगा लिखा जाएगा जो भी मीडियम होगा दोबारा से बता रहा हूं सुन लो जो भी मीडियम होगा वो लिख लिया आपने रिफ्लेक्टिव इंडेक्स उस मीडियम का सी बाय ऊपर क्या था सी था नीचे क्या था वी था सेम टू सेम यहां पर भी आपने करना है बस यहां पर आपने रिलेटिव जोड़ देना है बीच में विद रिस्पेक्ट टू जोड़ देना है ठीक है ना रिफ्रेक्टिव इंडेक्स किसका निकल रहा है पानी का निकल रहा है लाइट जिसमें घुसती है उसका निकलता है जहां से आ रही है उससे मतलब नहीं है जिसमें घुसती है, है तो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स किसका लिखा जाएगा वॉटर का विद रिस्पेक्ट टू ग्लास ये तरीका है लिखने का ठीक है ना नीचे अगर ए है ऊपर बी है तो एन ए कॉमा बी ऐसे लिखा जाएगा ठीक है रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ वॉटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास ठीक है और वेलोसिटी कैसे वेलोसिटी ऊपर वाली ऊपर नीचे वाली नीचे ऊपर वाली कितनी थी वी जी वी ग्लास और नीचे वी वॉटर बस बस यही काम है यही काम है ठीक है एक बार और देखो एक बार और देखो चलो चलो एयर ग्लास या चलो इसको ए लेते हैं ए या, या बी लेते हैं बी बी ठीक है एयर सी और बी या एक्स और वाई ठीक है अब सुनना अब सुनना लाइट एयर से आई बी में घुसी एयर से आई सी में घुसी एक्स से आई वाई में घुसी ठीक है रिफ्रेक्टिव इंडेक्स पहले वाले का कैसा लिखा जाएगा ये वन ये टू ये थ्री पहले तो ये बताओ पहले तो ये बताओ जो पहले वाला है वो है के रिलेटिव है पहले वाला एप्सलूटा 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 के रिलेटिव है बोलो जल्दी समझ में आएगा बोलो जल्दी बोलो पहले वाला एप्स लूटा के रिलेटिव है हा बढ़िया 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 यस यस सेकंड वाला रिलेटिव है सेकंड वाला एपसेलूटा के रिलेटिव है सेकंड वाला एप्सूटा के रिलेटिव है

बढ़िया 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 बहुत बढ़िया थर्ड वाला एप्सलूट नहीं है यस yes, थर्ड वाला रिलेटिव है बढ़िया फोड़ दिया भाई आ गया समझ में अब क्या समझाऊं अब क्या रिपीट करूं जो पढ़ने वाले हैं वो चुपचाप बैठते हैं जो नहीं पढ़ने वाले लगातार चैट पे लगे रहते हैं ये पता है मेरे को भी ठीक है बढ़िया बढ़िया और रिफ्रेक्टिव इंडेक्स लिखे इसका मुझे शक हो रहा था क्योंकि पढ़ने वाले चुप हो गए थे बिल्कुल पढ़ने वाले चुप हो गए अच्छा भाई चुपचाप ही पढ़ो बढ़िया 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 पढ़ने वाले चुपचाप ही पढ़ो अच्छा है अच्छा अच्छा अच्छा, अच्छा, अच्छा बढ़िया ठीक है ना वो कभी कभी मैं जगा देता हूँ भरोसा है, है मुझे तुम लोगों यार ठीक है आइए इसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स लिखें इसका भी लिखें और फिर इसका भी लिखें ठीक है एक एक करके सबका लिखते हैं मुझे एक बात बताओ ये वाला एब्सोल्यूट है ये वाला एब्सोल्यूट है तो क्या लिखूंगा मैं लिखूंगा एनबी इज इक्वल टू सी बाय बाईवी यस ये तरीका है इसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स लिखने का ठीक है ऊपर एयर है तो एयर वाली स्पीड आ गई नीचे बी है तो बी वाली स्पीड आ गई एन बी इज इक्वल टू सी बाय सही है सही है? इधर आ जाओ जरा पढ़ने वाले बच्चे इधर आ जाओ यहां क्या लिखूंगा सी है ना मीडियम तो एन सी इज इक्वल टू सी बाईव है ना ये मीडियम का नाम लिया गया नीचे सी कंफ्यूज ना होना भाई वो लाइट की स्पीड है ये लाइट की स्पीड है एयर में जो सी रहती है ये लाइट की स्पीड है जो एयर में सी रहती है ठीक है ना और यहां कुछ स्पीड हो जाएगी लाइट की है ना और यहाँ कुछ स्पीड हो जाएगी लाइट की लाइट की स्पीड होगी वेलोसिटी ऑफ लाइट इन सी ऑफ लाइट इन बी वी ठीक है तो ये हो जाएगा सी बाई वी सी दिस इज ऑल्सो एब्सोल्यूट दिस इज ऑल्सो एब्सोल्यूट ये कैसे लिखा जाएगा ये कैसे लिखा जाएगा ये कैसे लिखू ये कैसे लिखू, ये कैसे लिखू? एन वाई एक्स ठीक है के एन एक्स वाई ठीक है एन वाई कॉम एक्स कॉमा Y एन वाई कॉमा एक्स के एन एक्स कमाई कॉमा X बहुत बढ़िया मौका क्या बात है भाई मौका ने मारा चौका बहुत बढ़िया छा गए यार तुम्हारा एक्स और वाई कॉमा दिख तो रही है शाबाश 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 भाई तुम ठा दिए बढ़िया 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 भाई ये गलत है ये ठीक है ये ठीक है बिल्कुल है ना जिसमें जाती है उसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स निकलता है भैया वाई का निकलेगा एन वाई किसके रिस्पेक्ट में जहां से आ रही है उसके रिस्पेक्ट में एक्स के रिस्पेक्ट में निकलेगा एन वाई कौ लिखा जाएगा इसको अब स्पीड कैसे लिखूं तो ऊपर वाली ऊपर नीचे वाली नीचे और क्या इसमें ऊपर वाली ऊपर मतलब वी एक्स ऊपर और वी वाई नीचे बहुत बढ़िया भाई भरोसा दिला दिया तुमने भाई भरोसा दिला दिया ठीक है बस अब शांत होकर के पढ़ो जैसे पहले शांत थे वैसे ही शांति से पढ़िए आप लोग ठीक है ना चैटों में ज्यादा लगने की जरूरत नहीं है मैं भी नहीं लगता यार एंजॉय ठीक है चलो बढ़ते हैं आगे एप्सुल्यूट रिलेटिव फर्क पता चल गया आओ न्यूमेरिकल करें आओ न्यूमेरिकल करें न्यूमेरिकल तो करने पड़ेंगे भाई न्यूमेरिकल तो लाए ही वो तो करने पड़ेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल इज 1.4 कोई मटेरियल है आप उस मटेरियल को एम बोल दो एम फॉर मटेरियल है ना वो दे रखा है 1.4 मैं गिवन लिख रहा हूं बेटा मैं गिवन लिख रहा हूं ठीक है Refractive index यानी दे दे रखा है, NM दे रखा है, है है, है। है सही सही है. इतना, देखो ये बेटा। अच्छी बात है दे रखा कि भाई ने दे दिया नहीं तो आपको याद रखना पड़ता मैं तो चाहता हूँ कि आप याद ही रखो मैं तो चाहता हूं कि आप मेरे बच्चे हो आप याद ही रखो आप फिजिक्स वाला फाउंडेशन से पढ़ते हो आप तो इसको याद ही रखो ठीक है ना सी थ्री इंटू टेन की पावर एट थ्री इंटू टेन की पावर एट मीटर पर सेकेंड ठीक है ये तो सी है और आपसे पूछा है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मटेरियल कितना होगा यानी वी पूछ लिया है बताओ इससे आसान क्या हो बताओ इससे आसान क्या हो और ये क्वेश्चन बोर्ड का है ये क्वेश्चन बोर्ड का है बेटा जिस बोर्ड की आप तैयारी करने आए हो वॉरियर बैच के अंदर ये उसका क्वेश्चन है बच्चे ने आंसर भी निकाल दिया ओपी भाई ओपी मैं ओपी नहीं यार मैं ओपी नहीं मैं लव यू नहीं तुम लव यू लव यू टू तुम लोग ओपी हो भाई ठीक है तुम हो तो हम हैं ये तो मेरी एनर्जी का सोर्स आप ही तो मेरी एनर्जी का सोर्स आप ही हो और मेरा काम भी है ठीक है ना चलो देखो इस एनएम को मैं कैसे लिख सकता हूं बेटा इस एनएम को लिख सकता हूं मैं एनएम इज इक्वल टू सी वाई वी एम नो ये एप्सोलूट है ना ये एप्सोलूट है ना भाई सही बात है यार कोई और मीडियम तो नहीं दिया ना कोई और मीडियम तो दिया ही नहीं बल्कि वह क्यों बोल रखा है पहली तो तो एप्सोलूट ही है पुट करना है अपने इसके अंदर बस चीजों को पुट करना है इसके अंदर पुट करना है एनएम क्या है वन सी क्या है थ्री इंटू टेन की पावर एट और अपॉन में वीएम है वीएम को ऊपर ले जा वन पॉइंट फोर को नीचे ले आ खत्म हो गई बात तो वीएम कितना आ गया वीएम आ गया थ्री इंटू टेन की पावर एट अपॉन में वन पॉइंट फोर अगर ये डेढ़ होता तो दो पे जाता ये वन पॉइंट फोर है तो थोड़ा ज्यादा पे जाएगा आ, टू पॉइंट वन कर देता हूं ही कुछ आ रहा क्या टू पॉइंट वन फोर ना ओम आदित्य झा ओम आदित्य झा मीटर पर सेकंड ठीक है ना वी एम आ गया बेटा आपका ठीक है मैंने तो अंदाजे से लिखा है आप लोग एग्जैक्ट लिखो अच्छी बात है अच्छी बात है ठीक है 2.1 पॉइंट वन टेन की पावर एट हाँ टू पॉइंट आ जाएगा बढ़िया बढ़िया याहया अली यहिया अली अलीहिया अली, ऐसी ऐसी बोलते हैं क्या अली यूर्या लिख रहा है की पावर की सही है सही है बढ़िया है भाई बढ़िया है छा रहे हो रहे हो एक और करो एक और करो जल्दी से ये थोड़ा सा हटेला क्वेश्चन है ये थोड़ा हटेला ओलंपियाड की तरफ सरकता हुआ क्वेश्चन है ये थोड़ा ओलंपियाड की तरफ सरकता हुआ क्वेश्चन है ये मैं गिवन लिख देता हूं बेटा उसके बाद आप करते रहना ठीक है मैं गिवन लिख देता हूं उसके बाद आप, आप करते रहना वेवलेंथ लेमडा दे रखा है बेटा पांच मीटर का पांच मीटर का लेमडा है एयर में है और एंटर करता है एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में एक रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ब्लॉक ऑफ ब्लॉक बी फॉर ब्लॉक बी फॉर ब्लॉक कितना दे रखा है दे रखा है थीक, थीक, है निकालनी, है ठीक ठीक आपको निकालना निकालना और न्यू निकालना है न्यू अरे न्यू याद कर न्यू याद कर साउंड का साउंड के चैप्टर में पढ़ा था तूने वी इज इक्वल टू लैम्डा न्यू ये फॉर्मुला याद होना चाहिए आपको इंथ क्लास का फॉर्मूला है भाई नाइन्थ क्लास का फॉर्मूला है वी इज इक्वल टू लेमडा न्यू वेलोसिटी इज इक्वल टू वेवलेंथ टाइम्स फ्रीक्वेंसी वेलोसिटी इक्वल्स टू वेवलेंथ टाइम्स फ्रीक्वेंसी वी इज इक्वल टू लेमडा न्यू है ना है ना है ना है ना करूं निकालें चलो निकालते हैं देखो ऐसा है ऐसा है भाई फ्रीक्वेंसी तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो यहां से इस फॉर्मुला से आप डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो आप लाइट की स्पीड रखो यहां पर कितनी 3 10 की पावर इज इक्वल टू कितना दे रखा है 500, है ना और में फ्रीक्वेंसी यहां से न्यू निकल के आ जाएगा पांच सौ जैसी डिवाइड में जाएगा इसके है ना तो ये थ्री इंटू टेन की पावर एट अपॉन में फाइव हंड्रेड है ना इससे आप न्यू निकाल लो कट पिट के आंसर कुछ ना कुछ आ जाएगा ठीक है और उसके बाद तो कुछ भी नहीं है आपने फ्रीक्वेंसी निकालनी है ले भाई फ्रीक्वेंसी oh, निकल गई आपने भी निकालना है तो आप जानते हो कि एन इज इक्वल टू सी बाई है जनरल फॉर्मूला तो है? भी भी तो है? है ना एन बी कितना ऊपर है? है, डेढ़ आएगा ऐसे क्वेश्चन आए हैं भाई ऐसे क्वेश्चन आए हैं बोलो ये न्यूमेरिकल है क्या ये न्यूमेरिकल है क्या मल्टीप्लीकेशन डिविजन हो रहा है सिंपल टू इंटू टेन की पावर एट यह बीबी आ गया बेटा टू इंटू टेन की पावर एट मीटर पर सेकेंड ठीक है ना ये आपका आंसर है नेक्स्ट पे चलते हैं जल्दी से जल्दी से नोट कर लो नेक्स्ट पे चलते हैं नेक्स्ट पे चलते हैं जल्दी से नोट कर लो जल्दी से जल्दी से नोट कर लो चलो एक और इसे ट्राई करो इसे ट्राई करो मान जाऊंगा आओ जी देखो देखो केवल लिख रहे हैं भाई क्या क्या दिया हुआ है पढ़ते जाना मेरे साथ साथ ठीक है मेरे साथ साथ पढ़ते जाना रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ वॉटर दिया हुआ तो यह एप्सलूट है अब आप बोलोगे सर हमको कैसे पता चलेगा कौन सा एप्सलूट है कौन सा नहीं है हमें कैसे पता चलेगा तो भैया ऐसा है कि अगर सिर्फ रिफ्रेक्टिव इंडेक्स लिखा हो ना तो वह एप्सलूट ही होता है क्या बोला अगर सिर्फ रिलेटिव इंडेक्स लिखा हो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स लिखा हो तो वो रिलेटिव नहीं होता वो ही होता है जैसे यहां पर absolute के आगे जरूरी नहीं कि वो शब्द लिखे absolute। आपको खुद समझना पड़ेगा ठीक है आपको खुद समझना पड़ेगा लिखा आगे अगर होता तो लिखा होता है कुछ यहां ऐसा कुछ नहीं लिखा यहां ऐसा कुछ नहीं लिखा ठीक है ना तो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ वॉटर डेढ़ एंड द्लास इज वन पॉइंट एट यानी ग्लास का भी साथ साथ चिपका के दे दिया इसने कितना दशमलव आठ फिर कह रहा है फाइंड बोर्ड का क्वेश्चन है मजाक मत समझना इसको भाई बोर्ड का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स वाटर चालू है ठीक है ना बहुत चालू है भाई दो दे दिएूट और दो पूछ लिया रिलेटिव देखो वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास पूछ लिया और ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर पूछ लिया ठीक है आओ सीखो जरा आओ सीखो आपसे रिफ्रेक्टिव इंडेक्स पूछा हुआ है वॉटर कॉमा ग्लास और फिर पूछा हुआ है ग्लास कॉमा वॉटर ये दो आपसे पूछ लिए ये दो आपसे पूछ लिए कैसे निकालेंगे भाई हैं कैसे निकलेगा तो इसका तो एक शॉर्टकट है आप बोलो तो शॉर्टकट बता देता हूं है ना और एक्चुअल कॉन्सेप्ट से भी बता देता हूं दोनों काम बता देता हूं ठीक है शॉर्टकट बताता हूं पहले आपको देखो देखो डब्बा बनाने से पहले से पहले तुम शॉर्टकट पहले देख लो क्या है ठीक है देखो मान लो अगर इंडेक्स दे छोटा कर लेते हैं है, है? तो आप इसको कैसे लिखना पसंद करोगे वेलोसिटी के टर्म्स में अगर आप इसको लिखोगे तो कैसे लिखोगे वेलोसिटी के टर्म्स में सर हम लिखेंगे दिस इज रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी ध्यान से सुनना दिस इज इंडेक्स इंडेक्स ऑफ ए ए ए विद रिस्पेक्ट टू बी यानी का माने A में घुस रही होगी बाद में आ कहां से रही होगी बी से आ कहां से रही होगी बी से घुस किस में रही है ए में यानी यानी नीचे लिखा जाएगा वी ए और ऊपर लिखा जाएगा वी बी बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया लिख रहे हैं बच्चे यहां पर आंसर नहीं ये लिख रहे हैं बच्चे अच्छी बात है अच्छी बात है है ना तो ये, ये आपने लिख लिया है ना ये आपने लिख लिया बढ़िया बढ़िया मुझे एक बार बताओ अगर अकेला एन ए होता अगर अकेला एन होता मतलब रिलेटिव वाला ना होता समझे ना रिलेटिव वाला ना होता सिर्फ एन होता तो आप क्या लिखते आप लिखते सी बाई वी यस और नो यस और नो ये 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 हो गया ना ये रिलेटिव है ये है सर बिल्कुल ठीक है कोई दिक्कत नहीं है ना अच्छा अगर सिर्फ एन बी होता अगर सिर्फ एन बी होता ये भी एप्सोलूट है कैसे लिखते सी बाय लिखते सर सही बात है बेटा सी बाय लिखता तब तो तू इसको हा कि ना अब एक काम करो अब एक काम करो ये जो एन ये जो वी ए है ना इसको ऊपर ले जा और सी को नीचे आ वी ए को ऊपर ले जा और एन ए को नीचे ले आ सी के नीचे आ वी ऊपर एन ए नीचे सो दिस बिकम्स वी ए इज इक्वल टू सी बाय एन ए हां की ना VA VA भी। वी ए गया ऊपर एन ए आया नीचे वी ए गया ऊपर एन ए आया नीचे ऐसे यहां पर भी यहां पर भी वी बी गया ऊपर एन बी आया नीचे वी बी गया ऊपर सी अपॉन

आओ रखे वी ए होता है सी बाय ए वी ए होता है सी बाय ए सी बाय बी सी बाय बी सही है सही है अब C से C कट गया है ना C से C कट गया और ये एन ए गया ऊपर और एनबी नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में तो ये बन जाएगा एन ए बायी एन ए बायी यानी ये जो एन ए बी था ये जो एन ए बी था कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज एन ए बी जो है कैन ऑल्सो भी रिटर्न या फिर या तो वेलोसिटी के टर्म्स में लिख लो तो वीबी बाई भी ए लिखना पड़ेगा अगर रिफ्रेक्टिव इनडिस के टर्म्स में लिखना है तो आपको एन ए बाई एन बी लिखना पड़ेगा जस्ट वेलोसिटी का उल्टा ही तो होता है भाई अरे एन इज इक्वल टू सी बाई बी नहीं होता क्या एन और बी दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं है क्या

और रिफ्रेक्टिव एप्सुलूट इंडिविजुअल रिफ्रेक्टिव इंडेस के टर्म्स में भी लिख सकते हो वेलोसिटी के टर्म्स में तो लिखना आपको आता ही है बाय डेफिनेशन आता है है ना बाय डेफिनेशन आता है है कैसे ऐसे v v अपॉन a a में घुस रही है, तो a नीचे और b ऊपर सर एक तरीका तो हमको आता है बाय डेफिनेशन आता है एक तरीका तो हमको है ना सही बात है n के टर्म्स में यानी रिफ्रेक्टिव इंडेक्स के टर्म्स में भी इसको आप लिख सकते हो कैसे सीधा ऊपर वाला ऊपर नीचे वाला नीचे नोट कर ले गांठ बांध के इसको कहीं पर नोट कर ले झटके में सवाल निकलेंगे झटके में सवाल निकलेंगे कहीं नोट कर लेना इस शॉर्टकट को ठीक है एन ए कॉमा बी को आप एन ए एन बी लिख दो सीधा या विवाह लिख करके पूरा घुमा फिरा के लेकर के आओ वो आपकी इच्छा है वो आपकी इच्छा है ठीक है एन ए बाई एन बी एन ए कॉमा बी इज एन ए एन बी ठीक है ठीक है आओ अब इस क्वेश्चन को करते हैं आओ अब इस क्वेश्चन को करते हैं देखो भाई आपसे क्या पूछ रहा है W कॉमा जी निकालना है W कॉमा जी निकालना है आजा बेटा जरा W कॉमा जी निकाल के दू इसका इसका W कॉमा जी निकाल के दू जब W कॉमा जी निकाल के दूंगा तो W ऊपर G नीचे N W ऊपर N G नीचे और जब N G कॉमा डब्ल्यू निकालना होगा दोनों पूछ रहा ना मेरे से ये शाणा बन रहा ना भाई ये G कॉमा डब्ल्यू पूछ रहा है और W कॉमा जी भी दोनों पूछ रहा है तब क्या लिखूंगा तब लिखूंगा एन एन जी ऊपर और डब्ल्यू नीचे ठीक है ना जब रिफ्रेक्टिव इंडेक्स के टर्म्स में बोले तो सीधा सीधा लिख दो वेलोसिटी के टर्म्स में बोले तो उल्टा करके लिख दो कितना आसान है हलवा बन गया रिफ्रेक्टिव इंडेक्स का हलवा बन गया मुश्किल लगता था मुश्किल लगता होना चाहिए था मतलब आइडियली मुश्किल लगता है अब नहीं लगेगा लेकिन अब हलवा बिल्कुल क्योंकि तो एक छोटा सा था फॉर्मुला उसी को उलट पलट के चीजें कर रखी हैं बस है ना कॉन्सेप्ट मुश्किल लगता है लेकिन ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है ये समझ में नहीं आता ठीक है बढ़िया तो n w को g को w ऊपर g नीचे और n w को n g ऊपर w नीचे तो क्या क्या दे रखा है भाई 1.5 और 1.8 1.5 और 1.8 और यहां पर जस्ट उसका रेसिप्रोकल जस्ट उसका रेसिप्रोकल 1.8, अपॉन 1.5 पॉइंट से पॉइंट कट गया पॉइंट से पॉइंट कट गया तीन से काट दो 6 और ये पांच ये पांच बटा 6 और ये 6 5 ठीक है ना तो बस फिर आप ऐसे भी छोड़ सकते हो इसको टा छे लिख के या फिर आप डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहो कर सकते हो एज पर योर विश ठीक है तो ये आंसर हो गए बच्चे लिख भी रहे हैं बहुत अच्छी बात है है ना लेकिन जो सीखने आए हैं जिनको नहीं पता था ये उनके लिए मैंने आपको ये सिखाया ठीक है ना अब ये बहुत ईजी लगेगा अब कुछ नहीं लगेगा ये अब ये कुछ नहीं है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ठीक है आइए स्पेरिकल लेंसेज की बातें करते हैं है ना क्योंकि ये भी एक मेजर पोर्शन है आपके न्यूमेरिकल सेक्शन का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स खत्म क्टिव इंडेक्स खत्म काफी प्रैक्टिस कर लिया आपने इंडेक्स की लियाल पढ़ते हैं ठीक है थीके? कोई ब्रेक नहीं भाई खाना वाना खा लिया मस्त ठीक है must, ना मस्त खाना वाना खा लिया आप लोगों ने अब आगे बढ़ते हैं ठीक है थीके? तो स्पेरिकल की बात कर रहा हूं शकल देख लो जरा शकल देख लो दो तरह के लेंस है भैया एक कॉन्वेक्स लेंस और एक कॉन्केव लेंस ठीक है कॉन्वेक्स लेंस होगा जो दोनों तरफ से ऐसा होगा ऐसा दो तरफ से ऐसा होगा ठीक है दो तरफ से ऐसा होगा ये कॉन्वेक्स है ठीक है और ये वाला जो होगा वो कॉन्केव होगा ऐसा ऐसा जिसके दोनों तरफ गुफा है ठीक है जिसके दोनों तरफ से लाइट गुफा में घुस रही हो ऐसा सोचो ऐसा सोचो वो कॉन्केव है है ना जो अंदर दब रहा है जो अंदर दब सकता है दोनों तरफ से जो दबता है ना दैट इज कॉन दैट इज कॉन्केव ठीक है और जो दोनों तरफ से उभरा हुआ है दैट इज कॉन्वेक्स यानी कॉन्वेक्स को ऐसा दिखाना चाहिए दोनों तरफ से उभरा हुआ है और कॉन्केव को ऐसा दिखाना चाहिए दोनों तरफ से दबा हुआ है इसे भी भी कहते है, उसे बाई lens भी कहते हैं, हैं, उसे ठीक है ऐसे जो किया हो ऐसे जो किया हो वो कॉन्वेक्स और ऐसे जो किया हो वो ठीक है ऐसे जो किया हो वो कॉन्वेक्स किया पढ़ लो एक बार एक ऑप्टिकल मटेरियल है जिसमें दो स्फेरिकल फेसेस होते हैं सही बात है भैया एक स्फेरिकल फेस देखो ये वाला देख एक वाला और एक ये वाला ऐसे यहां भी देखो एक ये वाला और एक ये वाला सही बात है कि नहीं तो भाई जब दो दो स्पेयर होंगे समझना ध्यान से जब दो दो स्पेयर होंगे तो दो दो सेंटर भी होंगे हाँ कि ना है ना जब दो दो स्पेयर होंगे तो दो दो सेंटर भी होंगे और अगर दो दो सेंटर भी होंगे तो दो दो, दो दो फोकाई भी होंगी फोकाए फोकस का प्लूरल फोकाए ठीक है दो दो फोकस भी होते हैं फोकस नहीं बोलते ना फोकाए बोलते हैं तो दो-दो फोकए भी होंगी क्योंकि दो-दो सेंटर भी होंगे एक सेंटर इस तरफ होगा एक सेंटर इस हो तरफ होगा हो तो एक सेंटर उस तरफ होगा एक सेंटर इस तरफ होगा तो एक सेंटर इस तरफ होगा अब सेंटर सेंटर को मिला देंगे तो जो मिड पॉइंट बनेगा ये वाला ये फोकए होगा ये एक और फोकाई ठीक है फोकाई एफ ओ सी आई आई ऐसा बोल देते हैं इसको फोकए फोसीआई फोसीआई कई कभी फोसे बोलते हैं इसको है ना फोकए ठीक है तो ये ये बन गया फोकस ये एक और फोकस ये सेंटर ये एक और सेंटर वैसे इसको सी नहीं लिखते इसको डबल ऑफ फोकस लिखते हैं ठीक है इसको भी डबल ऑफ फोकस लिखते हैं ठीक है नोट करते जाना जो जो बता रहा हूं जो जो बता रहा हूं नोट करते जाना भाई ठीक है इसको भी डबल ऑफ फोकस इसको भी डबल ऑफ फोकस सेंटर नहीं बोलते क्योंकि सेंटर तो क्योंकि सेंटर तो ये होता है सेंटर तो ये होता है इसको ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं जो लेंस का एकदम बीचो बीच का पार्ट होगा लेंस का ज्योमेट्रिकल सेंटर जो होगा दैट इज ऑप्टिकल सेंटर ठीक है ओ डिनोट करते हैं इसको ऑप्टिकल सेंटर अभी आगे बताऊंगा और बातें अभी तो खाली इंट्रोडक्शन दे रहा हूं आपको अभी तो खाली इंट्रोडक्शन दे रहा हूं आपको और बताऊंगा बातें ठीक है ये देखो जरा ठीक है ये है कॉन्वेक्स ये है कॉन्वेक्स लेंस ये है कॉनकेव लेंस ठीक है ये कॉन्वेक्स है ये कॉनकेव है ओके इसका गोला ऐसे घूम रहा है इसका गोला ऐसे घूम रहा है है ना ये वाला गोला ये वाला ये वाला जो पोर्शन है वो इस गोले का पार्ट है और ये वाला जो पोर्शन है ये इस गोले का पार्ट है सही बात है भाई सही बात है भाई है ना तो जब ये गोला बन ही गया है तो ये इसका सेंटर होगा और ये वाला इसका सेंटर होगा मतलब थोड़ा सा और बड़ा करना पड़ेगा तब ये सेंटर दिखने लगेगा आपको है ना अभी आपको थोड़ा थोड़ा इधर शिफ्टेड लग रहा होगा लेकिन ये होते ऐसे ही हैं ये होते ऐसे ही हैं कि ये भी एक सेंटर होता है और ये भी एक सेंटर होता है ठीक है अब इनको आपस में जोड़ दिया इनको आपस में जोड़ दिया तो ये हो गई आपकी प्रिंसिपल एक्सिस राइट ये हो गई आपकी प्रिंसिपल एक्सिस यस यस और और नो ये नो ये हो गई आपकी प्रिंसिपल एक्सिस ऐसे ही ऐसे ही इसका भी गोला पूरा करता हूं इसका भी गोला पूरा करता इसका भी गोला पूरा करता हूं है ना तो ये हो गया इसका सेंटर ये हो गया इसका सेंटर है ना तो जब सेंटर सेंटर मिल गए हैं तो भाई ये ले फोकस भी ले भाई ये फोकस भी होंगे मिड पॉइंट ठीक है और ये जो बीचों बीच जो मैंने आपको बताया जोट्रिकल सेंटर जो होता है इसको ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं यहां भी ये यह क्या होगा 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 ऑप्टिकल सेंटर ओ से लेके सी का जो मिड पॉइंट वो फोकस होगी ओ से लेके सी तक का जो मिड पॉइंट होगा उसको फोकस बोलते हैं लेकिन एक हैरानी की बात तो यह सी ही नहीं बोलते है. क्योंकि दो दो सेंटर हैं यहां तो तीन सेंटर हो गए एक ऑप्टिकल सेंटर हो गया और एक दो दो सेंटर हो गए इसलिए इनको सेंटर ना बोल करके इनको कहते हैं इनको कहते हैं क्या कहते हैं भाई इनको कहते हैं डबल ऑफ फोकस ट्वाइस ऑफ फोकस क्या बोलते हैं प्यार से बोलो प्यार से बोलो ट्वाइस ऑफ फोकस ठीक है ना ये फोकस ये ट्वाइस ऑफ फोकस ये फोकस ये ट्वाइस ऑफ फोकस ठीक है ऐसे ही ये भी सेंटर नहीं है भाई ये भी सेंटर नहीं है ये भी सेंटर नहीं है तो ये होगा ये होगा फोकस ये होगा ट्वाइस ऑफ फोकस ये होगा फोकस और ये होगा ट्वाइस ऑफ फोकस अब बोला भाई अब बोला भाई बड़ी दिक्कत हो रही है दो-दो फोकस हो गए हैं राइट right में भी हो गए लेफ्ट में भी हो गए मेरा तो कलेजा निकले जा रहा है भाई तो भाई इसलिए क्या किया गया कि लेफ्ट वालों को वन वन नाम दे दिया गया एफ वन और टू एफ वन और राइट right वालों को नाम दे दिया गया एफ टू और टू एफ टू ऐसे यहां पर भी लेफ्ट वालों को नाम दे दिया गया एफ वन और टू एफ वन राइट वालों को नाम दे दिया गया एफ टू और टू एफ टू ठीक है जी ये कहानी है यह कहानी है सेंटर ना बोल करके सेंटर ना बोल करके एफ और टू एफ बोलते हैं ठीक है और फिर कंफ्यूजन ना हो तो इस वाले को वन लेफ्ट वाले को वन राइट वाले को टू लेफ्ट वाले को वन राइट वाले को टू ऐसा बोलते हैं ठीक है बाकी सारे वैसे ही रहेंगे जैसे मैंने आपको पहले बताए थे कौन कौन से जल्दी से देख लेते हैं एक बार जल्दी से देख लेते हैं ओ से लेकर के एफ तक का जो डिस्टेंस है दैट इज फोकल लेंथ है ना ओ से लेकर के टू एफ तक का जो डिस्टेंस है दैट इज आर रेडियस ऑफ करवेचर वो वैसे का वैसे ही रहता है ठीक है अपर्चर क्या होगा यह रहा आपका अपर्चर जिसकी तुमको तलाश है जिसके पीछे पेट खराब होता रहता था तुम्हारा कौन है भैया अपर्चर कौन है दिखाओ जरा ये रहा है भाई ये यह अपर्चर है ना अब पेट खराब होने से बच जाएगा तुम्हारा ये रहा राचर ठीक है ये है focus, length, है फोकस फोकल लेंथ सॉरी ठीक ना और ये है रेडियस ऑफ कर्वेचर ठीक है तो सर एक बात बताओ यहां तो दो दो फोकस है हाँ सर दो दो फोकस है तो जब दो 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 फोकस है तो सर दोनों तरफ फोकल लेंथ होगी हाँ बेटा दोनों तरफ फोकल लेंथ होती है

नेचर बड़ा ही इंपॉर्टेंट मैगी खा रहे हो क्या मैगी खा रहे हो अभी ब्रेक दूंगा खा लेना ना मैगी मैगी खाने की जल्दी है यार ब्रेक दे दूंगा मैं ले लियो मैगी खा लियो भाई आराम से ठीक है देखो देखो अच्छा ब्रेक कब दूं? ब्रेक 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 कब लिख रहे हो तुम है? ये तो रूल्स आ जा जाएंगे उसके बाद चलो ठीक है इस इस स्लाइड के बाद ब्रेक है ठीक है इस स्लाइड के बाद ब्रेक है लेकिन दस मिनट का दूंगा जाने दूंगा मेरे को नहीं थकान हुई भाई मैं तो केले वाले खाके एकदम हिस्ट पुष्ट हो गए हैं ठीक है ना हाँ केले वेले खाके अपन हिस्ट पुष्ट हो गए हैं बिल्कुल ठीक है दस मिनट का ब्रेक दूंगा सिर्फ जो थोड़ा बहुत खाना हो खा लेना ठीक है ओके हाँ, मिनट का दे देंगे कोई टेंशन नहीं है टेन मिनट्स का ओके है, ओके ब्रेक है, है ना इतने घंटे चल रही है क्लास तो यार बनता है है ना देखो अच्छा देखो सीन क्या है सीन क्या है भाई सीन क्या है देखो ये वाला जो लेंस है ये कॉन्वेक्स है ये वाला जो लेंस है वो कॉनकेव है सही बात है सर सही बात है ये सर ऑप्टिकल सेंटर है बिल्कुल ठीक बात है ये सर एफ है ये सर टू एफ वन है ये सर एफ टू है और ये भाई साहब टू एफ टू है बहुत बढ़िया साहब सही कह रहे हो आप बिल्कुल ये ऑप्टिकल सेंटर है सर ये फोकस वन है ये डबल ऑफ फोकस वन है ये फोकस टू है है ना ये डबल ऑफ फोकस टू है चलो भाई बढ़िया बात है कोई टेंशन नहीं है ना अब क्या करें सर अब ऐसा है भैया ऐसा है भैया अगर अगर लाइट पैरेलल मारी जाए लेंस पे दे गए ठीक है लेंस पे दे गए पैरल लाइट अगर मारी जाए ऐसे ऐसे ये ऐसे ऐसे ठीक है तो इस लेंस का ये नेचर है बेटा नेचर डिस्कस कर रहा हूं ना नेचर डिस्कस कर रहा हूं ना तो इस लेंस का ये नेचर है बेटा कि क्या करेगा पता है ये क्या करेगा पता है ये सारी की सारी रेज को ना एक जगह पर इकट्ठी कर देता है इसका नेचर ही ऐसा है इसकी रिफ्रैक्शन ही ऐसी आप, आप रेर से डेंसर मान लो डेंसर से जो मर्जी मान लो इसको इसकी रिफ्रैक्शन ही कुछ ऐसी है कि क्या करता है ये क्या करता है लाइट को बेंड कर देगा लाइट को बेंड कर देगा और फोकस पे ला करके मिला देगा इसका नेचर ही कुछ ऐसा है ठीक है यह फोकस पे क्या करता है कन्वर्ज कर देता है लाइट को अब कन्वर्ज कर रहा है तो भैया क्यों ना मैं इस लेंस का नाम कन्वर्जिंग रख दू यस और नो येस और नो मैं इस लेंस का नाम क्या रख दूर कन्वर्जिंग रख दूं क्योंकि ये क्या कर रहा है सारी लाइट को ला करके एक पॉइंट पर समेट रहा है बिल्कुल सही है भाई समेटने वाला इकट्ठा करने वाला कौन कॉनवेक्सर वहां तो कॉन्वेक्स मिरर फैला रहा था यहां लेंस इकट्ठा कर रहा है हां भाई है तो है है तो है ठीक <laughs> है ना वहां वहां रिफ्लेक्शन हो रही थी यहां रिफ्लेक्शन हो रही है फर्क है दोनों बातों में और वहां पर कॉन्केव क्या कर रहा था इकट्ठा कर रहा था यहां कॉन्केव फैलाएगा आओ देखो आओ देखो ये फैलाएगा ठीक है इसे फैलवा दे लाइट को यह पहुंची लाइट इसके पास ये पहुंची लाइट इसके पास ये पहुंची लाइट इसके पास ये पहुंची लाइट इसके पास ठीक है क्या करेगा अब ये ये क्या करेगा अब यह बोलेगा भाई लाइट तो आ गई है लाइट तो आ गई है और मेरा काम इकट्ठा करना नहीं है भाई मेरा काम तो जो लाइट आई है मैं फैला दूंगा तो फैलाएगा तो क्या अपनी मर्जी से फैला देगा क्या अगर ये लाइट को फैलाएगा तो क्या मनमर्जी फैला देगा क्या मैंने बोला आपको मनमर्जी नहीं चलती फिजिक्स के रूल्स फॉलो होते हैं फिजिक्स के लॉज हम सब पर बराबर लगते हैं वही आपको पढ़ा रहा हूं मैं। वही आपको पढ़ा पढ़ा रहा रहा हूं हूं मैं ठीक है ना तो क्या होगा अगर लाइट आई है तो वो इस फोकस से नहीं यहां तो किससे बातचीत चल रही थी एफ से बातचीत चल रही थी लाइट की यहां लाइट बात करती है एफ से यह बहुत खास बात है यह बहुत खास बात है इसी के बेसिस पर आगे न्यूमेरिकल की बातें चलेंगी जब मैं न्यूमेरिकल करवाऊंगा इसके बाद तो ठीक है इसलिए ध्यान से सुनना यहां पर लेफ्ट वाले फोकस से बातचीत होती है राइट वाले फोकस को भाव देती नहीं लाइट है ना वो लेफ्ट वाले फोकस को भाव देती है कैसे देती है इसको यूज करके फैलती है ठीक है फोकस वन को यूज करके फैला देती है ऐसे ऐसे ठीक है और ऐसे ठीक है जी वेरी वेरी प्रिसाइज पेंटिंग आई एम डूइंग प्लीज रिस्पेक्ट दैट तुम भी ऐसी करा करो है ना रिस्पेक्ट का मतलब ये नहीं कि वा सर वा क्या बनाया है रिस्पेक्ट का मतलब तुम भी वही करो है ना ताकि तुम्हारा भी भला हो वही रिस्पेक्ट है वही रिस्पेक्ट है ठीक है तो भैया देखो हो क्या रहा है हो क्या रहा है हो ये रहा है हो ये रहा है कि लाइट आई लाइट आई और इसको यूज करके फैल गई तो मतलब इधर तो कुछ नहीं हुआ ना भाई यहां तो कुछ नहीं हुआ ना इधर तो मैं डॉट कर सकता हूं इसको डॉटेड बना सकता हूं यहां तो मैं इसको डॉटेड बनाऊंगा यहां तो मैं इसको डॉटेड बनाऊंगा यहां तो मैं इसको डॉटेड बनाऊंगा हा की ना भाई इधर थोड़ी आई है लाइट लाइट रिफ्लेक्ट थोड़ी हुई है लाइट तो रिफ्रैक्ट हुई है हुआ क्या पता है हुआ ये ऐसे आई और ऐसे निकल गई ऐसे ही ऐसे निकल गई ऐसे ही ऐसे निकल गई ऐसे ही ऐसे निकल गई पार हुई है ये तो ये तो आर पार हुई है सिर्फ इसकी मदद ली है सिर्फ इस फोकस की मदद ली है है ना इस फोकस की खाली हेल्प ली गई है इट ठीक है ना सिर्फ इस, इस फोकस की क्या है, जो जाती है जाती, है, जाती रेज है जहां भी ये कन्वर्ज कर रही होगी वहीं पर आपको क्या दिखेगी इमेज दिखेगी अभी इमेज की बातें करेंगे आगे जाकर के वहां आपको क्या दिखेगी इमेज दिखेगी ठीक है तो ये नेचर था इसका फैलाने वाला ये नेचर था इसका फैलाने वाला बोले तो डाइवर्जिंग तो ये कैसा लेंस है ये कैसा लेंस है ये डाइवर्जिंग लेंस है बेटा आगे न्यूमेरिकल आएगा बोलेगा डाइवर्जिंग लेंस पे लाइट पड़ी फलाना डिमकाना हुआ समझ जाइयो इस लेंस की बात कर रहे हैं समझ जाना कॉनकेव लेंस की बात कर रहे हैं और अगर लाइट कहीं इकट्ठी होती बोले बोले भाई कन्वर्जिंग लेंस है बोले भाई कहीं, कहीं लाइट इकट्ठी हो रही है तो समझ लियो भाई ये वाला लेंस है ठीक है इसी लेंस के अनुसार आपको काम करना है काम क्या करना है वो मैं बताऊंगा अभी लेते हैं टेन मिनट्स का एक छोटा सा ब्रेक ठीक है कुछ पी लो खा लो हल्का फुल्का खाना वाना खाना वाना खा लिया होगा मेरे ख्याल आप लोगों ने ठीक है ना तो बस फिर दस मिनट का ब्रेक उसके बाद कार्रवाई को आगे बढ़ाते हैं छोटा सा ब्रेक है दस मिनट का हेलो 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 आवाज आ रही है क्या जल्दी बता दो भाई आवाज आ रही है क्या मोहित पुनिया सर आ गए हैं चैट में हेलो दोस्तों हेलो दोस्तों मोहित सर मेरा जोश हाई करने आया है कि बच्चों का हाई करने आया है अरे यार ऐसे ऐसे किसी किसी प्लेटफॉर्म के बारे में मत बोलो कुछ भी भाई आप बस ये बताओ आवाज आ रही है कि नहीं आ रही आवाज ओपी यस आवाज ओपी है आवाज ओपी है मैगी ओपी नहीं है मैगी नहीं खाई मैंने मैगी नहीं खाई पुनिया सर बनाएंगे मेरे लिए पुणिया सर प्लीज आई एम वेटिंग फॉर यू आइए और मैगी बनाइए सर <laughs> <laughs> मोहित सर ओपी मोहित सर लेक्चर के स्टार्टिंग में देखना आप आपका पढ़ा जिक्र किया गया उसके अंदर चलो 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 स्टार्ट कर रहे हैं भाई ठीक है स्टार्ट कर रहे हैं पूर्णिया सर यार आप चैट में भी डिस्टर्ब करोगे क्लास में भी आके डिस्टर्ब करते हो चैट में भी आके डिस्टर्ब करते हो आप चलो 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 हाँ जी हाँ भाई रे डायग्राम बनाने के लिए आपको रूल सीखने पड़ेंगे ठीक है तो रूल स्टार्ट कर रहे हैं रूल नंबर वन ठीक है ना कॉन्वेक्स मेरा कॉन्वेक्स लेंस का पहला रूल है ये ठीक है और साथ साथ बनाते जाओ आप छोड़ दो चैट को ओपी दोनों टीचर ओपी पंकज सर भी ओपी तीनों टीचर ओपी हो गए चलो ठीक है अब अब कॉपी अब कॉपी और पेन पेंसिल स्केल खाना लेके आऊ सर नहीं केला के वाला खा लिया थैंक्स चलो भाई चलो ठीक है हाँ देखो यार थैंक यू सर थैंक यू मोहित सर आप आए अब आप जाइए <laughs> थैंक यू सर मेरा मेरा हौसला अफजाई करने के लिए आप आए थैंक यू सर प्लीज अब जाइए ओके बाय चलो देखो कमिंग पैरल टू प्रिंसिपलिसक्शन पास आपका ऑप्टिकल सेंटर है एफ टू और ये है टू एफ टू ठीक है ठीक है ना है ना भाई सही बात है ना एफ वन टू एफ वन एफ टू टू एफ टू और ऑप्टिकल सेंटर बीच वाला अब क्या करना है पहला रूल सुन लो भाई क्या है पहला रूल ये है कि अगर लाइट आई पैरेलल ठीक है अगर लाइट आई पैरेलल रूल ध्यान से सुनना और नोट करते जाना बनाते जाना साथ साथ ठीक है भाई साथ साथ बनाते जाइए अगर पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के तो फोकस टू से पास होके जाएगी फोकस टू से पास होके जाएगी एफ टू से पास होके जाएगी ये रूल नंबर वन है ठीक है ये रूल नंबर वन है ये रूल नंबर वन है ठीक है अगर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगी तो तो F2 से पास करके जाएगी फोकस टू उधर है उससे पास करके जाएगी ठीक है नेक्स्ट अच्छा बना बना लो बना लो बना लो जल्दी से जल्दी से बना लो रिपीट क्या पढ़ाई क्या मैंने जो रिपीट करूं राशिद जल्दी से जल्दी से जल्दी से हो गया नोट हो गया नोट बड़िया। बड़िया, बड़िया, बढ़िया 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 ठीक है ठीक है ठीक है तो ये पहला था भाई ये पहला था भाई दूसरे में आ जाओ तीसरे में नहीं दूसरे में आ जाओ अगर रे फोकस पे गिरती है ठीक है ना अगर इंसिडेंट रे फोकस पे गिरती है तो रिफ्रैक्शन होकर के पैनल हो जाती है जस्ट कन्वर्स है जस्ट कन्वर्स जैसा पिछली बार था क्या था पैरल आएगी तो फोकस जाएगी अब फोकस से आएगी तो जाएगी तो हो हो टू, टू टू। क्या होगा साथ, साथ अगर फोकस वन से पास कर रही है लाइट ऐसे देख रहे हो देख रहे हो फोकस वन पे लाइट गिराई गई है तो अगर फोकस वन पे लाइट गिराई जाएगी तो पैरल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी ऐसे ऐसे पैरल टू प्रिंसिपल एक्सेस हो जाएगी ऐसे ठीक है ये है रूल नंबर टू ये है रूल नंबर टू ठीक है नोट करते जाना साथ साथ फटाफट नोट करते जाना हाँ बढ़िया बिल्कुल प्रसन्न एकदम बढ़िया प्रगति बहुत बढ़िया प्रगति का तो नेट चला गया था ये वापस कैसे दोबारा रिचार्ज करवा के आइए क्या चलो सेकंड वाला देखो भाई रूल क्या है सेकंड वाला रूल है कि अगर एफ वन से पास कर जाए फोकस वन से पास कर जाए तो क्या होगा पैरल टू प्रिंसिपल एक्सेस निकल जाएगी बेटा ठीक है साथ साथ अंग्रेजी में भी लिख रहा हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे आपको कि क्या हो रहा है फोकस वन से जा करके, है ना आर पार तो होगी ना यार वॉइस वर्षा नहीं वाइस वर्षा वॉइस बोलना होता है वर्षा बोलना होता है है ठीक <laughs> कुछ भी लिखते रहते भाई तो इंसिडेंट ऐसी शादी शुदा लोगों के बारे में ऐसी बात नहीं करते कुछ टीचर हमारे यहां पर शादीशुदा भी है ठीक है ना चलो देखो ये ओ ये एफ वन टू एफ वन ये एफ टू है ना और ये टू एफ टू ठीक है अगर ऑप्टिकल सेंटर से पास कर जाए ऐसे तो सीधी सीधी निकल जाती है कोई रिफ्रेक्शन नहीं होती कोई रिफ्रेक्शन नहीं होती सीधी सीधी पास कर जाती है असल में ऐसा क्यों होता है पता है बता दूं क्या ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये इस सरफेस के नॉर्मल पे गिर रही होती है तो नॉर्मल इंसिडेंस पर रिफ्रेक्शन नहीं होता मीडियम चेंज भी हो जाता है तब भी नहीं होगा ठीक है ना ये दो वो केस हैं जब रिफ्रेक्शन नहीं होता ठीक है मैं बता रहा हूं कि कब कब रिफ्रेक्शन नहीं होता ठीक है ना एक तो इस केस में नहीं होता रिफ्रेक्शन तब नहीं होगा रिफ्रैक्शन मीडियम ढूंढ लिया अस सपोज हमने कोई ऐसा मीडियम ढूंढ लिया जिसकी ऑप्टिकल डेंसिटी यानी रिफ्रेक्टिव इंडेक्स उतना ही है जितना एयर का, तो का तो अब डेंसर एयर का तो फर्क ही मिट गया ना सोचना

दोनों का सेम है तो लाइट ऐसे निकल जाएगी कोई रिफ्रेक्शन नहीं होगी कोई रिफ्रेक्शन नहीं होगी तो ये दो केस होते जब रिफ्रेक्शन नहीं होती कौन कौन से एक तो नॉर्मल इंसिडेंस नॉर्मल पे ही गिरे बोले तो ऐसे गिरे इसमें अगर इस अगर बताऊं बताऊं इसमें तो ऐसे गिरे इसको साइड कर देता हूं है ना ऐसे गिरे ऐसे गिरे अगर तो भी रिफ्रेक्शन नहीं होगा बेटा तो भी रिफ्रेक्शन नहीं होगा ठीक है ना यहां ऐसे नॉर्मल खींचेंगे ना इस नॉर्मल को इस नॉर्मल को ऐसे खींचूंगा ना यहां पर मैं ये आजा भाई आजा जा सड़क के आजा जा हाँ ये नॉर्मल आ गया ना तो यहां देखो एंगल आई भी, जीरो है, भी, जीरो है, भी जीरो है 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 एंगल एंगल आई भी भी और आर ना तो अपॉन जीरोक्वल टू कॉन्स्टेंट अब ये कुछ भी कॉन्स्टेंट रहा हो क्या ही फर्क पड़ता है जब साइन आई ही जीरो हो गया यानी साइन जीरो हो गया साइन जीरो जीरो होता है बेटा तो एक कंप्लीट चीज क्या हो जाएगी जीरो हो जाएगी साइन आर भी जीरो हो जाएगा ठीक है ना साइन आई जीरो होगा तो साइन आर भी उसके साथ साथ क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा तब भी रिफ्रेक्शन नहीं होती तो ये दो केस है जब रिफ्रेक्शन नहीं होती कब 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 नॉर्मल इंसिडेंस पर नहीं होगी दूसरा पूछ सकता है ये किसी एंगल पर गिर रही हो मैटर लेकिन अगर ऑप्टिकल डेंसर ऑप्टिकल रेर वाला सीन नहीं है बोले तो दोनों ही सेम डेंसिटी वाले हैं तब भी रिफ्रेक्शन नहीं होगी तब भी बैंड नहीं होगा ठीक है रूल नंबर थ्री था ये नोट कर लेना जरा और वो बातें भी नोट कर लेना कि कब रिफ्रेक्शन नहीं होगी ठीक है रिफ्रेक्शन नहीं होगी ठीक है नो no रिफ्रेक्शन के केस आई है नो रिफ्रेक्शन हैपन हियर, है ना इन दोनों केसेस के अंदर रिफ्रेक्शन नहीं होती ठीक है रूल नंबर थ्री थ्री क्या है रूल नंबर थ्री के सी पर पास करेगी अगर एट सी गिरेगी अगर है ना तो अनडेविएटेड निकल जाएगी क्या बोलते हैं कैसी निकल जाएगी क्या बोलते हैं कैसी निकल जाएगी क्या बोलते हैं कैसे निकल जाएगी अनडेविएटेड निकल जाएगी ठीक है ना अनडेविएटेड का मतलब होता है बिना भटके सीधी निकल जाएगी अनडेविएशन कोई डेविएशन नहीं होगा ठीक है ओके okay, अब कॉनके वेंस के भी रूल आ गए वन मार्कर के अंदर एमसीक्यू में पूछे जा सकते हैं इसीलिए ध्यान से सुनना बिल्कुल ठीक है ड्रॉ भी करते जाना साथ के साथ ठीक है साथ के साथ ड्रॉ भी करते जाना सर कॉन्वेक्स लेंस प्रिज्म से बना होता है ना इंसिडेंट रे कमिंग पैरल टू प्रिज्म पढ़ाने तो दे यार पहले इंसिडेंट रे कमिंग पैरल टू प्रिंसिपल एक्सिस डाइवर्ज बट अपियर्स टू पास थ्रू फोकस समझाता हूं ये क्या बोल रहा है क्या अंग्रेजी है ये ये ऑप्टिकल सेंटर है बेटा ये फोकस वन है बेटा ये टू एफ वन है बेटा ये एफ टू है बेटा और ये टू एफ टू है बेटा G ठीक है अब देखो हो क्या रहा है हो ये रहा है कि जो भी आपकी लाइट है प्यारी प्यारी वो पैरल आ रही है अगर है ना कैसी आ रही है पैरल आ रही है अगर ठीक है तो वो क्या करेगी वो इस फोकस का इस्तेमाल करके इस एफ वन का बताया हुआ ना मैंने आपको इस एफ का यूज करके क्या करती है आगे फैल जाएगी आगे फैल जाएगी ऐसे ठीक है ना ऐसे निकल जाएगी मतलब लाइट आई तो लाइट आई तो लेकिन ऐसे निकल गई है ना लाइट आई तो लेकिन ऐसे निकली लेकिन एंगल कहां से लेगी स्लोप कहां से लेगी अपने उड़ने का ये जो उड़ान भरेगी उड़ान रोडिड वालों जब ये उड़ान भरेगी तो कहां से भरेगी फोकस वन से भरेगी ठीक है ना फोकस वन को यूज करते हो उसका एंगल लेते हो ये उड़ेगी ऐसा समझ सकते हो आप ठीक है ना तो ये रूल नंबर वन किसका कॉनकेवलेंस का ठीक है ये रूल नंबर वन किसका कॉनकेवलेंस का क्या कि अगर पैरल टू पी एक्सिस होगी पैरल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगी ठीक है ना तो पैरलो तो ये इस फोकस वन का इस्तेमाल करके फैलेगी ठीक है ना तो ऐसा लगेगा आपको अपियर कर रही है अपियर्स अपियर्स टू बी कन्वर्जिंग एट एफ वन ठीक है ना बट होता क्या है ये तो डाइवर्ज कर जाती है ना तो मैं सीधा सीधा लिख दूं अगर तो ऐसा लिख सकता हूं डाइवर्ज यूजिंग एफ वन है ना अगर सिंपल समझाने वाली भाषा में लिखूं तो यही लिखूंगा कि डाइवर्ज करती है यूजिंग ठीक है डाइवर्ज करती है यूजिंग एफ वन ठीक है डाइवर्ज करती है यूजिंग एफ वन ओके ओके okay जी ये रूल नंबर वन था वन मार्कर के अंदर पूछा जा सकता है एमसीक्यू में तो ध्यान रखना भाई ठीक है बढ़ते हैं आगे एक और रूल आया इंसिडेंट रे कमिंग फ्रॉम ओ गोज स्ट्रेट लो जी सिंपल वाला है तो बहुत ये एफ वन ये टू एफ वन ये एफ टू ये टू एफ टू ठीक है अगर लाइट अगर लाइट रे ओ से पास कर जाए तो सीधी सीधी निकल जाती है खत्म यही रूल है बस ठीक है ना ओ पर गिरे ओ पर गिरे है ना एट ओ क्या होगा क्या होगा अनडेविटेड निकल जाएगी सही बात है ना वही वाला रूल था जो पहले था कैसे निकल जाएगी अनडेविटेड निकल जाएगी अब इन्हीं दो रूल्स को यूज करके हर कॉनकेव लेंस की इमेज बनाई जा सकती है हम बनाएंगे भी लेकिन मैं आपको एक और सिखाना चाहता हूं यहां पर ठीक है ना मतलब एक और रूल मैं आपको सिखाना चाहता हूं वो वन मार्क के अंदर पूछ लेता बेटा ठीक है वो रूल क्या है वो रूल ये है बेटा कि अगर आपने अपनी रे को ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं अगर आपने अपनी रे को एफ टू की तरफ डाला ठीक कहां डाला एफ टू की तरफ डाला ऐसे ऐसे डाला एफ टू की तरफ ये ऐसे समझ रहे हो ना ऐसे डाला तो है ना ये टू F2 एफ टू है ना टूवर्ड्स एफ टू है ना तो पता क्या करेगी ये पैरल हो जाएगी बेटा ये पैरल हो जाएगी ऐसे ये पैरल टू प्रिंसिपल एक्सेस निकल जाएगी ऐसे ये आपको नोट करना है वन मार्कर है भाई ये भी है ना ये भी वन मार्कर हो सकता है तो आप इसको मान लो रूल नंबर टू ये रूल नंबर टू मान लो और इसको आप रूल नंबर थ्री मान लो ठीक है अगर टूवर्ड्स एफ गई है तो पैरल होकर के निकल जाती है थ्री ठीक है तो रूल नंबर ठीक है है टूवर्ड एफ टू अगर है है ना तो क्या होगा ये पैरल टू पी एक्सिस निकल जाएगी इन बातों को आप नोट करते जाइए फटाफट फटाफट नोट करते जाइए जल्दी से जल्दी भाई जल्दी जल्दी भाई जल्दी पानी पी लूंगा मैं पानी की चिंता ना कर तू मेरे नोट कर लिखो भाई नोट कर लिया तो लिखो डन 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 डन, डन, डन।, डन। नोट हो गया नोट हो गया नोट हो गया ठीक 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 बढ़िया तो बढ़िया 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 आगे बढ़ रहा हूं आगे बढ़ रहा हूं ठीक है सारे रूल्स का एक बार रिवीजन कर लेते हैं लेंसेस का ठीक है ना यही एक वो एक सौ नौवीं स्लाइड थी जो मैंने ऐड करी है है ना पहली ऐड कर ली थी मतलब जो अदरवाइज मैं 108 स्लाइड लेकर के आया था ना 108 बड़ा शुभ नंबर होता है तो मैंने कहा चलो भाई शुभारंभ करते हैं है ना तो रिवीजन ऑफ ऑल रूल सारे रूल्स का रिवीजन करते हैं एक बार हम कॉनवेक्स के सारे रूल का रिवीजन कर लेते हैं ठीक ठीक जल्दी से करते हैं इसको ये ऑप्टिकल सेंटर बेटा ये f1 ये 2f1 ये एफ ऐसे ही बना रहा हूं अंदाजे से ठीक है ना अंदाजे से बना रहा हूं ऐसे ही बस है अंदाजा क्योंकि अच्छा खासा अपने को इसलिए बना पा रहा हूं ठीक है हाँ पहला रूल ये है कि भाई अरे ये बीच का लाइन बनाना बड़ा जरूरी होता है भाई है ना और ध्यान रखना हमेशा बीच में से मोड़नी होती है क्या बोल रहा हूं मैं सुन रहे हो नहीं सुन रहे, रहे? जोश हाई है कि लो है क्या बोल रहा हूं मैं मैं बोल रहा हूं कि आपने बीच में से मोड़नी है माने यहां लाइट मारी अगर आपने दे के है ना यहां लाइट अगर देके आपने मारी तो आपको सेंटर से मोड़नी है बीच में से ठीक है ना एवरेज रिफ्रैक्शन बोलते हैं इसको हाइयर कॉन्सेप्ट छोड़ दो कोई नहीं नो टेंशन ठीक है ना इसको बोलते हैं एवरेज रिफ्रेक्शन मतलब देखो मुड़नी तो यहीं से चाहिए थी ना भाई इसी छोर से मुड़ जानी चाहिए थी तो ऐसे मुड़नी चाहिए थी है ना फिर ऐसे मुड़नी चाहिए थी ऐसा कुछ होना चाहिए था लेकिन ना 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 ऐसे आएगी और एवरेज रिफ्रेक्शन यानी आधे में से आपने इसको मोड़ना है आधे में से आपने इसको मोड़ना ऐसे और ये चली गई टू से दिस इज रूल नंबर वन ठीक है रिवाइज कर रहे हैं थोड़ा सा स्पीड से चलता हूं अब ठीक है रूल नंबर टू रूल नंबर टू क्या है एफ टू से डाल एफ टू से डालो पैरल एफ टू से डालो पैरल ये हो गई ये हो गई पैरल रूल नंबर थ्री रूल नंबर थ्री ओ से डाल सीधी अनडेविएटेड है ना ओ से डालो अनडेविएटेड ऐसे ही ऐसे ही रूल कॉनकेव के भी सुनते जाओ कॉनकेव के भी सुन लो भाई ये रहा आपका क्या प्रिंसिपल एक्सिस है ना ये रही आपकी प्रिंसिपल एक्सिस ठीक है ऑप्टिकल सेंटर F1 थोड़ा पास आ गया F1 F1 एफ वन टू एफ वन एफ टू टू एफ टू ठीक है ठीक जी F1 वन टू एफ वन एफ टू टू एफ टू आओ जल्दी से रिवाइज करें इसको भी इसका भी क्या सीन है भाई देखो देखो पहली रे सीधी आधे में से मोड़नी है ठीक है आधी रेखा बना लेना मैं तो बनाई लेता हूं ठीक है आधी रेख ओ, 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 ये री भाई ये री भाई ठीक है ना ये बीच की रेखा मध्य रेखा बना लेना इसकी ठीक है नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी ठीक है और ये क्या करती है फोकस को यूज करके फैलती है न बेटा तुम्हारे ऐसे फैलती है ये ये ऐसे फैलती है ये रूल नंबर वन है ठीक है यहां मैं पीछे डॉटेड भी दिखा देता हूं ताकि रूल जो है वो पर्टिकुलरली आपको रिवाइज रहे ठीक है कि को यूज करके फैलाना है और तीसरा रूल क्या था एफ टू की तरफ मारू अगर मैं इसको देकर ओ बच्चा कह रहा है सर एफ वन पर मारेंगे तो क्या होगा आप सोचो जरा क्या होगा आप सोचो जरा क्या होगा अगर मैं इसको एफ वन पर मारू तो अगर मैंने इसको एफ पर मारा ऐसे मारा ठीक है तो इसका नेचर क्या है बेटा इसका नेचर फैलाने का है कि इकट्ठा करने का जल्दी से बोलो जल्दी से बोलो इसका नेचर फैलाने का है डाइवर्जिंग या, या कन्वर्जिंग क्या नेचर है इसका नहीं नहीं गलत बोल रहा है बेटा गलत बोल रहे हो गलत बोल रहे हो ना नहीं हां अब सही अब सही बोला अब सही बोला है ना इसका डाइवर्जिंग नेचर है भाई साहब और डाइवर्जिंग नेचर होगा तो ये ऐसे थोड़ी कर देगा इसका मतलब तो हो गया कन्वर्ज कर रहा है इसका मतलब तो हो गया कन्वर्ज कर रहा है जाग गए जाग गए बच्चे सारे जाग गए हां इकट्ठा नहीं कर रहा फैलाता है बेटा फैलाता है ये हाँ डाइवर्ज करता है तो भाई ये क्या करेगा ये रे को पता क्या करेगा अगर एफन पे डाली ना तो ऐसे भेज देगा रे को आप समझो कोई फायदा नहीं रहेगा उस रे का उस रे का कोई फायदा नहीं रहने वाला ठीक है इसलिए मैंने आपको ये रूल नहीं बताया ये रे ऐसे निकल जाती है ठीक है ना लीक हो जाती है रे है ना लीक कर जाती है ठीक है हाँ तो एफ टू की तरफ मारते हैं इसको इसको के के हम की की तरफ तरफ मारा मारा है ना ऐसे ऐसे F2 की तरफ मारा, और ये क्या हो गई और ये क्या हो गई और ये पैरेलल हो गई ठीक है एफ वन पे दे के मारोगे तो भाई ऐसे बाहर निकल जाएगी वो आपसे पूछेगा भी नहीं ठीक है ना हाइयर कॉन्सेप्ट है पूछेगा भी नहीं नोट कर लेना जल्दी से नोट कर लेना जल्दी से आगे बढ़ रहे हैं नोट कर लेना जल्दी से आगे बढ़ रहे हैं नोट हो गया थीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है बढ़िया 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 है ना बेटा इसका नेचर जो है ना वो इकट्ठा करने वाला नहीं है इसका नेचर तो फैलाने वाला है है ना तो ये हर लाइट को क्या करता है फैलाने की कोशिश करता है इकट्ठी इकट्ठी होती लाइट भी आ रही होगी ना जैसे ये ला, येलो लाइट है ये येलो ये वाली लाइट है जो इकट्ठी होती आ रही है अब इकट्ठी होती है तो उसको क्या करेगा उसको क्या करेगा और इकट्ठा कर देगा क्या उसको और कन्वर्ट करके ऐसे डाल देगा क्या नहीं फैलाएगा तो फैला ही तो रहा है ऐसे नहीं कर सकता ना ऐसे नहीं कर सकता ऐसे फैलाएगा उसको बात समझ में आई ना ऐसे ही फैलाएगा उसको चलो बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं आगे ठीक है आओ इमेज फॉर्मेशन पर आ गए अब है ना इमेज फॉर्मेशन और न्यूमेरिकल और पावर ये तीन टॉपिक रह गए अपने ठीक है हो जाएगा खत्म एज सुन एज पॉसिबल जल्दी से जल्दी कोशिश करते हैं खत्म करने की ठीक है हाँ तो ऑब्जेक्ट कहां रखा गया बेटा इंफिनिटी पर रखा गया बोले तो यहां रखा गया ऑब्जेक्ट को ठीक है इधर रखा गया ऑब्जेक्ट को है ना अब साथ साथ बनाना साथ साथ बनाना मेरे ठीक है ना मेरे साथ साथ चलना है अब आपको दो बनाऊंगा टाइम दूंगा नोट करना फिर दो बनाऊंगा टाइम दूंगा नोट करना ठीक है ऐसे ही होगा तेजस्वी बेटा स्कैटर नहीं बोलते उसको स्कैटर चीज अलग होती है ठीक है स्कैटर इज समथिंग डिफरेंट स्कैटर नहीं बोलते ठीक है स्कैटर नहीं बोलते स्कैटर कुछ और होता है ह्यूमन आई के अंदर बताऊंगा स्कैटरिंग क्या होती है स्कैटरिंग ऑफ लाइट कुछ और चीज है ठीक है चलो अब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है बेटा और अगर इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट है है ना तो आपने रेज डालनी है पैरल पहले मैं काम करता हूं इन सबको लेबल कर लेता हूं ये ऑप्टिकल सेंटर ये एफ वन ये टू एफ वन है ना ये एफ टू और ये टू एफ टू ठीक है ऐसे यहां पर भी यहां पर भी ये ऑप्टिकल सेंटर एफ वन टू एफ वन एफ टू टू एफ टू ठीक है हो क्या रहा है हो ये रहा है हो ये रहा है कि लाइट आपने पैरल भेजनी है भाई लाइट आपने पैरल भेजनी है भेज दी रूल नंबर वन क्या कहता है जल्दी बोलो रूल नंबर वन क्या कहता है दो दिखा दी मैंने यहां पर हाँ सही है भाई सही है मस्त 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 मजे आ गए भाई सही है सही है सही है बिल्कुल ठीक है भाई F2 पर क्या करेगी इकट्ठी होगी बेटा ये है ना F2 पर क्या करेगी इकट्ठी होगी तो अगर ये अगर ये पर्पल आपको बड़ी सी बिल्डिंग बुर्ज खलीफा टीवी टावर कुछ भी बड़ा सा आपको पीछे दिख रहा हो है ना उसकी इमेज छोटी सी आकर यहां बन जाएगी ऐसे समझो कि ये मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह यूज हो रहा है मैग्नीफाइंग ग्लास क्या करता है मैग्नीफाइंग ग्लास ये करता है कि वो लाइट को ला करके जो सनलाइट आती है उसको ला करके एक पेज पर कंसंट्रेट कर देता है, है ना ये देखो यहां बना भी हुआ है ये देखो यहां बना भी हुआ है ये बिल्कुल सेम है है ना यहां जो ये यह वेक्टर बना हुआ है छोटा सा है ना उसका यही वाला है यही उसका जगह पर डाल दिया और जला रहा है, उसको। है ना ऐसे ही होता है यहां पर भी। आपको समझ में आया। नेचर -फट नंबर फोर नेचर लिखना बहुत जरूरी है भाई इमेज के साथ उसका नेचर हमेशा जुड़ा रहता है बच्चे बोलना भी शुरू हो गए बहुत बढ़िया नेचर है भैया पहले तो बन कर रहा है तो एट एफ टू बन रहा है एक बात हो गई दूसरी बात F2 बन रहा है तो एक बात हो गई एफ टू बन रहा है तो एक बात हो गई दूसरी बात दूसरी बात साइज में बहुत छोटा है देखो बड़ी सी बिल्डिंग है बड़ा सा सन है ऐसा सोचो ना भाई बहुत बड़ा सन है और बहुत बड़े सन की जो रेज है उसको ला करके इतनी छोटी सी जगह पर उसने क्या कर दिया कंसंट्रेट कर दिया इतनी छोटी सी जगह पर ला करके उसने उसको फोकस कर दिया सीधी सी बात है, है ना तो इसीलिए बड़ा सा सन या बड़ी सी बिल्डिंग यहां पर छोटी सी दिखेगी दैट इज हाईली डिमिनिश्ड बच्चे बिल्कुल सही लिख रहे हैं हाईली डिमिनिश्ड ठीक है लिखने में ज्यादा फोकस ना करें बनाने पर फोकस करो भाई मैं चाहता हूं कि आप बना लो इतने जितने टाइप करोगे उतने दूसरी बार बन जाएगा भाई जितने में हाय आई जी ढूंढोगे ना उसमें हाईली उतने में एक और बार बन जाएगा वो फ्री हैंड से बना ले जाओगे उसको है ना जो जितना हो सके प्रैक्टिस करो इसकी बनाने की सेकंड टाइम कर लो अगर आपको लग रहा है कि ज्यादा टाइम हो रहा है तो दूसरी बार प्रैक्टिस कर लो क्या दिक्कत है तो एट एफ दूसरा हाईली डिमिनिश हो गया तीसरा तीसरा बच्चे ऐसा है ध्यान से सुनियो जो रेज रियल में आई है वही रियल में कन्वर्ज हुई है क्या बोला जो रेज रियल में आई है वही रियल में कन्वर्ज हुई है का मतलब सीधा सीधा यह हो गया कि यह जो इमेज बन रही है वो कैसी है वो तो रियल है वो तो रियल है वो तो रियल है ठीक <laughs> है हा पॉइंट साइज भी कह सकते हो मेरे प्यारे बच्चों बहुत सारे बच्चे पॉइंट साइज लिख रहे हैं है ना आप पॉइंट साइज भी कह सकते हो ठीक है ठीक है At F2, highly diminished, real, और उसके साथ साथ इनवर्टेड भी जुड़ा होता है बेटा ठीक है तो रियल तो समझ में आ गया ना क्यों है क्योंकि वही रियल आकर के फोकस पे मीट कर रही है इसलिए इसका नाम ऐसा छोटा एरो दिखेगा ऐसे नीचे ऐसे छोटा एरो बात को समझ गए बात को समझ गए चलो दूसरे वाला देखो फिर बनाने का मौका दूंगा आपको ठीक है ना कुछ बना चुके होंगे कुछ को मौका मिल जाएगा बनाने का अब, अब देखो क्या हो रहा है यार? अब ना टू एफ वन से पीछे रखा हुआ है। तो पहली रे जो निकलेगी पहली रे, पहली रे जो निकलेगी वो कैसी निकलेगी सीधी निकलेगी यार है ना और सीधी रे के लिए हमारे पास एक रूल है वो क्या कहता है वो ये कहता है कि अगर सीधी रे निकलेगी तो वो एफ टू से जाएगी हाँ कि ना वो कहां से जाएगी F2 से ये ले भाई ये ले भाई चली गई F2 से ठीक है ये हो गया रूल नंबर ये है आपने ठीक है अब जहां पर ये मीट कर रही है खत्म बात जहां ये मीट कर रही है बात खत्म हो गई वहां वहीं पर क्या दिख जाएगी आपको सर दिख जाएगा किसका ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट का सर उल्टा दिखेगा वहां नीचे हा कि ना इमेजिन करो अरे चैट को छोड़ो भाई इमेजिन करो क्या बोल रहा हूं मैं? है ना? मजा आएगा आपको इमेजिनेशन में ही डूब जाओगे निकली दो रे और यहीं पर आकर मीट कर गई है ना सर से निकली दो रे और यहां के मीट कर गई और यहां आपको क्या दिख जाएगा बेटा सर ही मिल जाएगा है ना सर सर मत कर सर में दर्द कर रहा है क्या मिल जाएगा

वंश बेटा छा गया एफ टू टू एफ टू के बीच में बन रही है ठीक है ना बिटवीन एफ टू एंड टू एफ टू नंबर वन नंबर टू नंबर टू नेचर क्या होगा नंबर टू नेचर होगा भाई ये देखो ये साइज जो ऑब्जेक्ट का है और जो इमेज का साइज है उसमें फर्क देखो आप है ना ऑब्जेक्ट के साइज में इमेज के फर्क देखो आप ये छोटी बन रही है छोटी को बोलते हैं हाईली नहीं हाईली इंफिनिटी के लिए यूज होता है बेटा हाईली ना बोलियो डिमिनिश बोल डिमिनिश बोल बेटा ठीक है तो डिमिनिड ठीक है नंबर तीन नंबर तीन भैया रियल रेस से मिलकर के बन रही है वो ना? रियल रेस से मिलकर के बन रही है, भाई मैं यहां रिकॉर्ड बिकॉर्ड नहीं तोड़ने आया किसी का यार पढ़ाने आया हूं धीरेन्द्र भाई पढ़ाने आया हूं यार जितना टाइम लगेगा सो लगेगा यार ठीक है ना एक दो तीन ठीक है तीसरा क्या है तीसरा है कि रियल रेस से ही मिलकर के बन रही है तो दैट मीन है बेटा ये रियल इमेज है और नंबर चार नंबर चार रियल के साथ आप चेक कर लो इन्वर्टेड आपको फ्री मिल रहा है मिल रहा नहीं मिल रहा है बताओ है ना रियल के साथ इन्वर्टेड फ्री तो यहां नंबर चार पे क्या बनेगा नंबर चार पे क्या मिलेगा आपको इनवर्टेड मिलेगा ठीक है ठीक है जल्दी नोट करो जल्दी नोट करो डन 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 लिखो उसके बाद आगे बढ़ता हूं डन हो गया डन हो गया भाई डन हो गया चलो 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 नेक्स्ट पे चल रहे हैं नेक्स्ट पे चल रहे हैं भाई यहां पर <laughs> मेरे सपोर्ट में <laughs> कोई आया है मेरे मुझे हौसला देने कोई आया है यहां पहचान जाओ पहले कौन आया है पहले कौन आया है सोचो सोचो कौन आया है सोचो सोचो कौन आया है जल्दी से बता दो कौन आया है जल्दी जल्दी से जल्दी से बता तो कौन आया है पूर्णिया सर यस यस एक्चुअली पूर्णिया सर भी आए हैं और और पूर्णिया की पूरी दुनिया आई है साथ में नहीं नहीं आसिम सर नहीं आए भाई आसिम सर नहीं आसिम सर तो चले गए आसिम सर तो चले गए हाँ हाँ अलग पांडे पागल हो गए <laughs> मोदी नहीं मोहित सर है पूनिया सर है भाई पूनिया सर है हाँ और पूरी दुनिया के साथ आए हैं वो अपनी पूनिया जी की दुनिया भी साथ आई है उनके ठीक है ना है ना ठीक है चलो 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 <clears throat> बस 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 ठीक है चलो 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 स्टार्ट करते हैं भाई हाँ आओ भाई तीसरे पे चलो जल्दी से तीसरे पे तीसरे पे चलो ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं टू एफ वन पे टू एफ वन है कहा वन है कहां ये ऑप्टिकल सेंटर है ये एफ वन है टू एफ वन है ये एफ टू है, है ना और ये क्या है ये टू एफ टू है सही बात है भाई ऐसे इसको भी फटाफट फड़ से मार्क कर लेता हूं ये ओ जल्दी बना लो भाई जल्दी बना लो चैट छोड़ दो जल्दी बना लो एफ वन टू एफ वन और एफ टू टू एफ टू ठीक है ना भाई ठीक है ना भाई एफ वन टू एफ वन एफ टू टू एफ टू नहीं एफ वन टू एफ वन एफ टू टू एफ टू ठीक है ना देखो यार देखो यार आपने ऑब्जेक्ट रखा है टू एफ वन के ऊपर यहां इधर इधर रखा है है ना और यहां पर बिटवीन टू एफ वन और एफ वन रखा है यानी यहां रखा है यानी यहां रखा है आपने इस जगह पर इस जगह पर रखा है आपने ठीक है ना इस जगह पर रखा है आपने अरे बडोला सर नहीं आए मोहित सर आए हैं अब वो नहीं आए क्या करें ठीक है हाँ कोई बात नहीं ठीक है ना तो टू एफ वन में और यहां टू एफ, एफ वन और एफ वन के बीच में आए ठीक है ना बीच पे रखा गया ऑब्जेक्ट को सही है तो पहली रे को जल्दी से जल्दी से कॉपी बनाओ जल्दी से जल्दी से कॉपी बनाओ हाँ, पहली रे कैसी निकलेगी सीधी सीधी निकलेगी और जो सीधी रे निकलेगी वो कहां से जाएगी एफ टू से जाएगी भाई है ना जो सीधी रे निकलेगी वो कहां से जाएगी एफ टू से जाएगी और अगर वो एफ टू से जाएगी ठीक है तो दूसरी वाली रे को हम ओ से निकालेंगे बहुत बढ़िया रहेगा ये ठीक है ओ से निकालेंगे तो ओ से निकाला तो भाई आप देख सकते हो आप देख सकते हो कि एग्जैक्ट टू एफ टू पर मिल रही है वो ऐसा ही होता है अगर आपने 2f1 पर ऑब्जेक्ट को रखा है तो इमेज कहां बनेगी इमेज 2f2 पे बनेगी इस बात को याद करते जाओ जैसे जैसे आपके हाथ से डायग्राम बनते जाएंगे वैसे वैसे आपको वो याद भी होते जाने चाहिए नेचर के साथ ये तरीका पढ़ाई करने का समझ गए बात को तो आपका जो इमेज है वो यहां बनेगा टू पे ऐसे ठीक है ना टू पर आपकी क्या बनेगी इमेज बनेगी क्लियर है बात क्लियर है बात आओ नेचर लिखे फटाफट से आओ फटाफट से नेचर को लिखा जाए पहला नेचर दूसरा नेचर तीसरा नेचर चौथा नेचर पहला नेचर क्या है पहला नेचर है है कि भाई बन कहां रही है? तो पोजीशन बताई जाती है पहले टू एफ टू पर बन रही है नंबर दो साइज में कैसी है बेटा जी सेम साइज बनती है जितना हाइट ऑब्जेक्ट का उतनी हाइट इमेज की सेम साइज की बनती है आपको लग भी रहा होगा ये फील भी आ रही होगी देख के इसको है ना कि सेम साइज की बनती है सेम साइज की बनती है नंबर तीन नंबर तीन ये है भाई रियल रेस से मिलकर के बनेगी तो कैसी इमेज बनेगी रियल इमेज बनेगी और रियल के साथ इन्वर्टेड फ्री मिलता है है ना अब है ना? मैं पीछे मुड़ूंगा तो मुझे आंसर दिख जाएंगे सारे ये देखो पता था अद्भुत गेमिंग समर्थ भटनागर शेरजिल खान स्टडी विद प्रिया खुशी साधना वगैरह वगैरह ठीक है ठीक है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया समझ गए भाई समझ गए बात को ठीक है ना है ना समझ गए ना भाई आता है चलाना ऐसी बात नहीं है गड़बड़ हो जाए तो क्या हो गया कर लेंगे सही कर लेंगे सेट पैनिक पैनिक नहीं होते पैनिक जैसी कोई चीज नहीं हमारे जीवन में ठीक है आओ जी नंबर चार पे चलते हैं है ना महाकाल के भक्त हैं पैनिक पैनिक नहीं हुआ करते महाकाल के भक्त है ना है ना पांच हजार लौंडा चाहिए पांच हजार लौंडा ठीक है आओ देखो आओ देखो 2f1 और f1 के बीच में रखा गया है ऑब्जेक्ट ठीक है ना 2f1 और f1 के बीच में रखा गया है ऑब्जेक्ट ठीक है तो रे कैसी निकलेगी बेटा आईसी आईसी निकलेगी पैरेलल है ना और पैरेलल रे अगर निकलती है तो जाएगी कहां से f2 से जाएगी भाई चली गई f2 से जाएगी भाई चली गई ठीक है ना f2 से जाएगी भाई चली गई दूसरी रे को निकालो ओ से ठीक है दूसरी रे को निकालो दूसरी रे को निकालो ओ से ओ से निकालेंगे अगर रे को ई देखो भाई ई देखो भाई मिली कि नहीं मिली अरे मिली कि नहीं मिली वहां मिल गई ना जहां मिल गई है वहां क्या बना दोगे भाई वहां इमेज बना दोगे क्योंकि सर से निकली है तो सर नीचे मिलेगा सीधी सी बात है लॉजिक है तो है ना लॉजिक की जय हो सर से सर से रे निकलिया तो सर नीचे मिलेगा आपको ठीक है ना सर मत दर्द करो मेरा सर सर बुलवा के सर दर्द करते हो यहां देखो ये बन गई आपकी इमेज ठीक है ये बन गई आपकी इमेज ओके okay. और हम इस प्रिंसिपल एक्सिस को थोड़ा सा आगे एक्सटेंड कर देते हैं ना ना प्यार प्यार में है ना? इसको हमने थोड़ा सा क्या कर दिया एक्सटेंड कर दिया ओके okay. तो अब आपको दिख रहा होगा कि जो इमेज बनी है बता दिया बच्चों ने भाई अर्जुन भाई छा गए लोकेश भाई छा गए आदित्य भाई छा गए वंश भाई छा गए रंजन भाई छा गए सुमैया नवाज बेटा है या बेटी है जो भी है छा गई ठीक है है ना तो पीछे बन रही है बियॉन्ड टू एफ टू बन रही है नेचर लिख लिया जाए नेचर लिख लिया जाए कहां बन रही है बियॉन्ड बियॉन्ड टू एफ टू बियॉन्ड टू एफ टू एक बात दूसरी बात दूसरी बात साइज में कैसी है बड़ी है बेटा एनलार्ज्ड है ये हाईली ना बोलियो हाईली ना बोलियो चेक करके बोल हाईली तो नहीं है इन्फिनिटी वाला केस तो नहीं है भाई ये है ना छोटा सा ऑब्जेक्ट है और उसकी इमेज कुछ पर्याप्त बन रही है मतलब कुछ कैल्कुलेटिव uh, इमेज है है ना कुछ इन्फिनिटी इमेज तो नहीं बन रही है ना इनफाइनाइट हाइट तो तो नहीं है है इसकी तो two, हो गया है ना नंबर तीन बोलेंगे रियल इसको क्यों नहीं बोलेंगे भाई रियल रेस से मिलकर बन रही है तो रियल है रियल रेस से मिलकर बन रही है रियल है कहीं एक्स्ट्रापोलिशन नहीं कही गई कहीं एक्सटेंशन नहीं किया गया कहीं डॉटिड आपको नहीं दिख रही है तो बात खत्म है ना रियल है और नंबर चार इनवर्टेड भी है फ्री मिलता है मिलता है नोट करो जल्दी से और लिखो डन नोट करो जल्दी से और लिखो डन चैट छोड़ के चैट छोड़ के नोट करो और लिखो डन भर दो भाई भर दो कमेंट सेक्शन भर देना चाहिए पढ़ाएंगे आज क्या तुम तैयार हो मुझे पता है, तुम तैयार नहीं हो यार कल तुम्हारा स्कूल वुल भी होगा है ना कोई नहीं आराम से तुमको देंगे छह घंटे देंगे सोने के लिए आराम से चिंता ना करो छे घंटे बहुत होते हैं सोने के लिए और हम पहुंच गए अपनी सोवीं स्लाइड पर है ना जो की है ऑब्जेक्ट एट एफ वन तो रख लिया जाए भाई ऑब्जेक्ट को है ना एफ वन पर एफ वन है कहां पहले ये तो बना ले तो ये है भैया आपका ऑप्टिकल सेंटर ये है आपका एफ वन ये आपका टू एफ वन ये है बेटा जी एफ टू और ये है बेटा जी टू एफ टू है ना कुछ ऐसा ही यहां पर भी है कि ये है ऑप्टिकल सेंटर ये है एफ वन ये है टू एफ वन ये है एफ टू और ये है टू एफ टू सही बात है भाई सही बात है भाई कोई टेंशन नहीं है कोई टेंशन नहीं है चलो देखो देखो हर बार कुछ ना कुछ बुलवाने की कोशिश करते हो मेरे से मैं नहीं बोलूंगा लेकिन चुपचाप पढ़ो F1 पर रख दिया गया ऑब्जेक्ट को बेटा है ना और यहां पर देखो कहां रखा है F1 और O के बीच में रखा है सबसे स्पेशल केस यही है बेटा सबसे स्पेशल केस यही है थोड़ा सा स्पीड से चलता हूं न्यूमेरिकल भी है क्योंकि काफी सारे करवाने वाले फिर पावर भी करवाना है है ना तो थोड़ा सा स्पीड से चलते हैं ठीक है चलो देखो देखो फिर सो भी जाना स्कूल भी है तुम्हारे है ना सोना आराम से देखो पहले आपने लाइट डाली सीधी मैंने आपको कहा है कि आपने हमेशा पहले सीधी लाइट डालनी है पहले हमेशा कैसी लाइट 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 डालनी डालनी है 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 सीधी सीधी वो कहां से 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 जाएगी अपने को बचपन पता है, बात तो सर पैदा जब हैं तभी जानते है। कुछ लोग तो अभिमन ऐसे जाएगी लाइट यस यसर नो यस नो है ना सीधी जाकर के फोकस से और दूसरी ऑप्टिकल सेंटर से निकलेगी तो वो भी सीधी जाएगी मुझे एक बात बताओ अगर मैं इसको एक्सट्रापोलेट कर भी लू है ना पद छे को सरका भी दू अगर मैं इसको इसको भी मैं पच्छे को सरका दूं तो भी नहीं मिलने वाली है तो तो आगे भी जाकर के कहा बनेगी भाई ये इन्फिनिटी बनेगी है ना फोकस पे अगर ऑब्जेक्ट रखा जाता है तो इमेज गायब धुआं हो जाएगी इमेज गायब हो जाएगी इमेज ठीक है ना एफ वन पर ऑब्जेक्ट रखा होगा तो इमेज आपको इन्फिनिटी पर दिखेगी वो भी मतलब इन्फिनिटी का मतलब बहुत दूर यानी गायब ही हो जाएगी इमेज सीधी सी बात है ठीक है आइए नेचर लिखे बच्चों ने नेचर लिखना शुरू भी कर दिया नितिन साधना बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया टिके हुए टिके हुए बढ़िया मोहित धरवाल धरवाल मोहित धरवाल भाई ठीक है चलो नेचर ऑफ द इमेज लिखते हैं नंबर वन नंबर टू नंबर थ्री नंबर फोर ठीक है नंबर वन क्या है नंबर वन है भाई इंफिनिटी बनेगी तो एट इंफिनिटी ठीक है इमेज जो बनेगी वो कहां बनेगी इंफिनिटी इसलिए मैं दिखा नहीं सकता उस इमेज को है ना ऐसे कोई बड़ी सी नीचे को बनेगी ऐसे लेकिन बढ़ेगी इंफिनिटी वो ठीक है नंबर दो बेटा सर जा रहा है नीचे ध्यान से सुन बात को सर जा रहा है नीचे पैर यही है जा रहा नीचे पैर यही है सर जा रहा नीचे पैर यही है सर ज्यादा नीचे पैर यही है सर जरा कितनी बड़ी इमेज बनेगी हाईली एंड बोलेंगे क्या बोलेंगे हाईली एंड इमेज बोलेंगे ठीक है ना यहां लिख रहा हूं यहां लिख रहा हूं कैसा कैसा हाईली हाईली एंड ऐसी बनेगी कौन इमेज हाईली एंड नंबर तीन नंबर तीन की बात करते हैं अब नंबर तीन क्या भैया देखो रियल रेज है वर्चुअल ले जाने का फायदा तो था नहीं है ना इसलिए रियल रेज ही जाकर के इंफिनिटी पर मीट करती हुई यहां बताई जा रही है तो इसलिए इसलिए जो इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी रियल बनेगी और सर नीचे है तो आप समझ सकते हो रियल के साथ क्या मुफ्त मिलता भाई निशुल्क निशुल्क सुविधा रियल और इनवर्टेड की निशुल्क सुविधा हमारे यहां उपलब्ध है ठीक है रियल और इन्वर्टेड साथ साथ ठीक है और बात करते हैं छठे वाले केस की हाईली इंपॉर्टेंट केस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जैसे उसका छठा केस इंपॉर्टेंट था कॉनकेव का वैसे इसका भी केस बड़ा इंपॉर्टेंट है छठे वाला ठीक है फटाफट से बनाता हूं उसके बाद आप दोनों को नोट करना डन 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 लिखना आगे बढ़ेंगे ठीक है ये लिया हमने पारलल, पारलल रे है ना अब आप जानते हो कि रे अगर मैंने लिया यहां पर ठीक है ना पैरलल रे अगर मैंने यहां पर ली है ठीक है तो वो कहां से जाएगी वो कहां से जाएगी जुगाड़ कम है क्या हमारे पास तेरे जुगाड़ है ये नहीं सुधरेगा तो हम सुधर सुधार देंगे इसको ये ले भाई है ना देखा देखा जी देखा जी आपने अरे ये क्या हो गया ओहो अच्छा वो पीछे चला गया सब कुछ यार कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं जल्दी से करता हूँ मैं दोबारा ठीक है दोबारा करता हूँ फिर आप नोट करना क्योंकि नोट्स फिर आएंगे नहीं नहीं तो ठीक है तो ओहो हो कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं ऑप्टिकल सेंटर एफ वन टू एफ वन एफ टू टू एफ टू ठीक है एफ वन टू एफ वन एफ टू एफ टू ठीक है तो यहां रखा हमने ऑब्जेक्ट को किधर एफ वन पे रखा ऑब्जेक्ट को ठीक है पहली रे पहली रे हमने सीधी निकाली तो कहां से चली गई फोकस टू से चली गई दूसरी ऑप्टिकल सेंटर से चली गई जा 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 और कहा मिली कहां मिली इन्फिनिटी पे मिली ठीक है नेचर लिखा था क्या एट इन्फिनिटी नंबर दो हाईली हाईली मैग्निफाइड भी बोल सकते हो आप हाईली एनलार्ज बोल सकते हो नंबर तीन है ना नंबर तीन रियल और नंबर चार इनवर्टेड इनवर्टेड ठीक है अच्छा इसके 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 केस में क्या था इसके केस में भाई इंपॉर्टेंट केस था एक तो ये अपने को पता है यहां आपने ऑब्जेक्ट को रखा ठीक है यहां ऑब्जेक्ट को रखा तो पहली रे आपने सीधी निकालनी है बेटा जो सीधी निकलेगी वो कहां से जाएगी वो कहां से जाएगी F2 से जाएगी या चली गई F2 से ठीक है ना और दूसरी वाली आप O से निकालो बेटा ठीक है दूसरी वाली आप कहां से निकालो

उधर हम क्या बनाएंगे इमेज बनाएंगे तो ये इमेज जो है इसको बोलते हैं बिहाइंड लेंस बनना ठीक है क्या बोलते हैं इसको बिहाइंड लेंस बनना तो यहां पर सिर्फ इकलौता ऐसा केस है, के जहां लेंस क्या बन रही है इमेज बन रही है ठीक है हाँ इन फ्रंट ऑफ द लेंस इन फ्रंट ऑफ द लेंस बोले है ना सही है सही है तो एक दो तीन चार है ना पहले बन कर रही है इन फ्रंट ऑफ द लेंस है ना और कभी कभी ऐसा बोलते हैं कि हम यहां खड़े ना तो पीछे बन रही है है ना तो ऐसा बिहाइंड तब भी बोल देते हैं इसको है ना वैसे आप इन फ्रंट ऑफ द लेंस बोलो ठीक है कि लेंस लेंस से से आगे आगे बन रही है क्योंकि पता कहीं बन सकती है ना 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 इसको 2F1 मत बोलना इसको 2F1 के पास बन रही है 2F1 पे बियॉन्ड बन रही है ये मत बोलना बेटा क्योंकि ये कहीं भी बन जाती है ये जो है ना ये वाली इमेज ये कहीं भी पीछे बनेगी इस इससे पीछे बनेगी बस जहां मर्जी बने इस बात का ध्यान रखना नहीं बियॉन्ड टू एफ नहीं बोलते समर्थ मेरे बच्चे मेरे भाई मेरे छोटे भाई ठीक है सेम साइड एज द ऑब्जेक्ट भी बोल सकता है यश नो टेंशन उज्जवल कुमार सही बात है कोई टेंशन नहीं है ना इस बात पर मत लड़ो भाई आपस में <laughs> चलेगा चलेगा ठीक है ना तो बस ये बात ध्यान रखना कि 2f1 के बियॉन्ड ना बोलो इसको ठीक है क्योंकि ये इधर ही बनती है इधर इधर बनती है डिपेंड करता है इसकी पोजिशन क्या रखी गई है ओर एफ एन के बीच में ओर एफ एन के बीच में ऑब्जेक्ट को कहां प्लेस किया गया उस पर डिपेंड करता है कि इमेज कहां बनेगी बेसिकली ये बात है ठीक है तो इन फ्रंट ऑफ द लेंस आ गया मैं मान गया मैंने लिख दिया कोई दिक्कत नहीं नंबर दो नंबर दो क्या है भाई अच्छा देखो यार ऑब्जेक्ट है छोटा इमेज है बड़ी ऑब्जेक्ट है छोटा इमेज है, बड़ी. बड़ी है तो क्या बोलेंगे क्यों क्योंकि रियल रे तो चली गई भाई ये तो उसकी एक्स्ट्रा से बनी एक्सटेंशन तो से बनी है, ये तो है दोनों है ना तो इसलिए क्या बोलेंगे इसको वर्चुअल बोलेंगे और आपको दिख रहा है कि वर्चुअल के साथ इरेक्ट फ्री मिल रहा है आपको है ना सीधी खड़ी इमेज है जैसे सीधा खड़ा ऑब्जेक्ट है जैसे सीधा खड़ा ऑब्जेक्ट है वैसे सीधी खड़ी ये इमेज है सही बात है भाई। सही बात बात है है भाई ठीक है नोट करो जल्दी से नोट करो जल्दी से बेटा एमसीक्यू की एक अलग से सीरीज लेके आएंगे सेपरेट सीरीज आएगी एमसीक्यू की चिंता नागर ठीक है एमसीक्यू के लिए अलग से जैसे ही थ्योरी पार्ट खत्म होगा वैसे ही अपन स्टार्ट करेंगे है ना वॉरियर वालों को भूल थोड़ी जाएंगे ठीक है जैसे ही हो जाए भाई डन लिखो जैसे ही नोट हो जाए डन लिखो डन की स्पेलिंग तो ठीक लिखो ठीक <laughs> है चलो ओके ओके भाई डन है तो फिर डन है चलो बढ़ते हैं आगे ठीक है ना डन 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 आ गया सौवीं स्लाइड हो गई थी है ना अब हमारी बारी है कॉन्केवलेंस के दो केस करने की है ना जो कि लास्ट डायग्राम है इसके बाद डायग्राम की समाप्ति मैम की बात नहीं कर रहा समाप्ति मतलब एंडिंग हो जाएगी उसके बाद हम लोग चलेंगे न्यूमेरिकल की तरफ ठीक है ना बढ़िया बढ़िया बहुत बच्चे हमारे साथ बने हुए पांच हजार लौंडा बना हुआ हमारे साथ पांच लौंडा महाकाल की कृपा से पांच हजार लौंडा बना हुआ है ठीक है <laughs> ठीक है चले बढ़ते हैं बढ़े बड़े बड़े आगे बढ़े देखो ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी दिस इज ऑप्टिकल सेंटर दिस इज फोकस वन डबल ऑफ फोकस वन फोकस टू डबल ऑफ फोकस टू सेम टू सेम ऑप्टिकल सेंटर फोकस वन बना लो फटाफट पट जल्दी से चैट छोड़ के चैट छोड़ के इतने बना लिया करो क्योंकि तो मेरे को समझाना भी होता है तुमको खाली बनाना बनाना है और सुनना सुनना है है ना समझ में तो तुमको आदा ही आता है <laughs> मजाक कर रहा हूं दिल पे मत लेना भाई ऑब्जेक्ट कहा है इंफिनिटी भी यहाँ है है ना ऑब्जेक्ट कहा है यहां है इन्फिनिटी ठीक है माने बहुत दूर है है ना बहुत दूर है ऑब्जेक्ट ठीक है बहुत दूर ऑब्जेक्ट है तो क्या करा जाए तो क्या करा जाए रेस को लाया जाए पैरल अरे रेस को लाया जाए पैरल अरे रेस को लाया जाए पैरल ले आते हैं भाई ये आई पैरल रेस ये आई पैरल रेस ये आई पैरल रेस ये आई पैरल रेस आ गई तो ना क्या होगा अब इनका इनका क्या होगा है ना F1 से बातें करेंगी और फैल जाएंगी ऐसे 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 और ऐसे ठीक बात ठीक बात बढ़िया बात है ना तो एक बात यह बताओ बात यह बताओ कि जो लाइट आई वो तो फैल गई ना वो तो ऐसे आई और ऐसे चली गई ना तो यहां तो डॉटेड ही दिखाना पड़ेगा ना बेटा जी है ना बेटा जी यहां तो क्या दिखाना पड़ेगा डॉटेड दिखाना पड़ेगा ना यार डॉटेड ये डॉटेड ठीक है ना तो ये तो आपको डॉटेड दिखाना पड़ेगा और ये सारा का सारा कहां कहां पर मीट करता हुआ लग रहा है बच्चे लिखना भी चालू हो गए हैं बढ़िया बढ़िया है ना लिखना भी चालू हो गए हैं आओ इसका नेचर फटाफट से लिख दू मैं है ना इसका नेचर फटाफट से लिख दू नेचर नंबर वन नेचर नंबर टू नेचर नंबर थ्री नेचर नंबर चार चार नेचर होते हैं चार नेचर लिखने पड़ेंगे अच्छा देखो ये जो आपका बड़ा सा ऑब्जेक्ट है है ना ये जो आपका इन्फिनिटी पर बैठा बड़ा सा ऑब्जेक्ट है उसकी सारी रेज यहां अपियर होंगी है ना वो तो चली गई ना पीछे करके एक्स्ट्रापोरेट करोगे तो यहां आपको आपका इमेज दिखेगा आप कहीं से भी देखो उसको मतलब जिधर से भी लाइट उसमें घुस रही होगी आपको यहां पर वो ऑब्जेक्ट दिखेगा है ना ऐसा लगेगा कि यहां से लाइट जा रही है तो अगर आपने आंखें यहां रखी अपनी आपने आंखें यहां रखी तो इस लेंस के थ्रू दिखेगा वो ऐसा होता है है ना ये तो आपकी आंख में जा रहा है ना देखो मेरी आंख में जा रही है तो आपको लेंस के थ्रू उधर दिखेगा वो रहा ऑब्जेक्ट असल में वहां लेकिन कुछ भी नहीं है कहा है वहां है वहां है बड़ी सी बिल्डिंग बुर्ज खलीफा टीवी टावर है ना नोएडा सिक्सटी टू वहां है बड़ी बड़ी बिल्डिंग है वहां है ठीक है ना लेकिन आपको छोटी सी यहां दिखेगी इसके थ्रू यह सिस्टम है है ना आई होप आप फील के साथ समझ पाए हो कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको नेचर लिखते हैं फटाफट पड़ से कहां बन रही है एट एफ ठीक है कहा बन रही है एट एफ नंबर दो साइज में कैसी हाईली डिमिनिश्ड हाईली शब्द कब प्रयोग किया जाता है जब इन्फिनिटी वाला केस होता है ठीक है ये हो गया नंबर दो नंबर तीन हाँ जी रियल रहे तो चली गई एक्स्ट्रा पुलट करके बनाई गई है तो ये वर्चुअल है ये वर्चुअल है और वर्चुअल के साथ एक चीज फ्री मिलती है वो है इरेक्ट वो है इरेक्ट मैं रट्टा नहीं मरवा रहा लेकिन ऐसा है तो है मैं याद नहीं करवा रहा लेकिन ऐसा है तो है दूसरा वाला करते हैं जल्दी से दूसरा वाला करते हैं जल्दी से अच्छा ये क्या है भाई ये क्या है ये, क्या है? ये कह रहा है ऑब्जेक्टेट फाइनाइट डिस्टेंस बोले किधर भी रख दो लेकिन वो नॉन डिस्टेंस होना चाहिए नॉन माने पता होना चाहिए वो डिस्टेंस क्या है है ना फाइनाइट डिस्टेंस का मतलब भाई हमें पता हो कि डिस्टेंस है क्या ठीक है तो कहां रखू बताओ इधर रखू इधर रखू इधर रखू इधर इधर जिधर मर्जी रख लो एक ही जगह पर इमेज बनती है एक ही जगह पर इमेज बनती है जिधर मर्जी रख लो जिधर मर्जी रख लो एक ही जगह पर इमेज बनती है बताओ कहां रखू बताओ कहां रखू तुम जहां बोलोगे वहां रखूंगा तुम जहां बोलोगे वहां रखूंगा बाकी मिटा दूंगा तुम जहां बोलोगे वहां रखूंगा वाकि मिटा दूंगा तुम जहां बोलोगे वहां रखूंगा वाकि मिटा दूंगा बताओ कहां रखू जिधर तुम बोलोगे उधर रखूंगा भाई कहीं भी हां खुशी कह रही कहीं भी भाई तो कहीं भी पूछा किधर रखू किधर रखू टू एफ वन एफ टू उधर रख दू एफ टू पे अब इधर में बता ना कहा रखू क्यार एफ टू में <laughs> टू एफ टू रख दो यार मजे ना लो यार मजे ना लो एफ वन रखते हैं ठीक है महिमा की सुन लेते हैं महिमा कह रही है एफ वन अच्छा सब आज बहुत सारे बच्चे एफ एन कह रहे हैं भाई बहुत सारे बच्चे एफ वन कह रहे हैं भाई सौरव सौरव जस्ट ट्राइंग जस्ट ट्राइंग कैसा नाम है ये ट्राई करी जा रहा है ठीक है ठीक है ओके ओके, ओके एफ वन पे रख लेते हैं खुश खुशी खुश खुशी खुश हो गई है खुशी करती कहीं भी रख लो ठीक है भाई पहली रें निकालेंगे सीधी बेटा पहली निकालेंगे सीधी सीधी वाली का क्या होगा बोलो भाई सीधी वाली का क्या होगा अरे अब क्या ब्रेक अब तो खींच देंगे भाई अब कोई ब्रेक नहीं उमेश रूपा पारा नो ब्रेक्स खींच देंगे ठीक है हाँ एफ वन को यूज करके फैलेगी इसमें कोई शक नहीं है इसमें कोई शक नहीं है, है ना एफ वन को यूज करके फैलेगी बोले तो बोले तो ये जो बनेगा ये डॉटेड बनेगा ये जो बनेगा ये डॉटेड बनेगा सही बात है सर सही बात है रे ऐसे आई और ऐसे निकल गई तो डॉटेड बनना चाहिए है ना दूसरी रे का क्या होगा दूसरी रे जाएगी से दूसरी रे जाएगी ओ से है ना और ओ से जाने वाली जो रे होगी बेटा जी वो ऐसे निकल जाएगी सीधी वो ऐसे निकल जाएगी सीधी है ना बेशक से वो रियल रे होगी बेशक से वो रियल रे होगी इसमें कोई शक वाली बात नहीं है है ना बेशक से वो रियल रे होगी कोई शक वाली बात नहीं है लेकिन तब भी एक रे तो वर्चुअल है ना और ऐसा भी सोच सकते हो कि अगर इसको पीछे एक्स्ट्रा किया गया तो भी वर्चुअली है है ना तो कोई दिक्कत नहीं एक रियल रे एक वर्चुअल रे दोनों मीट जहां कर रही है वहां वर्चुअल ही इमेज बनेगी वहां वर्चुअल ही इमेज बनेगी ठीक है ना तो यहां पर जो इमेज क्रिएट होती है यहां जो इमेज क्रिएट होती है छोटी सी इसका सर जो है ना इसका सर जो है ना वो छोटा सा यहां दिखता है या छोटा सा सर दिखेगा इसका ठीक है ना तो आपने आंखों से आंखें गड़ा करके ऐसे देखा ऐसे देखा इसको तो वहां पर आपको इसका सर दिखेगा समझ गए ना ऐसे आंख में जानी चाहिए वाली रे तो आपको वहां सर दिखेगा ये सिस्टम है सिस्टम है ठीक है ना भाई तो आपकी जो इमेज है वो कहां बन गई बिटवीन एफ वन एंड ओ बहुत बच्चे लिख भी रहे हैं इस बात को बढ़िया बढ़िया बहुत बढ़िया ठीक है तो अपन भी लिख देते हैं एंड है ना कहां बन रही है पहले पोजिशन बताओ बिटवीन एफ एंड ओ बन रही है ठीक है तो बिटवीन एफ एंड ओ ये हो गया एक दूसरा साइज में है छोटी तो बोलेंगे डिमिनिश्ड है साइज में है छोटी तो बोलेंगे डिमिनिस्ड है ठीक है नंबर तीन नंबर तीन रियल रे नहीं है भाई वर्चुअल रे है तो ये कैसी इमेज है ये वर्चुअल इमेज है और वर्चुअल के साथ इरेक्ट फ्री है वर्चुअल के साथ इरेक्ट फ्री मिल रहा है आपको ठीक है तो ये हो गया चार केस नोट करो समझ नहीं आया ये वाला क्यों अरे इजी है बेटा जी सुमिया बेटा सुमिया बेटा इट इज वेरी इजी वेरी इजी सीधी गई है जो फोकस को यूज करके उड़ेगी सही बात रूल नंबर वन और ये कौन सा रूल है रूल नंबर टू है ओ से निकलेगी तो यहां मीट नहीं करेगी क्या जहां मीट करेगी वहीं सर मिलेगा खत्म बात ठीक है चलो नोट कर लें जल्दी नोट कर लें जल्दी और लिखें डन पानी पी लेंगे कोई नहीं डन लिखो डन जल्दी से सही ठीक है ठीक है ठीक है आ गया भाई आ गया डन आ गया भर दिया भाई भर दिया भर दिया भर दिया डन भर दिया ठीक है चलो चलो जी ये सारे एक रिविजन स्लाइड की तरीके से आपके सामने आ गए हैं ठीक है जब आप इसके नोट्स निकालोगे कॉपी करोगे जो मर्जी करोगे हाथ से बना लिए तो बहुत अच्छी बात है भाई हाथ से बनाने से अच्छा कुछ नहीं होता ठीक है ना नोट्स अपने हाथ से जब बनाए जाएं तो उससे बढ़िया कोई चीज नहीं है दुनिया में कोई चीज नहीं है दुनिया में उससे बढ़िया है ना और रिपीटेडली नोट्स बनाया करो रिपीटेडली उसी को रिविजन कहते हैं रिविजन का मतलब खाली देख देखना नहीं होता कि किताब खोली और देखना शुरू कर दिया क्या लिखी है इसमें कथा ठीक है ना ना वो रिविजन नहीं है हाथ से लिख करके देखना ये रिविजन होता है ठीक है बढ़िया है भाई? है भाई ना आगे बढ़ता हूं स्लाइड से भी ठीक है हाँ ये टेबल भी है भाई जैसे पहले था वैसे सेम टू सेम भाई अपन सेम टू सेम चलता है यूनिफॉर्मिटी है जीवन के अंदर है ना तो ऐसे ही चलेंगे हम तो है ना पहले भी टेबल दी थी अब भी आपको टेबल दे रहा हूं है ना तो ये सारे कॉन्वेक्स केस हैं बेटा इन्फिनिटी पर रखा ऑब्जेक्ट की पोजिशन इमेज की पोजिशन साइज कैसा होगा और नेचर कैसा होगा सारी बातें लिखी हुई है ठीक है ओके okay, कोई ब्रेक नहीं कोई ब्रेक नहीं वन शॉट के अंदर कवर करेंगे चीजों को ठीक है हाँ ठीक है धन्यवाद धन्यवाद के ओपी नहीं भाई एसओपी मैंने पहले ही बताया एसओपी एसओपी एस, ओपी, एस ओपी, के ओपी नहीं स्क्रीनशॉट लेने हैं क्या ले लो भाई ले लो स्क्रीनशॉट लो स्क्रीनशॉट लो स्क्रीन शॉट लो बेटा अर्णव गौर तू टॉप करेगा बेटा चिंता ना कर लो एक और स्क्रीनशॉट लो ले लो जल्दी से लव शर्मा लफ्जू लब बेटा लब्जू हा ठीक है जी बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं आगे होप आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट इसका न्यूमेरिकल की बात करते हैं रिफ्रैक्शन पर जितने न्यूमेरिकल है यानी स्फेरिकल पर जितने भी न्यूमेरिकल वो सारे करेंगे हम लोग है ना ठीक है चलते हैं साइन कन्वेंशन पहले समझ लेते हैं फटाफट से इसकी साइन कन्वेंशन हल्की सी अलग है थोड़ी सी अलग है बस बाकी सब कुछ सेम है ठीक है जैसे ये है आपका लेंस है ना क्या नाम है इस लेंस का कॉनवेक्स लेंस चैट छोड़ करके बोर्ड पे देखो बस हो गई चैट हो गई बातें हो गई बातें बस बोर्ड पे देखो और बनाते जाओ साथ साथ ठीक है ये कॉन्वेक्स लेंस है और ये कॉन्केव लेंस है सिर्फ पढ़ने वाले बच्चे ही बैठे चैट के अंदर बाकी जाके सो जाए आराम से नींद पूरी लें अपनी है ना पूरी नींद जरूरी है दिमाग रहा होगा ठीक है तो ये हो गया कॉनकेव और ये हो गया कॉन्वेक्स लेंस ठीक है साइन कन्वेंशन अगर बेटा आपको समझ नहीं हो तो आप हमेशा यह सोच करके चलो कि आपको ऑब्जेक्ट तो हमेशा लेफ्ट ही रखना होता है कहीं भी रखा हो लेफ्ट ही रखा है आपने कहीं भी रखा हो इन्फिनिटी रखा हो तो भी आपने लेफ्ट ही रखा है है ना कहीं भी रखा हो आपने क्या रखा है लेफ्ट ही रखा है ठीक है ना ऐसे यहां पर भी आपने कहीं भी रखा हो लेफ्ट ही रखा मैंने पूछा भी था आपसे कहां रखू तो भाई आपने लेफ्ट ही रखना है तो यू जो है वो आपका नेगेटिव ही रहेगा यू आपका हमेशा नेगेटिव ही रहेगा सही बात है सर फोकल लेंथ का क्या होगा तो भाई ऐसा है अब बात आती है कान खोल के सुनने वाली अब बात आती है कान खोल के सुनने वाली और वो बात ये है और वो बात ये है कि लाइट आएगी अगर सीधी और कॉन्वेक्स लेंस पर पड़ेगी तो F2 से गुजरेगी और अगर लाइट आएगी सीधी और कॉनकेव लेंस पर पड़ेगी तो F1 का इस्तेमाल करके फैलेगी इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए आपको इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए आपको ठीक है इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए आपको तो इसीलिए इसीलिए यहां पर एफ टू फोकस जो है वो यूज हो रहा है इसको बोलेंगे वो दो एक्टिव -दो तो होता है, है, तो है। तो राइट right वाला, right वाला जो फोकस होगा वो एक्टिव होगा ठीक है और इसके अंदर जो लेफ्ट वाला फोकस होगा वो एक्टिव होगा ये वाला फोकस जो है वो एक्टिव होगा है ना यहां पर राइट right वाले फोकस की कोई इज्जत नहीं है यहां पर लेफ्ट वाले फोकस की कोई इज्जत नहीं है समझ गए ना यहां राइट वाले फोकस का सम्मान नहीं होता या लेफ्ट वाले फोकस का सम्मान नहीं होता इसीलिए 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 यहां पर जो फोकल लेंथ ली जाती है वो प्लस में ली जाती है पॉजिटिव ली जाती है आपको यह बात भूलनी नहीं है आपको यह बात भूलनी नहीं है यहां जो फोकल लेंथ ली जाती है वो पॉजिटिव ली जाती है यहां जो फोकल लेंथ ली जाएगी वो क्या ली जाएगी नेगेटिव ली जाएगी क्यों क्योंकि यहां पर नेगेटिव वाला फोकस एक्टिव है बात को समझने का प्रयास करें फोकल लेंथ यहां पर क्या ली जाएगी नेगेटिव ली जाएगी यू तो यू तो नेगेटिव ही है यू दोनों जगह नेगेटिव है ये तो हमेशा है लड़ाई कहां मचेगी लड़ाई एफ पे बचेगी ये तो हमेशा ही नेगेटिव लेना है आपने यू लड़ाई जो मचेगी वो एफ पर मचेगी ठीक है ना और एचआई एचआई की तो कोई सॉरी एचओ एचओ की भी कोई लड़ाई नहीं है वो भी पॉजिटिव ही रहेगा है ना हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ रखते हैं ऐसे तो ये भी पॉजिटिव ही रहेगा हमेशा एचओ भी पॉजिटिव ही रहेगा बात खत्म

डब्बा बंद नोट कर लो उधर प्लस था यहां माइनस है दैट्स इट ठीक है उधर प्लस था यहां माइनस है बस इतना ही है ठीक है फॉर्मूले के अंदर वहां प्लस था मिरर में प्लस था लेंस में माइनस है बाकी ऐसा कैसा लिखना है बिल्कुल सही आयुष राज रंजन मिश्रा याया अली बढ़िया, ठीक है ना बढ़िया

डब्बा बंद इन्हीं दोनों के रेशियो को मैग्निफिकेशन कहते हैं ठीक है ना लेकिन सर जल्दी क्या है जल्दी जल्दी है भाई जल्दी नहीं होगी तो क्या होगा यहां ये बोलो कि जल्दी करो ऐसा बोलो जल्दी करो बोल रहा जल्दी क्या है जल्दी है भाई घर नहीं जाना क्या तुमने मतलब तो मैंने तो मैंने जाना है मतलब तुमने क्या जाना है ठीक है तो एक तो हो गया ये एम ठीक है ना एम यानी हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एक तो हो गया ये फॉर्मुला दूसरा फॉर्मुला जो है मैग्पेशन का वो डिराइव्ड फॉर्मूला है और वो है वी बाई यू वो है वी बायू वहां क्या था वहां माइनस वी बायू था यहां क्या है यहां प्लस वी बायू है फर्क है प्लस माइनस का फर्क है बिल्कुल सही बालक लोग बिल्कुल सही प्रूफ नहीं है सिलेबस में क्यों करना है आर्यन भाई क्यों करना है नहीं है प्रूफ सिलेबस में. में क्यों करना है क्यों करना है प्रूफ सिलेबस में नहीं है खा मा और आधा घंटा लगवा दोगे तुम है ना वो इतना बड़ा सा फॉर्मुला उसमें तीन जगह से रह जाती है इतना लंबा चौड़ा उसका वो है डेरिवेशन ठीक है ना रहने दो उसको ट्वेल्थ में जाके सीखना आराम से ठीक है तो ये हो गया लेंस फॉर्मूला मैग्निफिकेशन और ये अपना मैग्निवेशन का डेफिनेटिव फॉर्मूला डेफिनेशन से आया वो ये फॉर्मूला है असली फॉर्मूला ये है ये तो डिराइव्ड है तू तो डिराइव्ड है तेरी तेरी क्या औकात इसके आगे ये असली है ठीक है हाँ जी हाँ जी आ गया अच्छा अब वो टूल्स वैसे के वैसे ही है भाई टूल्स भी अगर ओ ये क्या हो गया टूल्स भी वैसे के वैसे ही हैं, ठीक है क्या बात अगर एम यानी मैग्निफिकेशन पॉजिटिव रही पौजिटिव रही, ठीक है तो तो इरेक्ट। नेगेटिव रही, तो रही, इनवर्टेड भूलना नहीं भूलना नहीं इनवर्टेड के साथ रियल फ्री इरेक्ट के साथ वर्चुअल फ्री रट्टा मरवा रहा हूं ऐसा समझ लो लेकिन है तो है भाई हम आप देखने में आया तो आया है, ठीक है ना बस याद करो ना करो आपके ऊपर आपको कर, लिखना तो पड़ेगा आपको देखने में तो आएगी ऑब्जर्व तो उसको करोगी ठीक है ना और एम की वैल्यू एम की वैल्यू अगर ग्रेटर देन वन है तो एन सेम टू सेम वही बातें सारी ठीक है M अगर इक्वल टू है तो सेम साइज सेम साइज ठीक है और एम की वैल्यू अगर वन से और जीरो के बीच में यानी जीरो पॉइंट वन जीरो पॉइंट टू जीरो पॉइंट थ्री सिक्स जीरो पॉइंट नाइन एट जीरो पॉइंट एट फाइव ऐसी सब वैल्यूज अगर हैं ठीक है तो भाई साहब क्या लोगे अरे साहब बोलो क्या लोगे डिमिनिश्ड लोगे है ना क्या लोगे डिमिनिश्ड और एक बात का ध्यान रखना कि जब साइन देख रहे हो तो वैल्यू नहीं देखनी और जब वैल्यू देख रहे हो तो साइन नहीं देखना बात का ध्यान रखना ठीक है जब साइन देख रहे हो तो वैल्यू ना देखना जब वैल्यू देख रहे हो तो साइन ना देखना ठीक है तभी आप सही सही चीजें कर पाओगे ठीक है नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी गड़बड़ हो जाएगी नहीं तो ठीक है आइए न्यूमेरिकल करते हैं फटाफट से जल्दी से आप अटेम्प्ट करो एक न्यूमेरिकल है इतने हम जल ग्रहण कर लें। देखो यार क्वेश्चन इतना मुश्किल नहीं है क्वेश्चन इज नॉट दैट टफ ठीक है देखो कोई नहीं बच्चों को नहीं आया बता देते हैं देखो यार देखो हो क्या रहा है एक कॉन्वेक्स लेंस है प्यारे बच्चों पुत्र जी एक कॉन्वेक्स लेंस है वो कैसी इमेज प्रोड्यूस कर रहा है जरा ध्यान से देखना ध्यान से देखना बच्चे कर अरे वाह अरे वाह कुछ ने तो आंसर भी दे दिया सावास, सावास, रियल इनवर्टेड और 2.5 टाइम्स मैग्निफाइड मतलब एनलार्ज्ड है मतलब एनलार्ज्ड है है ना और कितना ढाई गुना एनलार्ज्ड है अरे बाप रे ढाई गुना यानी m m कैसे लिखोगे सबसे पहले तो इनवर्टेड के लिए साइन आता है नेगेटिव यानी आपको m को क्या लिखना पड़ेगा माइनस लिखना पड़ेगा कितना माइनस ढाई गुना माइनस ठीक है ना -2.5 ये आपको m लेना पड़ेगा ठीक है यह आपको एम लेना पड़ेगा ठीक है उसके बाद कह रहा है कि जो कॉन्वेक्स लेंस प्रोड्यूस द रियल इनवे इमेज इमेज बना रहा है एट अ डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस यानी लेंस से 25 सेंटीमीटर पर वो इमेज बना रहा है अब आपका दिमाग चलना चाहिए कि भाई जो वी है वो 25 सेंटीमीटर तो है ठीक ठीक माइनस में लू के प्लस में लू जल्दी बताओ जल्दी बताओ माइनस में लू के प्लस में लू हाँ भाई सारे पढ़ने वाले बोलो अब पढ़ने वाले बोलो पेन छोड़ो टाइप करो पेन छोड़ो टाइप करो पेन छोड़ो टाइप करो माइनस के प्लस माइनस के प्लस माइनस के प्लस माइनस के प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माँनस, माँन, अरे भाई साहब क्या, क्या कर रहे हो क्या कर रहे हो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नेगेटिव बोल रहे हैं फाइव परसेंट बच्चे लेकिन पॉजिटिव बोल रहे हैं बाकी देखा देखी बोल रहे हो क्या पॉजिटिव है यहां देखो जरा यहां देखो बच्चों आप जानते हो कि अब में बनना चाहिए आपके आप जानते हो कि जो कॉन्वेक्स लेंस है ओ भाई, यां देख, यां देख, भर दी तूने तो चैट सेक्शन यहां देख अब यहां देख ठीक है हा आप जानते हो कि भाई रियल बन रही है इनवर्टेड बन रही है एंड लार्ज बन रही है माइनस प्लस लिखना बंद करो अब सुनो ध्यान से बात को जो गड़बड़ कर रहे हैं तो आधे तो गड़बड़ कर ही ना देखते हैं प्लस है क्या माइनस है क्या है वो है ना अब ध्यान से सुनना इनवर्टेड बन रही है रियल बन रही है और एनलार्ज बन रही है ऐसा कब होता है ऐसा कब होता है क्या इमेज पीछे बनती है तब होता है ऐसा इनवर्टेड इमेज पीछे देखी है आपने क्या कोई कोई ऐसी इमेज देखी है तूने क्या यार है कि मैंने ऐसे ऑब्जेक्ट रखा और ऐसे इमेज बन रही हो यहां पे ये मिरर है क्या आर पार बनेगी ना आर पार बनेगी ना यार ये ये वाला केस है भाई तभी बोल रहा हूं इतनी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको कि आप न्यूमेरिकल देख के समझ जाओ कि के केस कौन सा है जिस दिन आपकी ये तैयारी हो गई ना सो नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता भाई सौ नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता आपको ठीक है ना जिस दिन आपकी ये तैयारी होगी पूरे में से पूरे नंबर आएंगे कि आप क्वेश्चन पढ़ के केस बता दो क्वेश्चन पढ़ के माइंड में ड्राइंग बन जानी चाहिए रेड डायग्राम वो तैयारी कर एफ वन टू एफ वन के बीच का केस है ये जिसकी रे सीधी निकलेगी तो एफ टू से जाएगी और दूसरी ओ से जाएगी और यहां बनेगा ये देख अब चेक कर जरा नेचर नेचर को को चेक कर रियल है हा है रियल रेस से मिलके बन रही है ये ले एरो भी देख रियल से मिलके बन इनवर्टेड है हा भाई इन्वर्टेड भी है अरे ढाई टाइम्स मैग्नीफाइड है बड़ी भी बन रही है देख लो माइनस कैसे लिखते हो कैसे लिखते हो माइनस भाई अभी भी एक माइनस लिख रहा है भाई प्लस बन रही है राइट साइड पे ऑप्टिकल सेंटर के राइट साइड पे साइन कन्वेंशन को समझने का प्रयास करें ऑप्टिकल सेंटर आपका ओरिजिन है आज की डेट में ऑप्टिकल सेंटर अब अब प्लस हो गए ना हाँ हाँ धन्यवाद धन्यवाद बहुत बढ़िया है ना यहां से राइट अगर जाएगी है ना यहां से राइट अगर जाएगी तो पॉजिटिव है यहां से लेफ्ट होगी तो नेगेटिव है तो वी नेगेटिव नहीं हो सकता बेटा वी तो यहां क्या लेंगे पॉजिटिव लेंगे आओ जी आओ जी वी आपका प्लस है माइनस नहीं लिया जाएगा और ये तैयारी आपको करनी है ऐसा ही धासु क्वेश्चन में इसलिए जानबूझ के लेकर के आया ठीक है ताकि फंसो फसो तो लिखो नेगेटिव है ना कैलकुलेट द फोकल लेंथ एंड पावर ऑफ द लेंस पावर ऑफ द लेंस मैंने पढ़ाया नहीं है तो इसको अभी स्किप करते हैं इस पार्ट को भी स्किप करते हैं बाद में निकाल लेना आप है ना और फोकल लेंथ की बात कर रहा है कि एफ फाइंड करके दिखा भाई एफ फाइंड करके दिखा तो पहले तो एम और वी से वी की हेल्प से हम यू फाइंड करेंगे फिर वी और यू की हेल्प से हम एफ फाइंड करेंगे ये तरीका ऑप्टिमम है एकदम बढ़िया तरीका है ये फाइंड करने मतलब बढ़िया नहीं है बढ़िया नहीं है थोड़ा मजदूरी वाला तरीका है लेकिन मैग्निफिकेशन का तो फॉर्मूला है और प्लस आता है और वी कितना है भाई वी है पच्चीस और यू आएगा नीचे वी पॉजिटिव पच्चीस है देख लो देख लो अभी पॉजिटिव पच्चीस रखा है मैंने और यू यहां यू ऊपर ढाई नीचे यू इज इक्वल टू ट्वेंटी फाइव अपॉन ट्वेंटी फाइव और यहां आ गया दस पच्चीस से पच्चीस कट गया माइनस का वो भी तो यू आपका माइनस टेन निकल के आएगा यू आपका माइनस टेन निकल के आएगा और आना भी चाहिए अगर यू माइनस नहीं आ रहा ना बेटा तो समझ ले वेस्ट है मेरा सात घंटे खड़े होकर यहां बोलना वेस्ट है अगर आपके यू नेगेटिव में नहीं आ रहा तो सो ही जाओ आप सो ही जाओ वो बढ़िया रहेगा क्यों नेट भूख रहे हो है ना क्यों आंखें जला रहे हो यू आपका नेगेटिव आना चाहिए इतनी तैयारी के बाद आपका यू नेगेटिव आना चाहिए और नहीं हो तो फिर कुछ भी लिख देना यार वन अपन एफ इज इक्वल टू वन बाई माइनस वन बाई यू यही करेंगे ना यही करेंगे ना तो पुट करा जाए ये लैग हो रही है स्क्रीन थोड़ी सी यार ज्यादा स्लाइड हो गई क्या हैवी ड्राइवर नहीं है यार ये है एफ कितना है एफ तो फाइंड करना है वी है प्लस पच्चीस और यू है माइनस टेन ठीक है वी है प्लस पच्चीस और यू है माइनस टेन ठीक है ये माइनस माइनस प्लस हो गया और ये वन बाय है ये वन बाय इज इक्वल टू है वन बाय पच्चीस प्लस वन बाय टेन ठीक है पच्चीस और दस कैल्सियम अपन पचास ले लेते हैं वैसे मैं ढाई सौ लेता यहां पर ढाई सौ लेके छुट्टी करता लेकिन तुम मानोगे नहीं तुम बोलोगे नहीं रॉन्ग सर सोल्यूशन इज रॉन्ग रॉन्ग है सर ढाई नहीं हो सकता सर पचास होगा इसका आंसर ठीक है पचास लिख लेता हूँ पचास लिख लेता हूँ ठीक है पच्चीस दूनी पचास डबल हो जाएगा और दस पंजे पचास पांच पे आएगा ये ठीक है ना ये हो जाएगा वन बाय एफ इज़ इक्वल टू सेवन बटा फिफ्टी और एफ आ जाएगा फिफ्टी बटा सेवन फिफ्टी बटा सेवन वो भी पॉजिटिव का है ना पॉजिटिव 50 बटा सेवन आपको सकते हो निकाल दिया बच्चों ने बहुत बढ़िया है पॉइंट वन कह रहे हैं सही है सही है बढ़िया मस्त, 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 दिक्कत नहीं ठीक है ना फोकल गई है पावर की बात जब करेंगे तो पावर को भी पढ़ लेंगे एक और क्वेश्चन करो फटाफट जल्दी से एक ही तो न्यूमेरिकल करा अभी हवा निकल गई क्या करो करो एक और न्यूमेरिकल करो

ठीक है तो क्या कह रहा है कि फाइंड द पोजिशन पोजिशन बतानी और नेचर बताना है सबसे पहले ये बताओ ये जो लेंस है इसका राइट right वाला फोकस रहता है एक्टिव तो फोकल जो है उसको प्लस लूंगा कि माइनस पंद्रह लूंगा प्लस लूंगा लूंगा? प्लस लूंगा लूंगा प्लस लूंगा लूंगा कि कि माइनस माइनस जल्दी बोलो प्लस पंद्रह के माइनस पंद्रह फोकल लेंथ मैं समझ जाऊंगा आपको आ गया है क्वेश्चन फिर सॉल्व हो जाएगा प्लस 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 बढ़िया 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 फोकल लेंथ प्लस ली जाएगी कितनी पंद्रह सेंटीमीटर शाबाश, राइट वाला फोकस एक्टिव है बेटा साइन कन्वेंशन सीख गए समझ गए बहुत बढ़िया मजा आ गया ऑब्जेक्ट को प्लेस किया गया डिस्टेंस पर दस सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो हमेशा नेगेटिव में ही रहता है इसमें क्या इसमें क्या झगड़ा है ना आपको पोजिशन फाइंड करनी है नेचर फाइंड करना यानी वी फाइंड करना है और एम फाइंड करना है दैट्स इट और की तो बात कर ही नहीं रहा है ठीक है बहुत बढ़िया अपन फॉर्मूला लगाते हैं कौन सा कौन सा फॉर्मूला है ना इक्वल टू वन बाईन वन बाय कितना है यहां यहां देख लेता तो, वन बाय पंद्रह प्लस का इज इक्वल टू वन बाय वी माइनस का वन बाय माइनस टेन अब बेटा यह माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और उठाकर उधर पटक देता हूं इसको

ज इक्वल टू में से तीन गए माइनस वन बाई थर्टी बहुत बच्चों ने पहले ही आंसर निकाल दिया था वी इज इक्वल टू माइनस थर्टी सेंटीमीटर गजब से समझ में आ रहा है अब वी निकाल के खाली काम नहीं चलेगा एम भी निकालना पड़ेगा भाई ठीक है एम भी निकालना पड़ेगा उसके लिए एक पेज एक्स्ट्रा ले लेता हूं ठीक है एम इज इक्वल टू होता है वी बाई यू जो कि आपको बहुत सारी बातें बता के जाएगा इसके नेचर के बारे में देखो नेचर लिखना है कि नहीं लिखना नेचर लिखना है कि नहीं लिखना लिखना है ना तो एम तो पता होना चाहिए ना यार यारू वी U है v कितना है है ना माइनस का तीस है भाई ठीक बात ठीक बात माइनस का तीस यू कितना है यू कितना है यू है माइनस का दस यू है माइनस का दस माइनस से माइनस कट गया जीरो से जीरो कट गया एम निकल के आया प्लस थ्री बोला ना बोला ना साइन को देखेगा तो नंबर को ना देखियो नंबर को देखेगा तो साइन को ना देखियो मैग्नीट्यूड देखो तो साइन ना देखो साइन देखो तो मैग्नीट्यूड ना देखो अभी अभी हम देखते हैं सिर्फ साइन को साइन मुझे कह रहा है कि भाई मैं तो इरेक्ट हूं है ना साइन तो कह रहा है कि भाई हम क्या है इरेक्ट ठीक इरेक्ट के साथ वर्चुअल फ्री इरेक्ट के साथ वर्चुअल फ्री सही बात है है ना इरेक्ट के साथ वर्चुअल फ्री और ये मैग्नीट्यूड मुझे बोल रहा है कि भाई मैं तो मैं तो वन से बड़ा हूं और अगर मैं वन से बड़ा हूं तो इसका मतलब मैं तो मैग्निफाइड हूं यानी कि एनलार्ज हूं बात एक ही है बात एक ही है बहुत बढ़िया सर बहुत बढ़िया सर समझ में आया आगे बढ़ते हैं फटाफट से ठीक है एक और न्यूमेरिकल जल्दी से एक और न्यूमेरिकल जल्दी से हां लास्ट केस है बिल्कुल ठीक कह रहा है बिल्कुल ठीक कह रहा है बेटा ला वर्चुअल इलेक्ट समझ गए समझ गए बढ़िया बढ़िया एकदम हां हां मोर न्यूमेरिकल दे तो रहे हैं दे तो रहे हैं मोर न्यूमेरिकल आओ मैं करता हूं मैं करूं क्या मैं करूं चलो चलो मैं करता हूं अरे अब तक तो आंसर आ जाता भाई और टाइम भी ज्यादा हो रहा है यार एन ऑब्जेक्ट फाइव सेंटीमीटर यानी यू ले लिया मैंने माइ अच्छा ओ ओ, ओ ओ लेंथ है लेंथ है फाइव सेंटीमीटर लेंथ आई एम सॉरी आई एम इन नींदर मैं नींदों में हूं <laughs> फाइव सेंटीमीटर लेंथ तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो पॉजिटिव फाइव लिया जाएगा सेंटीमीटर में हाँ की ना अच्छा उसको रखा गया हेल्ड का मतलब पकड़ा हुआ है होल्ड कर रखा है पच्चीस सेंटीमीटर दूरी पर एक कन्वर्जिंग लेंस से अरे ये कन्वर्जिंग लेंस कौन सा होता है भाई कन्वर्जिंग लेंस कौन सा अरे इकट्ठा करने वाला लेंस अरे इकट्ठा करने वाला लेंस कौन सा होता है अथर्व कह रहा है कॉन्वेक्स लेंस होता है बिल्कुल ठीक कह रहा है भाई ये तो कॉन्वेक्स है ये तो कॉन्वेक्स है तो लाइट आकर के क्या करेगी भाई फोकस पे मीट करेगी अरे राइट right वाला फोकस एक्टिव है भाई राइट right वाला फोकस एक्टिव है तो फोकलन क्या ली जाएगी? ली जाएगी जाएगी प्लस 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 कितनी Plus कितनी टेन सेंटीमीटर ली जाएगी बिल्कुल ठीक है बिल्कुल ठीक है यू कितना लेंगे माइनस पच्चीस लेंगे यू अरे हा की ना हाँ की ना यू लेंगे पच्चीस माइनस पच्चीस ना माइनस पच्चीस ना माइनस पच्चीस ना बिल्कुल बिल्कुल माइनस पच्चीस लूंगा भाई माइनस पच्चीस सेंटीमीटर बहुत बढ़िया क्या करना है पोजीशन साइज नेचर सभी कुछ पूछ लिया इसने हम भी सभी कुछ निकाल के मानेंगे भाई क्या क्या निकाल लेंगे, v निकाल, लेंगे M निकाल लेंगे और हाइट ऑफ इमेज निकालेंगे तीनों चीजें निकालेंगे ठीक है करते हैं स्टार्ट जल्दी से वन बाय इज इक्वल टू वन बाई वी माइनस वन बाई यू वन बाई एफ कितना है भाई एफ 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 जल्दी से टेन टेन वी कितना है वी कितना है वी तो नहीं है वी तो निकालना है अपने को माइनस यू कितना है माइनस का पच्चीस माइनस का पच्चीस अब यह माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इधर उठ के आएगा तो फिर माइनस हो जाएगा कैलकुलेशन समझ में आनी चाहिए भाई, है ना? यही देखो, आंखें इधर, नजरें स्क्रीन पर, ठीक ढाई तो सौ ले लू प्लीज प्लीज ढाई सौ लेना तो प्लीज प्लीज पचास ले लेता हूं चलो फिर लड़ोगे मेरे से पचास ले रहा हूं इसको पचास ले रहा हूं ठीक है ना टन फाइव जा फिफ्टी और ट्वेंटी फाइव टू सा फिफ्टी तो फाइव माइनस टू इज इक्वल टू वन बाई वी पांच में से दो गए तीन बटा पचास तीन बटा पचास इज इक्वल टू वन बाईवी वी आ गया पचास बटा तीन बहुत सारे बच्चे सात कैसे सात कैसे तीन है ना हाँ हाँ तीन है सात क्यों लिख रहा है हाँ 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 ठीक 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 तीन है भाई तीन है मुझे भी डरा दिया था भाई हाँ हाँ फिफ्टी बाय थ्री है यार कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी ना टाइम की बर्बादी फिफ्टी बाय थ्री हाँ 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 फिफ्टी बाय थ्री है यार तुम लोग कंफर्म कर दिया करो भाई मेरी कैलकुलेशन तुमको पता ही कैसी है है ना पूनिया सर का आशीर्वाद है लेकिन थोड़ा थोड़ा है मतलब आशीर्वाद पूरा लेकिन हम सीखते नहीं ना है ना चलो बढ़िया बढ़िया वी आ गया है वी आ गया एम पर चला जाए एम पर चला जाए एम होता है वी यू एम होता है वी बायू वी कितना निकल के आया है वी निकल के आया पचास बटा तीन पचास बटा तीन यू कितना है जल्दी हो यू कितना है माइनस का पच्चीस माइनस का पच्चीस पच्चीस दूनी एम आ गया माइनस टू बाई थ्री अरे भाई साहब अरे भाई साहब जरा ध्यान से देखो एम है माइनस का और ये है पॉइंट सिक्स सिक्स माइनस का पॉइंट सिक्स सिक्स मैंने बोला मैंने बोला अब समझ में नहीं आएगा अगर देखा नहीं तो ध्यान से समझ में नहीं आएगा देखा नहीं तो ध्यान से माइनस का मतलब माइनस का मतलब इनवर्टेड साइन देखो तो वैल्यू ना देखो वैल्यू देखो तो साइन ना देखो है ना अभी हम सिर्फ साइन पर फोकस करते वैल्यू को देख साइन छुपा करके इस वैल्यू को देख ये वैल्यू वन से छोटी है ये वैल्यू वन से छोटी वन से छोटी है तो क्या होगा बेटा डिमिनिश होगा क्या होगा डिमिनिश होगा है ना तो इसीलिए ये जो वैल्यू अपने को बता रही है ये बता रही है कि एम जो होगा वो वन और जीरो के बीच में लाइक कर रहा है ये कौन सा ये कौन सा केस है ये कौन सा केस है भाई ये डिमिनिश वाला केस है ये डिमिनिश वाला केस है ठीक है ना ये डिमिनिश वाला केस है तो रियल है इनवर्टेड है डिमिनिश है ये नेचर हमने लिख लिया अब एच आई की बारी रह गई है अब यार एच आई की बारी भी निकाल लें एच आई भी निकाल लें एम इज इक्वल टू एच आई बाई एच ओ सिंपल फॉर्मूला आउटपुट करें एम कितना है माइनस का टू बाय थ्री यहां रख लिया मैंने इज इक्वल टू एच आई एच आई तो निकालना है और एच ओ कितना है फाइव है एच ओ कितना है फाइव है तो एच आई ऊपर और फाइव नीचे ये फाइव ऊपर जाएगा तो हो जाएगा टेन बाय थ्री यानी एच आई आ जाएगा नेगेटिव का टेन बाई थ्री यानी एच आई आ जाएगा नेगेटिव का थ्री पॉइंट थ्री थ्री और ये नेगेटिव का साइन भी मुझे यही बता रहा है एच हाँ आई का साइन नेगेटिव आने का भी यही मतलब है कि इन्वर्टेड इमेज है, नीचे की तरफ बन रही है देखो साइन कन्वेंशन कितना ताकतवर है साइन कन्वेंशन देखो कितना ताकतवर है है ना आओ करो एक और न्यूमेरिकल अरे हेड्स ऑफ नहीं होता हेड्स ऑफ होता है टोपियां उतारते हैं सर नहीं उतारते कह रहा है उतार दूंगा मैं सर मत उतार भाई टोपिया होता है टोपिया हाँ, हैट्स ऑफ होता है हैट्स ऑफ एच एच ए टी एस बेटा बता दिया कि मैंने नेगेटिव क्यों होगा ठीक है ना अच्छा बच्चे इसको भी मैं ही सॉल्व कर देता हूं जल्दी से है ना बड़े बड़े यार तुम या दुख मना रहे हो सुख मना रहे हो समझ नहीं आ रहा अरे खुश हो के दुखी हो <laughs> खुश हो के दुखी हो चलो कॉनकेव लेंथ ऑफ फोकल लेंथ भैया कॉनकेव लेंथ है पहले तो देखते ही दिमाग में चैट बंद कर दो चैट बंद कर दो चैट बंद कर दो देखो सीखो देखते ही दिमाग में आने चाहिए एक ऐसी मुद्रा लेफ्ट वाला फोकस जो है वो एक्टिव रहता है यानी फोकल माइनस में ली जाएगी कितनी पंद्रह सेंटीमीटर नेगेटिव ऑफिसीन सेंटीमीटर लिया जाएगा ठीक है फॉर्म्स इमेज डिस्टेंस ऑफ वी रखा गया रखा गया है कितने पर 10 सेंटीमीटर पर रखा गया है है ना 10 सेंटीमीटर पर रखा गया है। अब आप लोगों की सूझबूझ देखी जाएगी अब आप लोगों की सूझबूझ देखी जाएगी और यह बताना कि वी को पॉजिटिव लू क्या नेगेटिव लू वी को पॉजिटिव लू ने वी को पॉजिटिव लू क्या नेगेटिव लू वी को प्लस की माइनस प्लस के माइनस बहुत बढ़िया भाई बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत सही मजा आ गया भाई मजा आ गया वीम नेगेटिव लिया जाएगा बेटा क्यों क्योंकि आप जानते हो इसका एकमात्र तो केस है एक ही तो केस है इसका जिसमें फाइनाइट डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट को रखा जाता है और तब यहां छोटी सी इमेज बनती है अगर आपको याद आ रही हो तो इधर छोटी सी इमेज बनती है ऐसे करके तो ये इमेज कहां बन रही है लेफ्ट ही तो बन रही है ये इमेज कहां बन रही है लेफ्ट साइड पे तो बन रही है ठीक है ना तो फोकल लेंथ हो गई पंद्रह लिख ली हमने और इमेज का डिस्टेंस भी हमने लिख लिया टेन वो भी सही सही लिखा है बिल्कुल साइन कन्वेंशन के साथ लिखा है मजा आ गया भाई मजा आ गया भाई मजा आ गया साइन कन्वेंशन के साथ लिखा है ठीक है ना कह रहा है इज द ऑब्जेक्ट प्लेस यू कहां रखें ये छोटे मोटे क्वेश्चन नहीं करवा रहा भाई तगड़े क्वेश्चन है, है ये फाड़ू ये अच्छे क्वेश्चन है ये ये अच्छे क्वेश्चन क्वेश्चन माने जाते हैं ये फुद्दू नहीं है अगर आप ये कर पा रहे हो तो बधाई सीख गए हो आप बहुत सारी चीजें ठीक है बहुत सारी चीजें सीख गए हो आप बहुत बढ़िया तो यू आपका क्या है वो बताना है और वट इज द मैग्निफिकेशन नेचर फलाना डिमकाना यानी एम भी निकालना है आपने एम से ही पता चलती है ना वो सारी बातें ठीक है तो करें स्टार्ट लो जी लो जी जल्दी से एफ एफ दिया वी दिया है यू निकालना है आपने है ना तो वन बाय इज इक्वल टू बंद कर दो वन बाई एफ इज इक्वल टू वन बाई वी माइनस वन वाई यू पुट करते जाएं अगर तो ये हो गया माइनस का पंद्रह वी की जगह पर क्या लिखूंगा माइनस का दस है ना और यहां पर यू ऐसी लिखा जाएगा ना माइनस का वन वाई यू सी एकदम सही है यह माइनस के वन वाई यू को उधर लेके जाता हूं ताकि वो पॉजिटिव का वन बायू बन जाए क्योंकि यू निकालना भाई यू निकालना, निकालना भाई और यहां क्या है

है ना यहां से यू जो निकल के आया वो निकल के आया माइनस थर्टी सेंटीमीटर और ये आना भी चाहिए माइनस में आना चाहिए माइनस में आना चाहिए माइनस में आना चाहिए माइनस में आना चाहिए बढ़िया बढ़िया बहुत बढ़िया मस्त मस्त ठीक है अब अब एम निकालने की आई बारी एम निकालने की आई बारी एम क्या होता है भाई वी बाई यू होता है, है ना और एम तो हमने निकाला ही नहीं हुआ अभी तक वी पता है माइनस दस है और यू पता है माइनस तीस है ठीक है माइनस दस

वन से छोटा है और वन से छोटा है तो भैया क्या बोला जाएगा क्या बोला जाएगा डिमिनिश्ड डिमिनिश बोला जाएगा ठीक है भाई ठीक है भाई गजब गजब भाई मजा दिला दिया तुमने तो भाई महाकाल की कृपा सब पर बनी रहे महाकाल की कृपा सब पर बनी रहे पांच हजार लौंडा चाहिए चलो आगे बढ़े आगे बढ़े लास्ट टॉपिक लास्ट टॉपिक पावर ऑफ द लेंस इसके बाद आप सभी को नमस्ते करके गुड नाइट करके चले जाएंगे हम भी अपने घर है ना और धीरज भाई जो हमारे साथ बने रहे पूरे कितने घंटे हो चुके हैं पता नहीं है ना जितने भी घंटे हो चुके हैं उस हमारे साथ बने रहे उनको बहुत बहुत धन्यवाद अभी आएंगे आपसे थोड़ा रूबरू होंगे है ना अभी अभी यहाँ धीरज ओपी आ जाएगा देखिए धीरज ठीक है चलो पावर द लेंस पे आते हैं फटाफट से लास्ट टॉपिक लास्ट टॉपिक पावर द लेंस चलो जी सबसे पहले एक मिनट एक मिनट इससे पहले मैं आपको बता दूं भाई पावर ऑफ द लेंस जो है ना बेटा वो लेंस की ताकत है अब ये लेंस की ताकत का मतलब क्या है तो मुझे आप एक बात बताओ ये लेंस करता क्या है ये लेंस तो करता क्या है या तो लेंस कन्वर्ज करता है या लेंस डाइवर्ज करता है हा कि ना या तो लेंस लाइट को इकट्ठा करेगा या लाइट को फैलाएगा इनमें से कोई तीसरा तो काम ना करता भाई है ना या तो इकट्ठा करेगा और फैलाएगा सही बात है कि नहीं है ना ठीक <laughsilli x2> <laughs> है ना या इकट्ठा करेगा या फैलाएगा है ना यही काम करेगा तो उस उसका इकट्ठा करना या उसका फैलाना का डिग्री कितना है डिग्री मतलब कैलकुलेट कैलकुलेशन वाली डिग्री नहीं कितनी तगड़ी तरीके से वो फैला रहा है या कितनी तगड़ी तरीके से वो इकट्ठा कर रहा है दैट इज बेसिकली कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस ठीक है ना सो द डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस एंड डिग्री ऑफ डाइवर्जेंस इज कॉल्ड पावर ऑफ द लेंस ठीक है छोटा सा टॉपिक है जल्दी जल्दी से चढ़ते हैं इस पर ठीक है ना तो पावर ऑफ द लेंस इज एबिलिटी ऑफ लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज रेज मतलब जैसा भी जैसा भी लेंस का नेचर होगा कन्वर्जिंग होगा तो कन्वर्ज करेगा डाइवर्जिंग होगा तो डाइवर्ज करेगा बात खत्म बात खत्म है ना इतनी छोटी सी बात है बस ठीक है पी इज इक्वल टू वन बाय एफ ये एक फॉर्मूला है ये फॉर्मुला क्यों है मैं अभी समझाता हूं आपको एसआई SI यूनिट जो होती है इसकी वो डायप्टर होती है जैसे मान लो मेरा जो स्पेक्ट्स है ये स्पेक्टिकल्स है मेरे ठीक है ना इसके एक आंख का जो मेरा नंबर है वो है टू पॉइंट सेवन फाइव और एक का है टू पॉइंट फाइव है ना 2.75, 2.5 नेगेटिव में है ये तो हम बोल देते हैं भाई नंबर इतना है आंख का आंख का नंबर कितना है आंख का नंबर इतना है ना ना हम बोलेंगे आंख का नंबर है है ना आईज का या ये जो ये जो लेंस है इसका नंबर है नेगेटिव ऑफ 2.5 पॉइंट डायप्टर नेगेटिव ऑफ 2.75 पॉइंट सेवन डायप्टर डायप्टर हम ऐसा यूनिट को लगाते हैं ठीक है ऐसा यूनिट डायप्टर को हम लगाते हैं तो डायप्टर को कैपिटल डी से लिखा जाता है बेटा ठीक है ना डायप्टर को कैपिटल डी से लिखा जाता है और आगे लिखा हुआ है अगर कन्वर्जिंग लेंस होगा, तो पॉजिटिव में पावर होगी और डायवर्जिंग हो तो में पावर होगी ये बात ध्यान रखना। अगर मैंने अपने अगर मैंने अपने, अपने चश्मे का नंबर आपको बताया है ना? तो इसका मतलब कौन सा लेंस लगा रखा है ठीक है।, है ना मेरी आंख का जो लेंस है वो कॉनकेव है अच्छा बूढ़े लोग जो होते हैं ह्यूमन आई के अंदर ज्यादा चर्चा करेंगे इस बारे में टॉपिक जुड़ता हुआ है टॉपिक टॉपिक अगले ह्यूमन आई वाले से जुड़ता हुआ है ना वहां पर ज्यादा बड़ी चर्चा करेंगे आज वैसे ही काफी हो गया है ठीक है अच्छा और कॉन्वेक्स कौन सा होता है जो बड़े बूढ़े यूज करते हैं है ना जो बड़े बूढ़े यूज करते हैं बुजुर्ग लोग या फिर जिनको हाइपर होता है वो लोग जो यूज करते हैं वो वो कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं उनकी पावर जो होती है वो पॉजिटिव में होती है ठीक है ना अब दादी के लिए चश्मा लेने जाओ मम्मी के लिए पापा के लिए अगर चश्मा लेने जाओ तो एक बार पूछना उनसे है ना पापा के लिए मम्मी से दादी से पूछना दादा से पूछना कि भैया ये जो आपका चश्मा है इसका नंबर क्या है तो बोलेंगे तीन या थ्री पॉइंट टू फाइव या थ्री पॉइंट फाइव या साढ़े तीन है भाई या चार है भाई या बोलेंगे पता नहीं भाई ठीक है ना इसमें से कुछ तो जवाब आएगा उनका है ना तो वो असल में प्लस में होगा अगर उनको पास का नहीं दिखता तो अगर उनको पास का नहीं दिखता तो प्लस का होगा है ना अब 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 बीमारियों के बारे में बात करेंगे बाद में ठीक है हम पहले समझते हैं कि पावर ऑफ द लेंस का मीनिंग क्या होता है ठीक है तू भी है अरे क्या पावर ऑफ लेंस का मीनिंग क्या है पावर ऑफ लेंस का मीनिंग क्या है बेटा ठीक है तो पावर लेंस का मीनिंग होता है अगर लेंस पतला है ध्यान से सुनना बात को जो बोल रहा हूं रोक दो शकल दिखा दूंगा धीरज की धीरज रखो थोड़ा यार नाम धीरज है उसका तुम धीरज रख रहे ठीक है तो ये जो लेंस है बेटा ये पतला है अब पतले लेंस का फायदा क्या पतले लेंस का फायदा क्या पतले लेंस का फायदा ये कि इसका जो गोला होगा वो बड़ा होगा सही बात है सर सही बात है सोच के देखना इस बात को अगर लेंस पतला होगा तो उसका गोला बड़ा होगा उसका कर्वेचर जो होगा वो ऐसा होगा ठीक है ना और अगर लेंस मोटा होगा अगर लेंस मोटा होगा ठीक है ना तो उसका जो कर्वेचर होगा उसका जो कर्वेचर होगा वो कैसा होगा छोटा होगा ठीक है ना उसका कर्वेचर होगा छोटा चैट रोक करके इस बात को सुनो भाई खत्म होने वाला मामला है ना बस थोड़ी थोड़ी देर की और बात है पतला लेंस इस तरह का गोला होगा सेंटर होगा दूर गोला छोटा होगा सेंटर होगा पास हां की ना हां कि ना बड़ा गोला होगा तो सेंटर होगा दूर छोटा गोला होगा तो सेंटर होगा पास छोटो ऐसा करवेचर है बेटा सोच ऐसा करवेचर है तो छोटा सा ही गोला घूम गया और ऐसा करवेचर है तो सोच बड़ा गोला घूमेगा तो सेंटर यहां कहीं मिलेगा और ऐसा है तो सेंटर इधर ही कहीं मिलेगा तो जब सेंटर पास मिल रहा है यानी टू एफ पास मिल रहा है अरे सोच फील कर इस बात को टू एफ पास मिल रहा है तो बेटा एफ बी तो पास मिलेगा यहां एफ बी दूर होगा और यहां एफ बी पास होगा तो जिधर लेंस पतला होगा थिन थिन लेंस होगा ठीक है तो फोकल लेंथ होगी ज्यादा इस बात को गांठ मार के रख ले अपने पास ठीक है इस बात को गांठ मार के भाई थैंक यू थेंक यू ना बोलो भाई मेरा काम है ये मुझे अच्छा लगता है काम ठीक है ना और अब बस खत्म ही करने वाले हम है ना तो ब्रेक की भी कोई नीड नहीं है है ना ओके पानी वानी पी लिया मैंने एकदम ओपी है सब कुछ ठीक है ना हाँ थिन अगर होगा तो फोकल लेंथ होगी ज्यादा बेटा ठीक है और थिक लेंस अगर होगा ठीक है थिक लेंस अगर होगा तो फोकल लेंथ होगी कम ठीक है फोकल लेंथ होगी कम अब आप इस बात को सोचो अगर लेंस पतला है अगर लेंस पतला है तो फोकस दूर है है ना ये देखो जरा अगर लेंस पतला है तो फोकस दूर है अगर लेंस मोटा है तो फोकस पास है तो एक बात बताओ एक बात बताओ अगर मैं 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 इस 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 पर 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 लाइट 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 अगर 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 तो यह दूर कहीं जाके कन्वर्ज हो रहा है दूर कहीं जाके आलस का मारा है इतना आलसी कहीं दूर जाके कन्वर्ज करता है उसको ये कोई एंगल है कन्वर्जेंस का क्या ये कोई तरीका है कन्वर्जेंस का नहीं, कोई तरीका होता ना ये कोई तरीका है क्या ये होता तरीका देखो जरा देखो जरा ये आई लाइट यही मोड़ दी 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 इसने बड़े एंगल से मोड़ी है आप समझना बेटा फॉर्मूला फॉर्मूला खाली याद ना रख पील कर पील कर उस चीज को दूर कहीं जाके कन्वर्ज करेगा तो क्या बड़ी बात है अरे पास में करके दिखा ज्यादा मोड़ के दिखा ना लाइट को और यही बात हम यहां पर भी करते हैं यही बात हम डाइवर्जेंस के लिए भी करते हैं कि भाई इसका फोकस दूर होता है और इसका फोकस नजदीक होता है तो लाइट इसके पास आएगी तो आई से हेल्प लेता हुआ ऐसे फैलाएगा है ना और ऐसे लाइट आएगी है ना तो ऐसे लेता हुआ ऐसे फैलाएगा आप ही बताओ किसका एंगल बड़ा है फील आ गई होगी अब फील आ गई होगी अब गुड मॉर्निंग हो गई अगला दिन हो गया है ना है ना तारीख बदल दी हमने आज आज हम सब ने तारीख बदल दी तारीख बनाई तो है और तारीख बदल भी दी हमने ठीक <laughs> है हाँ ये जल्दी बताओ भाई ये जल्दी बताओ भाई यहां पर जो एंगल है वो छोटू सा है और यहां पर जो एंगल है वो बड़ा है यानी यहां पर हो रही है कम कम डायवर्जेंस और यहां हो, हो रही है कम कन्वर्जेंस कन, हां की ना तो इसी को तो पावर कहते हैं भाई इसी का नाम तो पावर है इसी का नाम तो पावर है कि यहां पर पावर क्या है यहां पर पावर है कम और यहां पर पावर है ज्यादा और यहां पर पावर है कम और यहां पर पावर है ज्यादा और पावर जहां कम होगी फोकल लेंथ बेटा जी ज्यादा होगी और पावर जहां ज्यादा होगी फोकल लेंथ बेटा जी कम होगी यह होता है वन शॉर्ट लेक्चर के अंदर यह एनर्जी कम नहीं होती ना तुम्हारी ना मेरी कम नहीं हो सकती ये बढ़ती है ठीक है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेकिन पावर और फोकल लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है पावर और फोकल लेंथ इनवर्सली है पी कम तो फोकल लेंथ लेंथ ज्यादा है ना और फोकल कम तो पावर ज्यादा यहां पर भी ऐसा ही हो रहा है ये कम पावर वाला है है ना इसकी फोकल लेंथ ज्यादा है ये ज्यादा पावर वाला है कि इसकी फोकल लेंथ कम है ठीक है तो एक लाइन के अंदर मैं समराइज कर रहा हूं क्योंकि एक लाइन में जो कॉन्सेप्ट भर नाम है उनका रक्षक सर ठीक <laughs> है अगर लेंस होगा थिक अगर लेंस होगा थिक यानी मोटा यानी मोटा तो फोकल लेंथ होगी कम तो पावर होगी ज्यादा अगर लेंस होगा थिन यानी पतला तो फोकल लेंथ होगी अधिक और पावर होगी कम ठीक है तो इससे यह पता चलता है इससे यह पता चलता है कि पावर और फोकल लेंथ दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं। पावर और फोकल लेंथ दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ठीक है ना तो P इज इक्वल टू वन बाई एफ ऐसे ही नहीं लिख देते के साथ लिखते हैं इसको समझ रहे हो फील आनी चाहिए लिखने की कि क्यों लिख रहे हैं इसको इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि यह कहानी सत्य है है ना इसलिए लिख रहे हैं अब अब एक बहुत जरूरी बात है ना अभी खत्म नहीं हुआ है बहुत जरूरी बात ठीक है फोकल लेंथ ये वाली ली जाती है मीटर में तब पावर ली जाती है डायप्टर में एसआई SI यूनिट के अंदर बात कर दी जाती है दोनों में ही ठीक है दोनों में ही बात करी जाती है ऐसा यूनिट के अंदर ठीक है इसको इसको लिया जाता है इसको लिया जाए अगर, अगर में ठीक है इसको लिया जाए अगर अडेप्टर में तो इसको लिया जाता है मीटर के अंदर इसीलिए मैंने इसका फॉर्मुला इजी करने के लिए बना रखा है चैट को दो मिनट रोक करके सुन लो खत्म होने वाला बस उसके बाद बातें कर लूंगा थोड़ी सी एक दो मिनट तुमसे अभी चैट को रोक लो ठीक है ना तो फोकल लेंथ अगर बेटा मीटर में होगी तब जाकर के पावर अडेप्टर में होगी अदरवाइज आप नहीं लिख सकते Otherwise, आप यहां नहीं लिख सकते इसीलिए मैंने इस फॉर्मुले को थोड़ा सा मॉडिफाई करके आपको बताया है और मॉडिफाइड फॉर्मुला क्या है कि फोकल लेंथ आ, मतलब पावर जो है वो में भी रहे और आप फोकल लेंथ को सेंटीमीटर में भी रख पाओ पावर में रहे <laughs> पावर ऑफ द लेंथर में रहे और फोकल लेंथ को आप मीटर में भी रख पाओ समझ रहे हो सेंटीमीटर में भी रख तो, पाओ रख पाओ सॉरी इसीलिए इसलिए पावर का ये फॉर्मूला बन गया है हंड्रेड अपॉन एफ ठीक है ना हंड्रेड अपने कुछ नहीं किया बस हंड्रेड से डिवाइड कर दिया मीटर में अपना कन्वर्ट हो जाएगी अगर मैं यहां पे सेंटीमीटर रखता सोचो इमेजिन जस्ट मैं यहां पे सेंटीमीटर रखता डिवाइड बाय हंड्रेड करता ना तभी मीटर में आता ना तभी डाप्टर बनता ना इसलिए मैंने क्या किया सीधा हंड्रेड बाय एफ ले लिया इसको सीधा हंड्रेड बाय एफ ले लिया इसको ठीक है ना और ये फोकल लेंथ किस में हो गई सेंटीमीटर में हो गई और ये पावर सीधा डाप्टर में हो गई आप ये याद रखो बेटा आप ये याद रखो ठीक है आप ये याद रखो पी इज इक्वल टू हंड्रेड अपने काम आएगा आपके बढ़िया लिख दिया बच्चों ने लिख दिया बच्चों ने बहुत बढ़िया है ना आओ जरा एक आई स्पेशलिस्ट के पास चलें है ना जो कि प्रिस्क्राइब कर रहा है एक नंबर को को प्लस प्लस पॉइंट ये पावर है ये पावर है लेंस की ठीक है ना टू तो अ पर्सन फॉर इज ग्लासेस व्हाट इज व्हाट इज व्हाट इज द नेचर ऑफ द लेंस व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस पावर दे रखी है फोकल लेंथ निकालनी है और नेचर निकालना है करो जल्दी से करो जल्दी से

क्वल टू हंड्रेड बाय पी हंड्रेड तो हंड्रेड है साढ़े चार पी कितना है साढ़े चार. चार ठीक है ना पी है है और काट लेते हैं जरा इसको है ना ये हो जाएगा नौ दुनिया अठारह और दो और चला गया नौ दुनिया अठारह है ना? और नाइन ट्वेंटी टू में

एक और क्वेश्चन एक और क्वेश्चन एक पर्सन है भैया कोई 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 है ना नेगेटिव में नेगेटिव में थ्री पॉइंट सेवन फाइवर ठीक है अच्छा बेटा इसका ना नेचर बताना था सॉरी आपको खाली लेंस नहीं बताना था आपको नेचर बताना था आपने यहां पर कन्वेक्स आंसर नहीं लिखना हाँ जी सुन लो ध्यान से यहां पर आपने कन्वेक्स आंसर नहीं लिखना यहां पर आपने आंसर लिखना है कन्वर्जिंग आपने इसका नेचर बताना है है ना नेचर ऑफ द लेंस बताना है आपने लेंस का नाम नहीं बताना बोले नेम ऑफ द लेंस अगर बोले नेम ऑफ द लेंस तो कॉन्वेक्स लिखना अगर नेचर बोले तो नेचर ही लिखना है ना तो कन्वर्जिंग होगा इसका बताने के लिए आपको है ना अब बढ़ते हैं पौने चार है लेंस तो कर ली जा सकती है बड़े आराम से है ना एफ को आप निकाल सकते हो पी इज इक्वल टू हंड्रेड अपॉन एफ लगाओ वेर एफ इज इन सेंटीमीटर में निकल के आएगा एफ ऊपर पी नीचे तो ये आएगा हंड्रेड अपॉन चार ठीक है काट लो आप इसको तो फोकल आपकी नेगेटिव में निकल के आएगी, वो भी आनी भी आनी चाहिए, सॉल्व कर लेना सॉल्व कर लेना का भी क्वेश्चन कर लो आसान है शक्ल दिखा रहा हूं धीरज की यार हद हो गई तन्नू यार हद गई बस कर दिखा रहा हूं शक्ल यार तो रह थो रह थोड़ा, power, doctor, क्या यार

अगल-बगल में चिपका के रखा हुआ उसको, ठीक ठीक है है? ना? अगल बगल में चिपका के रखा हुआ उसको, तो कह रहा कि नेट पावर कितनी होगी? तो नेट पावर कुछ नहीं होता सीधा ऐड कर दी जाती है, है, ना? नेट पावर है ना सीधा सीधा ऐड कर दी जाती है जैसे सम लेते हैं ले टोटल पावर इज पी वन प्लस पी टू खतम खत्म कितना है टू कितना है माइनस का डेढ़ है है ना तो ढाई में से डेढ़ गया कितना बचा अरे में से गया कितना बचा भाई? One बचा भाई ना ना one बचेगा ना? One बचेगा है है ठीक तो अगर वन है अगर पावर वन बचा है पॉजिटिव का वन है तो कह रहा है कि फोकल लेंथ निकालो कॉम्बिनेशन की अब कॉम्बिनेशन की पावर निकल जब टोटल पावर निकल चुकी है जब टोटल पावर निकल चुकी है तो टोटल फोकल लेंथ निकालने में क्या दिक्कत है ठीक है माइनस वन क्यों आएगा भाई प्लस है ना ढाई में प्लस में ढाई है ना तो प्लस में वन आएगा ना प्लस वन में पावर आ गई है एफ। पी कितना है वन है, है ना और ये हंड्रेड अपॉन एफ है तो यहां से सीधा सीधा अपने को मिल रहा है कि जो एफ है वो सौ सेंटीमीटर है ठीक है ना ये फॉर्मूला तब लगाओ ये फॉर्मूला तब लगाओ ज्यादा ही मोटा हो गया <laughs> ये फॉर्मूला तब लगाओ जब आपको कैलकुलेट करना हो है ना सेंटीमीटर में चीजों को ठीक है जब सेंटीमीटर में कैलकुलेट करना हो चीजों को ठीक है ना तो सौ सेंटीमीटर बोलो या एक मीटर बोलो बात एक ही है है ना बात एक ही है ओके ओके जी आई होप ये लास्ट क्वेश्चन हो <laughs> लास्ट <ही> है <laughs> लास्ट ही है भाई है ना चलो ये लास्ट क्वेश्चन करो जल्दी से जल्दी से शौर सिंह ठाकुर धन्य हो गया <laughs> चलो देखो एक कॉन्वेक्स लेंस है बाबू ये क्या हो गया एक कॉन्वेक्स लेंस है बेटा जी जिसकी फोकल लेंथ है चालीस सेंटीमीटर ठीक है ना अब कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ दी हुई है यार पॉजिटिव में लेनी पड़ेगी इसमें कोई शक नहीं है अपने को है ना? है ना लेंस की फोकल लेंथ इतना अपन ट्रेन हो चुके हैं कि आपको उसको पॉजिटिव में फोर्टी लेना पड़ेगा सही बात है है ना और एक लेंस है उसकी फोकल लेंथ को पचास लेना पड़ेगा वो भी नेगेटिव में है ना तो एक एफ ले लो एक एफ ले लो है ना तो ये हो जाएगा कितना माइनस का पचास सेंटीमीटर सही बात है सर सही बात है उनको फिर कॉन्टेक्ट में रखा हुआ एक दूसरे से चिपका करके है ना एक दूसरे चिपका के रखा हुआ है कैलकुलेट द पावर ऑफ देयर कॉम्बिनेशन फोकल लेंथ ऑफ देयर कॉम्बिनेशन बहुत सिंपल क्वेश्चन है आप चाहो तो इंडिविजुअल पावर निकाल लो एड कर दो फिर निकाल दो यहां पर एक सीधा फॉर्मुला भी आता है दिखाऊं क्या ये देख, ये देख देख अगर दिखाऊ दे रखा है तो पी वन प्लस पी टू डब्बा वंथ अगर नेट फोकल निकालने के लिए बोले सबको वन अपॉन वन अपॉन वन अपन कर दो या सो पॉइंट सो पॉइंट सोपन कर दो क्या दिक्कत है सौ सो सौ कट जाएगा सब तरफ से भाई यहां पर अगर मैंने हंड्रेड बाय एफ टोटल लिख दिया और यहां हंड्रेड बाय एफ वन लिख दिया और यहां हंड्रेड बाय एफ टू लिख दिया तो सबका हंड्रेड 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 काट लो लोन वन, वन वन बचेगा तो क्या बन गया अरे ये तो पैरेलल वाला फॉर्मूला वेरी गुड है ना वन अपॉन एफ टीवल टू वन अपॉन एफ वन प्लस वन अपॉन एफ टू ठीक है जी ये एक और फॉर्मूला है ये एक और फॉर्मूला है ठीक है ये नेट फोकल लेंथ का है। तो आपका जो मन करे वो लगा ले भाई यहां डायरेक्ट पुट करके एफ टी निकाल ले पावर मतलब जो मर्जी आपकी आपकी मर्जी है टोटली जो मर्जी करो जो मर्जी करो आपकी मर्जी है ठीक है ना तो सॉल्व कर लोगे या मैं कराऊं कराऊं के कर लोगे करा देते हैं यार लास्ट है चलो इस फोकल वन से अपन पावर वन निकाल लेते हैं कैसे हंड्रेड बाय एफ वन इस फोकल टू से हम पावर टू निकाल लेते हैं हंड्रेड बाय एफ टू ठीक है तो ये हो जाएगा सौ बटा चालीस और ये हो जाएगा सौ बटा माइनस पचास ये ज्यादा शीटों पर लैक करता है क्या है ना ठीक है ना ये जीरो से जीरो कट गया ये टू ये फाइव तो आया ढाई तो आया ढाई ठीक है ना तो पी वन आ गया ढाई ओके? तो यहां से पी वन निकाल लिया प्लस ढाई डायप्टर डायप्टर और यहां से दो पावर आ गया माइनस टू डायप्टर ठीक है अब ये प्लस ढाई है ये माइनस टू है तो आधा बच गया आपको दिख रहा होगा है ना अरे अलग सर पावर वन है प्लस ढाई पावर टू है माइनस टू है ना सीधा सीधा दोनों को पुट कर दिया जाए सीधा सीधा दोनों को पुट कर दिया जाए बस मैं आपकी वेट कर रहा था अलग सर अब मैं जा रहा हूं अब <laughs> मैं जा रहा हूं ठीक है ना आप ही आप ही के हौसले की वेट कर रहा था अब मैं जा रहा हूं ठीक है ना देखो पी वन है प्लस ढाई है ना पी वन है प्लस ढाई और ये बेटा पी टू है ये पी टू है ये, ये माइनस दो है है ना तो कट पिट करके क्या बचेगा ये प्लस पॉइंट फाइव डेप्टर बचेगा ठीक है ना तो ये आ गई नेट पावर ये आ गई आपकी टोटल पावर सही बात है सही बात है अब इस टोटल पावर से आप क्या कर सकते हो इस टोटल पावर से आप टोटल फोकल लेंथ निकाल सकते हो आओ जी निकाल लेते हैं फिर है ना टोटल फोकल लेंथ कैसे निकलेगी भाई टोटल पावर इज इक्वल टू सौ बटा टोटल फो, टोटल फोकल लेंथ टोटल पावर कितनी थी कितनी आधा आधा डायप्टर तो आधा डायप्टर इज इक्वल टू सौ बटा एफ टी एफ टी ऊपर आधा पावर uh, जो है वो नीचे है ना आधा पावर नीचे तो सौ बटा पॉइंट फाइव पॉइंट कटा तो जीरो ऊपर और ये कट के आएगा कितना दो सौ सेंटीमीटर यही आ रहा है क्या यही आ रहा है क्या जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ ये आ रहा है क्या? सबका ये आया कि सब चैट में लगे हुए हां हां गुड 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 बढ़िया 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 टोटल लेंथ कितनी आई भाई 200 सेंटीमीटर आई है, है ना वो भी पॉजिटिव की ही आनी चाहिए सो आई है ठीक है तो भाई ये थी लास्ट स्लाइड और ये था आपका वन शॉट के अंदर पूरा पूरा का पूरा कंप्लीशन लेक्चर का ठीक है कुछ कहना हो तो बोलो कुछ कहना हो तो बोलो अलग सर को स्क्रीन पे बुलाया जाए अच्छा महाराज जी अलग सर को स्क्रीन पे पढ़ाया जाए बुलाता हूँ अभी स्क्रीन पे अलग सर को चैट में आ गए भाई बड़ी बात है सोने तो दो उनको आराम करने दो भाई अच्छा धीरज का फेस आ जा भाई आ जा, जा, जा जल्दी से आ जा जल्दी से आ जा ये है भैया धीरज बाल बाल ठीक करो धीरज भाई यस धीरज भाई धीर भाई कुछ कहना चाहते हैं कुछ नहीं कहना चाहते ठीक है धीरे भाई ओपी कर दो यार सब लोग एक बार बहुत बहुत मेहनत करते हैं यार बहुत मेहनत करते हैं यार सभी स्टूडियो के जितने भी लोग हैं सब मेहनत करते हैं मैं धीरज से आज पहली बार ही इतनी देर तक रुका हूँ वैसे आप जानते हो गिरीश भाई ओपी है ना वो तो हमेशा रुकते ही है ठीक है लेकिन रात वाला जो मामला होता है थोड़ा सा ज्यादा लेट वाला तो भाई साहब रुकते हैं ठीक है गिरीश भाई रुकते हैं ओ सॉरी धीरज भाई रुकते हैं ठीक है बहुत धीरेजैन के अंदर यार आपको दिख रहा होगा कितना धीरेजन में है ना ठीक है थैंक यू ठीक है और बताओ भाई और बताओ धीरज भैया को सल्यूट कर रहे हैं भाई सही है सही है मस्त मस्त चलें फिर चले भाई बहुत लेट हो गया है ना सोना चाहिए सोना चाहिए आप लोगों को ऐसे ऐसे सीधा बंद करना टीवी को और जो भी जिसमें भी आप देख रहे हो है ना लैपटॉप स्क्रीन व्रीन जो भी है सीधा बंद करना और सो जाना ठीक है ना जय सिद्धि जय महाकाल नमस्ते आदाब सत श्रीकाल जय सिद्धि जय महाकाल रोहित <laughs> रोहित स... <रोई> सर का <laughs> सही है सही है बेटा जी सबकी लाइन कॉपी करते हो सबकी लाइन कॉपी मेरी ही बन गई है अब है ना एक लाइन में जो कॉन्सेप्ट दे भर नाम है उनका रक्षक सर है ना चलो चलो फिर ठीक है हाँ हाँ अभी एकदम से नहीं बंद करना ठीक है ना हमेशा मेरे साथ ये होता है एकदम से बंद हो जाता है ये ठीक है ह्यूमन आई कब आएगा कितनी अच्छे क्वेश्चन पूछे ह्यूमन आई कब आएगा बेटा आ जाएगा तीन हफ्ते बाद ठीक है ना एज सुन एज पॉसिबल लेकर के आएंगे उसको ठीक है ह्यूमन आई को तो ये पूरा हो चुका है ठीक है लाइट आपका कंप्लीट हो चुका है, आपने अब करना क्या सुनने भाई? है, है ना? थोड़ा तेज अपने को चलना पड़ता है तो आप वापस उस जगह पर आकर के देख सकते हो है ना कुछ ना कुछ भले मानुस जो होते हैं वो टाइम टाइम डाल देते नीचे अच्छे बच्चे जो है हमारे यहाँ के आई होप कोई ना कोई डाल देगा उसको दिल भी दे देते हैं ठीक है ना तो उसके बाद आप आकर के उस पॉइंट पर जाकर के उस वीडियो को दोबारा से देख सकते हो ठीक है ना तो कोई टेंशन नहीं है जितने भी घंटे का हो गया हो गया वन शॉट का मतलब वन शॉट होता है एक घंटे में पूरा ओ, एक घंटा नहीं एक शॉट में पूरा कराना है तो कराना है तो इसलिए करा दिया ठीक है ना है ना होमवर्क यही है भाई आप लोगों का कि आपने आपने जो नोट्स बनाए हैं उनको रिपीट करना है रिपीटेड प्रैक्टिस करनी है उन नोट्स की ठीक है और आपने एनसीईआरटी कंप्लीट सॉल्व करनी है ठीक है अब ये मत समझना कि एमसीक्यू है ये मत समझना कि सब्जेक्टिव है कुछ भी है तुम्हारी तैयारी सब्जेक्टिव की ही होनी चाहिए ये मत समझना कि एमसीक्यू की तैयारी कोई अलग होती है भाई कोई अलग तैयारी नहीं होती एमसीक्यू की तैयारी तो यही होती है पढ़ाई तो यही होती है है ना इसी को सब्जेक्टिव पूछ लो इसी को ऑब्जेक्टिव पूछ लो क्या दिक्कत है तो आप सब्जेक्टिव की ही तैयारी करो ऑब्जेक्टिव अपने आप हो जाएगा ठीक ह्यूमन आई के साथ पूरी एनर्जी के साथ तब तक के लिए रुकवा दिया तू चले मिला फिर अगली बार क्रिस्टल क्लियर है सब कुछ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइम तब तक के लिए टेक केयर टाटा बाय बाय